हेलो एवरीवन दिस इज़ विभूति खरे एंड यूर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल मैगनी ब्रेन्स तो बच्चों आज फाइनली हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ फिज़िक्स स्टार्ट तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमने एक लिया था लाइव सेशन और उस आ, लाइव सेशन में यू नो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी सबसे पहले तो मैंने आपको आ, सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई मैं हूँ विभूति खरे और मैं ही आपको क्लास टेंथ फिज़िक्स पढ़ाने वाली हूँ फिर इसके बाद में हमने कुछ आ, अपनी यू नो प्लान ऑफ एक्शन स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी थी कि क्लास टेंथ फिज़िक्स को पढ़ने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है उसमें भी हमने कई सारे आपके पॉइंट्स कवर करे थे तो आज उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये है क्लास टेंथ फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर और इसी से हम स्टार्ट करेंगे तो बच्चों बेसिकली ये है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जहाँ पे आपको वो टॉपिक्स देखने हैं जो कि हमें अपने फर्स्ट चैप्टर के अंडर कवर करना है तो अभी हम देख लेते हैं फटाफट फड़ कि वैसे ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंडर पढ़ने हैं ठीक है तो देखो सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन या जो ओवरव्यू है हमारे चैप्टर का देखने के बाद डर मत जाना कि मैं तो इतना लंबा चैप्टर है आई नो आप सब ने जो है ना बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी क्योंकि ये क्या अगस्त आ गया है ऑलमोस्ट चला ही गया है अगस्त है ना तो अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा अगर पूरा नहीं पढ़ा होगा तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें मिरर्स आते हैं दोनों टाइप के इनफैक्ट तीनों टाइप के प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इसके बाद में लेंसेज आ, आ जाते हैं तो ये चीज़ आपको पता होगी कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू को देख करके डर मत जाना क्योंकि इस चीज़ में क्या हो रहा है ना कि हम आ, सभी टॉपिक्स को यू नो डिफरेंट टॉपिक्स को हमने एकदम सेपरेट कर लिया है ठीक है और इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा बड़ा हो गया है बाकी और कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए ठीक है सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जो ना ले, नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होने वाला है इस टॉपिक पे जो कि है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट देखो जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत ही बेसिक से चलने वाली हूँ मेरी आदत नहीं है कि मैं डायरेक्टली जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके आपको सॉल्व करने के लिए दे दूँ मेरा मानना यह है कि आपके जितने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे ठीक है उतना आपके लिए बेटर है वो क्योंकि जब आप इलेवन ट्वेल्थ में जाओगे तो इसी चीज़ का आप एक एडवांस्ड वर्जन देखोगे एक एडवांस्ड फॉर्म देखोगे तो उस चीज़ से बच्चे ना घबराएं इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो अपना बेस है ना उसको आप मजबूत कर लें तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट तो इसमें हम कुछ लाइट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर में उन टर्म्स को हम बार बार यूज़ करेंगे तो एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि वो टर्म्स क्या होते हैं ठीक है उनका कंसेप्ट समझ लें तो बार बार उन्हें यू नो

कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है रिफ्लेक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं एक लो बॉल उसको एक आप एक वॉल पे या सिंपली ग्राउंड पे आप स्ट्राइक करो क्या होगा बॉल वापस आपके हाथ में आ जाएगी ये जो बाउंस बैक हो रही है बॉल इसी तरह से जो हमारी लाइट है वो भी बाउंस बैक हो जाती है कि किसी भी सरफेस पे जब आप उसको स्ट्राइक करोगे लाइट को ठीक है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी तरफ आ जाएगी इनफैक्ट जो हमें यू you नो know, सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं कहीं रेडी होकर के जाना रहता है तो हम खड़े हो जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे जहां पे लगा होता है एक मिरर तो उस मिरर में जो हमें हमारी इमेज दिखती है या आप बोल सकते हो जो रिफ्लेक्शन दिखता है वो क्यों होता है इसी के कारण क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इनफैक्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का जिसके कारण हम अपनी इमेज आईने में देख पाते हैं ठीक है फिर इसको बाद में हम फॉलो करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से तो बेसिकली ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये मैं एक ही वीडियो लेक्चर में मैं कंबाइन करके पढ़ाऊँगी क्यों ये भी छोटा सा है और ये भी छोटा सा है बहुत ज़्यादा यू नो समझाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं तो इन दोनों टॉपिक्स को हम एक ही लेक्चर में कंबाइन करके पढ़ेंगे फिर इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर तो भाई प्लेन मिरर में जब हम इमेजेस के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इसमें आपके पास कुछ टर्म आएंगे जैसे कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज ठीक है इन्वर्टेड इमेज या अपराइट और इरेक्ट इमेज तो इस तरह की कुछ वर्ड्स से आपका इंट्रोडक्शन होगा हमारे इस टॉपिक में क्लियर फिर इसके बाद में स्फेरिकल मिरर भाई स्फेरिकल मिरर तो अपना यू you नो know, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मिरर जो कि एक स्वेयर से डिराइव होगा स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं भाई दो होते हैं एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स है ना एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स और ये दोनों ही क्या है टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर्स के तो इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों मिरर्स कहाँ से आए होंगे तो एक स्वेयर से डिराइव किए गए होंगे क्लियर फिर इसके बाद में टर्म्स रिलेटेड टू स्वेरिकल मिरर्स इस टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है रेडियस क्या है पोल क्या है है ना डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे आपको जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होंगे वो देखने को मिलेंगे मेरा एक आपसे सवाल है आपने अभी तक फोकस वर्ड तो, तो सुन ही लिया होगा मिरर्स के कंसेप्ट में है ना? टर्म फोकस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो हमारा टर्म है फोकस क्या ये एक मिरर का ही कंपोनेंट है यूजुअली जब हमारे पास किताब आती है तो उसमें लाइन से जो है ना सेंटर ऑफ करवेचर रेडियस ऑफ करवेचर ठीक है प्रिंसिपल एक्सेस फोकस पोल ये सब दिया रहता है लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या फोकस एक स्फेरिकल मिरर का ही कंपोनेंट है या ये कुछ डिफर करता है बाकी कंपोनेंट से जैसे कि प्रिंसिपल एक्सेस हो गई है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया पोल हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो गए अपर्चर हो गया तो क्या हमारा ये फोकस इन सभी टर्म से कुछ डिफरेंट है क्या ये स्फेरिकल uh, मिरर का एक कंपोनेंट है या नहीं आंसर अपना तैयार रखना ठीक है है या नहीं इसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे इस सेशन में इस टॉपिक में क्लियर फिर इसके बाद में साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, देखो बच्चो आ, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा नाइन्थ वगैरह में कि जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं हमने बात करी विलोसिटी की हमने बात करी फोर्स की हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट की तो वैक्टर क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो है ना तो जब हम बात करते हैं सपोज फोर्स की तो हमें एक फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ता है और एक फ़ोर्स का हमें नेगेटिव लेना पड़ता है जैसे कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ से कहाँ लेफ़्ट से टुवर्ड्स राइट तो इस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव ठीक है इस डायरेक्शन को ले लिया हमने पॉजिटिव लेकिन अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है किस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट तो अब इस फोर्स का डायरेक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा ये डायरेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपको ऑलरेडी पता हुआ है उसी तरह से जब स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बनती हैं ठीक है थीके? तो उनके भी कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं कि आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था उसकी इमेज का बनी है मिरर के पीछे या मिरर के आगे ऑब्जेक्ट के आगे या ऑब्जेक्ट के भी पीछे ठीक है इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी है या इरेक्ट यानी कि सीधी बनी है तो इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के हम यहाँ पे लेके आते हैं साइन कन्वेंशंस ठीक है कि ऑब्जेक्ट का यू नो ऑब्जेक्ट और इमेज का डायरेक्शन कहाँ है इमेज कहाँ बन रही है कैसी बन रही है तो हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ता है हमें बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव समझना पड़ता है मिरर uh, से बनने वाली इमेज में भी ठीक है फिर इसके बाद में रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है यहाँ तक आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो दोनों के लिए होगी कॉनकेव मिरर्स के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यानी कि सभी स्वेरिकल मिरर्स के लिए लेकिन इस टॉपिक से अब हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा अलग अलग हो जाएगा अब हम उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे ठीक है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस जो कॉन्केव मिरर्स इमेज बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उन इमेजेस को ट्रेस करने का भी कोई नियम होता है कुछ नियम होते हैं और वो नियम हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में ठीक है फिर इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब जो कॉन्केव मिरर है उसके आगे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑब्वियसली बात है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके आगे हम क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट रखेंगे जैसे कि ये मेरा मिरर है और ये रहा ऑब्जेक्ट इसको मैं अलग अलग पोजिशन पे रख के देखूंगी कि जब मेरा ऑब्जेक्ट फॉर सपोज ये फिफ्टीन uh, सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है तो मेरा ये जो कॉन्केव मिरर है ये इमेज कहाँ बनाएगा अगर मैं इसको 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखती हूँ तो मेरा कॉनकेव कहाँ कॉनकेव मिरर कहाँ इमेज बनाएगा ठीक है तो अलग अलग पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और देखेंगे कि कॉनकेव मिरर उनकी पोजीशंस कहाँ उनकी इमेजेस कहाँ बना रहे हैं कौन सी पोजीशन पे बना रहे हैं क्लियर है फिर इसके बाद में मिरर फॉर्मूला बेसिकली मिरर फार्मूला क्या होता है एक रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट की जो है आपका ठीक है उसका डिस्टेंस कितना है फिर इसके बाद में इमेज और फोकल लेंथ ठीक है वी यू और एफ के बीच में होता है एक रिलेशन मिरर फार्मूला में अब सिग्निफिकेंस क्या है मिरर फार्मूला का ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट जब हम ये बेसिकली जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तब हम ये कवर करेंगे ठीक है अब हम करते हैं आगे की बात आगे की बात क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ये बेसिकली रेशियो होता है ठीक है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ़ द ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है और उसको जिस भी मिरर के सामने रखा हुआ है उस मिरर ने जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है उसकी साइज तो दोनों का हम रेशियो निकालते हैं और पता करते हैं कुछ चीज़ें कौन सी चीज़ें पता करेंगे ये हम देखेंगे इस टॉपिक में फिर इसके बाद में रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिररर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम कॉन्केव कॉन्वेक्स अलग अलग पढ़ने वाले हैं ठीक है तो कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेजेस होती हैं उनको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं कॉन्केव मिरर वाली अलग है कॉन्वेक्स मिरर वाली इमेजेस अलग अलग हैं वो हम देखेंगे इस टॉपिक में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर ठीक है फिर यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स अब भाई दिमाग लगाओ कि हम इतना सब कुछ लीनियर मैग्निफिकेशन ठीक है अलग अलग पोजिशन पर ऑब्जेक्ट को रख के देखना इतना इतनी तामझाम हम पढ़ क्यों रहे हैं इस टॉपिक में हमें पता चलेगा कि भाई स्पेरिकल मिरर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है क्यों हम पढ़ रहे हैं उनको इतना ज़्यादा इतनी डेप्थ में है ना ये आपको पता चलेगा इस टॉपिक में फिर इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जो लाइट बाउंस बैक होती है किसी भी सरफेस से टकरा करके वो हो जाएगा क्या रिफ्लेक्शन अब ये क्या बला है भाई क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली ये हम बोलते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल करेगी तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी थोड़ी सी खिसक जाएगी अपनी जगह से जो उसका पाथ होगा ना ओरिजिनल पाथ जहाँ पे उसको हम अज्यूम करेंगे कि इसको ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था ठीक है जैसे कि यहाँ पे लाइट आ रही है ये एक कोई दूसरा मीडियम आ गया हमने अज्यूम किया था कि हमारी जो लाइट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी है ना लेकिन क्या हुआ वो यहाँ नहीं गई वो कहाँ गई इधर गई तो ये जो डेविएशन हो रहा है ना लाइट का उसके अज्यूम्ड पाथ से उसे हम कहते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट दैट में समझेंगे कोई बात नहीं है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखना है कॉजेज एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये जो डेविएशन हो रहा है ये हो क्यों रहा है हमने ये तो पता कर ले कि एक से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट का जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा लेकिन रीजन क्या है फिर इसके बाद में जैसे हमने लॉज ऑफ़ रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था उसी के समान हम पढ़ेंगे इधर पे लॉज ऑफ़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है फिर इसके बाद में रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब एक ग्लास लैब आपको दी जाएगी यू नो ग्लास लैब आपने पहले भी देखी होगी यू नो एक पेपर वेट पेपर वेट जो होता है पेपर्स को दबाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं अलग अलग शेप्स के आते हैं कई बार बॉल होते हैं ठीक है कई बार इस तरह की एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है ठीक है रेक्टेंगुलर स्लैब होती है इस रेक्टेंगुलर स्लैब के अक्रॉस हम देखेंगे क्या रिफ्रैक्शन क्लियर फिर इसके बाद में स्फेरिकल लेंसेस जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसी के समान होते हैं स्फेरिकल लेंसेस क्या फर्क होता है दोनों में स्फेरिकल लेंसेज में बेसिकली दो सर्फेसिस होते हैं दो ऑपोजिट सर्फेसिस हो जाते हैं और एक होता है प्लेन सरफेस ठीक है स्फेरिकल लेंस आपने देखा होगा इस तरीके का होता है मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है वो क्या है एक स्फेरिकल लेंस ही है फिर आपने इस तरह का भी कोई लेंस जरूर देखा होगा ये सभी ये सभी क्या है? ये है, mirrors, uh, part, हैं ये दोनों हैं स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल लेंसेस के पार्ट टाइप्स हैं ये दोनों घबराने की बात नहीं है इन दोनों को हम डेप्थ में पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग टॉपिक्स में क्लियर तो इधर पे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज इसके बाद में जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे उसी समान हम स्फेरिकल लेंसेज से भी रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इतना क्लियर है आप सबको चलो अब करते हैं आगे की बात आगे की बात क्या है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज जैसे कॉन्वैक्स और जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स वो बनाते हैं इमेजेस उसी के समान स्फेरिकल लेंसेज भी इमेज बनाते हैं है, है ना फिर इसके बाद में अब कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी पढ़ा था जो स्फेरिकल मिरर्स इमेजेस बनाती है उसी के समान स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा जो इमेज बनती है उनके लिए भी साइन कन्वेंशन होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फिर इसके बाद में लेंस फार्मूला जैसे मेरा फार्मूला होता है वैसे लेंस फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जो साइज़ है इमेज का उसका रेशियो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये सब हम फाइंड आउट करेंगे फिर पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपने आपने कभी यू नो ऑब्ज़र्व किया होगा कि लेंसेज भी अलग अलग पावर की होती है है ना फिर इसके बाद में अगर आप सभी लेंसेस को अभी तो हमने पढ़ी नहीं है कॉनकेव कॉन्वेक्स ये सब हम पढ़ेंगे जब उन उन लेंसेज को हम कंबाइन कर देते हैं और उनसे फिर हम लाइट पास करते हैं तो क्या होता है जैसे कि ये रहा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिख रही है क्या एक कॉन्केव लेंस ठीक है बाय कॉन्केव बोल लो फिर इसके बाद में एक दिख रहा है आपका क्या कॉन्वेक्स लेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस इनके कॉम्बिनेशन से जब हम लाइट पास कराएंगे तो क्या रिजल्ट होगा ये हमें देखने वाली बात है ठीक है कि किस तरह से इमेजेस बनने वाली हैं यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंडर कवर करना है तो आई होप ये चीज़ आपको हो गई होगी क्लियर अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेस्ड होगा हमारे फर्स्ट टॉपिक पे वो कौन सा होगा फर्स्ट टॉपिक कि भाई कुछ जनरल टर्म्स हैं लाइट से रिलेटेड सबसे पहले तो हम वो पढ़ लेंगे फिर इसके बाद में लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे इज़ दैट क्लियर तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक्चुअली में ये तो अभी इंट्रोडक्शन था ओवरव्यू था हम एक्चुअली में अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं और इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ भी लिया है तो भी हमारे जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें आप कोई ना कोई एक नई चीज़ तो सीख कर ही जाओगे ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपके लिए लेक्चर्स बोरिंग हो जाए बिल्कुल नहीं होंगे बोरिंग आप कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीख के जाएंगे मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ क्लियर तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर टॉपिक वन और टॉपिक टू के साथ तब तक आपको क्या करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट उसको विजिट कर लेना है जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्ले में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ड्रेन्स डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो कि है इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंडर कवर करने हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि लाइट से करते हैं रिलेट सो दिस इज़ विभूति करे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक एजुकेशन पहुँचाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है इम्पॉर्टेंट टर्म्स ठीक है तो देखो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स आपको बताने वाली हूँ हो सकता है कि आपको पहले से पता हो हो सकता है नहीं भी पता हो तो जिनको पता है वो रिवाइज कर लो जिन्हें नहीं पता है वो समझ लें इस टॉपिक को ठीक है सबसे पहले तो एक सोर्स सोर्स क्या होता है भाई अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट एक लाइट का सोर्स क्या होता है भाई एक वो सोर्स या एक वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है बाहर आती है उसे हम क्या कहते हैं भाई लाइट का सोर्स कहते हैं अब जैसे कि आपके जो लाउड स्पीकर होते हैं आपके जो हेडफोन्स हैं ठीक है आपके जो ईयरफोन्स हैं वो भी किसी ना किसी चीज़ के सोर्स हैं किस चीज़ के सोर्स हैं वो वो है साउंड के सोर्स है ना जब तक आप लाउड स्पीकर को ऑन नहीं करोगे तब तक आपको आवाज़ सुनाई देगी क्या नहीं देगी जब तक आप अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स नहीं लगाओगे तब तक आपको आवाज़ सुनाई देगी क्या नहीं देगी ठीक है तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये क्या है साउंड के सोर्स है क्यों मैं बोल रही हूँ उनको साउंड के सोर्स क्योंकि इनसे साउंड आ रही है उसी के समान ऐसी चीज़ें ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट निकल के बाहर आती है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट ठीक फिर इसके बाद में अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है आर नेचुरल एंड मैनी अदर्स आन मैन मेड कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनने जिन, जिनको हमने बनाया है यानी कि मैन मेड होते हैं फिर इसके बाद में सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू का दो टाइप के होते हैं ज्यादा झंझट नहीं है सिर्फ दो एक है कौन सेल्फ ल्यूमिनस और दूसरे हैं नॉन ल्यूमिनस ठीक है सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या है जिनके पास उनकी एक खुद की लाइट है आपको कहीं से लाकर के उनको देनी नहीं पड़ती ठीक है या आप बोल सकते हो कि वो ग्लो करते हैं ग्लो क्यों करते हैं क्योंकि उनके पास खुद की एक लाइट होती है जैसे कि हमारे सन हमारे स्टार्स ठीक है स्काई में आपको आ, सूरज दिखाई देता है बिल्कुल देता है क्यों दिखाई देता है क्योंकि वो ग्लो करता है ना? वो शाइन करता है क्यों शाइन कर पा रहा है क्यों आ, हम तक सन लाइट पहुँचा पा रहा है क्योंकि उसके पास सूरज के पास उसकी एक खुद की क्या होता है वो एक सोर्स है उसके पास उसकी खुद की एक लाइट है जो कि वो हम तक पहुंचाता है तो सन या स्टार्स क्या है यह हमारे सोर्स ऑफ लाइट कौन से सोर्स सेल्फ ल्यूमिनस उनके पास खुद की एक लाइट होती है ठीक है फिर इसके बाद में ये दोनों जो है ना सन एंड स्टार्स ये तो क्या हो गए नेचुरल सोर्सेज हो गए अभी मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज कैसे होते हैं नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं नेचुरल मतलब क्या कि जिसको हमने नहीं बनाया वो ऑलरेडी नेचर uh, में एग्जिस्ट करते हैं और मैन मेड कौन से होते हैं जिनको हमने बना करके उनका उनको एग्जिस्ट कराया है नेचर में क्लियर तो सन और स्टार्स कौन से हो गए नेचुरल सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज फिर इसके बाद में जो आपको देखने को मिलता है अपने घरों में ट्यूब लाइट्स बल्ब कैंडल्स ठीक है इलेक्ट्रिकल लैम्प्स ये सब क्या एग्जाम्पल है ये हैं मैन मेड इनको हमने बनाया है ना और इनके पास इनकी खुद की एक लाइट होती है इनको कहीं से लाकर के देनी नहीं पड़ती ऐसा होता है क्या कि यू नो आपको बल्ब ऑन करना है तो पहले आप कहीं से लाइट लेके आओगे फिर उस बल्ब को दोगे फिर वो बल्ब जो है ना आपके अराउंड पूरे में स्कैटर करेगा लाइट ऐसा नहीं होता बल्ब के पास उसकी खुद की एक लाइट होती है बस हमें करना क्या होता है हमें स्विच ऑन करना होता है स्विच ऑन करना मतलब क्या हमें एक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उस तक पहुंचाती है बाकी सेटअप उसके पास खुद का रहता है कि एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी उस तक पहुंचा दी स्विच ऑन कर दिया अब वो लाइट जो है ना स्कैटर करेगा ठीक है तो इलेक्ट्रिकल बल्ब और जो डिफरेंट यू नो लाइट वाले आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस देखते हो वो कैसे हैं मैन मेड है ठीक है धरती से तो नहीं आए हैं इंसानों ने ही बनाया है उनको तो इसे हम क्या कहते हैं मैन मेड सेल्फ ल्यूमिनस क्लियर अब इसके बाद में नॉन ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस मतलब कौन से अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच डज नॉट पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन जिसके पास खुद की उसकी लाइट नहीं रहती है जैसे कि मून अब आप बोलोगे कि मैम आपने गलत पढ़ाया मून तो शाइन करता है रात में ठीक है हमें ब्लैक स्काई में ब्लू स्काई में हमें मून देखने को मिलता है क्योंकि मून शाइन करता है जबकि ऐसा कुछ नहीं है मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है तो सवाल ये उठता है कि जब उसके पास उसकी खुद की लाइट है ही नहीं तो फिर वो शाइन कैसे करता है वो शाइन इसलिए करता है बच्चों क्योंकि उसके ऊपर भी सनलाइट पड़ती है सनलाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मेजर सोर्स है एनर्जी का लाइट का हमारे लिए कौन सन तो सन सिर्फ ना सिर्फ हम तक अपनी सनलाइट पहुंचाता है बल्कि थोड़ी बहुत उधार के लिए मून को भी दे देता है ये मून क्या करता है अब सन से जो है ना सनलाइट ले ली अब इस लाइट को हम तक पहुंचाता है तो हमें लगता है कि भाई मून भी क्या है एक लाइट का सोर्स है सोर्स तो वो है लेकिन कैसा नॉन ल्यूमिनस यानी कि उसके पास खुद के पास उसकी लाइट नहीं थी वो कहीं से लेकर आया है और फिर हम तक प्रोवाइड उसने किया है क्लियर है आपको फिर इसके बाद में अ बुक अ टेबल और ह्यूमन बीइंग आप बोलोगे कि मैम ये जो चीज़ें आपने बोली है बुक टेबल चेयर इनको हम कैसे मान लें कि ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं इनके पास खुद की इनकी लाइट नहीं होती अच्छा तो एक काम करो अपने रूम में ये सारी चीज़ें रख दो टेबल रख दो चेयर रख दो बुक रख दो पेन पेंसिल ठीक है सब रख दो और उस रूम में आप बिल्कुल कंप्लीटली डार्क कर लो अंधेरा कर लो एक बल्ब भी मत जलाने दो और फिर उस रूम में जा कर के आप देखना खुद भी बंद हो जाओ उस रूम के अंदर और फिर जा कर के देखना क्या आपको बुक दिखेगी क्या आपको टेबल दिखेगी क्या आपको चेयर दिखेगी बिल्कुल नहीं दिखेगी क्यों क्योंकि क्या हमारे बुक टेबल चेयर कभी ग्लो करते हुए देखा है क्या आप लोगों ने नहीं देखा इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है ये है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट ये ग्लो कब कर पाते हैं या हम मैं ये बोल सकती हूँ कि ये हमें दिखते कब हैं जब आप रूम की लाइट्स ऑन करोगे ये लाइट्स उन पे पड़ेंगी फिर ये लाइट उन पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के हम तक पहुँचेंगी ठीक है रिफ्लेक्ट होकर के जब हम तक पहुँचेंगी तब जाकर के हमें ये चीज़ें दिखाई देंगी वरना अंधेरे कमरे में तो ये हमें दिख ही नहीं रहे थे तो ये भी क्या है ये है सोर्स ऑफ लाइट ठीक है लेकिन नॉन ल्यूमिनस मून की तरह इनके पास भी इनकी कोई लाइट नहीं होती है लेकिन ये चमकते कैसे हैं ग्लो कब करते हैं जब आप अपने रूम की जो ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब हैं, उन्हें ऑन कर दो तो उनसे लाइट ले, ले लेंगे और फिर हमको दे देंगे तो लगेगा कि अरे बुक तो चमक रही है, क्लियर है? क्लियर उसी तरह से हम ह्यूमन बींग्स भी अब आप बोलोगे कि मैम स्किन तक ग्लो करती है बकवास बात है वो ठीक है जब आप एक कमरे में अकेले बैठे होते हो अंधेरा है वो बिल्कुल कमरा तो सामने से आने वाला इंसान आपको जब जब सामने से अगर कोई आपका यू नो फैमिली मेम्बर ही आ जाएगा तो क्या वो बोलेगा कि अरे तुम तो ग्लो कर रहे थे बिल्कुल भी नहीं हमारे पास भी हमारी कोई लाइट नहीं होती है हम भी कहाँ से लेते हैं अगर सनलाइट मिल रही है बाहर धूप में तो सनलाइट हम लेते हैं और फिर सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो सामने वाला हमें देख पाता है या अगर हम एक कमरे में हैं तो जो ट्यूबलाइट है बल्ब है उनसे लाइट लेंगे और फिर रिफ्लेक्ट कर देंगे दूसरों को तो ये सब किसके के एग्जाम्पल है बच्चों नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं ल्यूमिनस की सेल्फ ल्यूमिनस की डेफिनेशन देख लो कि अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच पोजेस लाइट्स ऑफ इज ओन खुद की एक लाइट होती है जैसे कि सन स्टार्स जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस हैं लाइट बल्ब वगैरह और नॉन ल्यूमिनस कौन से सोर्सेज हैं जो कि उनके पास उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है किसी और से लेते हैं इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम अन एक्सटर्नल सोर्स एंड देन स्केटर्स इट टू द सराउंडिंग और फिर बाद में सराउंडिंग में स्केटर कर देते हैं बिखेर देते हैं अपनी रोशनी क्लियर है आप सबको चलो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो अब हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स की ये आपको कुछ एनिमेशन पिक्चर्स हैं आपके लिए सन जो कि क्या है एक लुमिनस सोर्स है ठीक है इलेक्ट्रिकल लैम्प कैंडल ये सब आपके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को ईजी बनाने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं एनिमेशंस और पिक्चर से डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ भी पढ़ लेते हैं उनको लगता है कि अरे ये एनिमेशंस और पिक्चर्स तो यू नो बच्चों वाली चीज़ें हैं तो बच्चों वाली चीज़ें तो हम यू कर लेते हैं तो ये आपके लिए कुछ इमेज हैं आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अब हम बात करते हैं मीडियम की ठीक है मीडियम बेसिकली क्या होता है अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो एक लाइट है आपके पास वो लाइट क्या करेगी एक सब्सटेंस से पास होने की पास होगी प्रपोगेट होगी या फिर पास होने की कोशिश करेगी तो वो जो सब्सटेंस है जिससे वो पास हो रही है या होने की कोशिश कर रही है उसी को हम कहते हैं मीडियम तो मीडियम क्या है बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे लाइट पास करने की कोशिश करती है या कर जाती है कभी कभी उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं मीडियम क्लियर है आपको देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ लाइट लाइट के तीन मेजर या मेन मीडिया होते हैं कौन कौन से ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ठीक है अब ट्रांसपेरेंट क्या है इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रपोगेट्स इजीली ठीक है ये बेसिकली वो मीडियम होता है जिससे लाइट बहुत इजीली प्रपोगेट कर जाती है एग्जांपल एयर वाटर ग्लास एक्सेट्रा आर ट्रांसपेरेंट मीडिया ट्रांसल्यूसेंट क्या है जिससे कि लाइट पार्शली प्रपोगेट कर पाती है मतलब कि थोड़ी निकल जाती है बाहर थोड़ी नहीं निकल पाती एग्जाम्पल्स कौन से उनके ग्राउंड ग्लास पेपर आर ट्रांसल्यूसेंट मीडिया फिर इसके बाद में ओपेक ओपेक क्या है जिसमें से लाइट प्रपोगेट हो ही नहीं पाती निकल ही नहीं पाती एग्जाम्पल कौन से हैं वुड मेटल एक्सेट्रा अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या करना है आपको एक टॉर्च लेनी है ठीक है या पे अपने फ़ोन की जो फ्लैश लाइट right होती है उसी को ऑन कर लो ठीक है उसके आगे रख के देखो आप एक ग्लास फिर एक रख के देखो पेपर फिर एक रख के देखो आप कोई भी मेटल या फिर कोई भी एक वुडन ब्लॉक ठीक है यह आप अपने घर पर कर करके देख सकते हो लेकिन मुझे पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े आलसी हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के बजाय वो पबजी ना लें तो कोई बात नहीं ये वाला काम भी हम पे छोड़ दो ठीक है बस शांति से बैठ के देखते रहो कि आगे क्या क्या होने वाला है इस चीज़ को समझाने के लिए कि भाई ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट या ओपेक मीडिया क्या होता है इसके लिए मैं ही आपको एक्सपेरिमेंट करके बता देती हूँ आप बस पेशेंस के साथ देखते रहिएगा ठीक है थीके? इसके लिए मुझे सबसे पहले एक थोड़ी सी डार्क कलर की लाइट चाहिए है बैकग्राउंड यस अब देखो इधर ये दिख रही है आपको एक टॉर्च काफ़ी बड़ी टॉर्च है हमारे पास ठीक है ये है हमारी एक टॉर्च आपको आई डोंट नो आपको लाइट यहाँ पे विजिबल है कैमरे पे या नहीं है अब इस चीज़ को ध्यान से देखना मेरे पास है एक कांच का ग्लास ठीक है या कांच का ग्लास अभी छोड़ दो ये रही आपकी लाइट ठीक है, है ये है सोर्स ऑफ लाइट ये क्या कौन सा सोर्स है ये है ल्यूमिनस सेल्फ ल्यूमिनस है ना इसके पास खुद की एक लाइट है लाइट कहाँ से आ रही है इसके पास जो बैटरी है उससे आ रही है ठीक है और ये मैन मेड है हमने बनाई है इसे अब क्या हो रहा है इस लाइट को अगर मैं सिंपली हवा में रखूँ ठीक है हवा में रखूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि इससे लाइट निकल रही है और ये लाइट प्रपोगेट भी हो रही है आगे की तरफ बढ़ रही है कहने को तो यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है लेकिन एक्चुअली में मीडिया है कैसे मेरे अराउंड एयर है और एयर क्या है एक मीडियम है ऑब्वियसली बात है ना मैं किसी वैक्यूम चैम्बर में तो नहीं खड़ी हूँ मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रही हूँ मतलब क्या कि मैं एक एयर वाले चैम्बर में खड़ी हूँ एक ऐसा एरिया एक ऐसा रूम जहाँ पे हवा है तो अब जो मेरी लाइट होगी वो क्या करेगी एयर में प्रपोकेट कर सकती है ठीक है टॉर्च यहाँ है इसकी लाइट यहाँ से निकल रही है अब अगर मैं इतने दूर भी जाऊँगी तो भी मुझे ये मुझ तक ये लाइट पहुँचेगी कैसे पहुँच रही है एयर मीडियम के थ्रू पहुँच रही है क्या ये एयर मीडियम किसी भी तरह से मेरी जो टॉर्च की जो रोशनी है लाइट है इसको ब्लॉक कर रहा है बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्यों कैसे आपको समझ में आया क्योंकि देख लो ना कुछ कहीं से भी आपको ब्लॉकेज दिख रहा है यहां से निकल रही है और दूर तक जाएगी क्लियर है आप सबको ठीक है फिर इसके बाद में आप इसके आगे एक ग्लास भी रख के देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आई डोंट आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं पर इधर से देखो मैं अगर इसके आगे ग्लास भी रख दूं तो भी मेरी लाइट प्रोपोगेट हो रही है क्यों क्योंकि मेरा जो कांच है ना ये लाइट को ब्लॉक नहीं कर रहा है ये इसको जाने दे रहा है कि हाँ भाई चले जाओ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई चलान नहीं कटेगा बस ये चला जा रहा है यहाँ से अब दूसरा मीडियम ठीक है अब हम बात करेंगे दूसरे मीडियम की यह रहा मेरे पास एक पेपर ठीक है आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं पर यह देखो पेपर के थ्रू जब मेरी लाइट जाएगी ना तो लाइट का चालान कटेगा क्यों कटेगा क्योंकि हेलमेट नहीं है उसके पास यानी कि यह पूरी तरह से जो पेपर है मेरा ये लाइट को जाने नहीं देगा कुछ लाइट को जाने देगा और कुछ लाइट को नहीं जाने देगा इसलिए पेपर की दूसरी तरफ से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी थोड़ी सी डिम हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले ली है मेरी एक मोटी सी बुक और इस बुक को जब मैं सोर्स के पास रखूंगी टॉर्च के पास क्या अब आपको कोई लाइट दिख रही है नहीं दिखेगी क्यों नहीं दिखेगी क्योंकि मेरी इस बुक ने कंप्लीटली इस लाइट के सोर्स को ब्लॉक कर दिया है यानी कि ये सोर्स सॉरी ये जो मीडियम है ये लाइट को जाने नहीं दे रहा आगे ठीक है ना मेरी लाइट के पास हेलमेट था ना इसके पास गाड़ी के पेपर्स थे तो भैया चालान भी कटेगा और गाड़ी जाएगी लेकिन टो तो हो जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि मेरा ये जो मीडियम था इसके आगे लाइट के आगे जो मीडियम था इसने ब्लॉक कर दिया है कम्प्लीटली अब आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी हम अपनी स्लाइड्स पे दोबारा आ जाते हैं hmm, एक मिनट ये भी वन सेकेंड यहाँ पे हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं अपनी स्लाइड्स ठीक है जो हमें स्लाइड्स चाहिए हैं वो हम लेके आ रहे हैं ओके okay. फाइन ये आगे हमारी स्लाइड्स इधर देखो ये रहा वो एक्सपेरिमेंट जो अभी अभी हमने किया है ये ट्रांसपेरेंट सोर्स था ट्रांसपेरेंट मीडियम था जिसने लाइट को जाने दिया था ये क्या है ट्रांसलूसेंट है यानी कि जिसने थोड़ा जाने दिया थोड़ा नहीं जाने दिया और ये क्या है वुडन ब्लॉक या मेरी बुक जिसने की लाइट को आगे जाने नहीं दिया अब आपको तीनों मीडियम समझ में आ गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है ट्रांसपेरेंट वो मीडियम है जो कि अपने अपने थ्रू लाइट को कम्प्लीटली जाने देता है और ट्रांसलूसेंट क्या है ट्रांसलूसेंट वो मीडियम है जो कि अपने से लाइट को थोड़ा जाने देगा थोड़ा नहीं देगा और ओपेक तो जाने नहीं देता कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है लाइट के आ, पाथ को या उसकी प्रपोगेशन को सॉर्टेड आगे चीज़ समझ में अब तो किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होगा कि क्या होते हैं तीनों मीडियम एक्सपेरिमेंट करके बता दिया और अगर अभी भी दिल ना भरा हो तो खुद भी कर सकते हो ठीक है थोड़ा सा टाइम निकाल लेना अपने गेम से आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो हमने सोर्स पढ़ लिया और इसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया मीडियम पढ़ लिया अब हम बात करते हैं किसकी रे की अरे वाला अर नहीं है ये है रे ठीक है स्पेलिंग देख लो आर ए क्या है रे है क्या होती है भाई रे अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग लाइट अलॉंग्रेवल्स रे क्या होती है ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है किसी भी सोर्स से जब एक लाइट निकलती है तो वो लाइट एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगी जैसे यहां पे मेरी टॉर्च जल रही थी ठीक है एक यहाँ पे हमारी टॉर्च जल रही थी इस टॉर्च से क्या निकली थी भाई लाइट निकली थी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट थी वो एक डेफिनेट पाथ को फॉलो करके गई वो पाथ कैसा था वो था एक स्ट्रेट लाइन पाथ और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या कहते हैं बच्चों इसे हम कहते हैं रे बहुत सारी हो जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे रेस ठीक है आगे क्या लगा देना एस लगा देना यानी कि मेरे टॉर्च से क्या निकली थी लाइट रेज निकली थी हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं किरणें कहते हैं है ना याद करो वो दिन जब आप यू you नो know, ड्राइंग बनाते थे बचपन में ठीक है आपको बोला जाता था कि एक घर बनाना है पहाड़ बनाना है तो कैसे बनाते थे ये बना दिए हमने पहाड़ ठीक है और यहाँ से निकाल लिए बड़े अच्छे तरीके से नदी और एक सन बनाते थे सन कैसे बनाते थे कुछ इस तरीके का है ना ये मस्त जो है ना हम सन रेज निकाल देते थे भाई सूरज की जो किरणें होती है ना उसको हम क्या कहते हैं सन रेज कहते हैं क्लियर है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रे क्या होती है हिंदी में बोले आसान भाषा में तो रे मतलब क्या एक किरण रेज मतलब किरणें अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ जो कि एक लाइट ट्रेवल करती है उसके अलाउ क्लियर है फिर इसके बाद में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और उसके ऊपर एक एरो हेड बना देते हैं एरो हेड बनाने का क्या मतलब है बचपन में जैसे सनराइज बनाते थे वैसे अभी भी क्यों नहीं बना देते उसकी एक वजह है ये एरो हेड हमें बताता है कि उस रे का डायरेक्शन क्या है यानी कि लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है ठीक है अगर मैंने इस एरो हेड को बनाया है ऊपर यानी कि जो रे है वो कहाँ जा रही है ऊपर जा रही है अगर मैंने एरो बना दिया है कहाँ टूवर्ड्स राइट मतलब कि क्या हमारी जो लाइट है वो प्रपोगेट हो रही है कौन से डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में क्लियर है अ नंबर ऑफ रेज कंबाइन टूगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट जब कई सारी रेस कंबाइन हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बीम ऑफ लाइट कहते हैं ठीक है यहां पे अभी अभी मैंने टॉर्च बनाई थी चलो फिर से बना देते हैं ठीक है ये बन गई टॉर्च इस टॉर्च से मैंने आपको क्या बताया था कि रेज निकल रही हैं लाइट की रेज निकल रही हैं और अगर मैं उन सभी रेज को कंबाइन कर दूं तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा ये कहलाएगा बीम लाइट बीम एक किरण यानी कि रे बहुत सारे किरण है यानी कि रेस और उन सभी रेस को अगर मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया एक पैकेज बना दिया तो उस पैकेज को मैंने बोला बीम ठीक है और उस बीम को भी बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल और एक पतली सी जो नैरो मतलब कि सक्रा तो एक जो सक्री बीम होगी लाइट की उसे हम क्या कहेंगे पेंसिल कहते हैं ठीक है अब ये जो पेंसिल है ना नॉट दिस पेंसिल ये वाली पेंसिल ये जो पेंसिल है ये भी तीन टाइप की होती है कौन कौन सी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड पैरल ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नए हो लेकिन इनका मतलब आपको पता होगा सूरज की किरणें कैसे बनाते हैं भाई सूरज की किरणें कुछ इस तरह से बनती हैं ये क्या है डाइवर्जेंट रेज हैं डाइवर्जेंट मतलब क्या कि दूर दूर तक स्केटर हो जाना अलग अलग हो जाना समझे दूर दूर तक अलग हो जाए, जैसे कि यू नो मूवी सी मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं किसी कॉमेडी सीन्स वगैरह में कि यू नो गेट खोला और सब लोग जो है ना स्कैटर हो गए अपनी अपनी जगह पे, एक साथ जो है ना बाहर निकल गए वो क्यों वो भी क्या है एक पैटर्न है किसका? डाइवर्जेंस का अलग अलग हो जाना सोर्स जो था वो क्या था सन था सन से जो निकलने वाली रेस थी वो क्या हो गई डाइवर्ज हो गई अपने अपने रास्ते पे चली गई तो ये क्या हो गया ये हो गया डाइवर्जेंट पेंसिल यानी कि पेंसिल मतलब क्या कि एक नैरो बीम ऑफ लाइट यानी कि डाइवर्जेंट पेंसिल मतलब क्या होगा कि एक ऐसी बीम ऑफ लाइट जहाँ की रेस कैसी है डाइवर्जेंट है अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं फिर सिमिलरली आती है कन्वर्जेंट पेंसिल कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट मतलब कि क्या डाइवर्जेंट की ऑपोजिट कि सभी रेस कहाँ आ रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं सूर्य किरणें हमेशा याद रखना कि सूरज की किरणें कैसी होती हैं डाइवर्जेंट हैं इसका ऑपोजिट कर दो तो सारी रेस को आप एक पे, एक पे ला कर के खड़ा कर दो पैरेलल पैरेलल का तो आपको पता है मतलब क्या होता है कुछ इस तरह की एक दूसरे के पैरेलल ना बहुत दूर दूर रहेंगी एक दूसरे से ठीक है डाइवर्जेंट रेस की तरह ना बहुत ही पास पास हो जाएंगी कंबाइन हो जाएगी कन्वर्जेंट रेज की तरह एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होती हैं चलती जाती हैं क्लियर है आप सबको तो इसकी भी एक इमेज है वो भी आप देख लीजिए और हमेशा उसको ध्यान रखिएगा कन्वर्जन मतलब क्या होता है इट इज दैट इन विच रेज ऑफ लाइफ गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है द वेट ऑफ द पेंसिल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द रेज प्रोसीड फॉरवर्ड ठीक है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन uh, में क्या हो रहा है बेसिकली सभी जो रेज हैं आकर की क्या होती हैं कंबाइन हो जाती हैं ठीक है थीके? तो जैसे जैसे लाइट की रेज आकर के कंबाइन होगी तो बीम की सॉरी ये इंक्रीजिंग नहीं है इट शुड बी डिक्रीजिंग ठीक है आप खुद ही देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर सोर्स से हमारी लाइट जो है वो चली आ रही है और पहले ये किरणें कैसी थी रेस कैसी थी दूर दूर थी लेकिन जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिलेंगी तो ये जो विड्थ होगी यानी कि जो चौड़ाई होगी पेंसिल की वो क्या हो जाती जाएगी कम होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी समझे और डाइवर्जन में क्या होता है इंक्रीज होती जाती है क्यों सूर्य की किरणें बना दो ये देखो अब ये जो पूरी पेंसिल की जो विड्थ है जो चौड़ाई है वो बढ़ती जा रही है क्लियर और पैर में क्या होता है पैरल में तो कांस्टेंट होती है क्यों क्योंकि सभी रेज एक दूसरे के पैरल चलती है एक पर्टिकुलर आ, डिस्टेंस पे चलती है एक दूसरे से क्लियर है आप सबको इसी से रिलेटेड एक इमेज है इस इमेज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा यह है पैरल बीम्स यह है डाइवर्जेंट बीम्स और यह है क्या कन्वर्जेंट बीम सभी रेज पास में आ गई तो वो हो गया कन्वर्जेंट दूर दूर चली गई तो क्या हो गया डाइवर्जेंट और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर एक साथ मूव कर रही हैं तो वो हो गई पैरल बीम सॉटेड आई होप आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं वो आप ध्यान से सुन लोगे और हमेशा याद रखोगे क्या क्या पढ़ लिया हमने आज हमने पढ़ा था क्या सबसे पहले लाइट का सोर्स ल्यूमिनस सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फिर इसके बाद में दूसरा हमने कौन सा पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा रे रे क्या होती है तीनों टाइप की रे पढ़ ली पेंसिल पढ़ ली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड पैरल और फिर सबसे इंटरेस्टिंग मीडिया ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जो कि है लाइट का रिफ्लेक्शन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपको क्या करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट को विजिट करना है जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल एक प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी चैप्टर के आपको टॉपिक्स के नोट्स भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम टिलन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंगलो एवरी वन इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक नया टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो हमारा डीपीक्यू सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने प्रैक्टिस कर ली लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला की इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम किसी डेफिनेशन से नहीं पढ़ेंगे ठीक है हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल होंगे एक तो ये होगा स्ट्रॉ वाला और दूसरा होगा ये कॉइन वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये मैं आपको इन दोनों एग्जाम्पल से समझा दूंगी तो इस लेक्चर का टारगेट हो गया सेट फिक्स क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझना तो अब जब टारगेट सेट हो चुका है तब अपना लेक्चर भी स्टार्ट कर देते हैं सो दिस इज खरे वेलकम टू मैग्नेट जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ एक स्टॉक की कहानी कोई बात नहीं मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था कि मैं एक पेंसिल डालूंगी मेरे पास पेंसिल नहीं थी मेरे पास स्ट्रॉ था तो मैंने स्ट्रॉ डाल दिया ठीक है अब ये डाला है मैंने एक स्ट्रॉ सिंपल मेरे पास एक खाली ग्लास होता उसमें मैं स्ट्रॉ डालती तो वो जो स्ट्रॉ है वो बिल्कुल सीधा रहता मतलब जैसा उसका शेप है जैसा उसका साइज है वो वैसा का वैसा दिखता लेकिन उस स्ट्रॉ में मैंने डाल दिया है मतलब उस ग्लास में मैंने डाल दिया है क्या पानी जैसे ही पानी डाला उस ग्लास में तो मुझे स्ट्रॉ जो है ना टूटा हुआ नजर आया मैंने तो स्ट्रॉ नहीं तोड़ा था मैंने तो अच्छा खासा स्ट्रॉ डाला हुआ था पानी के अंदर आ, सिंपल ग्लास में लेकिन जैसे ही पानी डाला तो वो टूट कैसे गया क्या वाकई में टूटा भी है या नहीं इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया बाहर निकाल लिया स्ट्रॉ अपने ग्लास के पानी से तो देखा मैंने कि इसमें तो स्ट्रॉ बिल्कुल सही है कहीं से भी कुछ टूटा फूटा नहीं है तो मुझे लगा कि शायद भ्रम होगा इल्यूजन होगा तो मैंने क्या किया वापस मैंने इसको पानी में डाल दिया अपने स्ट्रोक को जैसे ही पानी में डाला मैंने कहा फिर ये टूटा दिखने लगा ये क्या चक्कर है भाई सही बात है डेफिनेटली ये क्या हो रहा है भाई ये हो रहा है मुझे इल्यूजन पानी में जाने के बाद मेरा स्ट्रो मुझे टूटा क्यों दिख रहा है जबकि वो टूटा तो है ही नहीं मतलब ये क्या हो रहा है भाई पाइप का जो स्ट्रोक का जो टूटना है वो क्या है एक इल्यूजन है अब बहुत पहले के जमाने में क्या होता था कि जो मैजिशियंस होते थे ना एक बहुत ही कॉमन उनकी ट्रिक्स होती थी आ, वो क्या करते थे कटोरी लेते थे उसमें डाल देते थे एक कॉइन और शुरू में बोलते थे कि देखो कॉइन दिख रहा है क्या कॉइन दिख रहा है क्या लोग बोलते थे नहीं हमें तो नहीं दिख रहा फिर वो क्या करता था उसमें पानी डाल देता था जैसे ही पानी डाला तो कॉइन दिखने लगता था तो लोग बोलते थे वाओ मैजिक हो गया जबकि वो मैजिक नहीं होता था कॉइन इनिशियली क्यों नहीं दिख रहा था और पानी में जैसे पानी डाला उस कटोरी में तो कॉइन कैसे दिखने लगा ये कोई मैजिक नहीं है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कैसे समझे इस चीज को आप बोलोगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा सब सर के ऊपर से जा रहा है ठीक है एक काम करते हैं हम अपने आप को शीशे में कैसे देख पाते हैं अभी अभी हम इतनी सारी चीजें पढ़ के आ रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में और फेरिकल मिरर्स के बारे में ये बहुत आ, बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी कि हम अपना जो रिफ्लेक्शन है वो आईने में कैसे देख पाते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ये रहे हम ठीक है और ये रखा है क्या हमारे सामने एक मिरर प्लेन मिरर हम इसमें अपने को कैसे देख पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर आती है लाइट लाइट कहां से ट्यूबलाइट ठीक है ट्यूबलाइट से आई कौन सी इंसिडेंट रे ये जो इंसिडेंट रे हैं हमसे रिफ्लेक्ट होकर के कहा जाती है मिरर के ऊपर चली जाती है अब जो कि ये प्लेन मिरर है तो क्या होगा लाइट रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होता है ये रिफ्लेक्ट होकर के हम तक वापस आ जाती है तो जब हम इन रिफ्लेक्टेड रेस को देखते हैं तो हम अपने आप को इस आईने में देख पाते हैं हमने अपने आप को आईने में कैसे देखा बच्चों ट्यूबलाइट से आ रही थी रोशनी हम तक आई इंसिडेंट रे हमसे रिफ्लेक्ट होकर के कहा चली गई मिरर पे चली गई वो रिफ्लेक्टेड रे जब मिरर पे आकर के गिरी मतलब उसके लिए तो वो इंसिडेंट रही हुई इंसिडेंट होने के बाद टकराने के बाद उस मिरर से वापस हम तक आ गई और जब वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंची तब जाकर हम अपने आप को उस आईने में उस शीशे में देख पाए ये चीज आपको क्लियर है ये मैंने आपको पहले भी बताई थी अब एक काम करते हैं ठीक है अब हम लेते हैं क्या एक कटोरी या एक हमने बोल ले लिया है उसमें हमने रखा है क्या एक कॉइन एक कॉइन रखा हमने और हम यहां कहीं से देख रहे हैं ठीक है ये क्या है ये हमारी आंख है ये है एक कटोरी और ये है क्या एक कॉइन अब इस स्टेज पे हमें हमारा कॉइन नहीं दिख रहा पूछो क्यों? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मैंने जो कथा सुनाई है कि क्यों हम अपने आप को शीशे में देख पाते हैं क्योंकि शीशे से निकलने वाली रेज हमारी आंखों तक आ पाती है इसीलिए हम अपने आप को देख पाते हैं शीशे में कॉइन हमें क्यों नहीं दिख रहा इसलिए नहीं दिख रहा बच्चों क्योंकि कॉइन से जो निकलने वाली रेज है ना वो हमारी आंखों तक नहीं आ रही है देख लो भाई देख लो कैसे नहीं आ पा रही है ब्लू कलर से देख लो ये निकली क्या की रेज ठीक है तो कॉइन से निकलने वाली रेस कुछ इस तरह से कुछ इधर चली गई और जो हमारी आंखों तक पहुंचने वाली थी ना बच्चों उनको इस कटोरे की जो दीवार है ना उसने ब्लॉक कर दिया समझ रहे बात को एक कटोरी थी उसके साइड में रखा हुआ था एक क्या कॉइन कॉइन हमको साइड से नहीं दिख रहा था क्यों नहीं दिख रहा था क्योंकि भाई इस कॉइन से निकलने वाली जो रेस थी ना वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी हम चीजों को बच्चों तभी देख पाते हैं जब उनसे रिफ्लेक्ट हुई रेस हमारी आंखों तक आती है कॉइन हमें क्यों नहीं दिख रहा था क्योंकि उससे निकलने वाली जो रेज है रिफ्लेक्टेड रहे वो हमारी आंखों तक नहीं आ पा रही थी क्यों क्योंकि जिन रेज को हमारी आंखों तक पहुंचना था ना उसको कंटेनर की दीवार ने कर दिया ब्लॉक ब्लॉक कर दिया तो वो हम तक आ ही नहीं पाई और बाकी जो रेस थी वो तो भाई हर किसी डायरेक्शन में चली गई हम तो यहां खड़े ना हम वहां थोड़ी खड़े हैं अगर यहां खड़े होते तो कॉइन दिख जाता लेकिन जो कि हम खड़े हैं यहां इसलिए जो कॉइन से निकलने वाली जो रेस थी वो हम तक नहीं पहुंची इसलिए हमें कॉइन नहीं दिखा अब सवाल ये आता है कि मैजिशियन ने क्या किया पानी डाल दिया पानी डालने से ऐसा क्या हुआ कि कॉइन दिखने लगा जब तक खाली कटोरे में कॉइन डाला था तब तक नहीं दिखा लेकिन जैसे ही पानी में डाला दिखने लगा कॉइन कैसे चलो देखते हैं ये चीज आपको समझ में आई अब मैं इसको रब करके एक दूसरा डायग्राम बना रही हूं मैं क्या करूंगी फिर से लूंगी क्या एक कटोरा और उसमें डाल दूंगी क्या कॉइन इधर से डाल दिया मैंने क्या कॉइन अब ना सिर्फ मेरे कटोरे में कॉइन होगा बल्कि होगा पानी लो भाई मैंने डाल दिया क्या इसमें थोड़ा सा पानी और हम कहा हैं हम हैं इधर ये हमारी आंख है यहां से हम देख रहे हैं कॉइन को अब पानी आ गया है तो पानी के डालने से ऐसा क्या हुआ कि हमें कॉइन दिखने लगा देखते हैं क्या करेंगे हम फिर से हमारी कॉइन से क्या निकालेंगे रेज निकालेंगे ठीक है फिर से रेज निकालेंगे तो ये लो ये गई क्या हमारी एक रे लेकिन जैसे ही पानी पे पहुंची इसका हो गया डायरेक्शन चेंज ठीक है जैसे ये पानी से निकली इसका डायरेक्शन हो गया चेंज यानी कि ये बेंड हो गई भैया जब ये बेंड होकर के हमारी आंखों में पहुंच गई तब तो हमें कोई दिखेगा ना अभी क्या हो रहा था इसके पहले इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था ये पड़ा हुआ था हमारा कॉइन ये थी हमारी आंख और यहां से क्या हुआ था जब आ, कटोरी में पानी नहीं था तो कॉइन से निकलने वाली जो रेस थी ना उनको कौन ब्लॉक कर दे रहा था इस कटोरी की दीवार ब्लॉक कर दे रही थी लेकिन हमने जैसे ही पानी डाला तो क्या हुआ पानी के डालने के कारण ऐसा नहीं है कि रेस कॉइन से निकल नहीं रही थी या कुछ एक्स्ट्रा रेस निकलने लगी जो हमारी आंखों तक पहुंचने लगी बिल्कुल भी नहीं रेस तो उतनी ही निकल रही थी पर क्या हुआ रेस का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो गया बेंड हो गई वो अब इस रे के बेंडिंग के कारण हमें हमारा जो कॉइन है वो दिखने लगा

जादू हो गया वो जादू नहीं था सिंपली क्या हो रहा था कि जब उस कटोरे के अंदर कॉइन था तो उससे निकलने वाली जो रेस थी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब उससे निकलने वाली रेस हमारी आंखों तक पहुंचे कॉइन हमें कटोरी में क्यों नहीं दिख रहा था खाली कटोरी में क्योंकि उससे निकलने वाली रेस को कटोरी की जो दीवारें थी वो ब्लॉक कर दे रही थी वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी लेकिन जैसे ही हमने पानी डाला तो क्या हुआ कटोरे के अंदर हमने जैसे पानी डाला कॉइन से तो रेस तब भी निकलेंगी ऐसा नहीं कि निकलना बंद हो जाएंगे एक्स्ट्रा निकलने लगेंगी कि हमारी आंखों तक पहुंच गई नहीं उतनी ही निकलेंगी बस क्या होगा अपना रास्ता चेंज कर देंगी पहले तो जाकर के टकरा जा रही थी कटोरे की दीवार से अब क्या हुआ अब टकरा नहीं रही है अब उनने जो अपना रास्ता है ना वो चेंज कर लिया टकरा नहीं रही हैं रास्ता चेंज करने के कारण क्या हुआ बाहर निकल आई पानी के और हमारी आंखों तक पहुंच गई तो हमको कॉइन से निकलने वाली रेस दिख गई जिसकी वजह से हमें कॉइन दिख गया ये वाली चीज समझ में आ गई बस मैंने आपको रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट नहीं समझाया मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि पानी के आने से लाइट का जो डायरेक्शन था जो पाथ था वो चेंज हो गया है बस बैंड हो गई है लाइट इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया ठीक है यही चीज क्या है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है एक लाइट की अपने ओरिजिनल पाथ से जो बेंडिंग हो जाती है ना बच्चों उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और हर कभी लाइट का जो रेस है उसकी बेंडिंग नहीं होती है लाइट रेज की बेंडिंग तभी होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एक मीडियम यहाँ पे क्या था पानी और उसके ऊपर दूसरा मीडियम कौन सा है एयर जब तक ये पानी पे थी तब तक इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही था इनका पाथ बिल्कुल सही था जैसे ही ये पानी से कहा निकली बाहर निकली यानी कि एयर में निकल गई दूसरे मीडियम में निकल गई बदल लिया इतने अपना रास्ता हो गई बैंड और इसी को हम कहते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट तो क्या आपको लाइट की रिफ्रेक्शन के डेफिनेशन याद करनी पड़ी बिल्कुल भी नहीं समझ ली हमने कि भाई देख रहे हैं भाई देख रहे हैं कि जैसे ही रे एक लाइट की एक से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपना रास्ता चेंज कर देती है और यही तो होता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट सॉर्टेड ये समझ में आ गया अब हम बात करते हैं किसकी इस टूटे हुए स्ट्रॉ की ये क्यों स्ट्रॉ टूट रहा है भाई क्यों मुझे इल्यूजन हो रहा है क्यों मुझे भ्रम हो रहा है जब पानी के अंदर है तो टूटा हुआ दिख रहा है पानी के बाहर निकालो तो जुड़ा हुआ है ये ऐसा हो क्यों रहा है देखते हैं दरअसल हमारा जो दिमाग होता है ना बहुत मतलब खिचड़ी बनाने में बहुत उस्ताद होता है ठीक है हर चीज की इमेज बनानी होती है जैसे ही कहीं से लाइट आई तो ब्रेन बोलेगा अरे लाइट आ रही है फटाफट इसकी इमेज बनाओ ठीक है अब इस चीज को हम देखते हैं सपोज करो कि मेरे पास क्या है एक ग्लास है उस ग्लास के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है एक स्ट्रॉ डाला हुआ है ना सिर्फ स्ट्रॉ डाला हुआ है बल्कि उस ग्लास में मैंने डाला हुआ है क्या पानी क्या डाला हुआ है मैंने पानी डाला हुआ है अब जो चीज मैंने आपको सिखाई थी कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट जैसे ही वो दूसरे मीडिया में पहुंचती है अपना जो पाथ है वो चेंज कर देती है सेम चीज को हमें यहां भी करना है क्या अप्लाई अब क्या होगा आप खड़े हो यहां ये रही आपकी आंख ठीक है ये रखा आपका स्ट्रॉक किसमें रखा है ग्लास में रखा है इसमें है पानी अब क्या करेंगे स्ट्रॉ के नीचे से कुछ रेज निकालते हैं रेज कुछ इस तरह से हम निकालेंगे कि वो हमारी आंखों तक जाए क्या करा हमने चलो इधर से हमने निकाली क्या कुछ रेज? ये हमने निकाल दी रेज अब जो कि हमारी स्ट्रॉ से निकलने वाली जो रेस थी लाइट की वो एक से दूसरी मीडियम में जा रही है मतलब क्या होगा वो अपना पाथ चेंज कर देंगी ठीक है वो क्या करेंगी अपना पाथ कर देंगी चेंज ये लो ये कर दिया उनने अपना पाथ चेंज क्यों क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जैसे ही लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी पाथ चेंज होगा स्ट्रॉ से निकलने वाली जो रेस थी ना बच्चों वो पानी से निकल के हवा में जा रही थी जब तक पानी में थी तब तक बिल्कुल सही जा रही थी जैसे ही पानी के बाहर निकली जैसे ही दूसरे मीडियम में निकली पाथ उनने अपना चेंज कर दिया अब क्या करेगा जो रेज है वो कहां पहुंची हमारे आंखों तक पहुंची आंखों से कहां जाएंगी दिमाग में जाएंगी अब दिमाग क्या करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था हर मतलब खिचड़ी बनाने में उस्ताद होता है जैसे ब्रेन को लगा कि अरे रेज आ रही है रेज आ रही है मतलब क्या फटाफट से बनाते हैं इमेज तो हमारा ए, ब्रेन क्या करेगा बच्चों ये जो इंसिडेंट रेज आ रही है ना हमारी आंखों तक जो आ रही है ना उसकी इमेज बनाएगा कैसे बनाएगा ये जो रेज आ रही है ना उनको वो एक्सटेंड कर देगा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देगा पीछे की तरफ तो उन्हें लगेगा कि भाई जो स्ट्रॉ की इमेज है ना वो यहां पे बन रही है समझ में आ रहा है आपको कि क्या चल रहा है यहां पे आपको पता है कि जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहीं पे क्या बनता है एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है मेरे पास था यहाँ पे स्ट्रॉ स्ट्रॉ के बेस से निकली क्या दो रेज जैसे ही वो पानी के बाहर गई उनने अपना रास्ता बदल लिया रास्ता बदलने के बाद पहुंची कहा हमारी आंखों तक आंखों पे पहुंचने के बाद क्या हुआ ये रेज कहा गई रिफ्लेक्टेड रेज हमारे ब्रेन में गई ब्रेन ने क्या किया इन रिफ्लेक्टेड रेज जैसे उसको समझ में आया कि भाई रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है मतलब कि कहीं ना कहीं इमेज बन रही होगी तो उसने क्या किया ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना इनको पीछे की तरफ कर दिया एक्सटेंड यानी कि पीछे की तरफ खींच दिया क्यों क्योंकि उसे पता करना था कि इमेज कहां है और हमें पता है कि इमेज कहा बनती है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही थी उनको उनके ओरिजिनल पाथ में क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया और ब्रेन को लगा कि भाई जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है वही इमेज बन रही है यानी कि आपका जो स्ट्रॉ है ना वो बेसिकली जो बेस है आपके स्ट्रॉ का वो कहा आ रहा है इस पॉइंट पे आ रहा है एक्चुअली में रेज निकली थी यहां से लेकिन ब्रेन ने क्या समझा यहां समझा मतलब हो गया इल्यूजन तो आपके ब्रेन को क्या लगेगा कि आपका जो स्ट्रॉ है ना भाई साहब वो थोड़ा सा टूट गया है ये जो टूटा हुआ स्ट्रॉ जो है ना ये इसी के कारण लग रहा था जब मैं बोल रही थी कि मुझे भ्रम हो रहा है जैसे ही मैंने स्ट्रॉ डाला पानी के खाली ग्लास में तो वो सीधा था जैसे ही पानी डाला टूटा नजर आया मैं डर गई कि अरे बाप रे स्ट्रॉ टूट गया मैंने उसको बाहर निकाला तो देखा कि अरे स्ट्रॉ तो बिल्कुल सही था कोई भी टूटा फूटा नहीं है मैंने क्या किया उसको वापस डाल दिया जैसे ही वापस डाला फिर से स्ट्रॉ टूटा हुआ मुझे दिखा तो मैंने बोला कि भाई मुझे इल्यूजन हो रहा है मुझे भ्रम हो रहा है क्यों हो रहा है मेरे दिमाग के कारण हो रहा है क्योंकि खिचड़ी बनानी है ना दिमाग को तो हम सबके दिमाग में और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा दिमाग खिचड़ी बनाता है आप सबका भी बनाएगा आप सबको भी स्ट्रॉ ऐसा ही दिखेगा क्यों क्योंकि स्ट्रॉ से निकलने वाली जो स्ट्रॉ के जो बेस है नीचे वाला जो पार्ट है उससे निकलने वाली रेस जैसे ही पानी के दूसरे मीडियम में पहुंची ठीक है पानी से निकल के दूसरे मीडियम में पहुंची उनने अपना रास्ता क्या कर लिया चेंज कर लिया ठीक है बैंड होकर के पहुंची वहीं आंखों तक आंखों से गई कहां रिफ्लेक्टेड रेज ब्रेन तक ब्रेन ने क्या किया रिफ्लेक्टेड रेज आई है फटाफट से बना लो इमेज तो उसने क्या किया इन रिफ्लेक्टेड रेज को खींच दिया उनके ओरिजिनल पाथ में नीचे की तरफ और एक पॉइंट में आकर के ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई तो हमारे ब्रेन को लगा कि भाई इसी पॉइंट से आ रही है इमेज यानी कि आपका स्ट्रॉ भी कहां होगा यही होगा तो आपके ब्रेन को क्या लगा कि आपको जो ना बच्चों वो टूट गया जबकि वो टूटा नहीं है ब्रेन को क्या हुआ है? हुआ है है इल्यूजन भ्रम हुआ है आई बात आपको समझ में समझ में आई आपको बात अब एक और चीज है यहां पे एक तो हमने मैजिक ट्रिक देख ली दूसरा हमने इल्यूजन देख लिया कि क्यों हो रहा है तीसरी चीज ये आती है कि आ, कभी भी ऐसा होता है कि जैसे आप आ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो ठीक है ट्रांसपेरेंट सी स्प्राइट पी रहे हो उसमें आपने डाल दिया एक लेमन स्लाइस जैसे ही आप डालोगे आपको लगेगा साइड से जब आप उसको देखोगे आपको लगेगा लेमन स्लाइस काफी बड़ा दिख रहा है ओरिजिनली डाला होता है आपने इतना सा लेकिन दिखता है वो आपको इतना बड़ा ऐसा क्यों हो रहा है वो ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों इसी इल्यूजन के कारण जो रेस थी वो कहां से निकल रही थी इस पॉइंट से निकल रही थी लेकिन ब्रेन ने जो इमेज बनाई वो कहां बनी इस पॉइंट पे बनी तो हमें कैसा लग रहा है ब्रेन को लग रहा है कि इमेज यहां बन रही है लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहां है वो यहां है तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना इमेज का अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसे हम क्या कहते हैं बच्चों इस शिफ्ट को हम क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट क्या कहेंगे इसे हम इसे हम कहेंगे लेटरल शिफ्ट या इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेटरली हुआ है साइड में हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे लेटरल शिफ्ट कहेंगे और जो कि इमेज पानी के थोड़े ऊपर बन रही है इसलिए हमें दिख रहा है कि उसका जो साइज है वो बढ़ गया है लेकिन वो साइज बढ़ता नहीं वो उतना का उतना रहता ऑब्वियसली बात है ना आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक में ठीक है सॉफ्ट ड्रिंक में स्प्राइट में आपने नींबू का टुकड़ा डाला है तो वो बड़ हो जाएगा साइज में उतना ही रहेगा लेकिन दिख हमें बढ़ा रहा है क्यों क्योंकि उसका लेवल थोड़ा जो है ना बेसिकली जो हमारा ब्रेन इमेज बना रहा है उस नींबू के टुकड़े की वो कहाँ बना रहा है उसकी एक्चुअल पोजिशन के ऊपर बना रहा है क्योंकि लेटरल शिफ्ट हुआ है एक्चुअल पोजिशन के ऊपर बना रहा है तो जितना ऊपर होगा वो उतना बड़ा दिखेगा आ रही है बात समझ में आपको ये पूरी कहानी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तो क्या आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन से समझना पड़ा बच्चों बिल्कुल भी नहीं एग्जाम्पल से ही हमने बात कर ली अब जो भी पढ़ा है उसको हम कर लेते हैं रिवाइज और फिर चलेंगे थ्योरी की तरफ जो कि आपके एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली है ना एग्जाम को भी तो देखना पड़ता है ना थोड़ा साइड में अपनी लर्निंग अपनी जगह है लेकिन एग्जाम को भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा है ना तो एक काम करते हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा उसको हम करते हैं जल्दी से उसका एक क्विक रिकायप और फिर इसके बाद में थ्योरी कर लेंगे फटाफट हमने क्या बोला भाई हमने बोला कि हमारे पास एक कटोरी थी उसमें हमने कॉइन डाला इनिशियली वो हमें कॉइन दिखा नहीं क्यों नहीं दिखा अभी पता करते हैं जैसे ही उसमें हमने पानी डाला कॉइन दिखने लगा ऐसा क्या भैया जादू हो गया किसी भी चीज को हम तभी देख पाते हैं बच्चों जब उससे निकलने वाली रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों तक पहुंचे तभी हम उसको देख पाएंगे कॉइन क्यों नहीं दिख रहा था कॉइन इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि उससे निकलने वाली जो रेस थी उससे निकलने वाली बच्चों जो रेस थी ना वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही थी उसको उस कटोरी की जो दीवार है वो रोक ले रही थी लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या डाल दिया बच्चों पानी डाल दिया पानी डालने के कारण क्या होगा पानी जैसे ही हमने डाला तो सपोज ये है पानी तो जैसे ही हमने पानी डाला अभी जैसे ही रेस कॉइन से निकलने वाली रेस इस पानी के ऊपर आएगी यानी कि दूसरे मीडियम में आएंगी एक मीडियम क्या हो गया पानी दूसरा मीडियम क्या हो गया एयर तो जैसे ही कॉइन से निकलने वाली रेज दूसरे मीडियम में आएंगी वो अपना पाथ चेंज कर लेंगी पाथ चेंज कर लेंगी यानी कि बेंड कर लेंगी और इस तरह से ये हमारी आंखों तक पहुंच जाती है और हमें कॉइन दिखने लगता है ठीक है ये समझ में आया दूसरी चीज क्या थी कि एक पेंसिल को एक स्ट्रॉ को जब आप खाली ग्लास में डालोगे वो सीधी दिखेगी बिल्कुल सही साठ दिखेगी जैसे ही उसमें पानी डाल दिया वो टूटी दिखेगी टूटी क्यों दिख रही है भाई टूटी दिख रही है क्योंकि हमारे ब्रेन को इल्यूजन हो रहा है ठीक है ब्रेन को क्या हो रहा है इल्यूजन हो रहा है फिर से देख लो डायग्राम से ये बना दिया क्या मैंने ग्लास ये बना दिया क्या मैंने स्ट्रॉ और खड़े हो यहां पे आप ठीक है अब क्या हुआ इस स्ट्रॉ के बेस से निकलेंगी क्या कुछ रेज ये रही क्या रेज ये गलत बताया मैंने हाँ ये कौन सा केस है जब अभी पानी नहीं डाला है तो ये डाला आपने स्ट्रॉ ये उससे निकल गई क्या रेस तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई हमारा जो है है ना वो बिल्कुल है। बिल्कुल परफेक्ट भी टूटा फूटा नहीं है अब क्या करते हैं अब इसमें हम डाल देते हैं पानी पानी डाल दिया ये लो भाई पानी डाल दिया हमने अब जो इसके बेस से निकलेंगी ना रेस वो क्या होगा जैसे ही पानी के सरफेस पे पहुंचेगी अपना रास्ता कर लेंगी चेंज चेंज कर लिया रास्ता अब जैसे ही ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंखों तक पहुंची आंखों से पहुंची ब्रेन ने ब्रेन ने बोला भाई रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है वरना कहीं ना कहीं मतलब इमेज भी बननी होगी इमेज कहां बनेगी तो ब्रेन ने क्या किया ये जो आई है ना रिफ्लेक्टेड रेज उनको उनके ओरिजिनल पाथ में ले जाकर के जोड़ दिया जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहीं पे बनती है इमेज तो हमारे ब्रेन ने क्या किया हमारे आंखों तक आ रही रिफ्लेक्टेड रेज को उनके ओरिजिनल पाथ के अलोंग ही क्या कर दिया नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो उनने ऑब्जर्व किया कि भैया इस पॉइंट पे आकर के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है मतलब कि इमेज यही है मतलब कि जो स्ट्रॉ है ना आपका वो कहाँ है यहाँ है और इसलिए हमको ये टूटा हुआ दिखता है टूटा हुआ नहीं है ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे बन रही इमेज जबकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है वो तो यहाँ है ब्रेन को लग रहा है ऐसा मतलब ये क्या हो गया इल्यूजन हो गया इस तरह का जो शिफ्ट हो रहा है अपनी ओरिजिनल पाथ से उसे हम क्या कहते हैं लेटरल शिफ्ट कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जाने के बाद अचानक से उसका साइज बढ़ क्यों जाता है वो बढ़ इसलिए जाता है बच्चों क्योंकि ब्रेन जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है ना वो कहाँ बनाता है उसकी एक्चुअल पोजिशन से ऊपर बनाता है तो जितना ऊपर होगा ऑब्जेक्ट पानी में उतना हमको बड़ा दिखेगा एक्चुअल इमेज तो वो नहीं होती है उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ होता है वो यहाँ होता है लेकिन ब्रेन कहाँ बनाता है ऊपर बनाता है तो जितना ऊपर होगा इमेज जितना ऊपर होगा ऑब्जेक्ट पानी के उतना बड़ा वो दिखेगा तो ये भी क्या है एक इल्यूजन है अब ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट रेस की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकलने के बाद उसी को हम क्या कहते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं क्लियर है आपको समझ में आ गई ये बात आई होप दोनों एग्जाम्पल्स आपको हो गए होंगे क्लियर अब हम बात करते हैं हमारे थ्योरी की तो भाई रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है एग्जाम में लिखने वाली बात है दिस फिन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो बेंडिंग हो रही है जो चेंज हो रहा है लाइट के पाथ का एक से दूसरे मीडियम में जाने के जाने पर वो क्या कहलाता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज द लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और मीडियम द रिफ्रेक्शन बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया ये जो पाथ चेंज हो रहा है लाइट का उसको हमने बोला रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट जब एक लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है एंटर करती है तब हम बोलते हैं कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है भटक जाती है अपने ओरिजिनल से लाइट गई भटक, जिसके कारण क्या हुआ? इल्यूज़न देखने को मिलता है हमें, यस yes no? और और नो, ये जो रिफ्रेक्शन हो रहा है वो कहां होता है दोनों ही मीडिया की बाउंड्री पे होता है जहां पे दो मीडियम आके मिल रहे हैं वहीं पे रिफ्रेक्शन हो जाएगा वहीं से लाइट अपना पाथ चेंज कर देगी ऐसा नहीं कि आ, लाइट को पता है कि अरे मुझे दूसरे मीडियम में जाना है तो वो पहले मीडियम की शुरुआत से ही अपना पाथ चेंज करेगी नहीं जैसे ही वो दूसरे मीडियम के टच में आएगी फर्स्ट मीडियम से जैसे ही वो दूसरे मीडियम में आएंगी तब जाकर के अपना पाथ चेंज करेगी एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा इस तरीके का ये रही क्या इंसिडेंट रे ये रही नॉर्मल रे ये रहा क्या एक मीडियम ये रहा क्या दूसरा मीडियम ये हुआ क्या एयर ये हुआ क्या वॉटर जैसे ही जो है ना ओरिजिनली क्या होना चाहिए था पाथ जो है ना वो कुछ इस तरह का बनना चाहिए था लेकिन जो कि हमारी लाइट क्या करती है जैसी एक से दूसरे मीडियम में आई वो क्या कर गई रिफ्लेक्ट कर गई यानी कि उसका पाथ जो है ना वो चेंज हो गया तो ये जो ब्लू लाइन है बच्चों ब्लू लाइन क्या थी ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था लाइन का ठीक है ना हमने सपोज किया था अज्यून कह था कि लाइट ये पाथ फॉलो करेगी लेकिन ये पाथ फॉलो नहीं किया दूसरा ही पाथ फॉलो कर लिया पाथ डेविएट हो गया पाथ चेंज हो गया क्यों क्योंकि लाइट एक से दूसरे मीडियम में आई है अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता यहाँ पे हवा ही होती तो ये ब्लू वाला पाथ फॉलो होता ठीक है ये चीज आपको समझ में आ रही है अब और चोरी देख लो भाई अब यहाँ पे क्या किया गया है एक्स वाई प्लेन सरफेस सेपरेटिंग मीडियम वन एंड टू ये जो एक्स वाई प्लेन है ये एक मीडियम से तो दूसरे मीडियम को सेपरेट कर रहा है अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम वन अलॉन्ग ए स्ट्राइक द बाउंड्री एक्स वाई ऑफ टू मीडिया एट ओ इंसिडेंट रे ए जिसने ओ पे जो है स्ट्राइक करा है एक्स वाई प्लेन को इन मीडियम टू द रे ट्रेवलिंग अलॉन्ग ओबी विच इज नॉट इन लाइन विथ एओ ठीक है और अब सेकेंड मीडियम में जो हमारी लाइट है वो ओ बी पाथ में ट्रेवल कर रही है जो कि ए ओ लाइन का पार्ट नहीं है अलग है इन मीडियम टू द रे ट्रेवलिंग अलॉन्ग ओ बी विच इज नॉट इन द लाइन विद ए ओ द रे ट्रेवलिंग अलोंग ए बैंड टू वर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल क्या है भाई एनओ एन एन डैश ये एन डैश होना चाहिए ठीक है ये वाला एन एंड होना चाहिए तो एनओ एन डैश पे आप देख रहे हो कि जो आ, ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो गई है पास आ गई उसकी तरफ बैंड हो गई है तो ये रही क्या इंसिडेंट रे और ये हो गई क्या रिफ्रैक्टेड रे और जो ओरिजिनल पाथ उसको फॉलो करना चाहिए था ठीक है उसको आप क्या बोल सकते हो ओपी बोल सकते हो ओपी मतलब क्या ओरिजिनल पाथ और ये जो पाथ फॉलो करा है उसने उसको हम क्या कह सकते हैं एपेरेंट पाथ कह सकते हैं क्या कह सकते हैं एपेरेंट, तो ओपी और एपी ये पूरी चीज बच्चा वही है जो मैं आपको बार बार समझा रही हूं ठीक है सिर्फ आपके एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन तो एंगल आई और एंगल आर ठीक है और इसी के साथ में हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है खत्म क्यों क्योंकि भाई ये जितनी भी चीजें हैं ना बच्चों ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं बस आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सक कर चुकी हूं ठीक है और मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहती अब जो इस टॉपिक में देखने वाली बात यह है कि आपने मैम यह तो बता दिया कि लाइट जो है ना वो बेंड हो रही है लेकिन क्यों हो रही है तो आपने बताया नहीं अगर ये पता करना है तो आ जाओ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे आपको मैं बताऊंगी कि क्यों लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है क्यों जो है ना एक अपेरेंट पाथ बना रही है अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके तो इस लेक्चर के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम आ, हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये रिफ्रेक्शन हो क्यों रहा है क्यों पाथ का चेंज हो रहा है क्यों बेंडिंग हो रही है लाइट की तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक, तक, तक आप क्या करो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट उसको विजिट कर लेना जहां पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेस डॉट कॉम हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लैक्शन का एक और नया टॉपिक जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स भाई प्लेन मिरर में क्या फ़र्क होता है प्लेन मिरर और जो ग्लास डोर होता है उनमें क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था फिर इसके बाद में हमने देखा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको फॉलो करके लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये भी हमने पढ़ लिया अब बारी आती है तीसरे टॉपिक की जो कि है कि भाई प्लेन मिरर्स किस तरह की इमेजेस फॉर्म करते हैं यानी कि उन इमेजेस की क्या करेक्ट्रिस्टिक्स हैं तो ये टॉपिक रहेगा आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टारगेट एम और साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एक प्लेन सरफेस के अबाउट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इज़ ईजी लेकिन जब एक कर्व्ड सरफेस की हम बात करते हैं तो उसके अबाउट आप एक परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे ये हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में तो दो चीज़ें पढ़ने वाली हैं भैया एक ये कि कर्व्ड सरफेस के अलाग परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं और दूसरी चीज़ क्या कि जो प्लेन मिरर्स जो होते हैं उनसे बनने वाली इमेजेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं टारगेट फिक्स कर लिया आपने अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर सो दिस इज़ विभूति घर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचाता है एजुकेशन इनफैक्ट क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर तो जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था जिस पॉइंट पे उसी को पहले हम कंटिन्यू कर लेते हैं फिर न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो भाई एक रिकैप कर लें क्या रिविजन कर लेते हैं क्या पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में हमने कि जिस तरह से एक बॉल को स्ट्राइक करो वॉल पे तो वो बाउंस बैक होकर के हमारे हाथ में आ जाती है सिमिलरली जब आप एक लाइट को स्ट्राइक करोगे एक सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो वो टकरा करके वापस हम तक आ जाती है तो ये जो बाउंस बैक हो रहा है लाइट का सेम मीडियम में उसे हम क्या कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में लाइट के रिफ्लेक्शन में ध्यान से सुनिएगा लाइट का पाथ चेंज होगा लेकिन मीडियम नहीं मीडियम वही रहेगा अगर बच्चों मीडियम चेंज हो गया तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा है ना कैसे पढ़ा था हमने कि ये रहा हमारा सरफेस ये रही हमारी इंसिडेंट रे और एरो लगाना मत भूलिएगा एरो हेड फिर इसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है वो कुछ इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे हो गई और दोनों के बीच में क्या आता है भाई एक लाइन आती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं नॉर्मल नॉर्मल क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है इज दैट क्लियर तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये हो गए हमारे इंसिडेंट रे ये हो गए हमारे रिफ्लेक्टेड रे तो देखो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो सेम मीडियम में हो रहा है सपोज ये जो मीडियम था हमारा वो एयर है और ये हमारा कोई मेटल ऑब्जेक्ट है मेटल सरफेस है ठीक है तो इधर देखो आप लाइट जो है एयर से ही आ रही थी और एयर में ही वापस चली गई मीडियम वही का वही रहा लेकिन पाथ चेंज नहीं हुआ ये था क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिर लॉस क्या पड़े थे हमने पहला लॉ तो ये था कि भैया इंसिडेंट रे नॉर्मल नॉर्मल क्या होती है कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस तो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों की तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है ये तीनों की तीनों जो है आ, एक ही प्लेन पे लाइ करेंगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे लाइ करेगी प्लेन चेंज नहीं होगा पेपर पे अगर हम बना रहे हैं तो पेपर के ही प्लेन में तीनों लाइंस आप बना सकते हो ऐसा नहीं है कि एक रे चली गई पेपर के नीचे एक चली गई पेपर से ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा तो सेम प्लेन पे लाइक करेंगी तीनों हमा, तीनों हमारी रेज इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिर इसके बाद में सेकेंड लॉ क्या था कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ इसको हम डिनोट करते हैं आर से ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सही है अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ये दोनों ही एंगल्स बराबर होते हैं यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि जो एंगल हमारी इंसिडेंट रे बना के आ रही है नॉर्मल के साथ वही वाला एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ यानी कि जो एंगल बनाकर के इंसिडेंट रे आ रही नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे वापस कैसे जाएगी उसी एंगल को बना करके जाएगी सेम एंगल को यानी कि अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो 30 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बना करके आ रही है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्या करेगी कॉपी करेगी वो भी नॉर्मल के साथ तीस डिग्री का एंगल बना करके जाएगी बस इतना सा था एक और चीज अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है सरफेस नॉर्मल रे थी हमारी उसी के अलोंग आ रही है सरफेस पे तो जब वो वापस जाएगी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी यानी कि अगर मैं इसको ग्रीन कलर से बता देती हूं अगर ये हमारी रेड कलर की क्या है नॉर्मल है और मेरी अगर एक लाइट आ रही है नॉर्मली यानी कि राइट एंगल बना करके सरफेस पे तो वो वापस कैसे जाएगी वो सेम पाथ को फॉलो करके जाएंगी बस इतना ही हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में मैंने समराइज करके आपको बता दिया ठीक है अब सवाल ये है मेरा कि आप एक कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल कैसे बना सकते हो अगर आपके पास जो कि इस तरीके का क्या है यू नो you know, एक प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के अबाउट तो आप बहुत इजीली बना सकते हो ये रहा प्लेन सरफेस और इसके ऊपर बना दिया आपने क्या 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका नॉर्मल लेकिन अगर मैं बात करूं इस सरफेस की इस पे कैसे बनेगा हर पॉइंट कैसा है मुड़ रहा है मुड़ रहा है मुड़ रहा है मुड़ रहा है हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर इस पर कैसे बनेगा एक काम करते हैं सबसे पहले तो बनाते हैं क्या सर्कल ठीक है लेट्स मेक अ सर्कल सर्कल बनाया हमने दिख रहा है आपको यहाँ पे अब इस सर्कल परफेक्ट बन गया ऑलमोस्ट नियरली परफेक्ट है ठीक है uh, अब मैं इस सर्कल के अबाउट एक टेंजेंट बना देती तो हूँ एक पॉइंट लेती हूं मैं ये रहा पॉइंट ए इस पॉइंट ए के अबाउट में क्या बनाती हूँ बच्चों एक टेंजेंट बनाती हूँ ठीक है टेंजेंट क्या होता है बच्चों जिनको पता है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता वो सुन लो टेंजेंट बहुत एक शातिर लाइन होती है वो क्या करती है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाती है और कहीं टच नहीं करेगी ये जो आपको लाइन दिख रही है ये मैंने टेंजेंट जो ड्रॉ किया है पॉइंट ए के अलोंग ये सिर्फ और सिर्फ लाइन इस सर्कल को पॉइंट ए पर ही टच करेगी बाकी और कहीं टच नहीं करेगी अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे कौन सा बी इस बी पॉइंट के अलाग में टेंजेंट बनाऊँ तो टेंजेंट कैसा जाएगा ये

परपेंडिकुलर लाइन बनानी है ठीक है इसके अलावा आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है तो अब जो परपेंडिकुलर लाइन मैं बनाऊंगी उसको मैं बनाऊंगी ब्लू कलर से तो ये दो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी इस टेंजेंट के ऊपर ये जो मेरी परपेंडिकुलर लाइन है नॉर्मल ठीक है परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल या आप देख रहे होंगे कि सर्कल का जो सेंटर है उसको टच कर रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं करने दो अब जो मैंने पॉइंट बी लिया था ना पॉइंट बी पे भी मैंने एक टेंजेंट बनाया था इस टेंजेंट के आप अभी मैं आपको क्या बता रही थी कर्व्ड सरफेस के अलांग कैसे आप एक परपेंडिकुलर बना सकते हो उसको अभी दो मिनट के लिए छोड़ो अभी हमने सर्कल लिया है हम क्या कर रहे हैं बच्चों सर्कल के हर एक पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बना लिया है और अब मैं जो परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी वो उस टेंजेंट के अबाउट होगी अब ये देखो ये पॉइंट बी है इस पॉइंट बी का जो टेंजेंट है इसके अबाउट आपको बनाना है क्या एक परपेंडिकुलर यानी कि एक नॉर्मल क्या किया आपने ये लो जी बन गया आपका क्या एक परपेंडिकुलर ये भी सेंटर को क्रॉस कर रहा है अच्छा कोई बात नहीं करने दो फिर से एक ले लेते हैं क्या पॉइंट सी पॉइंट सी कहाँ ले कहाँ ले यहां ले, ले लेते हैं अब इस पॉइंट सी के भी अला क्या करेगा एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो अब इस टेंजेंट के ऊपर बना दो एक परपेंडिकुलर जब आपने इसके परपेंडिकुलर बनाया तो आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर लाइन भी सेंटर से क्रॉस कर रही है इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें इससे कंक्लूजन ये निकालें कि सर्कल के सर्कम पे कोई भी पॉइंट ले लो एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लो उस पॉइंट के अलॉन्ग जब आप एक टेंजेंट बनाओगे और उस टेंजेंट के ऊपर जब आप एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल बनाओगे ना तो वो नॉर्मल कहाँ जाएगी वो जाएगी सेंटर को क्रॉस करेगी और हमें पता है कि सेंटर से लेकर के जो सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है किसी भी पॉइंट को ले लो उधर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है रेडियस क्या कहलाएगा बच्चों रेडियस क्या लाएगा पता थी ये बात तो अब मैं बोल सकती हूं कि मुझे अगर सर्कल के का जो सर्कमफ्रेंस है उसकी किसी भी पॉइंट पे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए है तो मैं क्या करूंगी मैं बना दूंगी एक रेडियस ये रहा पॉइंट डी इस पॉइंट डी के अलोंग मुझे क्या चाहिए था एक परपेंडिकुलर बनाना था मैंने क्या कर दिया रेडियस बना दिया यानी कि सेंटर से लेकर के उस पॉइंट को जोड़ दिया बन गया रेडियस बन गया परपेंडिकुलर पॉइंट डी के अबाउट बस यही तो मुझे आपको बताना था कि एक प्लेन सरफेस के अबाउट परपेंडिकुलर बनाना इज वेरी इजी एक सीधी लाइन बना दो हो गया लेकिन जब हम बात करते हैं एक कर्व्ड सरफेस की उस समय मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कैसे गड़बड़ हो जाता है क्योंकि पॉइंट जो है ना मुड़े जा रहे हैं हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है कर्व्ड है सरफेस कैसे बनेगा 90 डिग्री का एंगल तो हमने क्या किया हमने एक पॉइंट ले लिया फिर से समझ लो पॉइंट ए है पॉइंट ए हमने लिया उस पॉइंट ए के अलोंग हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया टेंजेंट क्या है एक शातिर लाइन है वो हमेशा सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगी इसके अलावा सर्कल को कहीं भी टच नहीं करेगी तो एक टेंजेंट बना लिया अब इस टेंजेंट के अबाउट मैंने क्या डाला क्योंकि टेंजेंट तो 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 मेरी एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन थी ना तो स्ट्रेट के ऊपर तो हमें परपेंडिकुलर डालना आता है तो हमने क्या किया इस टेंजेंट के अबाउट हमने डाल दिया एक परपेंडिकुलर और देखा कि भैया वो परपेंडिकुलर तो सर्कल को क्रॉस कर रहा था पॉइंट सी पे भी हमने सेम किया पॉइंट सी पे भी पॉइंट सी के भी अलॉन्ग जो टेंजेंट बनाया उस टेंजेंट के अबाउट जो हमने नॉर्मल बनाया वो भी सर्कल को क्रॉस कर रहा है पॉइंट सी के साथ भी ये हुआ और कितने भी पॉइंट्स लो सर्कल के सरकमफेरेंस पे यही होने वाला है किसी भी पॉइंट पे सर्कल के सरकमफेरेंस पे आप एक टेंजेंट बनाओगे उस टेंजेंट के अबाउट जब आप एक नॉर्मल बनाओगे ना तो वो नॉर्मल सर्कल के सेंटर को क्रॉस करेगी और हमको पता है कि सर्कल से लेकर के सर्कल के सर्कम्फरेंस का कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है रेडियस कहलाता है तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि भैया अगर हमें सर्कल के सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाना है तो हम क्या करेंगे सिंपली उस पॉइंट को ले जाकर के जोड़ देंगे सर्कल के सेंटर के साथ यानी कि रेडियस बना देंगे और वही हो जाएगा उसका क्या वही हो जाएगा उसका नॉर्मल उस पॉइंट का नॉर्मल तो अब हमने क्या सीख लिया हमने सीख लिया कि भैया प्लेन सरफेस तो क्या अब हम एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर भी एक नॉर्मल बनाना सीख चुके हैं क्लियर है आप सबको ये भूलोगे तो नहीं ये आगे अभी आएगा जब हम आ, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स जो इमेजेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट की जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे ना तब ये वहां पे काम आएगी आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो तो ये तो चीज़ थी थोड़े प्रीवियस वीडियो की प्रीवियस टॉपिक से रिलेट कर रही थी अब आ जाते हैं हम अपना अपने नए टॉपिक पे नया टॉपिक क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स प्लेन मिरर्स कैसी इमेजेस बनाती है प्लेन मिरर्स मतलब क्या पीछे क्या है पॉलिशिंग है कौन सी पॉलिशिंग है सिल्वर पॉलिशिंग है क्यों की गई है क्योंकि सिल्वर हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली नाइनटी जो लाइट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और जब हम इस रिफ्लेक्शन को देखते हैं तभी हमें शीशे में अपना चेहरा देख देखने को मिलता है हम देख पाते हैं तो हमें बेसिकली एक ऐसा ही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे ताकि उस रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हम देखें तो हमें अपना चेहरा दिखे तो प्लेन मिरर और ग्लास डोर में क्या फर्क है ये हम देख चुके हैं चलो ठीक है अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लेन मिरर की से बनने वाली इमेजेस की वो क्या है द इमेज ऑफ ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने एक रियल ऑब्जेक्ट रख दो तो उस पर बनने वाली जो इमेज है वो वर्चुअल होगी वर्चुअल को मैं क्या कह सकती हूँ वर्चुअल को मैं कह सकती हूँ नॉट रियल अच्छा जी प्रूव करके बताइए बता देते हैं एक काम करते हैं ये आपको इमेज दिख रही है आपको क्लियर ठीक है अब यहाँ क्या हो रहा है ये इमेज फिर भी थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी हम समझते हैं तो एक बेसिक आ, इमेज से समझ लेते हैं ठीक है यहाँ पे आपको मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए समझाने के लिए एक्चुअली और कोई बात नहीं है यहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है अब ध्यान से देखना ये है क्या एक ऑब्जेक्ट ठीक है ये है एक ऑब्जेक्ट और इसके सामने रखा हुआ है ये एक मिरर हमेशा याद रखना बच्चों की जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हो मिरर पे तो हमेशा आपके पास मिनिमम दो रेज होनी चाहिए दो इंसिडेंट रेज होनी चाहिए तभी आप एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हो मिरर पे ठीक है तो देखो ये रहा मेरा एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एक एरो से एरो हेड भी लगा है और उसके सामने रखा हुआ है क्या एक मिरर ठीक है अब देखो अब मैं क्या बात कर रही हूं अब मैं इस हेड का जो पॉइंट है ना इस पॉइंट से निकल रही हैं दो रेज ठीक है इस पॉइंट से निकल रही है क्या बच्चों दो रेज निकल रही हैं एक तो कैसी निकली सीधी सीधी निकली यानी कि परपेंडिकुलर निकली मिरर के अबाउट ठीक है और दूसरी कैसी निकली दूसरी निकली थोड़ी टेढ़ी ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट जिसको मैंने एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया एरो से और एरो हेड से उसके सामने रखा हुआ है एक प्लेन मिरर ठीक है ये इस तरह से डिनोट किया जाता है प्लेन मिरर ये डैश 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 क्या है ये डैश बता रहा है कि भैया पीछे पॉलिशिंग है ग्लास डोर नहीं ये प्लेन मिरर है आईना है ठीक है ये डैश डैश क्या बता रहा है कि पीछे मस्त पॉलिशिंग करी गई है ठीक है अब देखो इस पॉइंट से निकल रही है दो रेज एक जा रही है प्लेन मिरर के अबाउट नॉर्मली यानी कि नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रही है और ये जो दूसरी रे जा रही है दूसरी रे जो जा रही है वो एक पर्टिकुलर एंगल बना करके स्ट्राइक कर रही है हमारे मिरर पे अब क्या होगा प्लेन मिरर है प्लेन मिरर क्या करता है लाइट रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो अब हमने क्या करा लाइट रिफ्लेक्ट करा दी तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो लाइन यू नो परपेंडिकुलरली हिट करती है जो रे परपेंडिकुलरली हिट करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है अपने पाथ को फॉलो करती है रिट्रेस करती है तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये क्या करेगी ये उसी डायरेक्शन को सेम पाथ को फॉलो करेगी ये लोग और ये जो दूसरी वाली है यानी कि इंसिडेंट रे दूसरी इंसिडेंट रे ये क्या करेगी जो एंगल बना करके आई है नॉर्मल के साथ ठीक है ये रही क्या नॉर्मल नॉर्मल थोड़ी सी पीछे हो गई है इसको आगे ले लेते हैं ठीक है ये रही क्या नॉर्मल अब इंसिडेंट रे जो भी एंगल बना करके आई है नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल बना करके जाएगी नॉर्मल के साथ ठीक है तो रिफ्लेक्टेड रे को मैंने यहां पर ले लिया क्या ब्लू तो ये लो ठीक है अब हमें क्या दिख रहा है एक पॉइंट एक रे आई थी इंसिडेंट रे जो कि कैसी थी परपेंडिकुलर थी और सेम पाथ को रिट्रेस करेगी वो जब वो वापस जाएगी रिफ्लेक्टेड रे दूसरी एक एंगल बना करके आई थी और सेम एंगल बना करके वो वापस भी चली जाएगी इतना समझ में आ गया अब क्या होता है बच्चों की जब भी हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये जो इमेज बन रही है आईने में ये इमेज आईने के पीछे से आ रही है ये इमेज कहीं आईने के पीछे बन रही है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को मैं यहाँ पे वर्चुअल इमेज एक्सप्लेन कर रही हूँ ये जो पूरा चल रहा है ना ये वर्चुअल इमेज को ही समझाया जा रहा है क्या मैंने बोला कि जब हम अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो हमारी जो इमेज है ना वो कहीं मिरर के पीछे बन रही है मिरर के पीछे बन रही है लेकिन एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि भैया जो जो मिरर है मेरा पीछे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं पीछे तो पॉलिश करके रखा हुआ है तो पीछे तो कुछ बनना ही नहीं चाहिए लेकिन हमें लगता है ऐसा कि पीछे बन रही है अभी जो लगता है ना कि क्यों लग रहा है कि इमेज हमें पीछे बन रही है मिरर के उसको हम देखते हैं हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी आ, दोनों इंसिडेंट रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना जो दोनों एक ये वाली और एक ये वाली इन दोनों को हम पीछे कहीं जोड़ते हैं ठीक है इन दोनों को पीछे कहीं हम जोड़ देते हैं तो ये लो जोड़ दी क्या किया मैंने मिरर के पीछे जो दो हमारी रिफ्लेक्टेड रेस गई हैं उनको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है पीछे की तरफ ठीक है और एक्सटेंड करते करते मैंने देखा कि अरे ये तो इस पॉइंट पे जुड़ गई जुड़ गई इस पॉइंट पे। यानी कि क्या इस पॉइंट पे मुझे क्या दिखाई देगा ये चीज दिखाई देगी ठीक है जिस पॉइंट से ये दोनों लाइट्स आ रही थी उसी पॉइंट की इमेज मुझे यहाँ दिखेगी कहाँ मिरर के पीछे कैसे क्योंकि मैंने जिस पॉइंट से दोनों इंसिडेंट रेज आ रही थी उनको रिफ्लेक्ट करवा दिया और उन रिफ्लेक्टेड रेज को मैंने पीछे की तरफ मिरर के पीछे एक्सटेंड किया एक्सटेंड जब हुई तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों मिल रही हैं और उसी पॉइंट पे हम कहते हैं कि भैया इमेज बन रही है आई बात आपको समझ में तो जो हमें लगता है ना कि हम जब अपने आपको चेहरे को देख रहे हैं अपने आपको देख रहे हैं मिरर में तो ये जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है वो इसलिए बन रही है ठीक है कि हमें लग रहा है जबकि ऐसा है नहीं तो ये जो आपको इमेज दिख रही है बच्चों, ये क्या है ये रियल तो है नहीं ये नॉट रियल है नॉट रियल मतलब क्या वर्चुअल अभी बताया था मैंने कि प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाते हैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इमेजेस कैसी होती हैं वर्चुअल होती है यानी कि नॉन रियल कैसे क्योंकि हम ये ये हमारा परसेप्शन होता है बच्चों कि हम जब अपने आप को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि वो इमेज मिरर के पीछे बन रही है मिरर के पीछे से आ रही है जबकि ऐसा है नहीं ठीक है जबकि ऐसा है नहीं हम बोलते हैं कि जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो कब बनती हैं वर्चुअल वर्चुअल इमेजेस हम बोलते हैं वो तब बनती हैं जब आ, रिफ्लेक्टेड रेस कैसी हो डाइवर्जेंट हो मतलब स्कैटर हो रही हूं फैल रही हूं इस स्टेज पे हमको क्या लगता है जब हम आगे से देखते हैं मिरर को कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना ये पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं जबकि वो पीछे से नहीं आ रही होती हैं वो तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही आ रही होती हैं लेकिन हमें लगता है ऐसा और इसी लगने के कारण हमको लगता है कि हमारी इमेज शीशे के पीछे बन रही है जबकि भैया शीशे के पीछे तो घोर अंधेरा है कुछ लाइट है ही नहीं वहां पे वहां पे तो पॉलिश है ना तो कहां से जाएगी लाइट वहां पे बिल्कुल नहीं जा पाएगी लाइट इस तरह की इमेजेस को हम कहते हैं वर्चुअल इमेजेस आई होप ये आपको समझ में आया हो क्या किया था हमने हमने किया था भाई कि एक हमने ले लिया था ऑब्जेक्ट उससे दो इंसिडेंट रेज निकाल ली थी और उनको रिफ्लेक्ट भी करा दिया था लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ठीक है नॉर्मल तो सेम पाथ रिट्रेस करेगी और अगर एंगल बना करके आएगी नॉर्मल के साथ तो रिफ़्लेक्टेड रे भी सेम एंगल बना करके वापस चली जाएगी अब क्या हुआ कि हम हमने जब देखा कि हमें लगता है कि भाई मिरर के पीछे से हमारी इमेज आ रही है तो हमने क्या किया इन दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को मिरर के पीछे एक्सटेंड कर दिया जब एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि भैया इस पॉइंट पे दोनों रेज मिल रही हैं और इस पॉइंट पर ही हमें लगता है कि हमारी जो इमेज है ना बन रही है जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है ये हमारा परसेप्शन है तो ये इमेज कैसी है रियल नहीं है रियल नहीं है मतलब कि ये वर्चुअल इमेज है इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो प्लेन मिरर्स हैं वो वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं वो रियल इमेजेस नहीं बनाते हैं ये हमारा परसेप्शन है कि वो बन रही है आई बात आपको समझ में आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा तो अब ये मत बोलना कि जो प्लेन मिरर है वो उसके पीछे से जो है ना इमेज बन रही है एक्चुअली वो वर्चुअल इमेज है हमें लगता है कि जो लाइट है ना वो मिरर के पीछे से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है डाइवर्ज हो रही है जबकि ऐसा है नहीं वो मिरर से ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिरर के पीछे से किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और डाइवर्ज हो रही हैं आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट यही है रियल इमेज का जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ लेंगे जब हमें रियल इमेज जब जहां बनेगी ना अभी प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बन रही थी तो हमने वर्चुअल इमेज पढ़ ली जब जहां रियल इमेज बनेगी जिस मिरर में उसको वहां निपटा लेंगे ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सेकेंड क्या है द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट दैट इज अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा जब आप खड़े होते हो तो प्लेन मिरर के सामने तो आपके मुंह के सामने आपको आपका मुंह दिखता है ठीक है बॉडी के सामने आपको अपनी बॉडी दिखती है ऐसे उल्टे तो नहीं दिखते अब मैं उल्टा होकर बता सकती ठीक है तो आपको हमेशा अपनी जो इमेज है वो इरेक्ट दिखती है ठीक है ना यानी कि अपराइट दिखती है जैसे आप खड़े हो आपको अपनी इमेज वैसे ही दिखेगी ऐसी उल्टी नहीं दिखेगी अपसाइड डाउन इमेज नहीं मिलेगी आपको क्यों क्योंकि ये वर्चुअल ये मिरर प्लेन मिरर के का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो इमेज बनाएगा वो कैसी होती है ऑलवेज इरेक्ट हमेशा इरेक्ट होगी यानी कि अपराइट होगी बच्चों जो वर्चुअल और ये जो इरेक्ट वर्ड है ना देखो हैंड इन हैंड हमेशा साथ में रहते हैं आगे जब हम डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ना तो इसमें आपको इन्वर्टेड रियल वगैरह भी देखेगी तो वर्चुअल और इरेक्ट दोनों साथ में रहते हैं इन्वर्टेड एंड रियल हमेशा साथ में रहते हैं ठीक है आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है साइज ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भाई जितना साइज आपका रहता है आपके फेस का रहता है सेम साइज की ही इमेज बनती है है ना ऐसा नहीं होगा कि आपका मुंह बड़ा है और शीशे में जो आपके मुंह की इमेज बन रही है वो छोटी है नहीं जो एक्चुअल साइज है ना चाहे आपका या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो मिरर के सामने उसी एक्चुअल साइज की भी की ही इमेज बनेगा इमेज बनाएगा कौन प्लेन मिरर फिर इसके बाद में द इमेज फॉर्म अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर सेम डिस्टेंस पे अगर मैं मिरर के सामने वन मीटर पे खड़ी हूँ तो जो मेरी इमेज है वो भी कैसी होगी वन मीटर के डिस्टेंस पे ही होगी मतलब ऐसा नहीं है कि आ, अगर मैं खड़ी हूँ वन मीटर डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से तो जो मेरी इमेज है वो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत मिरर के पास खड़ी हूँ ऐसा नहीं है जितने एक्चुअल डिस्टेंस पे मैं खड़ी हूँ जो मेरी इमेज बनी है मिरर के मिरर पे वो इमेज यही बताएगी कि मैं वन मीटर डिस्टेंस पे ही खड़ी हूं ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर दिखूंगी इमेज में या मैं बहुत पास दिखूंगी जो एक्चुअल डिस्टेंस पे मैं खड़ी हूं उसी के अकॉर्डिंग इमेज बनेगी और एक लास्ट पार्ट क्या है द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज लेटरली दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा लेटरली इन्वर्टेड होती है इन्वर्टेड बट खा गए यहाँ पे हम एक्चुअली यहाँ पे इन्वर्टेड लिख देना इन्वर्टेड होती है इन्वर्टेड मतलब मैंने आप आपको क्या बताया था उल्टा लेकिन हमारी जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होती है यानी कि आप मिरर में वेव करोगे अपना राइट right हैंड तो मिरर में जो आपकी इमेज बनेगी वो वेव करेगी आपका उसका लेफ्ट हैंड अगर आप वेव करोगे अपना लेफ्ट हैंड तो मिरर पे जो इमेज बनेगी उसका हाथ कौन सा वेव होगा राइट right वाला तो ये क्या होगा लेटरली इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट और कैसी लेटरली इन्वर्टेड ठीक है और जो साइज रहेगा ऑब्जेक्ट इमेज का वो बराबर रहेगा और जो डिस्टेंस है वो वैसा का वैसा रहेगा ऐसा नहीं कि मैं वन मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी हूँ तो मेरी जो इमेज है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है मैं बहुत दूर हूँ या मैं बहुत पास हूँ मिरर के जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ी हूँ उतने ही डिस्टेंस की इमेज बना करके दे देगा मुझे प्लेन मिरर तो बच्चों ये कुछ करेक्टर्स हैं प्लेन मिरर के आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है ये वही लेटरली इन्वर्टेड वाला केस है चलो भाई तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है आई होप आपको समझ में आया होगा अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स की तब तक आपको क्या करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लो सभी चैप्टर्स के वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी टॉपिक के नोट्स भी मिल जाएंगे सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट प्रेन्स डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट प्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरीवन आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में डीपीपी डीपीपी का मतलब क्या है भाई डेली प्रैक्टिस पेपर बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास टेंथ फिजिक्स स्टार्ट करी है हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और उसके भी हमने कुछ इनिशियल uh, टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के साथ तो बच्चों मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम कुछ और नया टॉपिक पढ़ें अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसको मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ और रिवाइज ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया नहीं हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे उन टॉपिक्स पे जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में इज़ दैट क्लियर इससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा पता चलेगा कि जो अभी तक हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन्स में तो दो चीज़ें हो जाएंगी एक तो आ, आपका रिविज़न हो जाएगा और दूसरा ये कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? है ना तो आज हम इस सेशन में इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर सो दिस इज विभूति करें वेलकम टू magnet ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो so, इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर वन के साथ तो भाई क्वेश्चन नंबर वन क्या है वुड इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट आपको याद होगा तो हमने सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का वो क्या था लाइट के सोर्सेस है ना और वो दो सोर्सेज कौन से थे भाई सोर्स का मतलब क्या होता है कोई भी वे वो ऑब्जेक्ट या कोई भी वो एक यू नो मटेरियल जिससे कि लाइट आ रही है इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था इस तरीके से कि जैसे कि हमारे लाउड स्पीकर होते हैं ठीक है टेलीविजन है या म्यूजिक सिस्टम है ये सब क्या है ये सब सोर्स है साउंड के क्यों क्योंकि इनसे आवाज़ आ रही है साउंड प्रोड्यूस हो रही है सिमिलरली अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करूँ जिससे कि लाइट आ रही है वो क्या हो जाएगा वो सोर्स हो जाएगा लाइट का लाइट क्या है लाइट है एक तरह की एनर्जी एक फॉर्म है एनर्जी का ठीक है और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट सोर्स क्या है एनर्जी का हम सबके लिए सभी ह्यूमन बींग्स के लिए इनफैक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि इस प्लैनेट पे हैं तो आपका आंसर होना चाहिए भाई सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी मतलब कहाँ से सन से सन भी क्या है एक सोर्स है जो कि कॉन्स्टेंटली हम तक क्या पहुंचाता है सन uh, लाइट पहुंचा रहा है तो सन भी क्या है भाई एक सोर्स हो गया एनर्जी का अब सोर्सेस दो टाइप के हो रहे थे कौन कौन से एक तो सेल्फ ल्यूमिनस और एक कौन सा ल्यूमिनस सेल्फ ल्यूमिनस मतलब क्या जिनके पास उनकी खुद की एक लाइट होती है और वो हम तक पहुंचा देते हैं बेस्ट एग्जांपल सन अभी अभी हमने पढ़ा सन के पास उसकी खुद की क्या होती है एक लाइट होती है जो हम तक आ जाती है वो हम तक दे देते हैं ठीक है इसी तरह से आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया बल्ब हो गया ठीक है इन सब के पास भी क्या है एक अपनी खुद की लाइट है जो हम तक आ जाती है कैसे आ जाती है हमें स्विच केवल ऑन करना पड़ता है यानी कि हमने एक बार इलेक्ट्रिसिटी उस उन तक पहुंचा दी जिससे क्या होगा वो हम तक लाइट सप्लाई कर देंगे फिर इसके बाद में आते हैं नॉन ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या था हम थे एक अंधेरे कमरे में जाकर के बैठ जाओ और सामने से किसी को बुलाओ वो नहीं देख पाएगा कि आप वहाँ पे बैठे हो या नहीं बैठे हो क्यों क्योंकि हम ग्लो तो करते नहीं हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है सामने वाला हमें देख कैसे पाता है जब एक कमरे में लाइट ऑन हो जब वो लाइट हम तक पड़ेगी हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होगी तभी सामने वाला हमको देख पाएगा यानी कि हमारे पास खुद की अपनी लाइट नहीं है लेकिन हाँ अगर हम पे लाइट पड़ेगी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हम सामने वाले को दिख सकते हैं ये क्या हो गया नॉन ल्यूमिनस हो गया Is that clear? Moon भी एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स भी है आप बोलोगे कि मैम डार्क स्काई में तो हमें मून शाइन करते हुए दिखता है नहीं मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है बच्चों सन लाइट ही वो लेता है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है हम तक तो हमें लगता है कि हमारा मून क्या कर रहा है ग्लो कर रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं है वो भी ग्लो कैसे कर पा रहा है क्योंकि उस तक पहुंच रही है सनलाइट क्लियर है तो ये देखो पूरा इतना सारा जो हमने सोर्स पढ़ा था लाइट के जो सोर्सेस पढ़े थे वो हमने रिवाइज कर लिए अब आपको ये क्वेश्चन इजीली बन सकता है वुड इज़ अ डैश सोर्स ऑफ लाइट क्या एक लकड़ी को आप एक अंधेरे कमरे में रख के देख सकते हैं नहीं देख सकते कुछ नहीं देखा क्यों क्योंकि वुड ग्लो नहीं करेगी मतलब क्या उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं है तो वो कैसा वो सोर्स तो है लाइट का लेकिन कैसा सोर्स है भाई वो सोर्स है नॉन ल्यूमिनस ठीक है और इसके बाद में मैन मेड है या नेचुरल है वो तो नेचुरली हमें मिलता है तो ये हो गया एक नेचुरल नॉन ल्यूमिनस सोर्स तो वोट क्या है बच्चों एक नेचुरल uh, ठीक है नेचर से अपने आप आया है हमने नहीं बनाया है और एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स है लाइट का इज दैट क्लियर आपको ये सभी क्वेश्चंस अभी हम टोटल दस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सेशन में इन सभी दस क्वेश्चंस को आपको मेरे साथ सॉल्व करना है और आपको मुझे बताना है कि आप आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं ठीक है आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया होगा क्लियर अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की रेज अरिंग फ्रॉम सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पेंसिल ऑप्शन ए पैरल पेंसिल ऑप्शन बी डाइवर्जेंट पेंसिल ऑप्शन सी कन्वर्जेंट पेंसिल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दन से जो रेज निकलती है वो किस तरह की पेंसिल है डायवर्जेंट कन्वर्जेंट पैरल या फिर ऑल ऑफ दी हम पता ही नहीं है हमें तो देखो सोर्सेस के बाद हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ी थी रेज अरे नहीं रे पढ़ी थी हमने ठीक है ना रे पढ़ी थी ये क्या होता है भाई इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बना दो सन ठीक है सन बना दो और इसके बाद में उसकी किरणें बना दो ये बन गई क्या किरणें बन गई ना तो हर एक किरण को हम क्या कहते हैं बच्चों रे कहते हैं इज दैट क्लियर बेसिकली रे क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जो कि एक लाइट फॉलो करती है यू you नो know, जब अपने लाइट अपने सोर्स से निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है आ, एक पाथ को फॉलो करती हुई वो लाइट जाएगी और वो पाथ क्या कहलाता है बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ, वो कहलाता है रे तो सूरज की किरणें जो होती हैं वो क्या हैं किरणें मतलब रेज हिंदी में मैंने आपको समझा दिया फिर इसके बाद में रेज को अगर मैं एक बंडल बना दूं ठीक है कुछ रेज ली मैंने और उस पर मैंने बांधी रबो बैंड तो वो क्या बन जाएगा एक बंडल बन जाएगा रे का उस बंडल को हम क्या कहते हैं बच्चों उस बंडल को हम कहते हैं ये ली मैंने बहुत सारी रेज और इसका मैंने बना दिया बंडल इसको मैंने क्या बोला इसको मैंने बोला बीम ठीक है रेज मतलब क्या किरणें बहुत सारी किरणें ली मैंने और उसका एक बंडल बना दिया उस बंडल को मैंने नाम दिया क्या बीम ठीक है और इसी तरह से एक नैरो बीम जो होती है ठीक है एक पतली बीम उस पतली बीम को हम क्या कहते हैं नैरो बीम को उसे हम कहते हैं पेंसिल रेस का बंडल इस बीम और एक नैरो बीम जो होगी पतली बीम उसे हमने बोला पेंसिल फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई तीन तरह की पेंसिल होती है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एंड पैरल सही है डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है बेस्ट एग्जाम्पल है सन बना दो ठीक है जो बचपन से अभी तक हमने सबसे बेसिक मुझे लगता है सबसे बेसिक जो हमने ड्राइंग बनाना सीखी थी बचपन में वो क्या था एक सन ही था सबसे पहले सन ही बनाने सिखाते हैं तो उस सन को आप हमेशा ध्यान रखो जब भी अब आप सन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सन से निकलने वाली जो किरणें हैं वो क्या है रेज है और कौन सी रेज है तो भाई वो है डाइवर्जेंट क्यों क्योंकि सब एक दूसरे से अलग अलग जा रही है सन यानी कि सोर्स से वो निकली निकलने के बाद सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बनाती हैं है ना कि फॉर uh, एग्जांपल ये रहा हमारा सन सन से निकलने वाली जो रेज रेज है वो कहाँ जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाएंगी यानी कि नॉर्थ साइड में ही जाएंगी ऐसा नहीं होता हर डायरेक्शन से रेज निकलती है और वो रेज सभी एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं तो इस तरह के पेंसिल को हम क्या बोलेंगे इस तरह के पेंसिल को हम बोलेंगे डाइवर्जेंट जब क्या हो रहा है रेस दूर दूर जा रही हैं इसी को ऑपोजिट हो जाता है क्या कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट मतलब क्या एक ही पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाना यानी कि एसिमिलेट हो जाना मिल जाना आपस में आकर के उसे हम क्या कहेंगे कन्वर्जेंट कहेंगे फिर इसके बाद में पैरेलल पैरेलल मतलब क्या कि रेज जो है वो आपस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना करके आपस में पर्टिकुलर डिस्टेंस बना करके आगे आगे ट्रैवल करती हैं यानी कि कभी ना वो डाइवर्ज हो रही हैं ना वो कन्वर्ज हो रही हैं बस एक पर्टिकुलर उनने क्या बना लिया डिस्टेंस बना लिया आपस में और उसी डिस्टेंस को फॉलो करती हुई मेंटेन करती हुई आगे बढ़ रहे हैं क्लियर है तो पेंसिल कितने टाइप की होती हैं डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एंड पैरल ये एक्शन आप याद रखेंगे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एंड पैरल ठीक है अब मुझे जरा ये बताओ रेज अराइजिंग फ्रॉम द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अभी मैंने बता दिया आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन सी होती है भाई ऑप्शन बी डाइवर्जेंट पेंसिल सब एक दूसरे से दूर दूर जा रही है ना तभी तो सन डिफरेंट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट हर जगह अपनी सनलाइट पहुंचा पाता है क्यों क्योंकि उसकी रेज क्या होती है डाइवर्जेंट होती है आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा और आई होप आपका ये सही भी हो ठीक है चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की

एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था सोर्स पढ़ा था ठीक है फिर इसके बाद में हमने रेज वगैरह पढ़ ली थी फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन पढ़ा था है ना क्या पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें भी हमने दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़े थे कौन कौन से एक हमने पढ़ा था रेगुलर और एक हमने पढ़ा था इरेगुलर इेगुलर को हम क्या कहते हैं डिफ्यूज़ भी कहते हैं रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमने बेस्ट एग्जाम्पल क्या लिया था बॉल लो उस बॉल को आपको स्ट्राइक करना या तो दीवार पे या फिर ग्राउंड पे क्या होगा जैसे ही वो बॉल स्ट्राइक करेगी वो आ जाएगी हमारे हाथों में वापस तो ये जो बाउंस बैक होकर के बॉल हमारे हाथ में वापस आई है इसी को हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्शन कहेंगे इसी तरह से लाइट को आप किसी सरफेस पे स्ट्राइक करोगे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आप तक यानी कि बाउंस बैक होकर के आप तक वापस आ जाएगी इतना क्लियर है आपको तो ये जो वापस आने वाली प्रोसेस होती है लाइट की इसी को हम क्या कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन ठीक है अब रेगुलर और इरेग्युलर में डिफरेंस क्या था रेगुलर में हमने ये बोला था कि हमारे पास है क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या है बच्चों एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पे आई है क्या एक लाइट और जो रेस सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों उन्हें हम कहते हैं इंसिडेंट रे और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी आपको रे बनाना है तो एक एरो हेड बनाना ना भूलें एरो हेड हमें क्या बताता है बच्चों उस रे का डायरेक्शन बताता है जैसे कि इस हेड को मैंने बता दिया ये क्या बता रहा है कि मेरी जो रे है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा ये रे चली जाएगी वापस वापस जाएगी ना रिफ्लेक्ट तो होगी फिर इसके बाद में इसी तरह से हम और कुछ रेज ले लेते हैं ठीक है और कुछ रेज ली ये भी क्या हुआ ये भी हो जा रही है वापस यानी कि एक रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है फिर हमने क्या किया एक और रे हमने ले ली ठीक है एक और रे हमने ले ली और ये भी रिफ्लेक्ट होकर के कहा जा रही है वापस जा रही है तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो आपस में पैरेलल हो यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना करके आगे चले डिस्टेंस मेंटेन करके आपस में आगे चले इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन अब इेगुलर क्या होगा इररेग्युलर बच्चों भैया इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना ये रफ हो जाता है अभी तो ये बहुत स्मूथ है इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर मैं कुछ इस तरीके का बना दूं, तो क्या होगा इंसिडेंट रेस तो आएंगी बिल्कुल आएंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आपस में जब रिफ्लेक्ट होंगी ना तो रिफ्लेक्ट होकर के ठीक है रिफ्लेक्ट होकर के बेसिकली ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगी यहाँ तो ये आपस में पैरेलल थी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी यहाँ क्या हो रहा था यहाँ आएंगी इंसिडेंट होंगी और इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज जो बनी है वो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगी ठीक है आपस में जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर देंगी ठीक है कुछ भी कुछ होता जाएगा इसे हम क्या कहते हैं इरेग्युलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जाने यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होता है रफ होता है जिसके कारण जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जब रिफ्लेक्शन के बाहर बाहर निकलेंगी तो हर किसी डायरेक्शन में जाएंगी और कई बार एक दूसरे को क्या करेगी इंटरसेक्ट भी कर देगी इतना क्लियर है आप सबको तो अब यहां पे जो सवाल आ रहा है कि वेन द पैरल इंसिडेंट रेज फॉलिंग ऑन द रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड बी एंड सी यानी कि ऑप्शन डी और आंसर शुड बी ऑप्शन डी क्यों क्योंकि इसी तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं डिफ्यूज और डिफ्यूज का ही दूसरा नाम क्या है इरेग्युलर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की वॉट हैपन्स टू द मीडियम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भाई रिफ्लेक्शन हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया लेकिन हमने एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई लाइट का रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं कि एक ऐसा फिनमिना है जहां पे लाइट एक पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाती है उसी मीडियम में है ना लाइट जो है इंसिडेंट होती है एक पर्टिकुलर सरफेस पे और रिफ्लेक्शन शो करती है यानी कि वो वापस उसी मीडियम में टकरा के चली जाती है जैसे कि अभी अभी हमने एक डायग्राम देखा था फिर से देख लो ये है क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आने वाली रेस को क्या कहेंगे भाई इंसिडेंट रेस कहेंगे और जाने वाली को क्या कहेंगे जाने वाली को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेस यानी कि एक इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसको स्ट्राइक करने के बाद उससे टकराने के बाद वापस चली जाती है कहां? उसी मीडियम में यहां पे दो चीज़ें बहुत यू नो नोटिस करने वाली हैं ऑब्जर्व करने वाली हैं कि जब हम बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की यू you नो know, जो बाउंसिंग हो रही है बाउंसिंग बैक जो हो रहा है लाइट का वही कहलाता है रिफ्लेक्शन दो चीजें जो यहाँ पे नोट करने वाली हैं वो ये है बच्चों कि इस फिना में लाइट का पाथ चेंज होगा दिख रहा है भाई दिख रहा है ठीक है कोई अलग ही एंगल बना के आ रही थी ठीक है और दूसरे किसी एंगल पे बना करके वो चली गई यानी कि यहाँ पे लाइट का जो पाथ है वो डेफिनेटली चेंज हुआ है लेकिन मीडियम चेंज नहीं हुआ है मीडियम मैंने आपको एक, एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि भाई मीडियम क्या होते हैं ये बेसिकली लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है तीन मीडियम होते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ठीक है और ओपेक ट्रांसपेरेंट में मैंने आपको बताया था कि वो मीडियम आएंगे वो चीज़ें आएंगी जो कि लाइट को अपने थ्रू प्रपोकेट होने दें जैसे कि एयर मान लो ठीक है ग्लास मान लो ये सब क्या करते हैं लाइट को अपने थ्रू जाने देते हैं रोकते नहीं है रास्ता फिर इसके बाद में आते हैं ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट क्या बोलते हैं कि भाई लाइट को वो जाने तो देंगे

पेग तो बहुत बड़े वाले होते हैं वो लाइट को अपने थ्रू जाने देते ही नहीं है बिल्कुल नहीं जाने देते हैं जैसे कि कोई भी आप रख लो एक मेटल ब्लॉक कोई भी आप एक लकड़ी रख लो ठीक है मैंने आपको आपको बुक बुक रख के के आपने बताई थी कि जैसे ही टॉर्च आगे रखी उसके सराउंड अराउंड कोई लाइट दिखेगी ही नहीं क्यों क्योंकि ब्लॉक कर दिया उसने लाइट को जाने ही नहीं दे रहा वो तो ये तीन मीडियम मैंने आपको बताए थे अब इस केस में भी आपको दो मीडियम दिख रहे होंगे कौन कौन सा एक तो ये रहा अपना क्या मीडियम एयर और ये कोई भी आप समझ लो ये हो गया अपने पास एक मेटल ब्लॉक ठीक है तो ये भी क्या हो गया अपना दूसरा मीडियम हो गया ठीक है ये क्या हो गया अपना दूसरा मीडियम हो गया तो इस केसेस में हमको इस केस में हमको दो मीडियम दिख रहे हैं एक है क्या एयर और दूसरी है क्या मेटल ब्लॉक तो यहाँ पे लाइट का पाथ जरूर चेंज हो रहा है लेकिन मीडियम चेंज नहीं हो रहा है लाइट जो है एयर से ही आ रही थी और एयर में ही वापस चली गई मेटल ब्लॉक के अंदर नहीं गई यानी कि दूसरे मीडियम में नहीं आई ना ही वो किसी और तीसरे मीडियम में चली गई जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम से वापस चली गई यानी कि जो मीडियम है लाइट का वो चेंज नहीं हुआ पाथ जरूर चेंज हुआ है तो जो सवाल है ये अब आपसे बन जाएगा कि वॉट हैपन्स टू द मीडियम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप बोलोगे डज नॉट चेंज मीडियम तो लाइट का चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन में अगर रिफ्लेक्शन में अगर सपोज मीडियम जो ना लाइट का चेंज हो गया तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा इतना क्लियर है आप सबको चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फाइव डिफरेंस बिटवीन अ मिरर एंड ग्लास डोर इज ऑफ भाई मैंने आपको पूछा था कि हमारे सबके घरों में जो है ना एक ड्रेसिंग टेबल होती है ड्रेसिंग टेबल में क्या लगा होता है हमारा प्यारा मिरर लगा होता है जिसके सामने रोज़ हम सुबह उठ के क्या करते हैं तैयार होते हैं उस मिरर में और आप किसी ऑफिस या बॉल में जो कांच के दरवाजे लगे रहते हैं मैंने आपसे पूछा था कि उन ग्लास डोर में और मिरर में क्या डिफरेंस होता है भाई मिरर और ग्लास डोर दोनों ही सेम चीज़ के बने हुए हैं किसके बने हुए हैं ग्लास के बने हुए हैं लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे क्यों मिरर में हमें अपनी इमेज दिख जाती है लेकिन ग्लास डोर में हमें अपनी इमेज नहीं दिखती दिमाग लगाने वाली बात है ग्लास डोर में जो ग्लास के पीछे जो भी चल रहा होगा जो भी सामान है कोई लोग खड़े हैं ठीक है वो सब हमें दिख जाएगा लेकिन हमें अपनी इमेज नहीं दिख पाती क्यों क्योंकि आपका जो मिरर है ना वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है उसके पीछे हम क्या कर देते हैं उसके पीछे हम कर देते हैं पॉलिशिंग किसकी सिल्वर की क्यों क्योंकि जो सिल्वर है वो अप्रोक्सीमेटली नाइनटी फाइव टू नाइन्टी एट परसेंट तक जो भी लाइट उस पर आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है कि भैया वापस जाओ समझे तो आपके मिरर और ग्लास के बीच में क्या डिफरेंस था पॉलिशिंग का ना शेप ना साइज ना थिकनेस डिफरेंस था किस चीज का पॉलिशिंग का डिफरेंस था कि भाई आपका जो मिरर था उसके पीछे पॉलिश लगी हुई थी सिल्वर पॉलिश लगी हुई थी जिसकी वजह से उस पर जो लाइट गिरी स्ट्राइक करने के बाद वो वापस आ गई इसलिए हमें अपनी इमेज दिख पाई लेकिन ग्लास डोर के केस में क्या हुआ कोई पॉलिशिंग नहीं थी जो लाइट गई है वो रिफ्लेक्ट हुई ही नहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो हमें जो भी चीज उस ग्लास डोर के सामने खड़ी हुई थी वो हमें दिखा नहीं आर पार दिख रही थी चीजें सॉर्टेड चलो तो इस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई डी होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर इज प्लेन मिरर पढ़ा था हमने अभी अभी जो हमने अपने घर के मिररस की बात करी है वो क्या है एक प्लेन मिरर ही होता है कैसी इमेज बनती है ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का कि भाई कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या होती है उन इमेजेस की जो कि प्लेन मिरर फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले कैसा था वर्चुअल एंड इरेक्ट इरेक्ट को हम अपराइट भी बोल सकते हैं वर्चुअल मतलब क्या कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम शीशे के सामने खड़े आईने के सामने खड़े तो हमारी जो इमेज है वो कहीं शीशे के पीछे बन रही है ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है वर्चुअल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों नॉन रियल जो रियल नहीं है है ना ये हमारा परसेप्शन होता है ये हम सोचते हैं कि हमारी इमेज जो है कहीं मिरर के पीछे बन रही है फिर मैंने आपको रिफ्लेक्टेड रेस को ज्वाइन करके भी मैंने आपको बताया था ठीक है लेकिन वो इमेजेस पीछे नहीं बनती है ऐसा हमें लगता है इसलिए वो इमेज कैसी कहलाती है नॉट नॉट रियल यानी कि वर्चुअल फिर इसके बाद में कैसी होती है इरेक्ट होती है यानी कि जब आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपकी सर की जगह आपको आपका सर दिखेगा ठीक है बॉडी के सामने बॉडी दिखेगी ऐसे उल्टे नहीं खड़े होते अपन इमेज में है ना तो इस तरह से जो इमेज जो बनती हैं बाय द प्लेन मिरर वो कैसी होती हैं वर्चुअल होती हैं इरेक्ट होती हैं। फिर इसके बाद में इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टा ठीक है अभी यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन मिरर इज इन्वर्टेड? होती है वर्चुअल होती है बिल्कुल वर्चुअल होती है इरेक्ट होती है बिल्कुल इरेक्ट होती है तो आंसर डी ऑप्शन डी होना चाहिए आपका आंसर कि भाई ऑल ऑफ दीनों बातें इस ऑप्शन की सही हैं इतना क्लियर है चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सिल्वर सरफेस इंक्लाइंड टू वन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू यानी कि यहाँ पे आपको इस तरह का दो मिरर्स दिए गए हैं ठीक है एक दूसरे के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अब बोला गया है कि एक लाइट रे आई है और इस पे नॉर्मली जो है इस वाले मिरर पे वो उसने स्ट्राइक किया है अब आपसे बोला पूछा गया है कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी तो मैंने आपको बताया था भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि दो लॉज होते हैं इंसिडेंट रे जब आ, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो उस पॉइंट को जहाँ पे उसने स्ट्राइक किया उसको हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ये तीनों क्या करती हैं एक ही प्लेन पे लाए करती हैं प्लेन चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट लाइट जो है ना पेपर के अंदर घुस गई और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है रे जो है उस पेपर के बाहर निकली नहीं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिर इसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंग जो एंगल बना करके इंसिडेंट रे आई है नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी नॉर्मल के साथ फिर इसके बाद में हमने देखा क्या? कि वो इंसिडेंट रे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना के आई है यानी कि नॉर्मली आई है रिफ्लेक्ट होकर के भी वो कैसे जाएगी नॉर्मली ही जाएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो यहां देखो दो मिरर्स कंफ्यूज करने के लिए लगा दिए गए हैं ठीक है एक लाइट रे आ रही है जो कि नॉर्मली गिर रही है इस मिरर पे तो वापस कैसे जाएगी ये वापस भी अपने पाथ को रिट्रेस करके ही जाएगी ऐसे के ऐसे चले जाएगी यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 180 डिग्री 180 डिग्री के एंगल पे आई थी ये ठीक है और 180 डिग्री का ही ये एंगल बना के वापस जाएगी दो मिरर के होने से फर्क नहीं पड़ा फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑल द मिरर्स यार क्या मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम पे बताया था कि ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है या कॉनकेव के लिए है या कॉनवेक्स के लिए है ना ये सभी के लिए होते हैं तो आपको आंसर होना चाहिए ऑल मिरर्स इन रिस्पेक्टिव टू देयर शेप कोई भी शेप हो बच्चा उस पर गिरने वाली जो लाइट है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करेगी किसी और लॉ को नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टू द इमेज इफ यू वेव लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर अरे भाई ये तो हमको पता है प्लेन मिरर के सामने अगर हमने लेफ्ट हैंड अपना वेव किया है तो इमेज का राइट हैंड वेव करेगा क्यों क्योंकि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है भाई लेटरली इन्वर्टेड ठीक है घूमी हुई साइड से घूमी हुई फिर इसके बाद में टेंथ लास्ट व्हाट हैपन्स टू द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इफ अ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर भाई रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के नॉर्मली अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी यानी कि ऑप्शन ए तो ये पूरा बच्चों हमने जो अभी तक जितने भी लेक्चर्स में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं ना उनको हमने कर लिया है रिवाइज क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक से अब रिवीजन हो गया सारी चीजें हमने याद कर ली रिवाइज कर ली अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक यानी कि स्वेरिकल मिरर्स इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना मैगनर उसको विजिट कर लेना जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक के नोट्स भी होंगे वहां पे आपको अवेलेबल सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेर ब्रिंस डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनिट ब्रिंस थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरीवन इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स जो कि एक अगेन दूसरा टॉपिक है हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने डीपीपी सॉल्व किया था यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर ठीक है जहाँ पे हमने डिफरेंट हमने टोटल टेन क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन सभी टेन क्वेश्चन के साथ अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं इस चैप्टर में वो सब हमने रिवाइज कर लिए और आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक नया टॉपिक जो कि है स्फेरिकल मिरर्स सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको आ, दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद कि, किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि बेस्ड है हमारे न्यू टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर तो भाई स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने के पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हम ये पढ़ मतलब ही क्यों रहे हैं मतलब ये एग्जिस्ट ही क्यों करते दे आप बोलोगे मैं हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में और सबसे बड़ी बात ये एग्जिस्ट करते हैं भाई तो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में हमको कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर ये एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं एग्जिस्ट इसीलिए कर रही हैं बच्चों क्योंकि क्यों इनका कोई ना कोई हमारी लाइफ में रोल होता है तो ऐसा क्या रोल है जिसकी वजह से इन्हें बनाया गया ये एग्जिस्ट कर रही हैं और हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है अच्छा खासा प्लेन मिरर से भी तो ज़िंदगी कट रही थी ना प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबको पता है कि वर्चुअल होती है इमेजेस ठीक है और इरेक्ट होती हैं फिर इसके बाद में लेटरली इन्वर्टेड होती हैं जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज भी कैसे बनेगी उसी की साइज की बनेगी ठीक है और ऐसा नहीं है मतलब कि जो एक्चुअल डिस्टेंस डिस्टेंस पे पे जिस पे आप आईने के सामने खड़े हो उसी डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को मिरर में देख के लगे कि अरे आप बहुत दूर खड़े हो या बहुत ही क्लोजअप व्यू आपका उस मिरर में बनने वाली इमेज में नहीं दिखेगा जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी तो ये सब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन इमेजेस के जो कि प्लेन मिरर्स बनाते हैं तो अच्छा खासा हमारे पास प्लेन मिरर है बढ़िया स्लीक, स्लिम सा क्या ज़रूरत पड़ गई स्फेरिकल मिरर्स की स्फेरिकल मिरर्स आप सबको पता होगा दो टाइप के होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन पहले इस कि हम पढ़ क्यों रहे हैं है ना क्या ज़रूरत पड़ गई इनको तो चलो इस चीज़ को हम समझते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से ठीक है सबके घर में टू व्हीलर होगी फोर व्हीलर होगी फोर व्हीलर ना तो कम से कम टू व्हीलर तो होगी ही अब हो सकता है आप लोगों ने ड्राइव भी करी हो कभी तो उसका जो रियर व्यू मिरर होता है यानी कि साइड में जो मिरर लगा होता है गाड़ी के उसको कभी नोटिस करना ठीक है उसका क्या रोल होता है तो वो भाई हमें बताता है कि गाड़ी के पीछे ट्रैफिक कितना है और अगर कभी हमें तो टर्न लेना है राइट में या लेफ्ट में तो हम उसको देख के टर्न लेते हैं कि कहीं पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही तो उसका क्या रोल है ये बताना हमको कि हमारी गाड़ी के पीछे कितना ट्रैफिक है कौन सी गाड़ी है है ना इसका जो साइड व्यू मिरर होता है या जो रियर व्यू मिरर होता है उसका सिग्निफिकेंस हमें समझ में आ गया कि गाड़ी के पीछे कितना ट्रैफिक है कौन सी गाड़ी है क्या है वो हमें बताना लेकिन क्या कभी आपने उसको टच करके देखा है प्लेन मिरर को आप अपने आईने को टच करके देखना बहुत ही स्मूथ तो रहेगा ही ऑब्वियसली बात है और काफ़ी इवन होता है है ना ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कहीं से ये अंदर की तरफ धंसा है या इस मतलब उसमें को कोई डिप्रेशन है या ये थोड़ा सा बर्ड आउट है यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ है लेकिन जब आप अपने रियर व्यू मिरर को टच करोगे ना तो आपको कुछ अलग फील होगा वो उतना प्लेन नहीं लगेगा वो आपको लगेगा कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है इसमें थोड़ी सी बल्जेंस है तो सवाल ये है कि उधर पे थोड़ा सा वो बाहर की तरफ क्यों निकला है यानी कि वो प्लेन मिरर नहीं कह सकते हम उसे ठीक है जो गाड़ियों में रियर व्यू मिरर होता है वो प्लेन मिरर नहीं होता है वो होता है एक टाइप का स्पेरिकल मिरर क्यों लगाया गया हम गाड़ियों में प्लेन मिरर भी तो लगा सकते थे कोई दिक्कत नहीं है लगा लो आपकी गाड़ी है आपका रियर व्यू मिरर है जो लगाना है लगा लो अगर उसमें कंपनी वालों ने स्पेरिकल मिरर लगा के भी दिया हुआ है तो आप उसको हटा के अपना प्लेन मिरर लगा लो फिर देखो क्या कमाल होता है एक्चुअली क्या है बच्चों ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं एग्जाम्पल हम अपने आप को आईने में कैसे देख पाते हैं लाइट ऑन करो लाइट की रेज जो है हम तक आएंगी हम उन लाइट रेज को क्या करेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे वो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाएंगी आईने में जाएंगी आईने से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्योंकि उसमें पीछे क्या है पॉलिशिंग है, तो लाइट का यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जब भी हम अपने आप को किसी आईने में देखते हैं सिमिलरली आपने क्या किया अपने गाड़ियों में जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें आपने लगा दिया प्लेन मिरर अब प्लेन मिरर में आपको पता है कि इमेजेस कैसी बनती हैं है ना वर्चुअल हो गई इरेक्ट हो गई अपराइट हो गई और ऑब्जेक्ट के साइज की ही बनती हैं ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट अगर इतना सा है तो इमेज मैग्निफाइड हो गई या ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो उसकी जो इमेज है वो डिमिनिश हो गई यानी कि एकदम छोटी सी बन गई ना जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही उस इमेज की साइज भी होगी इतना क्लियर है आप सबको अब सपोज आपकी गाड़ी के पीछे टू व्हीलर के पीछे एक कार है कार भी हमको उस शीशे में कैसे दिख पा रही है क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के शीशे में पहुंच रही है और उस शीशे से टकरा करके हम तक आ रही है इसीलिए हम उस शीशे में उस आ, कार को देख पा रहे हैं तो प्लेन मिरर को पढ़ने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि प्लेन मिरर के जो चीज सामने आएगी वो उसी की इमेज बनाएगा ठीक है अब सपोज प्लेन मिरर आपका इतना सा है ऑब्वियसली बात है जो हमारे गाड़ियों में लगा रहता है रियर व्यू मिरर वो उसका साइज अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है तो इतने से मिरर में के आगे इतने से मिरर के आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी की इमेज इसमें बनेगी अब इतने से मिरर में कितना ऑब्जेक्ट आ सकता है आपका ज़रा दिमाग लगाओ इतने से मिरर में तो गाड़ी की एक पूरी फोर व्हीलर की बात करी हूं। मैं कार की पूरी हेडलाइट भी नहीं आ सकती यानी कि अगर आपने प्लेन मिरर लगा दिया रियर व्यू मिरर में अपने गाड़ी के तो उस मिरर में आपको सिर्फ गाड़ी का एक दो पार्ट ही देखने को मिलेंगे पूरी पूरी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी यानी कि वहां पर आप बैठ के गेस करोगे कि अच्छा इसकी हेडलाइट जो है बड़ी है तो हो सकता है कि ये फोर व्हीलर हो या हो सकता है कि ये ट्रक हो कार हो गेस वर्क चलेगा वहां पे इतना टाइम तो होता है नहीं है भाई ड्राइविंग करते टाइम कि हम वहाँ पे जो है ना गेस कर बैठ के कि कौन सी गाड़ी पीछे हो सकती है हमारी गाड़ी के यानी कि हमें एक ऐसा मिरर चाहिए बच्चों जो हमारे पीछे चल रही पूरी ट्रैफिक या अगर हमने बात करी है अभी पीछे एक फोर व्हीलर की तो उस पूरी फोर व्हीलर की इमेज हमें दिखा दे उस मिरर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पुर्जा मिल दिखे या एक टायर दिखे या एक हेडलाइट दिखे ना हमें पूरी की पूरी गाड़ी की इमेज चाहिए है यानी कि प्लेन मिरर से तो काम नहीं होने वाला प्लेन मिरर कहीं ना कहीं जो भी वो जिस भी तरह की इमेजेस बनाता है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता जो हमें चाहिए हैं ठीक है जो हमारी डिमांड है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल फुलफिल नहीं कर पाता है प्लेन मिरर तो सी बात है बच्चों जब कोई चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है तो हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे किसी और तरीके का मिरर लेकर के आएंगे जो कि पीछे ना सिर्फ एक गाड़ी की इमेज बल्कि पीछे चल रही पूरी सड़क पे जो भी गाड़ियां होंगी उसकी रेंज में उन सब की इमेज हमको छोटा करके दिखा दे एक आइडिया लग जाए कि भैया पीछे ट्रक आ रहा है या कार आ रही है या टू व्हीलर आ रही है कि साइकिल आ रही है समझ में आया आपको क्या बोला मैंने बच्चों हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि इस स्टेज पे मैं आपको बता दूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है स्फेरिकल मिरर्स की क्यों पढ़ रहे हैं हम स्फेरिकल मिरर्स क्योंकि जो प्लेन मिरर्स होते हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं सेटिसफैक्ट्री रिजल्ट नहीं देते या ये बोलो कि वो हमारी हर जगह जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर सकते बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारी गाड़ियों में जो रेयर व्यू मिरर होता है जिसमें जिसमें हम देखकर के पीछे आ, हमें दिखता है कि पीछे कौन सा कैसा ट्रैफिक चल रहा है कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं ठीक है थीके, अगर उस मिरर को मैंने रिप्लेस कर दिया कि इसके साथ प्लेन मिरर के साथ तो प्लेन मिरर क्या करेगा उस मिरर के आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा ठीक है उसी ऑब्जेक्ट की इमेज वो बना करके दे देगा उतनी की उतनी लेकिन हमें तो पूरी गाड़ी की चाहिए ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हेडलाइट की चाहिए सिर्फ टायर की चाहिए सिर्फ बम्पर की चाहिए नहीं पूरी की पूरी गाड़ी की हमें इमेज चाहिए है तो प्लेन मिरर वो चीज नहीं कर सकता अब आप बोलोगे कि मैम एक काम कर सकते हैं ना प्लेन मिरर का साइज बढ़ा दो देख लो बढ़ा करके चलते फिरते जो है ना एलिफेंट्स लगेंगे सबके सब सारी की सारी गाड़ियां क्यों इतने बड़े बड़े गाड़ी की साइज इतनी और उसमें जो लगे हुए हैं रेयर व्यू मिरर्स वो इतने बड़े बड़े चलते फिरते फिरते एलिफेंट्स देखना है क्या आपको वैसे इतना ट्रैफिक हो रखा है भैया और बड़े बड़े अगर उसके में आपने कांच लगवा लिए प्लेन मिरर्स तो फिर पता नहीं क्या ही होगा तो भाई वो जो प्लेन मिरर का जो साइज बढ़ाने वाला जो ऑप्शन है उसको हटा दो अपने दिमाग से हमको साइज तो इतना ही रखना है अब इस तरह का हमें मिरर चाहिए कि उस पर पढ़ने वाली जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें थोड़ा सा छोटा करके दिखा दे और अपनी रेंज बढ़ा दे है ना एक वाइडर व्यू दे दे ये नहीं कि उसके सामने जो चीज़ें आ रही हैं बस उसकी इमेज नहीं पूरी की पूरी रोड की और उस पर चल रहे हैं, पूरे के पूरे ट्रैफिक की इमेज चाहिए है हमें इसीलिए आते हैं स्फेरिकल मिरर्स सिग्निफिकेंट समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं अब हम एक्चुअल टॉपिक अपना शुरू करते हैं द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स ये तो बहुत बात की बात है देखो इस टर्म से ही समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो मिरर्स जो कि एक स्फेरिकल ग्लास से डिराइव किए जाते हैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है ये इमेज किस चीज की है भाई एक कांच के बने हुए स्फीयर की और वो स्वेयर कैसा अंदर से खोखला है यानी कि होलो ठीक है एक खोखले या होलो स्फेरिकल एक ग्लास से बना है, हुआ है एक स्फीयर इसी से डिराइव होते हैं क्या स्फेरिकल मिरर्स कैसे मेरे पास है एक नाइफ इसको मैंने कट कर दिया है टू हाफ में ये हाफ हुआ है कि नहीं हुआ है चलो फिर से बना लेते हैं ठीक है मेरे पास है एक नाइफ इस नाइफ से मैंने क्या किया इस स्वेयर को कट कर दिया बीच में से ये क्या है बच्चों ये कोई डिस्कोलाइट नहीं है ठीक है ये क्या है एक कांच का बना स्वेयर है और इस स्वेयर को मैंने मेरे पास एक चक्कू था उससे मैंने कट कर दिया टू हाफ में ठीक है अब एक हाफ को मैंने उठाया एक हाफ को मैंने इधर देख लो उठा लिया उठाने के बाद ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है ठीक है इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है अब हर एक हाफ के दो सरफेसेस होंगे दिख रहे हैं आपको ये एक हाफ मैंने पकड़ा हुआ है इस ये जो पीस मेरे पास आया है इस पीस के दो सरफेसेस हैं एक सरफेस जो कि अंदर की तरफ घुसा हुआ है और एक सरफेस जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है टू कर्व्ड सरफेसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं इस पीस में और अगर मैं इस वाले पीस को उठाती पीस वन या पीस टू या इसको हाफ वन हाफ टू भी बोल सकते हो अभी मैंने हाफ टू की बात करी कि मेरे पास जो हाफ टू आया है उसके दो सरफेसेस हैं एक अंदर की तरफ ढसा हुआ है और एक बाहर की तरफ निकला हुआ है सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी फर्स्ट uh, हाफ़ की बात करूँ इस फर्स्ट हाफ के पास भी क्या होंगे दो कर्व्ड सरफेसेस होंगे एक सरफेस जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड है और एक सरफेस जो कि बाहर की तरफ कर्व्ड है तो वो सरफेस जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे कौन केव क्या कहेंगे कौन केव कहेंगे गुफा समझते हो गुफा ठीक है उसमें हम क्या करते हैं अंदर की तरफ घुसते हैं तो जब आप किसी गुफा या केव के अंदर जाओ तो वो क्या कहलाएगा कॉनकेव ठीक है और वो कर्व्ड सरफेस जो कि बाहर की तरफ कर्व्ड है उसे हम क्या कहेंगे कॉन्वेक्स मैंने आपको अभी तक क्या बताया मैंने आपको बताया कि मेरे पास है एक ग्लास का स्वेयर जो कि अंदर से खोखला है हॉलो है मेरे पास एक चक्कू था उस चक्कू से मैंने क्या किया इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया सेकेंड हाफ को मैंने उठा करके यहाँ रख दिया मैंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि इस हाफ के पास दो सरफेसिस हैं दो कर्व्ड सरफेसिस हैं एक अंदर की तरफ कर्व्ड है और एक बाहर की तरफ कर्व्ड है तो जो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा उसे मैंने बोला कॉनकेव और जो बाहर की तरफ सरफेस होगा कर्व्ड उसे मैंने बोल दिया कॉन्वेक्स ठीक है अभी मैं सिर्फ कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात कर रही हूँ अब मैं आपसे अगर पूछूँ कि ये जो मेरा एक पीस है क्या ये अभी भी ये अभी मिरर बन गया क्या अभी तक तो ये ग्लास था है ना? ग्लास का ही तो पार्ट था ये और जब मैंने इस पार्ट को बाहर निकाल लिया काट के तो क्या ये कटा हुआ ग्लास का पीस मिरर है यस और नो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ग्लास में और मिरर में क्या फर्क होता है उस समय बच्चों को लगता है जब मैं पढ़ाती हूँ कि मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रही हूँ बच्चों वाली चीज है लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं ना तो फिर आप घूम जाते हो कि अरे अब क्या करें हाँ शायद अब ये मिरर बन चुका है क्यों क्योंकि इसको तो स्वेयर से काट के निकाल दिया ना तो बन गया ये मिरर जी नहीं ये अभी भी क्या है एक ग्लास का टुकड़ा ही है अगर मुझे इसको मिरर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पॉलिशिंग करनी पड़ेगी ठीक है पॉलिशिंग करनी पड़ेगी और मुझे अगर इसको बनाना है कॉनकेव मिरर तो मैं क्या करूंगी मैं इस अगर मेरे पास सपोज चलो यहां पे देख लो ठीक है ये क्या है एक कर्व सरफेस है इस कर्व्ड सरफेस को एक ग्लास का टुकड़ा है ये इस ग्लास के टुकड़े को अगर क्या बनाना है मुझे एक कॉन्केव मिरर बनाना है तो मैं क्या करूंगी इसका जो बाहर की तरफ कर्व्ड पोर्शन है ना कर्व्ड सरफेस उसको मैं कर दूंगी पॉलिश कर दिया मैंने पॉलिश अब क्या होगा जो भी लाइट पहुंचेगी कहाँ केव के अंदर यानी कि कॉनकेव पार्ट में ठीक है वो इस पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी तो ये क्या बन गया बच्चों मेरा कॉनकेव मिरर बन गया इजी था ना क्या किया मैंने एक पीस उठाया इस ग्लास के पीस को मुझे कॉनकेव मिरर बनाना है तो मैंने क्या किया जो बाहर की तरफ कर्व निकला हुआ था उसको मैंने पॉलिश कर दिया यानी कि अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बचा भाई ये वाला गुफा वाला बचा अंदर वाला बचा इस केस में क्या हो रहा था इस ग्लास के टुकड़े के पास दो कर्व्ड सर्फेसिस थे इनमें से मैंने एक को क्या कर दिया पॉलिश कर दिया यानी कि अब जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है ऑब्वियसली बात है जो पॉलिश सरफेस होता है वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा नहीं कौन करेगा जो अनपॉलिश्ड सरफेस होगा तो अनपॉलिश सरफेस यहाँ पे कौन सा है ये अंदर वाला है वो कर्व जो कि अंदर की तरफ है तो ये बन गया क्या मेरा कॉन्केव मिरर और अब अगर मुझे क्या करना है मुझे बनाना है इस ग्लास के पीस को कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाना है मुझे कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो अब मैं क्या करूंगी वो कर्व जो कि अंदर की तरफ है उसको मैं कर दूंगी पॉलिश पॉलिश कर दिया और अब ये जो बाहर की तरफ कर्व है ठीक है ना इस पे पड़ने वाली जो लाइट है वो क्या होंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यानी कि इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बाहर वाला कर्व मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बेसिकली ये वो मिरर्स होते हैं जो कि हॉलो स्फेरिकल ग्लास से डिराइव किए जाते हैं ठीक है हॉलो स्फेरिकल ग्लास से डिराइव होने वाले जो मिरर्स हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं ठीक है दो टाइप के होते हैं एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स बेसिकली आप किसी भी ग्लास पीस को उठा करके देखोगे तो वहां पे आपको दो सरफेसेस मिलेंगे ठीक है दो कर्व्ड सरफेसेस मिलेंगे एक कौन सा होगा एक कर्व वो होगा जो कि अंदर की तरफ होगा और एक बाहर की तरफ ठीक है ना कर्व्ड इनवर्ड्स एंड कर्व्ड आउटवर्ड्स और अगर मुझे इस ग्लास पीस को मिरर बनाना है तो मुझे करनी पड़ेगी पॉलिशिंग कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा जो कर्व्ड आउटवर्ड वाला पोर्शन था उसको मैंने पॉलिश कर दिया और कॉन्वेक्स कैसे बना जो कर्व्ड इनवर्स वाला पोर्शन था उसको मैंने पॉलिश कर दिया यानी कि दोनों में रिफ्लेक्टिंग सरफेसिस कैसे हो गए अलग अलग हो गए इसीलिए दोनों अलग अलग टाइप के मिरर्स हो गए क्लियर है. है आप सबको तो अब जरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ इज अल इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स है ना रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो होता है किसी भी स्वेरिकल मिरर का वो या तो अंदर की तरफ अ, अंदर की तरफ कर्व्ड होगा या बाहर की तरफ कर्व्ड होगा कर्ड तो होगा क्योंकि स्वेरिकल मिरर से निकाला है भाई स्वेरिकल क्या होता है गोल होता है स्वेर क्या होता है गोल होता है तो उससे निकलने वाली चीजें भी कैसी होंगी गोल ही तो होंगी ना कर्व्ड ही तो होंगी ना ठीक है फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere ऑफ glass. सही बात है एक क्लासिक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ स्पेरिकल मिरर की तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है ये वो मिररस हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होता है एक हॉलो स्फेयर का होलो स्फेयर किसका बना है ग्लास का बना है सॉर्टेड चलो नेक्स्ट चीज क्या है एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है स्पेरिकल मिररर का पूछो क्या स्पून जब हम चम्मच से खाना खाते हैं ना वही चम्मच बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेरिकल मिरर्स का भाई चम्मच का वो वाला पार्ट जिसमें आप खाने की या पीने की कोई भी अपना आइटम जो है उसको उसको उस पर रखते हो और अपने मुंह में डालते हो वो क्या कहलाता है कॉनकेव पार्ट ठीक है और उसके पीछे का जैसे उठा हुआ सा पोर्शन होता है बर्ल्ड पार्ट वो क्या कहलाता है कॉन्वेक्स दिख रहा है आपको ये जहाँ पे अपना खाना आप रखते हो स्ट्रीमिंग हॉट ठीक है ये क्या कहलाता है पार्ट कॉनकेव पार्ट कहलाता है और ये जो बर्स्ड पार्ट है इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स ठीक है तो अब तो नहीं भूलोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स वन साइड ऑफ द स्पेयर इज वेल पॉलिश एंड रिफ्लेक्टिंग एंड द अदर साइड ऑफ द मिरर इज ओपेक ठीक है एक साइड क्या होता है बढ़िया सा पॉलिश किया हो जाता है और दूसरा कैसा होता है यानी कि वो रिफ्लेक्टिंग हो गया ठीक है और दूसरा कैसा होता है ओपेक होता है फिर स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या होता है भाई कॉन्केव के लिए हम बोलते हैं कि इट इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इज अ पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स टू कॉन्केव सरफेस और बेंट इन द सरफेस ए क्या बोल रहे हैं भाई एक डेफिनेशन है अगर एग्जाम में आएगी तो आप यही लिखेंगे कि स्पेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर क्या होगा ये वो स्पेरिकल मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगा द सेंटर ऑफ दिस फियर ये तो दिख ही रहा है ना भाई ये क्या एक कॉन्केव मिरर है इसको मैं क्या कर दू एक बना दू होलोस्फीयर ठीक है इसी हॉलोस्फियर से तो निकला है ये कॉन्केव मिरर तो देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ आ रहा है स्फीयर के सेंटर में आ रहा है और इसका मैं ऑपोजिट कर दू तो यानी कि कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर भी यहाँ पे मैं बना देती हूँ अलग कलर से ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखेगा ये है क्या बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग कहाँ की गई होगी अंदर वाले कर्व में करी गई होगी तो इस कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ आएगा ठीक है वो देख लो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये रहा कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ आता है हॉलो स्फेयर के सेंटर में आता है यही तो बॉर्डरी डेफिनेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट क्शन ऑफ लाइट कहाँ होगा इसी कॉनकेव सरफेस पे होगा इसी अंदर वाले कर्व्ड सरफेस के ऊपर ही होगा रिफ्लेक्शन क्योंकि यही तो बचा है अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीछे वाले पे तो पॉलिश कर दी थी क्लियर है द अदर सर्फेस बी ऑफ द कॉनकेव स्कल मिरर इज ओपेक और नॉन रिफ्लेक्टिंग क्योंकि अब वहां पे हमने पॉलिश कर दी है अब वो क्या बन गया ओपेक बन गया वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो गया नहीं होगा इसलिए उसे हम क्या कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग फिर इसके बाद में इट इज शोन शेडेड ठीक है ये जो लाइन आपको दिख रही है शेडेड पोर्शन ये क्या है पॉलिश पोर्शन है स्फेरिकल uh, मिरर का कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स क्या होगा इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सर्विस इज अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर से दूर है ऑब्वियसली बात है अभी अभी हमने देखा था ऑफ विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्वीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इसको मैं अगर पूरा स्वियर बना दूं तो

कॉन्वेक्स मिरर का वहां होगा क्यों क्योंकि तो, जो दूसरा कर्व था वहां तो हमने पॉलिश कर दी पॉलिश कर दी मतलब क्या ओपेक हो गया ओपेक मतलब क्या नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया लाइट वहां पे पहुंचेगी लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जो बर्स्ड आउट पोर्शन है वही रिफ्लेक्ट करेगा फिर द अदर सर्फिस बी ऑफ द कॉन्वेक्सरिकल मिरर इज ओपेक और नॉन रिफ्लेक्टिंग इट इज शोन शेडेड द इनर शाइनिंग सर्फिस ऑफ द स्टील स्पून सर्व एज अ कॉन्केव म ठीक है अंदर वाला जो पोर्शन होता है स्पून का जहाँ पे आप खाना रखते हो पानी रखते हो कोई भी लिक्विड चीज़ रखते हो वो क्या कहलाता है कॉन्केव साइड और जो उठा हुआ पोर्शन होता है नीचे की तरफ उसे हम क्या कहते हैं कॉन्वेक्स पोर्शन तो भाई इस लेक्चर का टारगेट ये था कि मैं आपको समझा दूँ कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर या अगर हम उनको कंबाइन करके बोले स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं ये मेरा एम था ठीक है आई होप स्फेरिकल मिरर्स आपको समझ में आ गए होंगे कोई डाउट नहीं रह गया होगा स्वेरिकल मिररर्स का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में क्यों प्लेन मिरर सफिशेंट नहीं है क्यों वो किसी तरह से हमारी डिमांड्स हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ये समझ में आ गया होगा ठीक है और जो टाइप्स हैं स्पेरिकल मिररर्स के वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्केव मिररर की कुछ टर्म्स पढ़ेंगे Uh, जो कि स्पेरिकल मिरर से होते हैं रिलेटेड जो कि आपको आएंगे न्यूमेरिकल्स में काम क्लियर है तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही तब तक आपको क्या करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट उसको विजिट कर लेना जहाँ पे सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको एक प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रेंस थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का जो कि है सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स और आप इसे एक और नया नाम दे सकते हो कौन सा नाम कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स भी आप बोल सकते हो ठीक है प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी स्फेरिकल मिरर्स की जहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई स्फेरिकल मिरर्स क्यों हैं क्यों पढ़ रहे हैं हम उनको क्यों वो हमारे यू नो लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि जो प्लेन मिरर हैं वो हर जगह हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इसीलिए हमने क्या किया हमने एक हॉलो ग्लास uh, के स्फीयर से दो तरह के मिरर्स बनवा दिए एक को नाम दिया हमने कॉनकेव और दूसरे को नाम दिया हमने कॉन्वेक्स अब ये दो जो मिरर्स हैं ना इनके बारे में हम और थोड़ी चीजें पढ़ेंगे आज इनके हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट लेने की पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ब्रेन आप सब तक पहुंचाता है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स और यू कैन से टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स ठीक है तो देखो सबसे पहले तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात करी थी कॉनकेव और कॉन्वेस मिरर की वो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक हॉलो यानी कि खोखला एक स्फेयर ले लो ग्लास का कांच का उसको आप बीच में से काट दो अच्छा कुछ बच्चों को डाउट होगा कि मैम एक ग्लास के स्पेयर को जब हम बीच में से काटते हैं तभी उससे हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मिल सकते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों अगर मेरे पास ये एक स्फेयर है ग्लास का मैं इसको बीच में से काटूंगी तो भी मेरे को आ, मुझे जो है ना दो हाफ मिल जाएंगे उनके में कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बना सकती हूँ साथ ही साथ अगर मैं इस मिरर को यहाँ से भी कट कर लूँ ठीक है एक पीस निकालू मैं उसका एक पोर्शन निकाल दूँ जरूरी नहीं कि हाफ में कट करोगे तभी मिलेगा नहीं आप इसका एक पीस निकालोगे ठीक है यहाँ से कट कर दो या यहाँ से कट कर दो कहीं से भी कट करने पर आपको यू uh, नो you know, एक पीस मिल सकता है ग्लास का पीस और उस ग्लास के पीस को आपको बनाना होता है क्या मिरर कैसे बनाओगे पॉलिशिंग से बनाओगे ठीक है तो हमने क्या सीखा था भाई प्रीवियस वीडियो में कि हमने ग्लास का स्फीयर लिया उसको हमने बीच में से कट करा है या कहीं से भी कट किया है तो आपके पास अब जो कट करने के बाद ग्लास का पीस आएगा उस ग्लास पीस के पास होते हैं दो कर्व्ड सरफेसेस एक सरफेस होता है अंदर की तरफ कर्वड यानी कि इनवर्ड्स और एक सरफेस होता है जो कि बाहर की तरफ कर्ड होता है जिसे हम कहते हैं आउटवर्ड्स ठीक है है कुछ इस तरह का पीस मिलता है आपको ये कौन सा कर्व हुआ ये वो वाला कर्व हुआ जो कि अंदर की तरफ है ये वाला कौन सा कर्व है जो कि बाहर की तरफ कर्व निकला हुआ है इसी ग्लास के पीस को मुझे बनाना है मिरर अभी ये मिरर नहीं है अभी ये ग्लास का ही पीस है मैं क्या करूंगी अ इसको मुझे बनाना है एक कॉनकेव मिरर कॉनकेव केव मतलब कि गुफा जब आप गुफा में घुसोगे मतलब क्या ये एक तरह की गुफा ही तो लग रही है है ना तो जब आप गुफा में घुसोगे तो ये क्या बनेगा बनेगा कॉनकेव मिरर यानी कि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी लाइट रेस गुफा में घुसे यानी कि कॉनकेव मिरर में घुसे मतलब क्या कि मेरी लाइट को इधर पे मुझे डालना है ठीक है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का होना चाहिए एक मिरर का जो अंदर की तरफ कर्व है वहां होना चाहिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला कर्व हो गया तो अगर मुझे इस, इसको मिरर बनाना है इस ग्लास पीस को तो मुझे पॉलिश करना पड़ेगा पॉलिश कहाँ करेंगे अब हम जो कर्व बाहर की तरफ है उस पर करेंगे ही बात है दो एक दो कर्व थे ना एक अंदर वाला एक बाहर वाला अंदर वाले को आपको बोलना है अंदर वाले को आप चाहते हो कि वहीं पे आपकी लाइट रेज जाए और वहीं पे रिफ्लेक्शन हो तो इसलिए आपने क्या किया पॉलिश करने के लिए आपको केवल अब दूसरा ही सरफेस मिला है दूसरा ही कर्व्ड सरफेस मिला है वहीं पे आपने पॉलिश कर दी तो ऐसे मेरर ऐसे स्पेरिकल मेरर जिसमें कि जो पॉलिश है वो कौन से कर्व में की जाती है बाहर वाले कर्व में वो बन जाता है पॉलिश करने के बाद कैसा ओपेक ठीक है और यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग और जो कर्व्ड इन्वर्ट्स वाला सरफेस है अंदर की तरफ जो कर्व्ड है सरफेस वो बन जाता है क्या रिफ्लेक्टिंग ऐसी सरफेस को हम क्या ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे कॉनकेव मॉनवेक्स की बनाना है, कि मैं चाहती कि जो मेरी लाइट रेज है ना वो इस सरफेस कि वो वाला कर्व जो कि बाहर की तरफ है उस सरफेस पे आकर के रिफ्लेक्ट करें तो मेरे पास अब क्या ऑप्शन रह जाएगा एक ही ऑप्शन रह जाएगा एक तरफ जो बाहर वाला कर्व है वहां पे चाह रही हूं मैं कि रिफ्लेक्शन हो जाए यानी कि पॉलिशिंग कहां करनी पड़ेगी मुझे जो मेरे पास रिमेनिंग कर्व होगा कौन सा वाला अंदर वाला ठीक है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा बच्चों वो मिरर जिसमें कि पॉलिशिंग यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है कर्व अंदर वाला ठीक है जो अंदर वाला कर्व होता है वहां पे अगर हमने पॉलिशिंग कर दी तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अंदर वाला जो कर्व है वो बन जाता है नॉन रिफ्लेक्टिंग ओपेक और जो बाहर वाला कर्व होगा वो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग वहां पे जब लाइट रेज आकर के गिरेंगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा इतना क्लियर है अभी तक हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इतना ही पढ़ा है अब हम बात करते हैं इनके कॉम्पोनेंट्स की ठीक है सेंटर आपको पता है बच्चों क्या होता है देखो हर चीज का सेंटर होता है हर 2D और 3D स्ट्रक्चर का जो है ना सेंटर होता है एक सर्कल ले लो है ना इधर पे देख लो एक सर्कल ले लो ये ले लिया हमने सर्कल इसका भी क्या होगा एक सेंटर होगा बिल्कुल होगा एक स्क्वायर ले लो स्क्वायर ले लो स्क्वायर का भी सेंटर होता है तो हर 2D और 3D स्ट्रक्चर का क्या होता है बच्चों एक सेंटर होता है होता है ना इस सेंटर को हम क्या कहते हैं उस शेप का सेंटर अब अगर मैंने लिया है स्फेयर ठीक है स्फेयर लिया है मैंने यानी कि सर्कल का एक 3D वर्जन सर्कल का थ्री वर्जन मैंने लिया है यानी कि स्वेयर लिया है खोखला है आप सॉलिड भी ले सकते हो लेकिन मैंने हॉलो लिया क्योंकि मैं अभी अपने स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रही हूँ उसके कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने वो स्वेयर कैसा लिया है हॉलो लिया है तो उस हॉलो स्वेयर का भी कोई ना कोई सेंटर होगा बिल्कुल होगा भाई अभी अभी मैंने बताया आपको हर टू डी डी स्ट्रक्चर का क्या होता है एक सेंटर होता है तो हम स्वेयर के साथ कोई भेदभाव थोड़ी करेंगे स्वेयर को भी हम एक सेंटर देंगे वो सेंटर क्या कहलाएगा बच्चों अब आपको यह पता है कि सेंटर प्रेजेंट है एग्जिस्ट करता है तो नामकरण भी कर दो वो सेंटर क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ द स्फीयर है ना हर टू डी थ्री डी स्ट्रक्चर का हो गया एक सेंटर उसी हिसाब से एक स्फीयर का भी सेंटर होता है और उस सेंटर को हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर क्लियर है आपको अब देखो मुझे एक थोड़ी सी स्पेस चाहिए है ठीक है ये मिल गई मेरे को स्पेस ठीक है अब ये देखो यहां पे मैं एक बना देती हूँ स्फ़ेयर क्या बनाया मैंने यहां पे एक स्फ़ेयर बना दिया हॉलो स्फ़ेयर इसका सेंटर ये है स्फ़ेयर दिख रहा है इसका सेंटर भी मैंने बना दिया अब मैं क्या करती हूँ एक पेंसिल से इस स्फेयर के पार्ट्स बना लेती हूं एक पेंसिल से स्फ़ेयर के पार्ट बना लेती हूं जैसे कि ये एक पार्ट हो गया ठीक है फिर उसी हिसाब से ये दूसरा पार्ट हो गया ये हो गया अपना कौन सा तीसरा पार्ट और ये हो गया अपना फोर्थ पार्ट और आप इस तरह से और भी कई पार्ट्स बना सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे पास था ये पूरा एक स्पेयर इज दैट क्लियर उस स्पेयर का एक पार्ट एक सेंटर था जिसको मैंने बोला सेंटर ऑफ फेयर अब मैंने क्या किया अब मैंने पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर दी हैं लाइंस ड्रॉ करने से के कारण क्या हुआ इस फेयर के मुझे कुछ पार्ट्स मिल गए हैं ये लाइन दिख रही है ना आपको ये हो गया पार्ट वन ठीक है ये हो गया पार्ट वन ये हो गया पार्ट टू और ये हो गया पार्ट थ्री ये हो गया पार्ट फोर तो मैंने पेंसिल से स्फीयर के पार्ट्स बना दिए हैं अब जरा आप मुझे ये बताओ कि इन सभी पार्ट्स का सेंटर क्या होगा ये सभी पार्ट्स किसके हैं एक स्फीयर के ही हैं स्फीयर का सेंटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो ऑब्वियसली बात है जब एक पूरे स्फीयर का सेंटर ये होगा सपोज इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया ए पूरे का सेंटर होगा ए तो स्फेयर के पार्ट्स का भी तो सेंटर ए ही होगा है ना पूरे स्फेयर का सेंटर A, तो का तो है का क्या है ए है तो ये जो मैंने पार्ट्स डिवाइड किए हैं स्फेयर के ये भी स्वेयर के ही पार्ट है ऑब्वियसली बात है तो इनका सेंटर भी क्या होगा हो बच्चों ए ही होगा अभी तक इन पार्ट्स को मैंने सेपरेट नहीं किया था मैंने सिर्फ मार्जिन मतलब मैंने, मैंने सिर्फ पार्ट्स बना दिए थे ड्रॉ करे थे अभी मैंने तोड़ के निकाला नहीं है ठीक है अब अगर सपोज़ ये जो पार्ट वन है मेरा इसको मैं काट के निकाल लेती हूँ ये लो निकाल लिया मैंने इस पार्ट को अब ज़रा इस पार्ट का ये पार्ट वन था मेरा इस पार्ट का सेंटर बताओ तो ज़रा आप लोग मैम उड़ गया हवा में होगा कहीं यह हो, कही, हो सकता है ज़मीन पे गिर गया नहीं जब तक ये अपने स्पेयर से अटैच्ड था तब तक तो आपने बोला कि भाई सेंटर ए ही है इसका सेंटर जैसे पूरे से, स्फीयर का सेंटर ए वैसे ही इस पार्ट का भी सेंटर क्या होगा ए ही होगा लेकिन अब मैंने अगर इसको बाहर निकाल दिया काट के तो अब आप बोलोगे कि सेंटर ही उड़ गया बिल्कुल नहीं उड़ा सेंटर तो बच्चों अभी भी वही रहेगा सेंटर कहीं नहीं जाएगा सेंटर अपनी जगह में ही रहेगा हमने करा क्या है हमने सिर्फ इस पार्ट को निकाल रख निकाल दिया है काट के ठीक है अब ये जो पार्ट है ये अपने बाकी बंधुओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है अलग हो गया है लेकिन अभी भी पार्ट तो ये स्फेयर का ही कहलाएगा ना ऐसा थोड़ी है कि इस पार्ट को मैंने बाहर निकाल दिया अब ये कहलाएगा एक स्क्वायर का पीस ये या एक स्क्वायर का पार्ट या एक रेक्टेंगल का पार्ट बिल्कुल भी नहीं अभी भी ये इस स्पेयर का पार्ट ही कहलाएगा बस हमने थोड़ा निकाल दिया है इसको बाहर सेपरेट कर दिया है तो इसका सेंटर कौन रहेगा बच्चों सेंटर हमारा ए ही रहेगा क्लियर आप सबको अब मैं इस पूरे को रब कर रही हूँ ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठा ली कि हर 2D 3D स्ट्रक्चर का क्या होता है एक सेंटर होता है उसी के समान मेरे पास जो एक हॉलो फेयर था ग्लास का आ, उसके पास भी क्या था एक सेंटर था और उस सेंटर को मैंने नाम दिया था ए अब क्या किया मैंने एक पेंसिल से इस फेयर के चार पार्ट्स बना लिए फिर मेरा सवाल था आपसे ये कि इन चारों पार्ट्स का सेंटर क्या होगा तो आप बोलोगे कि मैम ही होगा क्यों होगा क्योंकि ये चारों पार्ट्स किसके हैं स्वेयर के ही हैं तो जो स्वेयर का सेंटर वही इन पार्ट्स का सेंटर अब क्या किया मैंने इस पार्ट वन को मैंने काट के निकाल लिया बाहर निकालने के बाद क्या हुआ मैंने आपसे पूछा कि अब जरा बताओ इस पार्ट वन का सेंटर कहाँ होगा तो आप बोलोगे कि पता नहीं मैम शायद उड़ गया होगा उड़ा नहीं है वो वही है अपनी ही जगह पे है यानी कि इस निकले हुए पार्ट का इस सेपरेटेड पार्ट का सेंटर क्या होगा ए ही होगा बस हमने उसको काट के अलग कर दिया है से सेपरेट कर दिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब वो स्वेयर का पार्ट नहीं कहलाएगा वो अभी भी का पार्ट ही है तो उसका सेंटर भी क्या होगा वही होगा जो कि पूरे स्वेयर का था यानी कि ए पॉइंट क्लियर है आप सबको आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कोई डाउट नहीं रह गया होगा चलो मैं इसको रब कर देती हूं मेरे पास क्या बचा था मेरे पास बचा था ये एक पीस uh, स्फीयर का और ये इसका क्या था सेंटर था सेंटर ए ठीक है अब ज़रा मुझे ये बताओ ये जो मेरा कर्व्ड सरफेस है यानी कि uh, एक पीस था स्फीयर का और ये रहा क्या उसका सेंटर ठीक है अब इस सेंटर को मैं स्फीयर का सेंटर नहीं बोल सकती पूछो क्यों क्योंकि अब मेरा स्फीयर तो रहा ही नहीं मैंने तो एक पार्ट को बाहर निकाल लिया है तो क्या अब वो स्फेयर कहलाएगा नहीं कहलाएगा यहाँ पे तो मुझे सिर्फ कर्व दिख रहा है मुझे कर्व पता है इसका सेंटर पता है तो मैं इसको दूसरा नाम दे देती हूँ वो दूसरा नाम क्या होगा वो नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ओ सी यहाँ पे दिख रहा है क्या ये रहा ठीक है ये सी क्या है और इस ए को भी अब मैं सी बोलूंगी ठीक है इस ए को भी अब मैं क्या बोलूंगी सी बोलूंगी क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम जब रेड डायग्राम्स बनाते हैं ना तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं क्लियर है आप सबको क्यों मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर नया नाम दे दिया सेंटर ऑफ फेयर ही क्यों नहीं बोला क्योंकि बेटा अब स्पीयर रहा ही नहीं पार्ट में उससे कट कर चुकी हूँ सेंटर तो अपनी जगह रहेगा वो पार्ट भी निकला हुआ पार्ट भी स्वीयर का ही पार्ट कहलाएगा लेकिन अब फियर नहीं बचा बचा क्या है तो एक कर्व बचा है और एक सेंटर बचा है इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर डन एक कंपोनेंट खत्म हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर अब आ जाओ दूसरे कंपोनेंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया तो रेडियस भी देख लेते हैं ठीक है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं कि आ, एक सेंटर से लेकर के ठीक है सेंटर से लेकर के स्फीयर के सेंटर से लेकर के इस पर्टिकुलर देखो सर्कल का जो बाउंड्री होती है मार्जिन होती है उसको हम सर्कम्फेनेंस बोल देते हैं अभी हम बात कर रहे हैं स्फीयर की ठीक है तो स्फीयर का जो बाउंड्री होती है उसको हम सरफेस बोल सकते हैं या उसको हम पेरीमीटर भी बोल देते हैं हम अभी सरफेस मान के चल रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड कंपोनेंट के बारे में जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों वो डिस्टेंस होता है किसके बीच का सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो हमारा स्फेयर है Uh, उसके किसी भी उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट तक का फिर से बोल देती हूँ मैं आई रिपीट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है किसके बीच का सरकमफरेंस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट तक का इसको मैं बना के दिखा देती हूँ आपको ये देखो मेरे पास क्या था यहाँ पे मेरे पास था एक कर्व्ड सरफेस ठीक है फिर इसके बाद में उसका था क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर अब मैं इस कर्व्ड सरफेस पे चार पॉइंट्स बनाती हूँ ये बन गया मेरा पॉइंट ए ये बन गया पॉइंट बी और ये बन गया पॉइंट सी और चार बनाने को बोला था तो यहाँ मैं पे मैंने पॉइंट डी भी बना दिया कर्व उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पे मैंने इसके सरफेस पे मैंने बना दिए कर्व्ड जो पोर्शन था हमारा सरफेस था उसकी सरफेस पे मैंने बना दिए चार पॉइंट्स अब इन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या कहलाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा ठीक है रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं बोलेंगे बच्चों क्योंकि स्पीयर नहीं रहा अब कर्व है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के किसी भी पॉइंट का ऑन द सरफेस ऑफ द स्वेयर का पार्ट ये स्वेयर का पार्ट ही तो है कर्व्ड सरफेस क्लियर है इसको अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई आर से करते हैं ठीक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया उसको हमने डिनोट किया किसके साथ सी के साथ, साथ ठीक है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ भाई सेंटर से लेकर के जो कर्व्ड सरफेस था उसकी सरफेस पे किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा ठीक है अब इसके बाद में थर्ड कंपोनेंट पहला कौन सा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर तीसरा हम पढ़ लेते हैं अपर्चर अपर्चर बहुत ईजी है अपर्चर हम बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना किसी भी मिरर का है ना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी भी मिरर का उसे हम क्या कहते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं अपर्चर जैसे कि सपोज मेरे पास जो है ना एक मिरर है कॉनकेव मिरर है ठीक है कॉनकेव मिरर है तो मतलब कि ये इस वाली साइड क्या होनी चाहिए ये वाला जो कर्व है बाहर की तरफ इसको क्या होना चाहिए पॉलिश होना चाहिए तो इस मिरर का अगर मैं आपसे पूछूं कि अपर्चर क्या है तो अपर्चर बोलोगे आप ग्रीन कलर से देख लो इतना पूरा क्यों क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कॉन्केव मिरर का वही रिफ्लेक्शन होगा और जहां रिफ्लेक्शन होता है बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं अपर्चर कहते हैं तो जो एंटायर सरफेस एरिया होता है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसे हम कहते हैं अपर्चर सिर्फ कॉन्केव मिरर ही क्यों ले लो कॉन्वेक्स मिरर ले लो ठीक है कॉन्वेक्स मिरर ले, ले लेते हैं ये लो ले लिया एक कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि यहां होना चाहिए पॉलिश इस कॉन्वेक्स मिरर का अगर मैं आपसे पूछूं कि अपर्चर क्या होगा तो रेड कलर से बता देना कि ये होगा इसका पूरा अपर्चर क्यों क्योंकि इतना पूरा एरिया जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर का वो क्या है रिफ्लेक्टिंग एरिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो पूरे रिफ्लेक्शन के एरिया का जो सरफेस है वो क्या कहलाएगा बच्चों अपर्चर कहलाएगा और अपर्चर में ही क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है कई बार सवाल आते हैं कि भाई अपर्चर क्या होता है रिफ्लेक्शन कहाँ होता है किसी भी मिरर में तो आप बोलोगे कि भाई अपर्चर पे होता है क्यों क्योंकि अपर्चर क्या होता है एंटायर सरफेस एरिया जो होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसे हम कहते हैं अपर्चर अब इस अपर्चर का भी एक सेंटर होता है और उसे हम कहते हैं पोल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या पोल क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं कि आ... जो हमने कर्व्ड पोर्शन लिया है है ना बेसिकली सेंटर क्या है एक हॉलोस्फेयर का सेंटर है उस हॉलोस्फेयर के जब हमने क्या कर दिए पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था तो और फिर जब उन पार्ट्स को हमने सेपरेट किया तो उन पार्ट्स का भी सेंटर क्या कहलाएगा वही कहलाएगा लेकिन अब स्फीयर तो रहा नहीं क्योंकि हमने उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है अब बचा क्या है एक सेंटर बचा है और एक कर्व बचा है तो उस कर्व का जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल क्या होता है भाई पोल हम बोलते हैं कि अपर्चर जो होगा उसका सेंटर अपर्चर क्या होगा बच्चों एक सॉरी uh, पोल uh, क्या होगा बच्चों एक अपर्चर का सेंटर होता है अपर्चर अभी मैंने क्या क्या बताया अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक कॉन्केव दिख रहा है कॉनकेव मिररर इस कॉनकेव मिरर का पूरे का अपर्चर कितना है इधर से लेके इधर तक ठीक है यानी कि पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वही कहलाएगा इस कॉन्केव मिरर का अपर्चर तो इसका कोई ना कोई सेंटर तो होना चाहिए वो सेंटर कहाँ होता है ये एकदम बीचों बीच जिसे हम क्या कहते हैं पोल कहते हैं आगे बात समझ में तो पोल क्या है भाई ये सेंटर होता है अपर्चर का तो हमने चार कंपोनेंट्स पढ़ लिए कौन कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने अपर्चर पढ़ लिया पोल पढ़ लिया अब एक लास्ट कंपोनेंट बचा है जो कि है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है आपको और अगर मैं इसको नाम दे दूँ तो नाम हो जाएगा एक्स एक्सडैश ये एक्स एक्सडैश क्या है भाई ये है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है और आपको पता होगा ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइन है ना उसकी कोई लिमिट नहीं होती है वो पॉजिटिव इन्फिनी से नेगेटिव इन्फिटी तक जाती है तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है किसके साथ मिरर के पोल के साथ अब आप बोलोगे कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस अलग से नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोल देते ना लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है और जो आप बोल रहे हो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो बच्चों एक डिस्टेंस है वो एक क्वांटिटी है उसको आप मीटर्स में रिप्रेजेंट करोगे लेकिन यहाँ पे जो जो मैं आपको बोल रही हूं, कि कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है एक है एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर के पोल तक क्या करती है ज्वाइन करती है पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी तक जाती है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है पहली चीज तो ये क्या है क्वांटिटी है डिस्टेंस है मीटर्स किलोमीटर्स में आप बताओगे साथ ही साथ अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो डिस्टेंस है कहाँ किन किन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इस स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस है उसकी उस सर्फेस उसकी सर्फेस किसी भी पॉइंट तक का ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और ये रहा क्या कॉनकेव मिरर तो इस कॉनकेव मिरर के सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो उस पॉइंट से लेकर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि सी से लेकर के पी तक क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉइंट ए से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का भी डिस्टेंस है पॉइंट डी मैंने यहाँ पे बना दिया तो पॉइंट डी से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आप कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ सी से, से लेकर के पोल तक ही जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर है नहीं बोल सकते आप इसीलिए कंफ्यूज मत होना पहले ही बता दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है पोल के साथ पॉजिटिव इन्फिनी से नेगेटिव इन्फिटर इन्फिनिटी तक जाती है तो इसी के साथ जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको अब आप बोलोगे कि मैम एक कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट तो रहेगा फोकस लेकिन आपको मैं बता दूँ योर काइंड इन्फॉर्मेशन फोकस मिरर का कंपोनेंट नहीं होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि क्या फोकस को मैं मिरर का कंपोनेंट बोलूंगी तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं फोकस हमेशा ऑप्टेन किया जाता है आप रैंडमली कहीं भी फोकस नहीं बना सकते हो आपको जब आप यू नो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेजेस बनाना सीखोगे कि, कि किस तरह से इंसिडेंट रेज आती हैं ठीक है कैसे वो जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ये आप तब पढ़ोगे ठीक है एग्जैक्टली exactly मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस निकालना ही सीख जाएंगे मैंने आपको बताया कि फोकस ऑप्टेन किया जाता है तो कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप अब हमेशा याद रखना कि जो फोकस है ना वो मिरर का कंपोनेंट नहीं होता है जितने भी मिरर के कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अब जल्दी से हम कर लेते हैं रिवाइज़ ठीक है जो भी अभी तक हमने पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है भाई Uh, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ये जो हॉलो स्वेयर होता है ग्लास का उसका सेंटर होता है जिसका कि आपका स्फेरिकल मिरर क्या है एक पार्ट है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाई सी सी से डिनोट किया जाता है रिफ्लेक्टिंग सर्विस ऑफ कॉन्स ऑफ कॉन्केव मिरर इज टू सी एंड द रिफ्लेक्टिंग सर्विस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ सी इन अदर वर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इसका ऑपोजिट हो जाता है ये आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से ये क्या है मेरे पास ये है एक कॉन्केव मिरर और ये क्या है एक कॉन्वेक्स मिरर है ठीक है कॉन्केव मिरर में देखो सेंटर ऑफ है? है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो उसका वो उसकी तरफ आ रहा है वहीं आप कॉन्वेक्स मिरर में देख लो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है ये वाला है और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो कहाँ आ रहा है मिरर के पीछे आ रहा है तो कॉन्केव मिरर में बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आता है मेर के सामने आएगा और कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन uh, जो एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन है या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है आ, बाहर वाला कर्व है है ना इसीलिए उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे आएगा और सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा पीछे ही होगा तो कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने और कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे इतना क्लियर है आप सबको चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है curvature समझ में आ गया Center of curvature, radius of curvature क्या है पार्ट द कर्वेचर इज यूज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर ठीक है फिर इसके बाद में अपर्चर मैंने बताया था जो एंटायर सरफेस एरिया होता है रिफ्लेक्शन का उसे हम कहते हैं अपर्चर और उस अपर्चर का जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे पोल पोल को हम डिनोट करते हैं लेटर पी के साथ फिर इसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है किसके साथ पोल के साथ क्लियर है आप सबको आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कंपोनेंट्स ऑफ मिरर्स में स्फेरिकल मिरर्स में अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों फोकस की ठीक है फोकस को कैसे ऑप्टेन किया जाता है उसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं फोकस को ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही अब आपको क्या करना है विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक के वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोकस के बारे में जैसे कि आपको पता है बच्चों कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी स्फेरिकल uh, मिरर्स के कंपोनेंट्स की ठीक है और डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए थे उसमें से एक चीज़ रह गई थी एक्चुअली फोकस को लोग कंसिडर करते हैं कि वो एक कंपोनेंट होता है मिरर का लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट नहीं है वो क्या है एक यू uh, नो you know, एक पॉइंट है जिसको कि ऑप्टेन किया जाता है तो फोकस क्या है स्फेरिकल मिरर्स का कंपोनेंट नहीं है लेकिन स्फेरिकल मिरर्स के साथ ही इसे पढ़ा जाता है इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक चीज़ उसमें रह गई थी यानी कि फोकस पता करना और फोकल लेंथ क्या होती है वो कैलकुलेट करना तो इन दोनों चीजों को यानी कि फोकस क्या है फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं इन दोनों चीजों को आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में यानी कि मैंने इस लेक्चर का टारगेट कर दिया है फिक्स डिसाइड कि इस लेक्चर में हमें पढ़ना है फोकस को और फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं उसको इतना क्लियर है आप सबको तो आज का सेशन होगा इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे बेस्ड सो दिस इज विपर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर किसके साथ फोकस के साथ तो भाई फोकस का दूसरा नाम क्या है भाई फोकस का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है प्रिंसिपल फोकस क्यों बोल रहे हैं इसको प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली फोकस जो है ना स्फेरिकल मिरर का उनकी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया है अपर्चर uh, बता दिया पोल बता दिया और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पांच कंपोनेंट्स हमारे जितने भी होते हैं वो हमने पढ़ लिए अब इधर आ जाओ जरा फोकस पे फोकस का दूसरा नाम हम प्रिंसिपल फोकस क्यों कह रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो फोकस है ना वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे लाए करता है तो एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि फोकस कहाँ आएगा हवा में नहीं आएगा स्वेडिकल मिरर्स का जो आ, प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर लाए करता है अब कहाँ लाए करता है ये हमें देखना है तो सबसे पहले बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैसे निकालते हैं कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन एक सरफेस के ठीक है एक सरफेस पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन आप ले लो वो क्या कहलाई जाएगी नॉर्मल कहलाई जाएगी यानी कि वो लाइन बनानी चाहिए 90 डिग्री का एंगल विद द सरफेस वो क्या कहलाएगा नॉर्मल कहलाएगी तो प्लेन सरफेस के ऊपर नॉर्मल बनाना तो कोई ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं है ना एक प्लेन सरफेस लो स्केल लो और स्केल से एक सीधी लाइन बिल्कुल खींच दो बन गया नॉर्मल लेकिन जब सवाल आता है कर्व्ड सरफेसेस का तो मैंने आपको बताया है कि कर्व सरफेस पे किस तरह से आप नॉर्मल निकाल सकते हो तो देखो जिन बच्चों ने वो चीज़ देखी हुई है बहुत अच्छी बात है उनके लिए हो जाएगा रिवीजन और जिनने नहीं देखा है वो अभी समझ लो ठीक है एक मिनट रुको हाँ इधर भी मुझे स्पेस मिल गई अब मैं समझा सकती हूँ आपको कि एक कर सरफेस के अलोंग आप एक नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकते हो ठीक है तो देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम बना लेते हैं एक सर्कल आई होप कि एक अच्छा सा सर्कल बन जाए चलो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो बन ही गया ना ठीक ठाक बन गया चलो अब मैं क्या करती हूँ अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना लेती हूँ पॉइंट ए और इस पॉइंट ए के अलोंग मैं एक टेंजेंट ड्रा करती हूँ टेंजेंट क्या होता है बच्चों मैंने आपको बताया कि टेंजेंट क्या होती है एक ऐसी लाइन होती है आ, जो कि यू नो सर्कल को केवल एक ही बार टच करके निकल जाए यानी कि सिर्फ एक ही बार जो लाइन सर्कल को टच करेगी वो कहलाएगी उसकी टेंजेंट तो अगर मुझे पॉइंट ए पे पॉइंट ए के अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगी ये देखो कर दी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ ये जो टेंजेंट है ये सिर्फ मेरे सर्कल को केवल पॉइंट ए पर ही टच करेगी सिमिलरली ये रहा पॉइंट बी इस पॉइंट बी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो किस तरह से बनेगी कुछ इस तरह से बन जाएगी यानी कि इस लाइन ने भी मेरे सर्कल को टच किया है सिर्फ एक बार और कहीं टच नहीं करेगी सिर्फ एक पॉइंट पे बहुत शातिर होती है ठीक है तो देखो बन गई मेरी टेंजेंट्स अब अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ये जो टेंजेंट है ना इसके ऊपर बनाना है आपको एक परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल क्या करोगे आप बना दोगे आप एक टेंजेंट कुछ इस टेंजेंट के अलोंग एक परपेंडिकुलर बना लिया और ये सी क्या है भाई ये पॉइंट सी जो है वो इस सर्कल का एक सेंटर है तो जब आपने पॉइंट ए के अलोंग जो टेंजन पड़ी हुई थी उस पर जब आपने एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि नॉर्मल बनाई आपने तो आपने देखा कि वो नॉर्मल जो है ना वो आपके सेंटर को टच कर रही है आपके नहीं सर्कल के सेंटर को टच कर रही है आपने बोला कोई बात नहीं कर लेने दो अब ये जो पॉइंट बी है पॉइंट बी पे भी आपने क्या करा है एक टेंजिन ड्रॉ करी है इस टेंजिन के ऊपर भी आपको बनाना है क्या एक परपेंडिकुलर तो लो बना दिया आपने क्या एक परपेंडिकुलर अब आप देखोगे कि अरे ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है ये भी जो है ना सेंटर को टच कर रही है कोई बात नहीं कोई दूसरा पॉइंट ले लो पॉइंट ले लिया हमने क्या डी इस पॉइंट डी के भी अलोंग क्या कर दिया मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अब इस टेंजेंट पे आपको क्या बनाना है एक परपेंडिकुलर बनाना है जब आपने परपेंडिकुलर बनाया तो आपने नोटिस किया कि ये भी कहाँ गया है सेंटर को टच कर लिया इसने तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कंक्लूजन ये होगा कि आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को ठीक है सर्कल पे आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एक यू नो नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो जो नॉर्मल होगी वो कहाँ तक आएगी आपके सेंटर तक आएगी यानी कि सेंटर को टच करेगी अब ज़रा दिमाग लगा करके ये बताओ कि ये जो ए टू सी डिस्टेंस है बी टू सी डिस्टेंस है डी टू सी डिस्टेंस है यह आपको सर्कल का रेडियस नहीं लग रहा बिल्कुल लगना चाहिए क्योंकि ये लिटरली रेडियस ही है जितने भी आपको डिस्टेंस देख रहे हैं ए सी डी टू सी बी टू सी ये सब क्या है ये सर्कल के रेडियस ही तो है तो यहां पे हमने कंक्लूजन निकाल दिया भैया कि अगर आपको सर्कल के किसी भी पॉइंट पे उसके सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है एक नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सीधे सीधे आप क्या कर दोगे रेडियस बना दोगे ठीक है तो आपको एक प्लेन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल बनाना आ गया कर्व्ड सरफेस पे भी आपको परपेंडिकुलर बनाना आ गया कैसे बनाओगे चुपचाप जाकर के एक लाइन बना देना रेडियस बना देना ठीक है सेंटर से ज्वाइन कर देना बन गई क्या आपकी नॉर्मल तो अब इस चीज में किसी को डाउट नहीं होगा आई होप मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है ठीक है अब वापस आ जाओ हमारे पॉइंट पे हमारा पॉइंट uh, क्या था आज का फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस ठीक है अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर पोजिशन में आपको बता ही चुकी थी कहाँ लाया करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ द मिरर एट विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मेड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बेसिकली प्रिंसिपल फोकस क्या होता है एक वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे इंसिडेंट रेज जो कि मिरर पे आ रही हैं वो भी कैसे आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही हैं ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस कैसे आ रही हैं पैरलली आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट में मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे और उस पॉइंट को ही हम कहते हैं फोकस अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे मान लें प्रूव करके बताइए चलो ठीक है प्रूफ भी दिखा देते हैं आपको अगेन हम आते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे ठीक है यहाँ पे मैंने लिया है क्या एक कॉनकेव मिरर बड़ा सा मैंने क्या ले लिया एक कॉनकेव मिरर ले लिया अब मैं फटाफट क्या करती हूँ एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देती हूँ चलो इस प्रिंसिपल एक्सिस का नाम भी मैंने दे दिया कितना एक्स एक्स डैश ठीक है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं मानती हूँ कहाँ इधर सी हो गया पोल भी हमने पढ़ा है तो पोल भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ पॉइंट पी ठीक है और इतना पूरा एरिया क्या होगा भाई इतना पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R ठीक है अब सपोज कोई इंसिडेंट रेज है ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ इंसिडेंट रेज आ रही हैं भाई कैसे आ रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना हमारी एक्स एक्स डैश उसके पैरेलली आ रही हैं अब ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं ये क्या होंगी रिफ्लेक्ट होंगी अब हवा में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएंगी ऐसे ही नहीं हो जाएंगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े ना क्या होता है कि भाई एक इंसिडेंट रे जो एंगल बना के आती नॉर्मल के साथ उसी एंगल को बनाएगी कौन रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ और फिर रिफ्लेक्ट होगी अब ये रहा आपका एक curved surface. Curved surface के about, मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल कैसे बनाते हैं ये ये जो हमारी आई थी, ये point C, point C तो हो चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने डिनोट किया है पॉइंट डी ले, ले लेते हैं ठीक है ये इंसिडेंट रे आई हमारा था क्या एक कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर में जो पॉइंट डी है ना अपना उस पॉइंट डी पे आकर के इसने क्या किया स्ट्राइक किया हमारे कॉनकेव के मिरर को और ये इंसिडेंट रे कैसी थी बच्चों पैरेलल थी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के अब हमें क्या करना है हमें इस इंसिडेंट रे को क्या करना है रिफ्लेक्ट करवाना है कैसे रिफ्लेक्ट करेगी किस एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी जिस एंगल पे ये आई है नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे ये वापस भी जाएगी क्या एंगल के साथ आई ये हमें नहीं पता क्यों क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमें नॉर्मल दिख ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं बना देते हैं नॉर्मल कैसे सिखाया था मैंने आपको नॉर्मल बनाना सिंपल क्या करना है उस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है किसके साथ हमारे प्यारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अगर थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो जाए तो माइंड मत करना क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको स्केल से बना के नहीं दिखा सकती हूँ ठीक है तो देखो मैंने क्या किया पॉइंट डी पे मुझे क्या बनाना था एक नॉर्मल बनाना था ठीक है कैसे बनाया मैंने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाते हैं अब ये जो एंगल बना है नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ समझ लो कितना बना है सपोज थर्टी डिग्री बना है अब रिफ्लेक्टेड रे ये जो इंसिडेंट रे जब वापस जाएगी ना रिफ्लेक्ट होकर के तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्या बनाएगी नॉर्मल के साथ थर्टी डिग्री का ही एंगल बनाएगी तो चलो बना देते हैं ठीक है रिफ्लेक्ट होने के बाद इसने भी क्या किया थर्टी डिग्री का एंगल बनाया ये लो बन गया ठीक है ये लो बन गया क्या 30 डिग्री का एंगल नॉर्मल के साथ किसका रिफ्लेक्टेड रे का अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेरी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करी है उसको क्रॉस करा है क्रॉस कर लिया उस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है अभी कुछ नहीं किया है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट है जहाँ पे आ, जो रिफ्लेक्टेड रे है जिस जिस पॉइंट पे उसने क्रॉस किया है उस क्रॉस उस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है अब मैं बात करती हूँ एक और इंसिडेंट रे की ठीक है एक और मेरी चली आई क्या इंसिडेंट रे ठीक है ऑब्वियसली बात है किसी पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक करेगी मिरर पे सपोज उस पॉइंट का नाम दिया है मैंने क्या ई e. अब इस पॉइंट पे वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कोई एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी कितने एंगल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ठीक है और हमें पता है कि इस पॉइंट पे जब तक नॉर्मल नहीं बनेगा तब तक हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता चलेगा तो चलो नॉर्मल बना देते हैं फिर से कैसे नॉर्मल बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो ये कर दिया बन गई नॉर्मल अब सपोज हमारी जो इंसिडेंट रे थी इसने बनाया था सिक्सटी डिग्री का एंगल ठीक है समझ लो सिक्सटी डिग्री का एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया था नॉर्मल के साथ पॉइंट ई e पे अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी ठीक है तो भी जो रिफ्लेक्टेड रहे है वो कितने का एंगल बनाएगी वो हम बोलते हैं कि सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाकर ही क्या करेगी निकलेगी तो चलो निकाल देते हैं ये मेरी लाइट चली गई वापस अब जरा आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है इसने भी प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे क्रॉस किया है किस पॉइंट पे सेम पॉइंट पे जो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे ने जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किया था उसी पॉइंट पे मेरी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ने भी क्या किया है इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किया है और ये पॉइंट कोई और नहीं है बच्चों ये पॉइंट क्या है हमारा प्यारा फोकस जिसके ऊपर हम पूरा आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस ठीक है ये जो डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई थी कि भाई प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसपे की रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर के मिलती हैं और वो भी कैसी रिफ्लेक्टेड रेस वो रिफ्लेक्टेड रेस जिनकी इंसिडेंट रेस कैसी थी हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके पैरलर थी क्लियर है आप सबको तो इसे हमने क्या बोल दिया फोकस फोकस को फोकस uh, का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल ठीक है फोकस का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल उसे हम कहते हैं क्या फोकल लेंथ क्या कहेंगे बच्चों उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से ठीक है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ़ से अब आपको ये दिख रहा होगा अगर मैं एग्जैक्टली exactly पेंसिल और स्केल लेकर के बनाती तो मेरा ये जो फोकस होता ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच आता अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है लेकिन ऐसा होता नहीं मैं प्रॉपर स्केल से बनाती तो मेरा जो फोकस है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बराबर पोल के बीच में आता और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों आर होता है होता है यार और हमारा फोकस कहाँ आ रहा है फोकस आ रहा है इन दोनों के बीच में यानी कि फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस यानी कि हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगा आर बाय टू के बराबर पूरा डिस्टेंस पता है हमें कितना है आर तो आधा कितना हो जाएगा आर बाय टू क्लियर है ये तो होगी किसकी कहानी कॉनकेव मिरर की कहानी अब बच्चे नाराज हो जाएंगे कि मैम आपने कॉन्वेक्स मिरर नहीं बताया कोई बात नहीं अभी देख लो और बता देते हैं आपको कॉन्वैक्स मिरर एक और ब्लैंक स्लाइड कॉन्वेक्स मिरर के लिए ठीक है तो क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं फटाक से हम ये बना लिया हमने क्या कॉन्वैक्स मिरर इसको थोड़ा सा मुझे साइड में बनाना चाहिए था ना चलो मैं इसको और साइड में बनाती हूँ ये रहा क्या अपना कॉन्वेक्स मिरर अब आपको ये पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ जाता है मिरर के पीछे ठीक है चलो अब मैं यहाँ पे भी क्या बना देती हूँ एक प्रिंसिपल एक्सेस बना देती हूँ एक्स एक्स डैश मैंने नाम दे दिया ठीक है इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया पोल अपर्चर के सेंटर को मैंने पोल नाम दिया है ठीक है और आपको पता होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा बच्चों इधर आएगा ठीक है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इनका पूरा रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना क्लियर है आप सबको चलो अब इसके बाद में अब आई हमारी कौन इंसिडेंट रेज आई ठीक है इंसिडेंट रेज आएंगी तो कहाँ पे आके गिरेंगी इधर पे आके गिरेंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑब्वियसली बात है चलो ये आ गई हमारी एक इंसिडेंट रे टेढ़ी हो गई क्या थोड़ी तो सी इसको सीधा कर लो ठीक है ये आ गई क्या हमारी एक इंसिडेंट रे अब आपको पता होगा कि इंसिडेंट रे को वापस भी जाना होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके गिरी है रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी तो नहीं चली जाएंगी कोई ना कोई एंगल बना के जाएंगी रिफ्लेक्टेड रेस किसके बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाएंगे सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा नॉर्मल कैसे बनाएंगे तो सपोज ये इंसिडेंट रे पॉइंट ए पे आकर के कॉन्वेक्स मिरर पे गिरी थी तो पॉइंट ए पे हमको क्या बनाना है नॉर्मल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो बन गया नॉर्मल बन गया अब ये देखो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो क्योंकि हमारी इंसिडेंट रेज जो है वो इधर है तो देखो ये बन गई क्या हमारी इंसिडेंट रे ठीक है इसने कितना एंगल बनाया था बच्चों सपोज ये बनाया था इसने थर्टी डिग्री ठीक है थर्टी डिग्री का इसने एंगल बनाया था तो भाई जब रिफ्लेक्ट होगी ये रे वापस तो भी क्या बनाएगी थर्टी डिग्री का ही एंगल बनाएगी तो ये हो गई इंसिडेंट रे ये हो गई क्या अपनी रिफ्लेक्टेड रे अब एक काम करो अभी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना इसको मिरर के पीछे थोड़ा सा खींच के लाओ ठीक है एक्सटेंड करके लाओ तो ये मेरी आ गई रिफ्लेक्टेड रे पीछे एक्सटेंड हो करके आ गई चलो अब एक और हम इंसिडेंट रे बनाते हैं इंसिडेंट रे हमने कहाँ बनाई नीचे बना लेते हैं ये पतला क्यों रहा यार हाँ लो ठीक है ये हो गई क्या एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे हुई और इसने सपोज पॉइंट बी पे आकर के हमारे कॉन्वेक्स मेरे को क्या किया है? स्ट्राइक किया है रिफ्लेक्ट भी होगी कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा जब आप बनाओगे नॉर्मल नॉर्मल कैसे बनेगा कुछ नहीं बस सेंटर ऑफ कर्वेटर से क्या कर देना है आपको ज्वाइन कर देना है कर दिया बन गया क्या नॉर्मल तो अब आप देखो ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या ठीक है अब आप ये देखो थोड़ा सा इसको हमने ये बन गया अपना क्या ये ठीक है इसको और थोड़ा सा जो इंसिडेंट रे है इसको और अच्छे से थोड़ा सा बना देते हैं क्योंकि अभी तो ये कैसी लग रही है एक जैसी लग रही है है ना ये बन गया क्या अपना एक मिनट चलो ये हमने क्या बनाया था भाई ये बनाया था हमने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है और ये हमने क्या बनाया था अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनाया था ठीक है अब ये देखो हमारा तो मेरा भी मिट गया ठीक है ये लो पोल यहां से था एक्चुअली ये रहा अपना मिरर ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम एक और बनाएंगे क्या इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे ये बना दी मैंने ये बन गई इंसिडेंट रे ठीक है अब क्या बना दो नॉर्मल बना दो पॉइंट जिस भी पॉइंट पे उस इंसिडेंट पे उस इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया है मिरर पे सपोज पॉइंट बी इस पॉइंट पी पे मैंने बना दिया क्या नॉर्मल क्या एंगल बना रही है एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी इसको क्या कर देना है हमको और एक्सटेंड कर देना है ठीक है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कितने का बना थर्टी डिग्री का बना तो अब जब रे रिफ्लेक्ट होगी ठीक है तो वो भी क्या करेगी एक थर्टी डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी ये हो गई क्या अपनी रे रिफ्लेक्ट कितने एंगल पे थर्टी डिग्री पे अब इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर देना है आपको एक्सटेंड करना है मिरर के पीछे चले जाओ ब्लू कलर से देख लो ठीक है ये कर दिया मैंने एक्सटेंड तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको क्या देखने को मिला कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको यही देखने को मिला कि भाई जब इंसिडेंट रे आती है ठीक है और रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है जब उन दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को हम मिरर में पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के वो मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों उस पॉइंट को हम कहेंगे हमारा प्यारा फोकस आई बात समझ में अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ठीक है ये क्या था हमारा कॉन्वेक्स मिरर था कॉन्वेक्स सॉरी ये तो कॉन्गेव बन गया है ना इसको आप उल्टा कर लेना इधर से नहीं इधर से तो ये देखो ये बन गया क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा था और फोकस भी पीछे आ गया यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल फोकस होगा वो क्या होता है एक वर्चुअल पॉइंट होता है वर्चुअल हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे आ रहा है ठीक है क्यों क्योंकि आगे आगे वाला जो सरफेस था सिर्फ वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस बचा है जो पीछे वाला पोर्शन है वो क्या था एक हॉलोस्फेयर का पार्ट था इसलिए एक कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ आएगा पीछे की तरफ आएगा लेकिन बच्चों जो फोकस बन रहा है वो क्या बनेगा एक वर्चुअल पॉइंट बनेगा क्यों क्योंकि भाई हम ये देख रहे हैं कि अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड रेस को क्या कह रहा है पीछे की तरफ खींचा है है ना मिरर की तरफ हम पीछे की तरफ उसको खींच के लेके गए हैं लेकिन वास्तव में जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें रेस पीछे नहीं जाती है क्यों नहीं जाएंगी भाई पीछे तो पॉलिश लगी हुई है ना कैसे जा सकती है पीछे आगे ही आगे रहेंगी लेकिन जो कि हमें समझना था कि भाई आगे तो हम क्या देख रहे हैं इधर देख लो पूरा रब कर देती हूँ मैं आगे हम क्या देख रहे हैं कि ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर ठीक है यहां पे क्या आ रही है इंसिडेंट रेज आ रही है पैरल होना चाहिए इन्हें ठीक है पैरल इंसिडेंट रेज आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहीं के यहीं वापस चली गई है ना चली गई वापस लेकिन हमें समझना था कि भाई जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जो निकलेंगी मिरर से वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी उन कहीं ना कहीं को तो मिलने के चक्कर में हमने क्या किया इन सभी रिफ्लेक्टेड रेज को हम कहाँ लेकर के चले गए पीछे की तरफ लेके चले गए जिससे कि हमें पता चला कि भाई वो एक पॉइंट पे आकर के मिल रही थी वो पॉइंट कहाँ आ रहा था वो पॉइंट आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर और के बीच में और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया फोकस तो कॉन्वेक्स के केस में जो फोकस होता है बच्चों एक वर्चुअल पॉइंट होता है हम उसको अज्यूम कर दे वो हमारा परसेप्शन होता है एक्चुअल में नहीं होता है इसीलिए वर्चुअल पॉइंट ठीक है आई होप ये चीजें आपको हो गई होंगी क्लियर अब जो थियोरिटिकल पोर्शन है एग्जाम्स में लिखने को आएगा वो देख लो जो हमने बात करी थी फोकस की कि भाई फोकस क्या है ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे आ, जो रिफ्लेक्टेड रेज है कौन सी रिफ्लेक्टेड रेज वो वाली रिफ्लेक्टेड रेज जो कि इंसिडेंट हुई थी मिरर पे पैरल टू द एक्स एक्स पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल वो आई थी इंसिडेंट रेज टकराने के बाद मिरर से टकराने के बाद जब वो वापस गई वापस जाते दौरान क्या हुआ वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिली और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया फोकस ठीक है ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का जो पोल है उसके बीच में आता है स्मॉल एफ से इसे हम डिनोट करते हैं तो फोकस से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ और वो हो जाएगा कितना आर बाय टू क्यों क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस है वो पूरा कितना है रेडियस है आर है तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाय टू ठीक है फिर इसके बाद में फोकट फोकस इज नॉट अ कंपोनेट ऑफ मिरर इट इज ऑपटेन अभी आपने देखा कि हमने कैसे ऑप्टेन किया था द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मेर इज अ पॉइंट ऑनसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरल टू द एक्स एक्स एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ठीक है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एफ ऑफ द मिररर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ तो दस पी एफ यानी कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को जो कि डिस्टेंस है फोकस का पोल से उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं निकालना सिखा दिया ना मैंने आपको कैसे निकालते हैं आई होप आपको क्लियर हुआ हो सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा फोकस या फोकल लेंथ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रेज ऑफ लाइट रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरल टू द प्रिंसिपल प्रिंसिपलिस अपियर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कॉन्केव मिरर में जो रेज होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है डाइवर्जेंस दिखता है हमें ठीक है फोकल लेंथ हो तो कॉन्वेक्स मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल पी ऑफ द मिरर ये सब रिपीटेड चीज़ें हैं कैपिटल एफ से डोनोट करते हैं फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डोनोट करते हैं स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई टू ठीक है जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाला जो केस है यही अ और कन्वेक्स मिरर को अलग-अलग बनाता है कॉनकेव मिरर में क्या होता है रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना बच्चों इधर देख लो ये हुआ कॉनकेव मिरर ठीक है और ये हुई क्या इंसिडेंट रेज इंसिडेंस रेज जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिलती हैं ठीक है यानी कि डाइवर्ज सॉरी कन्वर्ज होती, होती हैं और इसका ऑपोजिट अगर मैं बना दूं ठीक है इसका ऑपोजिट अगर मैं बना दूं क्या अपना कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है इंसिडेंट रेस यहाँ से आई और डाइवर्ज हो गई यानी कि दूर दूर हो गई है ना दूर हो जाती हैं डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का मैंने आपको बताया है कि डाइवर्ज मतलब अलग अलग हो जाना कन्वर्ज मतलब पास पास हो जाना क्लियर आप सबको तो कॉन्केव में क्या होता है रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज होंगी कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाएंगी वो तो जब हम इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ना बच्चों तब जाकर के हमें फोकस मिलता है वरना दूर से तो हमें क्या लगेगा डाइवर्ज ही हो रही है क्लियर है आप सबको चलो आई होप ये सेशन आपने करा होगा एंजॉय बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं हमने प्रिंसिपल फोकस निकालना सीखा सबसे पहले तो फिर क्या होता है क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो भी हमने देख लिया अब इस वीडियो के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप क्या करेंगे तब तक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट पर विजिट कर लेना जहाँ पे सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्ले में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के नोट्स भी होंगे वहाँ पर आपको अवेलेबल सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट प्रेन्स डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रेन थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरी वन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ रूल्स रूल्स कौन से भाई तो देखो अभी तक हमने कॉनकेव मिरर्स पढ़े हैं ठीक है कॉन्केव मिरर्स के हमने कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए हैं एक्जैक्टली exactly हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं राइट right? हमने फोकस पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर में फोकल लेंथ क्या होती है वो भी पढ़ लिया है और अब हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर्स पे अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए पढ़ी थी लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आने वाले दो तीन लेक्चर्स पे आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ कॉनकेव मिरर्स पे ठीक है क्यों क्योंकि भाई कॉन्केव मिरर्स अब कैसी इमेज बनाता है वो हमें सीखना है प्लेन मिरर्स कैसी बनाता था वो हमने पढ़ लिया लेकिन अब कॉन्केव मिरर कैसी बना रहा है अलग अलग पोजिशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें पता चलेगा तो भाई कॉन्केव मिरर जो भी इमेजेस बनाता है उनको ट्रेस करने के लिए होते हैं कुछ रूल्स तो आज का ये जो लेक्चर है उसका टारगेट मैंने फिक्स कर दिया है क्या उन रूल्स को हम पढ़ेंगे जो कि कॉन्केव मिरर जो इमेजेस बनाते हैं उनको ट्रेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं फॉलो करे जाते हैं उनको ठीक है तो दिस इज विभूति घर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचाता है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर रूल नंबर वन के साथ क्या बोल रहा है रूल नंबर लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इन अ डायरेक्शन पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ़ द मिरर प्रिंपल एक्चुअली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अब ये जो रूल है ये हमें ऑलरेडी पता हुआ है प्रीवियस लेक्चर में जब हमने फोकस निकालना सीखा था तब हमने क्या किया था अगर आपको याद हो और अभी हम सिर्फ कॉन्केव मिरर पे फोकस कर रहे हैं ठीक है ये हमने लिया क्या एक कॉन्केव मिरर बन गया क्या मिररर अभी नहीं बना अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसको पॉलिश करना पड़ेगा अब जा कर के बना है ये एक कॉन्केव मिरर ठीक है चलो नाम दे दिया इसको क्या ए बी ए बी क्या है मेरा कॉन्केव मिरर है अब इसके बाद में मैं बना देती हूँ क्या इस पर एक प्रिंसिपल एक्सेस और इसको मैंने नाम दिया क्या एक्स एक्स डैश ठीक है अभी हम रिवाइज कर रहे हैं यानी हमने फोकस निकालना कैसे सीखा था ठीक है अब सपोज यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है चलो ग्रीन कलर की बना दी एक इंसिडेंट रे आई यहाँ पे ठीक है किस पॉइंट पे आकर के इसने मेरे मिरर को स्ट्राइक किया भाई पॉइंट ई मान लो ठीक है अब इस ये जो इंसिडेंट रे आई है इसको रिफ्लेक्ट भी होना पड़ेगा किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल नॉर्मल तो यहाँ पे है ही नहीं मैंने आपको सिखाया था कि एक कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना हो तो आप क्या करोगे उस पॉइंट को आप जोड़ दोगे किसके साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ तो ये रहा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इसे डिनोट करते हैं ठीक है पॉइंट ई पे मैंने क्या बनाना था नॉर्मल बनाना था ये बना दिया मैंने क्या नॉर्मल सिंपली मैंने पॉइंट ई e को यू नो ज्वाइन कर दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो बन गया यहाँ पे नॉर्मल अब देखो इंसिडेंट रे कोई पर्टिकुलर एंगल बना करके आई थी ठीक है अब उसी एंगल के साथ ठीक है सपोज यहाँ पे मान लो कि थर्टी डिग्री का एंगल बनाया था इंसिडेंट रे ने तो अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इस नॉर्मल के साथ बनाएगी कितना एंगल थर्टी डिग्री का एंगल तो ये लोजी बन गया हमारा क्या आ, रिफ्लेक्टेड रे बन गई और एंगल कितना बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थर्टी डिग्री फिर हमने देखा था कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है उसको क्रॉस करती है अब क्या हुआ अब मैं बनाती हूँ दूसरी इंसिडेंट रे ये आ गई हमारी दूसरी इंसिडेंट रे ठीक है इसने मिरर को स्ट्राइक किया है पॉइंट एफ पे पॉइंट एफ नहीं इसको हम लेंगे पॉइंट डी ठीक है पॉइंट डी पे इसने स्ट्राइक किया है अब पॉइंट डी पे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई नॉर्मल बनाना पड़ेगा तभी तो मैं एंगल बता पाऊंगी कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था चलो ये बन गया क्या नॉर्मल और ये हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस अब सेम एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी रिफ्लेक्ट करेगी ठीक है और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी ये इस पॉइंट पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के उसको क्रॉस कर देगी और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था बताओ बताओ इसको हमने बोला था ये हो गया हमारा प्यारा फोकस हो गया ना हमारा प्यारा फोकस यही तो हमने पढ़ा था फोकस तो हमने इसी तरह से निकाला था किसमें कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स में भी देखा था लेकिन अभी आप फोकस करिए किस पे कॉनकेव मिरर पे ठीक है तो आपने देखा कि कॉनकेव मिरर पे वो लाइन या बोल दो वो इंसिडेंट रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल ही मिनर पे स्ट्राइक करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करती हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और इस प्रिंसिपल एक्सिस को हमने बोला फोकस तो ये जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि भाई इंसिडेंट रेस जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल रे के जब वो एक कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से निकलेगी हमारे फोकस से निकलेगी अरे भाई ये रूल तुमको पहले ये रूल तो हम ही ने बनाया है तुम क्या पढ़ाओगे हमें हमने ही तुमको पढ़ा डाला है ना ये चीज तो हम पहले ही देख चुके हैं फोकस जब हमने निकालना सीखा तो तभी हमने देख लिया आई बात आपको समझ में तो पहला रूल तो जो है ना बिल्कुल लड्डू रूल है क्या है ये लड्डू रूल कि भाई वो इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी होती हैं पैरेलल होती हैं जब वो एक कॉन्केव मिरर पे आकर के स्ट्राइक करेंगी स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज वहां से निकलेंगी वो रिफ्लेक्टेड रेज किससे पॉइंट होंगी किससे क्रॉस होंगी भाई वो क्रॉस हो जाएंगी फोकस पे फोकस से क्रॉस होकर के निकलेंगी क्लियर है आप सबको इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि रूल हमने पहले भी पढ़ रखा है ठीक है एग्जाम में आएगा तो लिख देना यही स्टेटमेंट अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर इन अ डायरेक्शन पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर पास एक्चुअली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस या आप बोल सकते हो कि अकेले फोकस भी बोल सकते हो ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर रिफ्लेक्शन होने के बाद में मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो रेज जो कि इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद किस से पास करेंगी फोकस से पास करेगी और अगर और ज्यादा मार्क्स चाहिए हो और ज्यादा आपके पास टाइम है डेडिकेशन दिखाना चाहते हो तो ये डायग्राम बना देना ठीक है चलो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों नेक्स्ट रूल क्या है अगर मैं बोल दू रिबिलिटी ऑफ लाइट या हाँ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अगर मैं बोल दू तो बुरा मत मानना क्यों क्योंकि अभी अभी जब हम रूल वन पढ़ के आए हैं ना ये रूल टू उसका ऑपोजिट ही है हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग के से जो पैरल इंसिडेंट रेज होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस को क्रॉस करते हुए जाएंगी फोकस को पास करते हुए जाएंगी यहाँ क्या बोल रहे हैं यहां इसका उल्टा बोल रहे हैं कि कोई इंसिडेंट रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का जो प्रिंसिपल फोकस है ठीक है उसको पास होकर के मिरर पे इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो कैसी हो जाएंगी पैरल हो जाएंगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के आई बात आपको समझ में बस यही है एक और लड्डू रूल क्या बोला भाई ये रू जो रूल टू है हमारा ये रूल वन के अपोजिट है क्या बोला कि जब कोई ऐसी इंसिडेंट लाइट जो कि हमारे कॉनकेव मिरर पे आके स्ट्राइक कर रही है कैसे फोकस को पास करते हुए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जाएगी कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलली जाएगी क्लियर है एग्जाम में आएगा तो लिख देना कि रूल के रूल टू क्या है सबसे पहले लिखना लड्डू रूल ऐसे मत लिखना मार्क्स कट जाएंगे सिंपल ये लिख देना कि भाई जो रूल टू है वो ये कह रहा है कि कोई भी इंसिडेंट रे जो क, जो कि एक कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है फोकस को पास करती हुई रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली होकर के जाएगी ऑपोजिट है रूल वन का आई होप ये भी समझ में आ गया होगा चलो अब हम बात करते हैं रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री क्या है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्केव ऑन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग दैट इज सच रे रीट्रेसेज इट्स पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब एक इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्विचर को पास करती हुई कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रही है समझ रहे हो ये जो अपना कॉनकेव मिरर है इस कॉनकेव मिरर पे बोल रहे हैं कि एक इंसिडेंट लाइट आ रही है लेकिन कैसे आ रही है ना ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना ही वो फोकस से पास होती हुई हो आ रही है वो आ रही है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई तो भाई जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को तुम पास करती हुई आओगी यानी कि कोई इंसिडेंट रे और जब मिरर पे आके स्ट्राइक करोगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाओगी अपने ही पाथ को रिट्रेस करोगी यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रहे है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही पास करते हुए निकलेगी इस चीज़ को हम समझ भी सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर रूल को आप रटो जैसे जो प्रिंसिपल वन और प्रिंसिपल टू था सॉरी जो, जो, जो रूल वन था रूल वन तो हमने खुद ही फाइंड आउट किया था ठीक है हमने खुद ही ने सीख लिया था रूल टू जो था वो प्रिंसिपल वन को ऑपोजिट था रूल थ्री को हम समझ सकते हैं कैसे समझ सकते हैं भाई तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं ठीक है ये रहा अपना कॉनकेव मिरर अब ये रही क्या उसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा क्या अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है क्या बोल रहे हैं कि ये कि एक रे आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो ये लो जी एक हमने रे बना दी कौन सी इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई गई कहां हमारे कॉनकेव मिरर में ठीक है अब इस इंसिडेंट रे ने सपोज जो मेरा मिरर था उसको पॉइंट ए पे क्या किया है स्ट्राइक किया है अब मुझे क्या पता करना है मुझे पता करना है कि भाई इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी एक नॉर्मल नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं कर्व सरफेस में कुछ नहीं उस पॉइंट को जॉइन कर दो कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक है भाई ग्रीन कलर से देख लो ग्रीन कलर से मैंने क्या करा है मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है पॉइंट ए पे अब जरा मुझे ये बताओ क्या मेरी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया है बिल्कुल नहीं बनाया जीरो एंगल बना के रखा हुआ है तो जब भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मेरा क्या होगा जीरो होगा देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होने वाला है जीरो होने वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हो क्या हो रहा है इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है कॉन्केव मेर तक कैसे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेजर को पास करती हुई और पॉइंट ए पे आके स्ट्राइक कर दिया अब मुझे पॉइंट ए पे एक नॉर्मल बनाना है ताकि मैं ये पता कर पाऊँ कि एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाए है ना तो मैंने नॉर्मल बना दिया अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नॉर्मल और इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे है उसके बीच में तो एंगल है ही नहीं यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो जो हमारा लॉ था लाइट का रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो भाई अब ये जो ब्लू कलर से आपको रे दिख रही है वो क्या है वो है एक रिफ्लेक्टेड रे तो आप देख सकते होंगे कि जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हुई वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई निकल गई क्यों निकली क्योंकि भाई जीरो एंगल पे जाना था तो चली गई जीरो एंगल बना करके नॉर्मल के साथ क्लियर है तो ये वाला रूम हमने रू, रूल हमें समझ लिया है ना रटने की जरूरत नहीं है रूल वन को भी हमने नहीं रटा रूल टू को भी हमने नहीं रटा बस रू, रूल वन जो है उसको घुमा दिया थोड़ा सा ठीक है और रूल थ्री रूल थ्री को भी हमने समझ लिया आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की और लास्ट रूल की अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली टू द पोल P of concave mirror is reflected obliquely as per the laws of reflection. अब जो light है अभी तक हमने देखा था कि भाई principal axis के parallel आ रही थी focus को cross करती हुई आ रही थी center of curvature को pass करती हुई आ रही थी अब क्या हो रहा है अब ray आ रही है लेकिन direct pole पे जाकर के strike कर रही है तो क्या होगा भाई देख लो ये diagram दिख रहा है आपको ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने एक्स एक्सडेश नाम रख दिया है ये क्या है अपना कॉनकेव मिरर है इसका पोल आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिख रहा है ठीक है ये आपको फोकस दिख रहा है और इतने पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे अब क्या हुआ एक इंसिडेंट रे आ रही है ठीक है इंसिडेंट रे आई और इसने जो मिरर का जो पोल था डायरेक्ट उसको जाकर के स्ट्राइक कर दिया स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्शन तो होना ही है लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई सबसे पहले हमें नॉर्मल निकालना होगा नॉर्मल कैसे निकालेंगे तो भाई जिस पॉइंट पे उस इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया है उस पॉइंट को जोड़ दो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बन जाएगा आपका क्या नॉर्मल ठीक है तो ये लो बना दिया मैंने क्या एक नॉर्मल पॉइंट पी पे पोल पे अब जरा ये देखो कि जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो एक पर्टिकुलर एंगल बना के आई थी नॉर्मल के साथ कितना समझ लो एंगल तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो अब जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जब वापस जाएगी ठीक है रिफ्लेक्ट होकर के जब वापस जाएगी तो किसके बराबर एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो कुछ इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा क्लियर है आपको यही रूल है सिंपल रूल है यार कि अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली टूवर्ड्स द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली जिस एंगल को पे आई थी वो कॉन्केव uh, मिरर के पोल पे नॉर्मल के साथ बना करके उसी एंगल को बना करके वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू

प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली तो टकराने के बाद वो फोकस से पास होकर के जाती हैं। रूल टू क्या था ऑफ 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 रूल रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी लाइट। लाइट। लॉ क्या हुआ कि ऐसी इंसिडेंट रेस जो कि कॉनके मिरर तक आ रही थी फोकस को पास करती हुई रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होकर के निकल जाएंगी ठीक है तीसरा रूल क्या था तीसरा रूल ये था कि वो इंसिडेंट रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई आएंगी कॉनकेव मिरर में जब रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा वो अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही पास करके वापस जाएंगी ठीक है फिर आया रू, रूल 4. रूल फोर रूल फोर क्या है भाई कि एक इंसिडेंट रेज जो कि डायरेक्टली अब कॉनकेव मिरर के पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो जिस एंगल पे वो आई है नॉर्मल के साथ बना करके उसी एंगल पे वो वापस भी चली जाएगी बस इतने से थे चार रूल्स थे इन्हें आप याद रखिएगा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है बच्चों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्यों क्योंकि अब हम फाइनली कौन के मेरर के किस तरह की इमेजेस बनाते हैं वो देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग पोजीशंस पे रख के हम फाइंड आउट करेंगे कि अब कैसी इमेज बनी अब कैसी इमेज बनी तो वो होने वाला है इंटरेस्टिंग तो उसको ज़रूर देखिएगा बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अब हमको क्या करना है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पढ़ेंगे कौन के मेरा किस तरह की इमेजेस बनाते हैं तब तक आपको क्या करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट उसको विजिट कर लो जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक के नोट्स भी होंगे वहाँ पे आपको अवेलेबल सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरीवन इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी एक टेबल तो आज का जो हमारा टारगेट है इस लेक्चर का वो ये है कि हमें इस टेबल को समझना है कैसे समझेंगे देखना पड़ेगा ठीक है प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था हमने कॉनकेव जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं चाहती हूँ कि आपका यू नो अपकमिंग दो तीन वीडियोज़ के लिए आपका जो पूरा फोकस है वो आ जाए कॉन्केव मिरर पे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कुछ रूल्स की जो कि हमें चाहिए होते जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है कॉनकेव इमेजेस के द्वारा बनने वाली कॉनकेव uh, मिरर के द्वारा जो बनने वाली इमेजेस हैं उनको ट्रेस करने के लिए रूल समझ में आ गए थे रटे नहीं थे समझे थे और आज उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर से कुछ इमेजेस डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे डिफरेंट कैसे बनेंगी क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे तो देखते हैं कि अलग अलग पोजीशंस पे रख के किस तरह की इमेजेस देता है हमें कॉनकेव मिरर। तो टारगेट हमने फिक्स कर लिया ये बता दिया मैंने आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फिर सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमारा जो टारगेट है ये मैंने आपको बता दिया है भाई एनसीईआरटी की टेबल है एन है तो मतलब ज़रूरी तो हो गई चलो ठीक है इसको हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पीछे आते हैं हमारे केस वन पे ठीक है अब हमारे पास रखा हुआ है ये एक कॉनकेव मिरर ठीक है कॉनकेव मिरर जिसका नाम क्या डाला है हमने एम एन ठीक है एम एन हमने इसका नाम दिया है हमारे कॉनकेव मिरर का अब देखो सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर के कंपोनेंट्स को रिवाइज कर लो ये रहा कॉनकेव मिरर इसके सेंटर में क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर अपर्चर होगा ये पूरा इसके सेंटर पे आएगा पोल आ, एक प्रिंसिपल एक्सिस आएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल तक जो है ना जोड़ देगी अब देखो अब हम क्या करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम इन्फिनिटी पे रखते हैं इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर अब इतने भी दूर मत जाओ ठीक है सपोज मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा है इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ए बी और मिरर का नाम क्या है एम ठीक है अब ये मत समझो कि एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वो दिखाई नहीं देगा देखो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है दूर ठीक है अब यहाँ से आपको लंदन नहीं दिख रहा है तो आप बोलोगे कि लंदन दूर है लेकिन यहां से आपके घर से रोड क्रॉस करके जो सामने मार्केट आएगा वो भी तो आपके लिए दूर ही होगा ना भले ही ना दिख रहा हो भले ही दिख रहा हो लेकिन चीजें तो आपके घर से दूर ही है ना लंदन भी आपके घर से दूर है क्यों क्योंकि वो दिख नहीं रहा है तो आपने बोल दिया कि लंदन बहुत दूर है क्योंकि दिख नहीं रहा लेकिन आपके घर के सामने रोड क्रॉस करके जो मार्केट है वो भी आपके घर से तो दूर ही है ना बच्चों वो दिख रहा है लेकिन फिर भी दूर है तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पोजिशन पर रख दूँ ठीक है मेरर के सामने रख दूं तो ये मत बोलना कि मैम ये इन्फिनिटी नहीं हुआ इन्फिनिटी तो है बेटा बस ये है कि ये मेरर से काफी दूर है ठीक है तो चलो ठीक है अब इसके बाद में हमने एक बना दिया मिरर और उसके सामने हमने रख दिया एक अपना ऑब्जेक्ट ए बी ठीक है अब मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज तो बनेगी देखते हैं कैसी बन रही है कैसे बन रही है तो भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी उस ऑब्जेक्ट को हमने एक एरो से एक रे से डिनोट किया है ठीक है एक रे से डिनोट किया है तो देखो इस रे का जो एरो हेड है उसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए अब इस पॉइंट ए से जो है एक इंसिडेंट रे निकल के आ रही है एक चीज़ और है बच्चों यहाँ पे ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनी पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाली जो इंसिडेंट रे है ना वो पैरेलल होती है किसके पैरेलल अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसा हम अज्यूम करते हैं अगर चाहो देखो वैसे तो ये चीज़ होती है ना इन्फिनी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो रिजल्ट अपना सेम ही आता है ठीक है तो ये रखा हमने अपना ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से निकली है एक इंसिडेंट रे ऑब्वियसली है कैसे जाएगी पैरल ही जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के, के पैरल गई तो आपको रूल वन याद होगा क्या था रूल वन कि वो इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी होती है पैरल होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी भाई तो वो पास करेगी फोकस से सिमिलरली पॉइंट बी से भी क्या हुई एक इंसिडेंट रे निकली ये इंसिडेंट रे पैरल प्रिंसिपल एक्सिस के तो अकॉर्डिंग टू रूल वन रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी पास होगी तो आप देखो फोकस से ही वो पास होगी यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए बी जो कि रखा हुआ था इंफिनिटी पे कॉन्केव मिरर के सामने उससे दो रेज निकली देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है ना बच्चों तो मिनिमम दो रेज तो आपको चाहिए ही है एक रे एक से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना पाओगे तो मिनिमम आपको दो रेस तो लेनी है बाकी आपकी श्रद्धा तीन भी ले लो चार भी ले लो लेकिन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने को कोई मतलब नहीं है जितना सिंपल होंगी उतना आपको समझ में आएगा तो हमने यहाँ पे क्या किया है दो ही रेज ली हैं एक आई पॉइंट ए से दूसरी पॉइंट दूसरी रे आई कहाँ से पॉइंट बी से ठीक है दोनों ने ही क्या किया एक दूसरे को क्रॉस किया कहाँ फोकस पे तो ज़रा आप मुझे ये बताओ जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती है ना वहां पे क्या होता है इमेज बनती है इमेज बन गई यहां पे, पे। है दिख ही नहीं रही एग्जैक्टली exactly, ही तो इमेज है कैसी है इमेज भाई मच स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा काफी अच्छा बड़ा था लेकिन इमेज देखो जरा कितनी छोटी सी है यानी कि इमेज की साइज तो काफी कम है आप बोल सकते हो कि पॉइंट के बराबर है कि और इसके लिए आप एक और टर्म यूज कर सकते हो एच डी हाई डेफिनेशन नहीं है एच डी का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड बहुत ही छोटी है ऑलमोस्ट ना के बराबर है ठीक है बनी कहाँ है बनी है भाई प्रिंसिपल फोकस पे दिख रहा है और होगी कैसी रियल एंड इनवर्टेड ठीक है कैसी होगी रियल रियल क्यों बोल रहे हैं भाई क्योंकि मिरर के सामने ही बन रही है कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था कि जब मिरर के पीछे बनता है इमेज तो वो कहलाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैंने आपको बताया था कि जब मिरर के सामने कोई इमेज बने तो वो कैसी कहलाई जाएगी रियल कहलाई जाएगी और कैसी होगी इन्वर्टेड मतलब ऐसे घूमी हुई अभी तो पॉइंट साइज इमेज है बहुत ही डिमिनेश है इसलिए दिख नहीं रही है आगे जब हम अपना डिस्टेंस जो है ना थोड़ा कम करते जाएंगे मिरर के पास जाते जाएंगे तो आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से इमेज जो है ना इन्वर्टेड घूमी हुई मिलेगी आपको तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एक कॉनकेव मिरर पे बेसिकली जब भी भी आपको इमेज के बारे में बताना है कि कॉनकेव मिरर ने किस तरह की इमेज बनानी है तो आपको तीन पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे एक तो इमेज बनी कहाँ है पोजीशन कहाँ है दूसरी चीज़ उसका साइज कैसा है ठीक है और तीसरी चीज़ उसका नेचर कैसा है पहली चीज़ क्या होगी कि किधर बनी है प्रिंसिपल फोकस पे कहां बनी है दूसरी चीज कि उसका नेचर कैसा होगा इरेक्ट वर्चुअल होगी या रियल इन्वर्टेड होगी और तीसरा उसका साइज तो तीनों चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं क्या कंक्लूजन निकाला हमने यहाँ पे कि भाई एक हमारे पास था कॉनकेव मिरर उस कॉनकेव मिरर के सामने जब आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे इंफिनिटी पे यानी कि थोड़ी दूरी पे तो क्या होगा जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो कहाँ होगी फोकस पे होगी ये हमने सीख भी लिया कैसे ये हमने ऑब्जेक्ट रखा था ए बी उससे इंसिडेंट रह गई पॉइंट डी पे स्ट्राइक करी डी पे आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल वन पैरल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करेगी फोकस के ये वाली इंसिडेंट रे भी क्या करेगी पैरल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनके मेरा को स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाएगी फोकस को पास करती हो जाएगी दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं फोकस पे मिल रही है यानी कि इमेज कहाँ बनेगी फोकस पे बनेगी कैसी बनेगी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और नेचर कैसा होगा रियल एंड इनवर्टेड क्लियर है आप सबको आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी नेक्स्ट केस पढ़ लेते हैं नेक्स्ट केस क्या है भाई वेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन मिरर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े पीछे है है ना अभी तक तो हम बहुत ही दूर ले रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बहुत 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 दूर लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े से पास में है दूर तो है अभी ठीक है पीछे है बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो देखो यहां हमने रखा है अपना एक ऑब्जेक्ट ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी इमेज को आपको ट्रेस करना है तो आपको दो रेस तो निकालनी ही पड़ेंगी इंसिडेंट रेस मिनिमम आपको दो रेस चाहिए ही है ठीक है अब ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट इससे सबसे पहले एक इंसिडेंट रे निकली जो कि कैसी थी पैरेलल थी किसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जो इंसिडेंट रे पैरलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी फोकस से पास होगी तो ठीक है ये थी हमारी इंसिडेंट रे पैरलर जो कि पैरलर थी प्रिंसिपल एक्सिस के पास होने के बाद किस मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास हुई फोकस से पास हुई आगे के लिए समझ में बात चलो अब इसके बाद में दूसरी रे लेते हैं दूसरी रे कौन सी ले दूसरी रे हम वो लेंगे जो कि फोकस से पास हो रही है और अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल वो इंसिडेंट रेज जो कि फोकस से पास होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी किस से प्रिंसिपल एक्सेस से तो ये लो एक और हमने अपने ऑब्जेक्ट से रे निकालवा दी है ठीक है और जो कि आ, कैसी थी जो कि हम बोलते हैं कि आ, फोकस से पास हो रही थी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई अब जरा देख के बताओ कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मिल रही हैं जहाँ मिलेंगी वही इमेज बन जाएगी तो आपने बोला कि मैम इस पॉइंट पे मिल रही है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है इमेज कहाँ बनेगी ये लो बन गई इमेज ठीक है इमेज कहाँ बनेगी बच्चों इसी पॉइंट पे बनेगी ये मत बोलना कि मैम फोकस पे भी तो दोनों रेस मिल रही हैं तो फोकस पे इमेज क्यों नहीं बनी ध्यान से देखो फोकस पे एक इंसिडेंट रे है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है मैंने बोला कि जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वही इमेज बनेगी एक इंसिडेंट रे हो गई ये ठीक है और रिफ्लेक्ट होकर के मैं ग्रीन कलर से बना देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा इंसिडेंट रे थी रेड वाली रिफ्लेक्ट होकर के कैसे आई फोकस से पास होती हुई आई अब दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास हुई है रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वही हो जाएगा क्या आपकी इमेज का पोजीशन बन गई इमेज अभी तो आप देख रहे थे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके हेड से दो रेज आ रही थी इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट की पूरी बॉडी से रेज निकलवा निकलवा करके पूरी बॉडी की पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज आप बना सकते हो ठीक है तो अभी तो टॉप से अभी तो हेड से दो रेस निकली थी तो जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं ठीक है थीके? तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा भाई उस पॉइंट पे अपनी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना उसका हेड ही बनेगा और जैसे जैसे आप बाकी रेस निकालोगे उसकी बॉडी से वैसे वैसे आप देखोगे कि इमेज कहाँ बनती जा रही है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जो है ना इमेज बनेगी यानी कि इमेज उल्टी बन जाएगी अब इमेज कैसी हुई सबसे पहले पोजिशन बता दो इमेज की कहाँ बनी प्रिंसिपल एक्सिस पे तो बनी लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी यही लिखा है लाइंग बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर साइज में तो अभी भी छोटी ही है ये स्मॉल साइज है लेकिन हाँ बहुत छोटी भी नहीं है डिमिनिश्ड बोल सकते हैं इन्फिनी वाली तो बिल्कुल पॉइंट साइज थी इसलिए इसको हमने हाईली डिमिनिश बोला था ये कैसी हो जाएगी डिमिनिश हो जाएगी और नेचर कैसा होगा रियल एंड इनवर्टेड रियल क्यों क्योंकि मिरर के सामने बन रही है और उल्टी बन रही है इसलिए इनवर्टेड ठीक है आई होप केस नंबर टू भी आपको समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं केस थ्री की वेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर अब देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं लाते जा रहे हैं लाते जा रहे हैं पहले थे इन्फिनिटी पे फिर आई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले अब तो सर पे ही सवार हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गई ठीक है अब क्या होगा फिर से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट है ठीक है अब आप देखो ए पॉइंट से एक इंसिडेंट रे निकली जो कि पैरेलल थी कैसे पैरेलल थी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी फोकस से क्रॉस होती जाएगी फोकस से ब्लू कलर की जो रे है वो है रिफ्लेक्टेड रे ठीक है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी फोकस से पास होगी क्लियर है आपको अब इसके बाद में दूसरी ले, रे ले लो दूसरी रे जो आई है वो कहाँ से पास हुई है भाई फोकस से पास हुई है इंसिडेंट रे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी कैसी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलली जाएगी तो ये लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलली मैंने क्या बना दी एक रिफ्लेक्टेड रे बना दी अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखो कहाँ पे मिल रही हैं तो भैया ये मिल रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी आ रही है बात समझ में आपको वो ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था मिरर के उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी और कैसी मिलेगी सेम साइज की दिख रहा है आपको जो साइज था ऑब्जेक्ट का इमेज भी बिल्कुल सेम साइज की मिली है और कैसी है नेचर रियल एंड इनवर्टेड तीनों चीजें हमने मेंशन कर दी ऑब्जेक्ट को हमने रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिनिमम दो रेस चाहिए आपको इमेज बनाने के लिए एक एक रह गई कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वापस कैसे आएगी फोकस को क्रॉस करती हुई दूसरी कैसी गई इंसिडेंट रे फोकस को क्रॉस करती हुई तो वापस कैसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को के पैरेलल होती हुई आएगी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को आपने एक पॉइंट पे मिला दिया वो पॉइंट क्या होगा उसी पॉइंट पे बनेगी इमेज तो आप बोल सकते हो कि जब एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसकी इमेज भी वहीं बनेगी कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज होगा ठीक है आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की वेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस ऑफ द कॉन्के मिरर और पास में ले आए अब तो बिल्कुल क्या किया है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा अपना सी और फोकस इनके बीच में ला करके रख दिया है ठीक है भाई ले आओ अब फिर से क्या होगा ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेगी एक निकली ऐसे पैरल टू द प्रिंसिपल वापस कैसे जाएगी फोकस से, होती हुई, है? फोकस से होती हुई तो मैं ब्लू कलर की क्या बना देती हूँ रिफ्लेक्टेड रे बना देती हूँ जो कि फोकस से पास हो रही है ठीक है फिर इसके बाद में दूसरी रे आएगी इंसिडेंट रे कैसी आएगी फोकस को क्रॉस करती हुई आएगी मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वापस कैसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अब एक काम करो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को ठीक है दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को आपस में जोड़ दो जिस पॉइंट पे आकर के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रुकी वही बनेगी आपकी इमेज इस ऑब्जेक्ट की इमेज अब जरा इस डायग्राम को देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतू सा इमेज का साइज काफी बड़ा है ठीक है पोजिशन कहाँ होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होगा और उल्टी तो अभी भी बनी रही है ठीक है कॉनकेव मिरर के आगे बन रही है इसलिए रियल और उल्टी बन रही है इसलिए इन्वर्टेड तो यहाँ पे क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बनेगी ठीक ना उसके पीछे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर केस फोर हो गया अब केस case, दो केसेस और बचे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इज एट द फोकस ऑफ और पास ले आओ अब हमने कहा कर दिया ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे फोकस के ऊपर खड़ा ठीक है भाई कर दो फोकस के ऊपर खड़ा ठीक है अब एक जो इंसिडेंट रे है ठीक है वो कैसे जा रही है अब जो है वो इंसिडेंट रे सीधे के सीधे पोल पे स्ट्राइक कर रही है ओब्लीकली रूल फोर याद आ गया रूल फोर क्या बोलता था कि भाई एक इंसिडेंट जो कि पोल पे स्ट्राइक करती है वो वापस भी कैसे जाएगी ओब्लिकली ही जाएगी मतलब सेम एंगल बना करके तो सपोज ये था क्या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रे आई थी पोल पे ठीक है और थीटा एंगल बना करके ठीक है थीटा एंगल बना करके आई थी नॉर्मल के साथ तो रिफ्लेक्ट भी कैसे हो जाएगी बच्चों रिफ्लेक्ट देख लो रेड कलर से बना देती हूँ जो रिफ्लेक्टेड रे है ठीक है वो भी सेम थीटा एंगल बना करके वापस जाएगी एक ये रे हो गई अब इसके बाद में दूसरी रे ले लो दूसरी रे कौन सी होगी वो होगी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकल रही है और आपको पता होगा कि वो इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को रूल नंबर थ्री वो इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल कर के पास होकर के मिरर पे स्ट्राइक करती है वापस कैसे जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही पास करके जाएगी तो ये आपने एक क्या बना दी इंसिडेंट रे बना दी क्योंकि अब फोकस से तो निकल नहीं पाएगी क्यों क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रखा हुआ है आप बोलोगे कि, कि मैम आपने इस बार इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों बनाई है तो बेटा इसलिए बनाई क्योंकि फोकस पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे रे कैसे निकलेंगी तो मैंने दो रे ले ली है एक रे कौन सी हो गई अपनी यहाँ पे आप देख रहे हो एक हो गई जो कि ऑब्लिकली आ रही थी कॉनकेव मिरर पे और दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो हो कहां रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी बच्चों रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टेड रे देख लो अच्छा रेड कलर से बना देती हूँ मैं रिफ्लेक्ट होकर के भी कहाँ जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी अब जरा दोनों ही रिफ्लेक्टेड uh, रेस को देखो आप ठीक है ये कैसी हो रही है भाई पैरेलल हो रही है अब एक यहाँ पे थ्योरी होती है कि भाई जब पैरेलल रेज होती है ना वो हमेशा एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाकर ही ट्रैवल करती रहती है मेंटेन करती है उस डिस्टेंस को जबकि ऐसा है नहीं थ्योरी ये है कि ये जो पैरेलल रेज है ना इनको भी अज्यूम किया जाता है कि ये भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जा के क्या होंगी या तो कन्वर्ज हो जाएगी या डाइवर्ज हो जाएगी पैरेलल पैरेलल रेज भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी डाइवर्ज हो जाएंगी अब इस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तो को तो हम देख नहीं सकते तो हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे जाकर के क्या हुई है कन्वर्ज हुई हैं और जहां कन्वर्ज होंगी जहां एक दूसरे से मिलेंगी वहीं क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी तो एक ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पे रखा हुआ है उसकी इमेज कहां बनेगी भाई इन्फिनिटी पे बनेगी ठीक है कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड क्यों क्योंकि कैमरे uh, के सामने सॉरी uh, जो मिरर uh, है उसके सामने है ठीक है मिरर के सामने है यानी कि रियल और उल्टी बनेगी इसलिए इन्वर्टेड और हाईली एंड लार्ज और मैग्निफाइड होगी ठीक है ऑब्वियसली आप साइज देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का वो आप देखो डिस्टेंस कितना है तो एट दिस पॉइंट सपोज इस पॉइंट पे जाकर के ये क्या हो रही है मिल रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस को और बढ़ा दो तो ये देखो जरा ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है ना हाईली मैग्निफाइड या एनलास्ड इमेज देखेगी आपको कब जब एक ऑब्जेक्ट आपने कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा होगा ठीक है होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी केस फाइव भी आपको समझ में आया होगा अब लास्ट केस है वेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द कॉन के मेरर अब क्या किया है और आगे ले आए अब तो फोकस और जो हमारा पोल है ठीक है ये पॉइंट पी है अपना पोल फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में लेकर के आ गए हैं अब क्या होगा फिर से एक रे निकालो ठीक है जो कि पैरलर होगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी फोकस से पास होती हुई जाएगी एक और रे निकालो वो रे कैसी जाएगी वो रे बच्चों हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको क्रॉस करती हुई हमारी इंसिडेंट रे जो है वो जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड रे जाएगी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों जो लाइंस गई ना रिफ्लेक्टेड रेज ये पैरेलल नहीं है ये डाइवर्जिंग है कैसी है ये डाइवर्जिंग है यानी कि पैरेलल रेस की तो थ्योरी अभी तक तो जो हम पढ़ते आ रहे थे कि पैरेलल रेस कभी नहीं मिल रही कभी नहीं मिल रही लेकिन वो भी थ्योरी हमने गलत कर दी कि नहीं कहीं ना कहीं तो जाके वो मिलती हैं लेकिन जो डाइवर्जिंग रेस का केस होता है बच्चों वो तो कभी नहीं मिलेंगी अब क्या करें अब तो मुसीबत हो गई तो क्या हम ये बोल दें कि कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई नहीं है नहीं बनाई तो है कैसे बनाएंगे अभी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना इनको ले जाओ मिरर के पीछे एक्सटेंड कर दो एक्सटेंड करने के बाद में आप देखोगे कि ये पॉइंट ए पे क्या मिल रही है अपने ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है और कैसी दिख रही है ऑब्जेक्ट की साइज से तो बड़ी ही है इनफैक्ट वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है वर्चुअल क्यों क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है और इरेक्ट क्यों क्योंकि सीधी सीधी बन रही है अपराइट है उल्टी नहीं बन रही है तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ठीक है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसी होती है डाइवर्जिंग हो जाती है ये वर्ड आपको दिख रहा होगा डाइवर्जिंग ठीक है ये जो डाइवर्जिंग रेज है ये आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेंगी फॉर श्योर sure. इसका मतलब क्या होगा हमें इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा मिरर के पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और जब हम जाते हैं जिस पॉइंट पर जाकर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिली हैं उस पॉइंट पे बन जाती है हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज और वो कैसी होगी इमेज भाई ऑब्जेक्ट के साइज से तो बड़ी ही होगी वर्चुअल होगी इरेक्ट होगी और बनी कहाँ है बिहाइंड द मिरर, ठीक है इसके लिए हम कह सकते हैं एज द इमेज इज वर्चुअल इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन समझ में आ गई बात ये सभी केसेस हमने पढ़ लिए हैं छहों के छहों। अब ये आपको टेबल समझ में आ जाएगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इंफिनिटी पे होती है तो फर्स्ट केस है ये इमेज कहां बनेगी भाई फोकस पे बनेगी कैसी होगी हाईली रिड्यूस्ड या हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड सेकेंड केस क्या है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी साइज बहुत कम तो नहीं होगी लेकिन हाँ डेमिनेश्ड तब भी कहलाई जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड तो तब भी रहेगी एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी उसी पे बनेगी ठीक है साइज भी कैसा होगा उसका सेम होगा लेकिन नेचर कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा बिटवीन सी एंड एफ सी और एफ के बीच में रख रहे हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी सी के पीछे बनेगी ठीक है साइज कैसा होगा थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा और अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड नेचर ही कहलाएगा उसका अब फोकस पर रख दिया है फोकस को रखने पे हम बोलते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी जब हम फोकस पर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो जो रिफ्लेक्टेड तो रेज निकलती है वो कैसी होती है पैरल होती हैं और हम ये पढ़ चुके हैं कि पैरल रेज जो होती है वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के भले ही कितने दूर क्यों ना हो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के तो मिलेंगी जिस पॉइंट में मिलेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी यानी कि इन्फिनिटी पे मिलेंगी और इसलिए इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी कैसी होगी हाईली एंड होगी लेकिन तब भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी फिर हमने क्या किया फिर हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में जिससे क्या होगा फोकस और पोल के बीच में रखने से इमेज का बनेगी पीछे बनेगी काफी बड़ी होगी एलार्ज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी ठीक है यानी कि कॉन्केव मिरर ने हमको बहुत तरह तरह की जो है ना इमेजेस दी हैं, लेकिन एक टाइप की नहीं दी दिमाग लगाओ कौनसी वर्चुअल दी है ठीक है और वर्चुअल के साथ आपको वर्चुअल केवल एक ही बार दे रहा है लेकिन उसके साथ आपको वो डिमिनिश्ड नहीं दे रहा है इमेज तो कौनकेव मिरर ने सभी इमेजेस दी एक को छोड़ करके कौन सी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड ठीक है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड और इसी तरह की इमेजेस हमको कहाँ चाहिए होती है हमारी जो गाड़ियां होती है ना उसका जो रियर व्यू मिरर होता है साइड में देखने वाला मिरर उसमें इसी तरह की इमेजेस चाहिए होती है वर्चुअल मतलब खड़ी अपराइट ठीक है ना वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड और डिमिनिश यानी कि छोटी चाहिए होती है क्योंकि हमें पूरे रोड का ट्रैफिक पता करना होता है हमारी गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है ना उसमें से देख करके तो इस तरह की इमेजेस हमको कॉनके मिरर नहीं देता इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियर व्यू मिरर होता है गाड़ियों का उसमें कॉनके मिरर यूज नहीं होता प्लेन तो वैसे भी नहीं हो रहा था भी नहीं हो रहा मतलब कि बचा कौन कॉन्वेक्स वही हो रहा होगा ठीक है तो आज का हमारा जो टारगेट था उस तक हम पहुंच चुके हैं आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा ठीक है हर एक आ, केस को हमने बहुत अच्छे से देखा है किस तरह से डिफरेंट इमेजेस बनती हैं जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम दो रेज तो चाहिए बाकी आपकी श्रद्धा तीन लेनी तो तीन ले लो ठीक है और रूल्स को फॉलो करके ही इंसिडेंट और पैरल और रिफ्लेक्टेड रेज बनाना अगर रूल्स फॉलो नहीं करें तो गलत बन जाएगी इमेज आई होप इस चीज़ को आपने करा होगा एंजॉय इस लेक्चर के लिए इतना ही हम बात करेंगे हमारे लेक्चर में जहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस बनाता है उस पर फोकस करेंगे तो इस लेक्चर के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आपको क्या करना है हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना मैग्नेट ब्रेस डॉट कॉम उसको विजिट कर लेना जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्ले में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम टिलन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन थैंक यू फॉर हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डीपीपी डी पी पी मतलब कि डेली प्रैक्टिस पेपर तो जैसा कि आपको पता था कि कल भी हमने एक डीपीपी सॉल्व किया था है ना और उसमें एक डाउट है बच्चों को क्वेश्चन नंबर सेवन में तो आज का ये जो डीपीपी है ना वो हम क्वेश्चन नंबर सेवन से ही सॉल्व करेंगे इसके अलावा कल हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन सबको हम करेंगे रिवाइज रिवाइज ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने बैठ के सुन लिया नहीं हम इनको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे इससे दो फायदे होंगे एक तो आपका रिविजन हो जाएगा और दूसरी चीज आपको पता चलेगा कि जो भी हमने पढ़ा है कल उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में ठीक है तो दोनों फायदे हमको हो जाएंगे तो इसीलिए इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्या डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डीपीपी सेशन तो देखो बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कल पढ़ा क्या क्या था सबसे पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे है ना कि स्पेरिकल मिरर्स क्यों सबसे पहले तो उसकी सिग्निफिकेंस देखी थी कि भाई हर जगह जो है आ, प्लेन मिरर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता है ना हर जगह हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता इसीलिए स्फेरिकल मिरर्स एग्जिस्टेंस में हैं और इसीलिए हम उन्हें पढ़ भी रहे हैं ठीक है फिर इसके बाद में हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे स्फेरिकल मिरर्स के एक्चुअली uh, सारे ही देख लिए थे फिर इसके बाद में हमने फोकस देखा था कि भाई फोकस कंपोनेंट नहीं है स्पेरिकल मिररर का उसको ऑप्टेन करना पड़ता है कैसे ऑप्टेन करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में वो भी मैंने आपको सिखा दिया था इसके बाद में हमने आ, फोकस किया था किस पे कॉनकेव मिरर पे कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनको ट्रेस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं तो सबसे पहले हमने वो रूल्स देखे थे ठीक है एकदम लड्डू रूल्स देखे थे फिर इसके बाद में अलग अलग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखो अलग अलग पोजिशन पे क्या उनकी कॉनकेव मिरर पे इमेज बन रही है वो भी हमने देखा था तो इतनी सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना उसको हम कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज इस सेशन में तो देखो सबसे पहले कल के डाउट से स्टार्ट करते हैं भाई अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सिल्वर सरफेस इंक्लाइंड टू अनादर वन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू तो देखो बच्चों इसमें डाउट था सबसे पहले तो मैं बना देती हूं डायग्राम ये है क्या एक प्लेन मिरर ठीक है और ये दूसरे प्लेन मिरर पे राइट right एंगल की पोजीशन पे रखा हुआ है ठीक है इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री है इतनी चीज़ आपको समझ में आई फिर इसके बाद में बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट यानी कि इंसिडेंट लाइट आ रही है इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री का एंगल बना करके तो इस मिरर के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक इंसिडेंट रे इस तरह से बनाऊं, तो क्या ये सही होगा बिल्कुल सही होगा हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो प्लेन मिरर है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं फिर ये वाला जो प्लेन मिरर है इस पर बोल रहे हैं कि एक इंसिडेंट लाइट आ रही है एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि 90 डिग्री पे इस प्लेन मिरर पे फॉल कर रही है तो बिल्कुल सही है इस प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में देखो जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है वो 90 डिग्री का एंगल बना के ही आ रही है नॉर्मली आ रही है तो हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं कि भाई आ, अगर कोई इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ या फिर आप बोल सकते हो कि नॉर्मली ही आकर के स्ट्राइक कर रही है तो वो क्या करेगी अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी है ना तो चलो रिट्रेस कर लेते हैं रिट्रेस करके लाइन जो हमारी इंसिडेंट रे है वापस कैसे जाएगी यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी जिस लाइन uh, को जिस पाथ को फॉलो करती हुई इंसिडेंट रे आई है उसी पाथ को फॉलो करती हुई हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है वो क्या है बच्चों इंसिडेंट रे है और जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो क्या है रिफ्लेक्टेड रे है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना कि चलो ठीक है आपने इंसिडेंट रे बना ली अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है कैसे करोगे नॉर्मल बनाना पड़ेगा नॉर्मल कैसे बनता है कोई भी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी सरफेस पे वही कहलाएगी नॉर्मल तो भाई नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया जीरो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए इसीलिए हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया तो बच्चों को यहाँ पे डाउट ये था कि मैम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए जीरो बिल्कुल सही है तो इसका आंसर होना चाहिए जीरो लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपने 180 डिग्री क्यों बताया है तो बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ो यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा या हमारे रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल को बना करके नॉर्मल के साथ वापस जाएगी क्या पूछा गया है द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू ठीक है तो अब ये जो टर्निंग वाली बात चल रही है ये हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे बच्चों अगर इस मिरर को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दू ठीक है तो अब आप देखो ये एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री का हो रहा है तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री बना रही है है ना इस वाले मिरर के रिस्पेक्ट में मत देखो अगर आप इस वाले रिस्पेक्ट जो वर्टिकल मिरर है अगर आप इस मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे ठीक है तो आप बोलोगे कि भाई ये तो 90 डिग्री का एंगल बना के जा रही है भैया जीरो तो कहीं से लेकर के कहीं तक नहीं आ रहा जीरो क्या है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली फॉल कर रही है है ना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड कितना टर्न करेगी तो अगर आप इस मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 90 डिग्री कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रहे है, वो 90 डिग्री का एंगल बना करके वापस जा रही है इस मिरर इस प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है हमसे बोला जा रहा है हम जो फाइन uh, कर रहे हैं हमारे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल वो है इस हॉरिजॉन्टल मिरर के रिस्पेक्ट में है ना हॉरिजॉन्टल मिरर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा अब भाई आपको आग बात समझ में तो इसका आंसर जीरो नहीं बच्चों होगा 180 डिग्री कि हमारी रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कितने एंगल पे टर्न हो गई हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 180 डिग्री के एंगल पे टर्न होकर के उसने टाटा बोल दिया हमको ठीक है अब तो कोई डाउट नहीं है कि क्यों मैंने जीरो डिग्री नहीं लिया जीरो डिग्री तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है लेकिन यहाँ पे हमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछा जा रहा हमसे पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना करके बाहर निकली है किसके रिस्पेक्ट में तो भाई ये हमारा जो हॉरिजोंटल मिरर है ना इसके रिस्पेक्ट में ठीक है आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा चलो ठीक है आई एम हैप्पी कि आपको ये डाउट आया है मतलब ये कि आप सिंसियरली डाउट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये एक अच्छी बात है कोई बात नहीं इसी तरह के और डाउट्स किसी भी क्वेश्चन में आए बिल्कुल पूछते जाओ बेझिझक इसमें कोई शर्म की बात नहीं है ठीक है और ये मत सोचना कि मैम ने uh, तुरंत रिप्लाई नहीं दिया देखो हो सकता है कि डिले हो जाए आपका डाउट क्लियर करने में लेकिन होगा जरूर ठीक है आई होप ये वाला क्वेश्चन हो आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन की जो कि बेस्ड होगा कल जो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उस पर तो भाई वेयर डज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं कैसे हमने फाइंड आउट किया था एक हमने ग्लास का स्फीयर लिया था हॉलो उसको हमने कट कर दिया था और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि जब आप एक ग्लास स्वेयर को मतलब बीच में से कट करोगे तो ही आपको दो स्वेरिकल मिरर्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है आप इनको साइड से भी कट कर दोगे तो भी आपको स्वेरिकल मिरर्स मिल सकते हैं ठीक है अभी मैंने क्या किया है एक स्वेयर को ग्लास के स्वेयर को मैंने बीच में से कट कर दिया कट करने के बाद क्या हुआ मुझे मिले दो हाफ ठीक है ये मिला एक हाफ और ये मिला दूसरा हाफ अब ये जो दोनों हाफ हैं हर एक हाफ के पास दो सरफेसेस थे दो कर्व्ड सरफेसेस थे एक क्या था एक जो सरफेस था वो था कर्व्ड आउटवर्ड्स ठीक है बाहर की तरफ कर्व्ड था और जो दूसरा सरफेस था बच्चों जो दूसरा सरफेस था वो कैसा था कर्व्ड इनवर्ड्स है ना अंदर की तरफ कर्व था और एक सरफेस बाहर की तरफ कर्व था इस तरह ये वाला जो सरफेस है ये बाहर की तरफ कर्व्ड है और ये वाला जो सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है अब क्या किया मैंने इससे मुझे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी अभी ये जो मेरे पास ग्लास बच्चों वो मिरर नहीं है ये सिंपली ग्लास पीसेस हैं तो अब अगर इनको मुझे मिरर बनाना है तो मैं क्या करूंगी मैं करूंगी पॉलिशिंग तो मैं क्या करती हूँ ये जो वो वाला सरफेस है ना जो कि बाहर की तरफ कर्व्ड है कर्व्ड आउटवर्ड्स तो उस पर मैं क्या कर देती हूँ इस तरह की पॉलिश कर देती हूं एक्चुअली मुझे ये जो चीज है ये प्लेन नहीं बनानी चाहिए इस पर आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है इसको मैं और अच्छे से बता देती हूं ये देखो ये इस तरह के मुझे कर्व्ड सर्फेसिस मिले थे एक अंदर की तरफ कर्व्ड था एक बाहर की तरफ कर्व था तो अब ये जो बाहर की तरफ कर्व्ड सरफेस है उसको मैंने पॉलिश कर दिया यानी कि अब ये बन गया सरफेस कैसा नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी कि ओपेक अब अंदर वाला जो सरफेस है जो कि कर्व्ड इन्वर्ट था बस मेरे पास वही बचा है यानी कि रिफ्लेक्शन का होगा लाइट का यही होगा अब मैं इसे क्या बोल सकती हूं इसे मैं बोल सकती हूं कौन केव मिरर ठीक है अब इसी तरह से मुझे यहां पे भी क्या करनी पड़ेगी पॉलिशिंग करनी पड़ेगी अब क्योंकि मुझे इसमें एक और टाइपॉस पर मिरर बनाना है तो जो वो वाला सरफेस था जो कि बाहर की तरफ कर्व था उसमें मैंने पॉलिश कर दी अब मैं काम करती हूं अब वो वाला सरफेस जो कि अंदर की तरफ कर्वड है उस उसपे मैं पॉलिश कर देती हूँ यानी कि अंदर वालों से सरफेस है वो हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग ओपेक बचा कौन सा बाहर वाला यानी कि जो बाहर वाला वो वाला सरफेस जो कि कर्व्ड था सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गई है इधर देखो हाँ ठीक है ठीक है ये वाला जो सरफेस था जो कि बाहर की तरफ कर्व था अंदर वाले कर्व वाले एरिया में तो हमने क्या कर दिया पॉलिशिंग कर दी अब क्या हुआ बाहर वाला बचा तो ये जो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो जो बाहर वाला सर्फेस है वही रिफ्लेक्शन बना है ना रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बना यानी कि जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इसी सरफेस पे होगा तो अब मैं इसे बोल सकती हूं कौन सा मिरर वैक्स मिरर ठीक है तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है बाहर वाला जो सरफेस होता है जो कि कर्वड आउटवर्ड्स होता है वो पॉलिश हो जाता है और कॉनवेक्स मिरर में क्या होता है जो कर््ड इनवर्ड वाला सरफेस होता है वो हम बोलते हैं कि पॉलिश हो जाता है ये दो फेरिकल मिरर्स पढ़ लिया आपने फिर इसके बाद में मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए थे कंपोनेंट्स में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ करवे सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई हमें पता है कि एक हॉलोस्फीयर से ही क्या होगा एक हॉलोस्फीयर से ही जो हम डिफरेंट फेरिकल मिरर्स बना रहे हैं वो इस स्वीयर से ही आएंगे तो एक स्वीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर स्वीयर के सभी पार्ट्स का होगा ये पार्ट वन ये पार्ट टू ये पार्ट थ्री ये पार्ट फोर है ना वो स्वीयर का एक सेंटर है और यही सेंटर स्फीयर के सभी पार्ट्स का भी होगा अब अगर मैंने इस एक पर्टिकुलर पार्ट part को स्वीयर के निकाल दिया तो क्या होगा वो जो निकला हुआ पार्ट होगा सेपरेटेड पार्ट होगा उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी क्या होगा यही ही होगा ठीक है सेंटर क्या होगा इसका इस पार्ट का अभी भी होलो स्फियर का ही सेंटर होगा लेकिन अब स्फीयर तो रहा नहीं क्यों क्योंकि मैंने इसका एक टुकड़ा निकाल दिया है बचा क्या है सेंटर बचा है और कर्वेचर बचा है तो इसे मैं क्या नाम दे देती हूँ बच्चों इसे मैं नाम दे देती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ ठीक है फिर इसके बाद में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस क्या होता है भाई रेडियस हम बोलते हैं कि सेंटर से लेकर के स्फीयर का जो सरफेस है उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस केस में क्या होगा क्योंकि अब स्फीयर तो बचा नहीं है अब क्या बचा है कर्वेचर बचा है तो हम बोल सकते हैं कि एक जो कर्व है उसके सेंटर से लेकर के उस कर्व का जो सरफेस होगा उस पर कोई भी आप पॉइंट ले लो पॉइंट ए बी सी डी कोई सा भी ले लो तो उस पॉइंट से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है फिर इसके बाद में हमने बात करी थी किसकी अपर्चर की अपर्चर क्या होता है भाई अपर्चर हम बोलते हैं कि जो एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है इसे हम क्या कहेंगे अपर्चर फिर इस अपर्चर का एक सेंटर भी होता है उस सेंटर को हम क्या कहते हैं बच्चों पोल कहते हैं बच्चों पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूज uh, मत हो जाना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई ये आपको एक कर्व्ड सरफेस दिख रहा है ठीक है इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर होगा वो सेंटर कौन सा है एक हॉलो स्वीयर का सेंटर है क्योंकि अब वो स्फीयर नहीं रहा अब क्या बचा है सिर्फ कर्व बचा है इसलिए उसे हम क्या कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकिन पोल क्या है पोल जो एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है उसका सेंटर है ठीक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया अपर्चर हो गया पोल हो गया फिर आती है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है कहाँ से पोल तक इतना समझ में आ गया फिर इसके बाद में हमसे पूछा गया था कि भाई कॉन्वेक्स मेर केस में क्या होगा ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर ठीक है कॉन्केव मिरर हमने बना दिया तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये तो सब कहाँ आएगा ये सब कुछ इस मिरर के सामने ही आएगा लेकिन अगर हम बात करें किसकी कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है बाहर वाला है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा मिरर के पीछे आएगा ठीक है मिरर के कहाँ आएगा पीछे आएगा तो ये हो गया इसका पोल ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा क्या गया था हमसे अच्छा फोकस पूछा गया था फोकस क्या है एक कंपोनेंट नहीं है मिरर का उसको ऑप्टेन करना पड़ता है कैसे ऑप्टेन करते हैं ये हमने देखा था कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ आता है बच्चों कॉनकेव मिरर का फोकस आता है मिरर के आगे या सामने और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ आएगा दिमाग लगाओ पीछे की तरफ है ना यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है बच्चों वर्चुअल पॉइंट होता है इसको हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्टेड रेज जो कि हमें पता है कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा है बच्चों डाइवर्जिंग मिरर है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है उनको हम पीछे की तरफ क्या करते हैं एक्सटेंड कर देते हैं तो जिस पॉइंट पे आकर के एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती हैं उसे हम क्या कह देते हैं फोकस मिरर के पीछे बन रहा है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं वर्चुअल पॉइंट तो इस सवाल का आपको जवाब पता होना चाहिए वेयर डज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड द मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव नहीं इसका क्या होगा बियॉन्ड नहीं आप बोलोगे इसको आप बोलोगे बिहाइंड द मिरर ठीक है बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे बन रहा है दिख रहा है भाई मिरर के पीछे ही तो बन रहा है ठीक है चलो इसी के साथ हमने सारे कंपोनेंट्स रिवाइज कर लिए हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स के ठीक है अब क्या है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर वन मीटर चलो फिर से बनाते हैं क्या हमें कॉन्केव मिरर ये बना दिया हमने कॉन्केव मिरर ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया इसका पोल और इतना पूरा डिस्टेंस हो गया क्या रेडियस फिर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई फोकस जो है कॉन्केव मिरर का वो कहाँ आता है मिरर के सामने आता है फोकल लेंथ क्या होती है फोकल लेंथ हम बोलते हैं फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे फोकल लेंथ कहेंगे फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एफ से फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अब हमें आधा पूरा डिस्टेंस पता है ठीक है तो हम आधा डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं आपको रेडियस पता है तो क्या आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो कैसे फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय टू सिंपल तो रेडियस हमें कितना दिया गई रेडियस दिया गया है वन मीटर तो वन मीटर को जब आप आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट फाइव मीटर तो एक कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों वन मीटर है सॉरी जिसकी कर्वेचर कितना है इधर से लेकर के इधर तक का डिस्टेंस वन मीटर है उसकी फोकल लेंथ अगर आपने है आप क्या करोगे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना पॉइंट फाइव ठीक है चलो आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट सवाल क्या है विच आर द फॉलोइंग रे डाइग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर एज शोन इन फिगर अब देखो बच्चों हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कॉनकेव मिरर जो इमेजेस बनाता है उनको ट्रेस करने के लिए क्या थे वो रूल तो हमने बोला था कि भाई एक ऐसी लाइन एक ऐसी इंसिडेंट रे जो कि कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके जो पैर लली आएगी वो कैसे पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी पहला रूल है ना फिर इसके बाद में उसी को रिवर्स कर दो तो दूसरा रूल क्या बना था वो इंसिडेंट रे जो कि एक कॉन्केव फोकस को पास करते हुए कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी फिर इसके बाद में तीसरा रूल वो इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई मिरर को स्ट्राइक करेगी वापस कैसे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही पास करते हुए जाएगी रिफ्लेक्टेड रे फिर चौथा रूल क्या था कि वो इंसिडेंट रे जो कि हमारे कॉनकेव मिरर के पोल पे डायरेक्ट स्ट्राइक करती है ऑब्लिकली यानी कोई एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी वो सेम एंगल बना करके ओब्लीकली ही वापस चली जाएगी तो ये चार रूल्स थे इन्हीं चारों रूल्स के ऊपर ये है एक सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है एक कॉनकेव कॉनकेव मिरर मिरर की कॉन्केव है प्रिंसिपल एक्सिस इसके सामने से क्या जा रही है एक इंसिडेंट रे जा रही है ठीक है अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे रूल वन फॉलो हो रहा है क्यों क्योंकि देखो ये जो इंसिडेंट आ रही है ये कैसी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के तो ठीक है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वापस कैसे जाएगी रूल वन को फॉलो करके जाएगी रूल वन मतलब क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी और ये तो हमने निकाला ही था यार कैसे निकाला था आगे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल फाइंड करना है नॉर्मल हमने कैसे निकाला था सिंपल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है यानी कि रेडियस बना देना है तो सेम एंगल बनाकर कि जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी तो फोकस से पास होगी ठीक है तो अब जरा ये बताओ कि हमारे पास ये कुछ चार ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन सही कौन सा है ये वाली जो रे है ये प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में से जा रही है ये वाला जो ऑप्शन है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है ये वाला जो ऑप्शन है इसमें इंसिडेंट रे अपनी पाथ को रिट्रेस कर रही है और फिर फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस पे फोकस को पास करती हुई जा रही है तो कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू रूल वन ठीक है चलो अब हम बात करते हैं किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की वेन डज द कॉन्केव मेर फॉर्म्स हाईली diminished इमेज अब इसके बाद में आपको छः केसेस याद आ रहे होंगे कि कौन के आ, मेरा जो है कैसे डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनाता है जब हम ऑब्जेक्ट की पोजिशंस को चेंज करते जाए ठीक है तो भाई ये वाला जो केस है ना हाईली diminished वाला ये मुझे याद आ रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनीटी पे रखते हो ठीक है हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उससे निकलने वाली रेस कैसी हो जाती है पैरेलल हो जाती है मैं इस बात को प्रूव करूंगी आपको चिंता मत करना ठीक है ये बनाया मैंने क्या कॉनकेव मिरर अब ये बना दी उसकी मैंने पोल ये बना दिया मैंने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया क्या फोकस अब कोई आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि पैरेलल है किससे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है ये कहां जाकर के मिलेंगी ये मिलेगी फोकस पे है ना फोकस से ही तो पास होकर के वापस जाएंगी फिर क्या हुआ फिर हम बोलते हैं कि एक और इंसिडेंट आई इंफिनिटी से अब ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट कहां होगी रिफ्लेक्ट होगी फोकस को पास करती हुई भाई जहां पे हमारी दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती है ना बच्चों वहीं पे जाकर के बनती है इमेज तो जरा आप मुझे ये बताओ कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल कहाँ रही हैं फोकस पे मिल रही है लेकिन इमेज देखो जरा कैसी है इमेज तो बहुत ही छोटी है हाईली डेमेनेज है मतलब कि क्या मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए इन्फिनी पे होना चाहिए तब जाकर के उसकी इमेज कैसी बनेगी

चलो अब अगला सवाल अंडर बीच ऑफ द फॉलोइंग रियल इमेज लार्जर ऑब्जेक्ट ठीक है रियल के साथ आपको पता है कि कौन सा वर्ड आना चाहिए रियल के साथ आना चाहिए भाई हमारा वर्ड इनवर्टेड क्योंकि कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है रियल एंड इनवर्टेड रियल मतलब क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो मिरर के सामने बन रही है इनवर्टेड मतलब उल्टी बनाता है सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है वो भी देख लेंगे तो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है इन कंडीशन में से जहां पे हमारा मिरर कैसी इमेज बना रहा है रियल इन्वर्टेड एंड जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से बड़ी होगी ठीक है तो देखो एक काम करते हैं पढ़ लेते हैं सारी कंडीशन वन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू विट्स ऑफ रेडियोसॉफ्ट के बराबर मतलब क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना इधर देख लो ये हो गया अपना क्या पोल ये हो गया क्या अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया अपना फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस कहां से कहां तक का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के मिरर की सरफेस पे किसी भी पॉइंट तक का ठीक है तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया आर तो आपको बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस पे रखा गया है यानी कि वो रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको पता होना चाहिए कि जब एक ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा बना के देख लेते हैं ठीक है ये निकली क्या एक इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाएगी भाई रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी फोकस पे पास होकर के ठीक है फिर इसके बाद में हम क्या करें फिर इसके बाद में हम करते हैं एक और चीज कि ये बन गई एक इंसिडेंट रे अब इसके बाद में जो हम दूसरी इंसिडेंट रे लेंगे ठीक है सपोज हमने क्या करा है एक यहां पे इंसिडेंट रे आई है जो कि ओब्लिकली फॉल कर रही है किस पे पोल पे तो ऑब्वियसली बात है वापस कैसी जाएगी वापस भी हम बोलते हैं कि ओब्लिकली ही जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल बना करके, यानी कि इन, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके अब जरा ये बताओ कि मेरी दोनों रिफ्लेक्टेड इमेज कहाँ मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो मिल रही है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ इमेज बनाता है मिरर उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाता है सेम साइज की बनाता है लेकिन उल्टी बनाता है यानी कि रियल इन्वर्टेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकिन उसका साइज कैसा होगा सेम होगा तो भाई ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता दूसरा क्या है वेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल फोकल लेंथ ठीक है लेंथ के कम के डिस्टेंस पे रखा गया है फोकल लेंथ ये रहा ये रहा अपना क्या कौन के मिरर ये रहा पोल ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा अपना फोकस फोकस के फोकल लेंथ बोल रहे हैं फोकल लेंथ क्या होती है फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस या हमसे बोल रहे हैं कि फोकस थ से भी कम डिस्टेंस पे रखा गया है यानी कि फोकस और पोल के बीच में कहीं हो सकता है रखा हो तो हम क्या करेंगे फिर से हम जो है ना एक इंसिडेंट रे बना करके देखेंगे आपको याद आ रहा होगा कि ये जो हमारा केस था ना ये कौन सा था केस सिक्स सबसे लास्ट वाला जहां पे वर्चुअल इमेज मिल रही थी इमेज तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी थी जो आप बोल रहे हैं ना लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है लेकिन उस केस में हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही थी यानी कि ये वाला केस तो नहीं हो सकता चलो हटाओ इसे भी हटाओ दूसरा क्या है फर्स्ट वाला भी हट चुका है वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब एक ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है हाँ ये कुछ जो है ना करने लायक दिख रहा है चलो करके देखते हैं ये रहा क्या एक ऑब्जेक्ट इससे आ रही है एक इंसिडेंट रे पैरल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वापस कैसे जाएगी बच्चों फोकस से पास करती हुई जाएगी ठीक है अब क्या करते हैं हम एक रे बनाते हैं जो कि पोल पे स्ट्राइक कर रही है पोल पे स्ट्राइक करने के बाद ऑब्वियस सी बात है ओब्लिकली स्ट्राइक करेगी तो ओब्लिकली ही निकलेगी चलो निकाल देते हैं ये निकल गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकल गई रिफ्लेक्टेड रे तो देखो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही हैं इस पॉइंट पे मिल रही हैं इमेज का साइज कितना है इमेज का साइज आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है और रियल एंड इन्वर्टेड है यानी कि सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं जो भी हमें चाहिए थी रिक्वायरमेंट थी इमेज की कैसी रियल होनी चाहिए इन्वर्टेड होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए तो तीनों कंडीशंस मिल रही है मिरर के सामने है इसलिए रियल घूमी हुई है इसलिए इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है तो क्या हमारा ये ऑप्शन सही है बिल्कुल सही है डी क्या बोल रहा है वेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के ज्यादा बोल रहा है मतलब क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हुआ है ठीक है कहा रखा हुआ है बाहर रखा हुआ है तो हमने जब इन्फिनिटी वाला केस देख लिया कि जब ऑब्जेक्ट कहा है इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है फोकस पे बनती है और बहुत ही डिमिनिश्ड बनती है और हमारा जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसकी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी सेकेंड केस याद आया तो हमारा ये वाला ऑप्शन डी भी क्या हो गया गलत यानी कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ऑप्शन सी ही सही है एक ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर इमेज रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी कब बनाएगा जब वो रखा गया होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ठीक है चलो अब हम बात करते हैं आगे की नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा द इमेज फोन बाय कॉनकेव मिरर इज ऑप टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट शुड बी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई एक कॉन्केव मिरर पे इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए अभी अभी मैंने आपको बताया था जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया था केस नंबर सिक्स कैसे ये हमने बनाया क्या कॉन्केव मिररर ये बन गया अपना कॉन्केव मिररर अब इसके बाद में मैं इस पर बना देती हूँ क्या पोल ये बना दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमने बना दिया क्या फोकस ये क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल बन रही है इरेक्ट बन रही है और लार्जर बन रही है ऑब्जेक्ट की साइज से तो भाई ऐसा तो केवल एक ही केस था कब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो सबसे आखिरी वाला केस वैसे कॉन्केव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है रियल एंड इनवर्टेड लेकिन जैसी बात होती है वर्चुअल इरेक्ट की आप याद रखो कि वो केस होगा लास्ट वाला जब हम अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सबसे कम कर देंगे कॉन्केव मिरर पे यानी कि फोकस और पोल के ही बीच में ले आएंगे करके देख लेते हैं ये रखा क्या है मेरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से आई क्या एक इंसिडेंट रे ठीक है इंसिडेंट रे हम इसको पैरेलल नहीं लेंगे हम इसको ले लेते हैं कैसी पोल पे हम ऑब्लिकली फॉल कराते हैं इसको ठीक है तो ये रही क्या मेरा ऑब्जेक्ट इस पे इससे एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि पोल पे ओब्लिकली क्या कर रही है फॉल कर रही है तो यानी कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी है ना फिर इसके बाद में अब हम दूसरी ले लेते हैं दूसरी रे कैसे ले सकते हैं एक ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कहाँ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही से ही पास होकर के चली जाएगी मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों कौन के मेरे लिया है एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा है एक इंसिडेंट रे मेरी आई कहाँ पे पोल पे फॉल कर रही है तो पोल से टकराने के बाद सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती ही ओब्लिकली निकल जाएगी फिर मैंने एक इंसिडेंट रे ली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो करेगी अब आप देख रहे हो कि दोनों यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कैसी है कैसी है यहाँ पे डाइवर्जिंग है भाई पैरल जो रेस uh, थी उसकी तो थ्योरी हमने फिर भी पढ़ ली थी कि जो पैरल रेस होती है उनको भी हम अज्यूम करते हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर जा करके कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी लेकिन जो डाइवर्जिंग रेज हैं वो तो कभी भी नहीं मिलने वाली तो हम क्या करेंगे इनको हम रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ क्या कर देंगे एक्सटेंड कर देंगे ठीक है पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो हमें मिलेगा कि भाई मिरर के पीछे इमेज बन रही है ऑब्वियस सी बात है मिरर के पीछे बनेगी तो कैसी होगी वर्चुअल होगी और सही है ठीक है अपराइट है यानी कि इरेक्ट होगी और आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट की साइज है इतनी सी और मेरी इमेज की साइज देखो कितनी बड़ी है तो लार्जर वाली कंडीशन भी हो गई फुलफिल तो ये हमारा कौन सा हो गया केस 6 कि भाई एक कॉनकेव मिरर वर्चुअल uh, इरेक्ट और uh, ऐसी इमेज कब देगा जब वो ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस और पोल के बीच में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हमने देखा है कि सेम साइज की बनती है तो ये भी नहीं होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो भी इमेज थोड़ी कम डेमेज बनेगी लेकिन हाँ छोटी तो रहेगी रियल एंड इनवर्टेड भी रहेगी ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा है हमने मिरर के के पोल और फोकस के बीच में ठीक है तो बच्चा आपको दिख रहा होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं इसी तरह के सवाल आएंगे कोई नई लैंग्वेज आपको बना के नहीं दिया जाएगा इसीलिए आपको सभी छह केसेस याद होने चाहिए मैं इतना लंबा लंबा क्यों करके बता रही हूं उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने बार आपको कौनके मिरर कैसी इमेज बनाता है वो आपको याद हो जाएगा ठीक है जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ बना बना के दिखा रही हूँ इतने प्रो हो जाओ आप कि आपको बना बना के प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े जैसे ही आप देखो कि अच्छा ऑब्जेक्ट जो है आ, फोकस और पोल के बीच में रखा है मतलब कि वर्चुअल इमेज बनेगी अगर इन्फिनिटी पे रखा है मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है मतलब कि सेम साइज की रहेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी तो ये आपको बार बार इसी तरह से प्रैक्टिस करती जानी है इसी तरह के सवालों के साथ ताकि आप बिना रे डायग्राम्स बनाए समझ जाए क्वेश्चन को देखते ही ठीक है तो चलो ठीक है अब ये चीज हो गई क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं व्हेन डज द कॉनकेव मिरर फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स साइज अरे अभी तो हमने पढ़ा था जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी है ना सेम साइज की बनेगी तो ये हो गया अपना ऑप्शन बी क्यों क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है ठीक है चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रियल और वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा भाई आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या हम बोल सकते हैं कि कौन मिरर के, के पास इमेज लेके आते जाते हैं आते जाते हैं ठीक है उसका साइज बढ़ता जाता है जब इन्फिनिटी पे होती है तो बिल्कुल डिमिनिश्ड बहुत हाईली डिमिनिश इमेज बनती है फोकस पे फिर उसको हम जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद लेकर के आते हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस तो आप बोलोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है लेकिन डिमिनिश है हाईली डिमिनिश नहीं है लेकिन हाँ डिमिनिश है जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए तो सेम साइज़ की बन गई सेंटर ऑफ़ कर्वेचर की और थोड़ा आ, और अंदर लेकर के गए यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो आप बोलोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है लेकिन कैसी है साइज बड़ा है जब आपने फोकस पे किया तो फोकस पे आप देखोगे कि इमेज कहाँ बन रही है एकदम इन्फिनिटी पे रियल इन्वर्टेड है और साइज भी काफ़ी बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपेरिजन में और अगर आपने पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो तो भैया वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन जाएगी और साइज भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा इमेज का है ना तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस पास करते आ रहे हो ऑब्जेक्ट का इमेज रियल से वर्चुअल में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है कौन के मिरर किस पे डिपेंड करता है साइज ऑफ द मिरर पे ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको पॉलिश ऑफ द मिरर ये भी नहीं बताया मैंने आपको कि भाई अगर मिरर की साइज अलग होगी तो वर्चुअल इमेज जो है ना किसी और केस में बन पाएगी या अगर मिरर की पॉलिश अगर हमने गोल्ड से कर दी है तो रियल इमेज जो है ना कोई और बनेगी कुछ नहीं बताया मैंने आपको क्या देखा हमने कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ठीक है डिस्टेंस जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे इमेज छोटी बड़ी छोटी बड़ी बनती जाएगी और रियल और वर्चुअल भी बनती जाएगी तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर ऑप्शन सी ठीक है चलो ये हो गया अपना एट्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्या है भाई इन टॉचिज सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस एक्चुअली ये जो चीज है ये मैंने अभी आपको इसके एप्लीकेशंस बताए नहीं है ना कॉन्केव मिररर के तो एक काम करते जो नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ लेंगे जो कॉन्केव uh, मिररर है कॉन्वेक्स मिररर है इनकी जब हम एप्लीकेशन पढ़ लेंगे ना फिर इन क्वेश्चन पे हम आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है तो एक काम करते हैं इस डी सेशन को यहीं पर हम फिनिश करते हैं तो अभी आपको रियलाइज़ होगा कि हमने कल जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो हमने रिवाइज कर ली हैं आई नो कि ये बहुत ही लंबा लंबा हमने जो है ना सॉल्व करके सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस। उसका रीज़न है बच्चों क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ में ऑलरेडी क्वेश्चन देख के जो है ना समझ में आ गया हो लेकिन हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे भी हों जिन्हें कुछ डिफिकल्टी हो रही हो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो उनके लिए मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया है इसी तरह से आपको और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एकदम प्रो लेवल पे पहुंच जाओ कि क्वेश्चन देखते साथ ही जो है ना उसका आंसर बता दो रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत ना पड़े बार बार ठीक है और अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो बना लो रे डायग्राम छः ही तो केसेस है और कॉन्वेक्स में तो आने वाले जो हमारे वीडियोज़ है उसमें आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही केसेस हैं बोनस ठीक है तो इस लेक्चर के लिए इतना ही अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से एक नए टॉपिक की कॉन्वेक्स मेरर के बारे में तो भी हमें पढ़ना है ठीक है तो आज के सेशन के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में तब तक आपको क्या करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट उसको विजिट कर लेना जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी तो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉक हेलो एवरी इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर को जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं चाहती हूं कि आपका दो तीन वीडियोस के लिए पूरा का पूरा फोकस आ जा जाए कॉन्केव मिरर पे तो भाई वो फोकस हम लेके आए कॉन्केव मिरर पे और वो हमने पढ़ लिया लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आपका जो फोकस है वो आ जाए कॉन्वेक्स मिरर पर क्यों क्योंकि अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर जिस तरह से हमने कॉन्केव मिरर से बनने वाली इमेजेस को ट्रेस करने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाली जो इमेजेस हैं उनको ट्रेस करने के लिए भी हमें पढ़ने हैं रूल्स और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा किस तरह की इमेजेस बनाता है तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टारगेट मैं आपको फिक्स कर देती हूँ पहला क्या पढ़ेंगे रूल्स पढ़ेंगे जो भी कॉन्वेक्स इमेज कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस बनाता है उनको ट्रेस करने के लिए और सेकेंड चीज़ क्या पढ़ेंगे हम कॉन्वैक्स uh, मिरर किस तरह की इमेजेस बनाता है यानी यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स uh, की पोजीशन को चेंज कर कर करके देखेंगे कॉन्केव uh, मिरर में हमने क्या किया था कि हमने दोनों को ही अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ा था क्योंकि कॉन्केव मिरर्स के केसेस ज़्यादा थे लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है केवल दो ही केसेज हैं ठीक है इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों ही टॉपिक्स को मैं कंपाइल करके आपको एक ही लेक्चर में पढ़ा देती हूँ तो आई होप टारगेट आपको समझ में आ गया है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स में दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन आप सब तक पहुंचाता है एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर रूल्स के साथ भाई रूल्स कौन से हैं ट्रेसिंग इमेजेस बाय फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ठीक है जैसे कि कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ा था अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तो ये रहा हमारे पास क्या एक कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा आपको और कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियसली बात है जो पॉलिशिंग होगी वो कहा होगी वो वाले सरफेस में जो कि कर्वड होगा अंदर की तरफ है ना कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था वो वाला सरफेस जो कि बाहर की तरफ कर्व्ड था कर्व्ड आउटवर्ड उसको हम पॉलिश करते थे लेकिन अब जब हम बात करेंगे किसकी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की तो हम कौन से सरफेस को पॉलिश करेंगे भाई जो कि कर्व्ड होगा अंदर की तरफ तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो वाला सरफेस जो कि कर्व्ड है बाहर की तरफ तो जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया हमने उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े थे क्या क्या पढ़े थे कि भाई कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका पोल तो देखो पोल तो मिरर के बीच में ही आएगा क्यों क्योंकि पोल क्या है अपर्चर का सेंटर होता है लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ठीक है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है ये तीनों चीजें कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ आती हैं मिरर के पीछे आती हैं आगे नहीं आएंगी पीछे क्यों बोल रहे हैं भाई क्योंकि देखो जो मिरर uh, का साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस वाले साइड को हम बोलते हैं कि मिरर के आगे जैसे आपके पास क्या है कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास सपोज ठीक है अब आप मुझे ये बताओ आप उस ऑब्जेक्ट को आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है आप चाहते हो कि कॉन्वेक्स मिरर उसकी इमेज बनाए तो आप कहाँ रखोगे कॉन्वेक्स मिरर के सामने इमेज को उसके सामने है ना सामने मतलब क्या जहां पे रिफ्लेक्शन होगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जहां पे पॉलिश होगी वहां पे हम थोड़ी रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका जो फोकस होता है एंड ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहा होता है मिरर के पीछे होता है मिरर के आगे नहीं होता है ठीक है तो चलो ठीक है अब हम बात करते हैं हमारे रूल वन के साथ स्टार्ट करते हैं अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द नहीं लग रहा सुना सुना सा नहीं लग रहा बिल्कुल लगना चाहिए क्यों क्योंकि इस तरह का रूल हम पढ़ चुके हैं कॉन्केव मेरर केसेस में उसमें भी क्या था कि वो इंसिडेंट रहे जो की प्रिंसिपल एक्सिस की पैर ले आती है

कॉनके मिरर कैसा होता है बच्चों कन्वर्जिंग मिरर होता है लाइट रेस को क्या करता है वो कन्वर्ज करता है लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्वैक्स मिरर क्या होता है, है. यानी कि वो रिफ्लेक्टेड रेस को क्या करेगा अलग 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 डायरेक्शन में भेज देगा कभी उनको मिलाएगा नहीं तो क्या हुआ यहां से क्या हुआ एक इंसिडेंट रे आई ठीक है और पॉइंट बी पे इसने हमारे कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक किया तो जो कि हमारा मिरर कैसा है कॉन्वेक्स क्या होगा ये उस रिफ्लेक्टेड ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्शन तो होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो कैसी हो जाएगी डाइवर्ज हो जाएगी ठीक है फैल जाएगी अब जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा है डाइवर्जिंग है यानी कि मिरर के आगे पैरेलल रेज तो फिर भी जा के मिल जाती हैं लेकिन जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं वो तो आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी इसी तरह से क्या करो आप दूसरी भी बना दो एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे बना ली रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा ये कुछ इस तरह से जाएगी तो आप दोनों जरा रिफ्लेक्टेड रेस को देखो ये डाइवर्ज होती जा रही है आगे फैलती जा रही है फैलती जा रही है मिलेंगी ही नहीं कहीं तो क्या करें एक काम करते हैं इनको लेके आते हैं हम पीछे मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं जब आप मिरर के पीछे इनको एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि अरे ये तो फोकस पे आकर के मिल रही हैं, है ना कहाँ पे आ रही हैं ये आ रही हैं फोकस से तो हमको क्या लगेगा बच्चों कि वो इंसिडेंट रेज जो कि कॉन्वेक्स मिरर को आकर के स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो रिफ्लेक्शन बेसिकली वो डाइवर्ज कहाँ से हो रही है वो हो रही है हमारे फोकस से है ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई और फोकस से डाइवर्ज हो गई फोकस से बाहर निकल गई यही तो है प्रिंसिपल वन रूल वन क्या है रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस ऑन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद हमें लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से चली आ रही है ये फोकस से चली आ रही है ठीक है रूल वन समझ में आ गया चलो अब हम बात करते हैं किसकी रूल 2 की बात करते हैं रूल टू क्या बोल रहा है भाई रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ फॉलोइंग मिरर और पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर बिकम्स मेरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर रिवर्स हो गया है ना ये तो हमने मिरर में भी पढ़ा था कि भाई वो इंसिडेंट रे जो कि फोकस uh, को पास करती हुई आएगी कॉनके मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे सेम रूल फॉलो हो रहा है कि वो इंसिडेंट रे जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती है और फोकस से पास होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी देख लो भाई देख लो ये आ गई क्या हमारी एक इंसिडेंट रे ठीक है इंसिडेंट रे आ गई अब इस इंसिडेंट रे को थोड़ा पीछे की तरफ खींचो ले आओ खींचोगे और फोकस से पास करा दो पास करा दी फोकस से अब देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ रिफ्लेक्ट होने के बाद जी ये हो गया यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल चली गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे यही तो था हमारा रूल क्या इसे रटने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ये तो हमने देख लिया कि भाई एक इंसिडेंट रे आई कॉन्वेक्स मिरर पे ठीक है और उसको हमने हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया और हमने देखा कि भाई ये जो ये जो इंसिडेंट रे है है तो फोकस से पास हो रही है। फिर हमने क्या किया चलो एक नॉर्मल बना लो नॉर्मल बनाने से आप क्लियरली और समझ सकते हो ये हमने बना लिया क्या नॉर्मल नॉर्मल कैसे बनेगा इस पॉइंट पे कुछ नहीं इस पॉइंट को जोड़ देना है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से है ना नॉर्मल कैसे बनता है किसी भी कर्व्ड सरफेस पे उस को आप दो से बना दो, radius, और इस आपको नॉर्मल समझ में नॉर्मल समझ में आए तो मैंने ये बना दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे आकर के जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था इंसिडेंट रे का उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी बाहर

बस मिरर चेंज हो गया है देखो इधर ये रहा हमारा कॉन्वेेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास आई क्या एक इंसिडेंट रे इसको क्या हुआ ठीक है ये आई इंसिडेंट रे अब ये इंसिडेंट रे को आप और थोड़ा एक्सटेंड कर दो एक्सटेंड करो पीछे पीछे खींचते जाओ खींचते जाओ आप ऑब्जर्व अब करें कि अरे ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही है और ऑब्वियसली बात है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को वो पास करेगी फिर से क्या करो नॉर्मल बना लो बनाओ नॉर्मल बनाओ. कैसे बनेगा इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे आकर के उसने स्ट्राइक किया इंसिडेंट रे ने अब डी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप क्या करोगे आप उसे जोड़ दोगे उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि इंसिडेंट रे भी आ रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक और नॉर्मल तो आएगा ही भैया नॉर्मल का तो अधिकार है तो क्या होगा अब देखो जरा इंसिडेंट रे जो रेड कलर की है वो क्या है नॉर्मल है जो ग्रीन कलर की रे है वो क्या है इंसिडेंट रे है दोनों के बीच में एंगल कितना बना

कि एक रे ऑफ लाइट जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई निकलेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी बिल्कुल करेगी देख लिया हमने ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी इस रूल की हमें जरूरत ही नहीं है कॉनके मिरर के केसेस में हम सारे रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सभी रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं वहां भी हमने अपने आप से समझ लिया था और यहाँ भी रूल की जरूरत नहीं है हम खुद ही जो है ना इंसिडेंट रे बना करके नॉर्मल बना करके रिफ्लेक्टेड रे बना करके पता कर सकते हैं ठीक है चलो रूल थ्री भी समझ में आया अब हम बात करते हैं रूल फोर की ये लो ये तो वही वाला रूल है जो कौन के मेरर के लिए था कि भाई इंसिडेंट रे जो कि पोल पे आकर के ओब्लिकली स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद ओब्लिकली ही वापस चली जाएंगी यही तो हो रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली टुवर्ड्स द पोल

ये क्या कर दिया मैंने एक नॉर्मल बना दिया इस नॉर्मल को मैंने थोड़ा सा और खींच दिया ये बन गई क्या नॉर्मल तो इंसिडेंट रे ने बना दिया क्या कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबरी करके है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी बाहर वो भी आप देखो कैसी निकल रही है ओब्लिकली निकल रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये वाला रूल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहा कॉनकेव मिरर में कि एक इंसिडेंट रे जो कि पोल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है एक एंगल बना करके ओब्लीकली तो वो सेम एंगल पे सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड रे जो है बाहर की तरफ चली जाएगी ठीक है ये वाला रूल भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो भाई हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं हमने चार रूल्स पढ़े हैं चारों को हम समराइज कर लेते हैं फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि भाई आ, एक इंसिडेंट रे आ रही थी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल थी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा वो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हुई है कैसे इंसिडेंट रे आ गई और जो कि हमारा मिरर ही डाइवर्जिंग है उसने क्या किया रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज कर दिया लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आगे जाके तो कहीं मिलेगी नहीं अगर हमें समझना है कि क्या ये सच में रिफ्लेक्टेड रे फोकस को पास करेगी तो हम क्या करेंगे इसको पकड़ के पीछे खींच देंगे कहा खींचेंगे मिरर के पीछे खींच देंगे और खींचते 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 हमें पता चलेगा कि अरे सही बात है फोकस से पास हो रही है तो एक इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के जब वो स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स मिरर को आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होती हुई निकल रही है या डाइवर्ज हो रही है कौन रिफ्लेक्टेड रे फिर सेकेंड जो हमारा रूल था वो इसी का ऑपोजिट था क्या था कि एक हमारे पास आ रही इंसिडेंट रे जो कि फोकस को पास करती हुई आ रही है ठीक है क्या किया हमने इंसिडेंट रे बनाई और उसको खींचा 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 कहाँ ले आए मिरर के पीछे ले आए हमने देखा कि भाई ये तो फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल नॉर्मल बना करके भी हमने ये चीज़ समझ ली है ठीक है अब तीसरा रूल तीसरा रूल क्या था कि भाई एक इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी बिल्कुल करेगी चौथा रूल क्या था चौथा रूल ये था कि वो इंसिडेंट रे जो कि पोल पे डायरेक्टली स्ट्राइक करती है ओबलिकली रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट भी कैसी होगी ओबलिकली ही ठीक है तो ये हमारे चारों रूल्स हो गए हैं अब हम बात करते हैं किसकी कॉन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बनाते हैं उनकी रूल्स पढ़ लिए इमेजेस को ट्रेस करने के लिए अब कॉन्वेक्स मिनर में देखो सिर्फ दो ही केसेस होते हैं एक क्या करा है आपने एक आपने रखा है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी ठीक है और एक आपने केस होगा आपका जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट के अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे कहाँ मिरर के आगे देखो कॉन्वेक्स के केसेस में क्या होता है केसेस ज़्यादा क्यों नहीं है क्योंकि भाई जो हमारा मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल Uh, अपना फोकस ये सब कहा आ रहा है ये सब आ रहा है मिरर के पीछे यानी कि जहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है तो अब अगर आप अब अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रखोगे तो क्या मिरर के पीछे रखने से इमेज मिलेगी नहीं मिलेगी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को आपको मिरर के सामने ही रखना पड़ेगा और सामने से सिर्फ दो ही केसेस है ना या तो उसको इन्फिनिटी रख दो या उसको इंफिनिटी और पोल के कहीं भी बीच में डाल दो ठीक है इसीलिए सिर्फ दो ही केसेस बन रहे हैं क्योंकि है? मिरर मिरर है। तो तो क्यों तो क्योंकि भैया ये तो ओपेक एरिया है ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ी है तो क्या होगा रख दो फोकस पे मैं तो कहती हूँ आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख दो कुछ नहीं होने वाला रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं रिफ्लेक्शन कहा होगा इस वाले सरफेस पे होगा तो इस वाले सरफेस के आगे तो सिर्फ दो ही केसेस बन रहे हैं एक इंफिनिटी पे और एक कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे ठीक है सबसे पहला हम केस देख रहे हैं जहां पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पे और मैंने आपको बताया है कि भाई इंफिनिटी से आ रहा अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उससे जो रेज निकलेंगी वो कैसी होंगी पैरल होंगी ठीक है वो कैसी होंगी पैरल होगी जरा देख लेते हैं ये आई क्या एक इंसिडेंट रे आ गई ऑब्वियस ही बात है अब ज़रा एक काम करो नॉर्मल बना दो इस पॉइंट पे आकर के सपोज पॉइंट डी पे आकर के इसने स्ट्राइक किया इंसिडेंट रे ने अब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है एक नॉर्मल बना देना है नॉर्मल कैसे बनेगा भाई आ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को जोड़ दो ठीक है उस पॉइंट को जोड़ दो तो मैंने इस तरह से जोड़ दिया जोड़ दिया और अब मैं इस आ, जो हमारा जो नॉर्मल है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ आगे की तरफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है तो हमने क्या करा इंसिडेंट रे आ गई पॉइंट डी पे स्ट्राइक करी पॉइंट डी पे हमने नॉर्मल भी बना लिया अब जो भी एंगल हमारी इस इंसिडेंट रे ने बनाया है उसी एंगल को फॉलो करके यानी कि सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारी जो रे होगी वो क्या होगी बाहर निकल जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑब्वियस बात है ठीक है अब क्या करेंगे हम इसी तरह से आपके पास क्या आएगी दूसरी इंसिडेंट रे भी आएगी ये आ गई आपके पास दूसरी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर के ये चली गई वापस अब आप देख रहे हो कि ये मेरे पास दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं वो कैसी हैं डाइवर्जिंग है डाइवर्जिंग है।, है बोले तो कभी नहीं मिलने वाली पैरेलल रेज मिल जाती हैं बच्चों ठीक है पैरेलल रेस की थ्योरी हमने अभी तक क्या पढ़ी थी कौन के मेरा के केस में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल रेस वो रेस होती है जो कि आपस में एक डिस्टेंस पे साथ साथ मूव करती है और हमेशा अपने बीच में वो डिस्टेंस मेंटेन करती हैं लेकिन ये थ्योरी गलत है क्यों क्योंकि पैरेलल रेस भी अज्यूम हम करते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाकर के मिल आ, मिलेंगी ठीक है कन्वर्ज हो जाएंगी या डाइवर्स हो जाएंगी कुछ ना कुछ तो होगा हमेशा पैरेलल नहीं रहेंगी लेकिन जब आता है सवाल डाइवर्जिंग रेस का डाइवर्जिंग रेस तो भगवान कभी नहीं मिलने वाली कभी नहीं मिलने वाली यानी कि मिरर के आगे आप कितनी भी इंसिडेंट रेस क्यों ना डाल दो हमेशा वो क्या होंगी एक दूसरे से दूर 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 भागेंगी कभी नहीं मिलेंगी अब क्या करें जब मेरे मिरर के आगे नहीं मिल रही हैं एक काम करते हैं उनको पकड़ के पीछे ले आते हैं ठीक है हम दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड कर चुके हैं मिरर के पीछे और जैसे ही हमने उनको एक्सटेंड किया हमने पाया कि भाई फोकस पे दोनों मिल रही हैं आ गया हमें क्या करना था हमें इमेज बनानी थी इमेज बनाने के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रेस को मीट कराना था मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं मिलेंगी वहीं वहीं पे पे क्या होगा पे जाकर के हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी लेकिन भैया ये तो कॉन्वेक्स मेरर है इस पे तो इंसिडेंट रेज क्या हो रही है आती जा रही है और डाइवर्ज होती जा रही है मिरर के आगे तो ये कभी मिलने से रही क्यों क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है एक काम करते हैं इन डाइवर्जिंग रेंज को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं क्या किया इनको हमने पकड़ के पीछे ले आए पीछे ले आए तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो फोकस पे मिल रही है लो जी अपना काम हो गया हमें रिफ्लेक्टेड रेस को क्या करना था मिलाना था तो हमने मिला दिया बस मेरा कि पीछे मिलाया है कोई बात नहीं कहाँ मिली फोकस पे मिली तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पे रखा होता है उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी कॉन्वेक्स मिरर पे उसके फोकस पे बनेगी जरा इमेज का साइज बताओ मुझे आप बोलोगे कि मैम क्या मजा दिख दिखी नहीं रहा बिल्कुल तो ये कैसी हुई एच डी एच डी मतलब की हाईली डिमिनिश्ड ठीक है और मिरर के पीछे बन रही है यानी कि कैसे हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट तो जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है उसकी जो इमेज होगी वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे बनेगी हाईली डेमिनेज होगी लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी ठीक है चलो फर्स्ट केस समझ में आ गया अब एक काम करते हैं सेकेंड केस देख लेते हैं लास्ट केस है इसमें क्या है हम, हमने अपने ऑब्जेक्ट को आ, जो हमारा मिरर है उसके पोल ठीक है पोल और इन्फिनी के बीच में रखा है पोल और इन्फिनी के बीच में हमने एक अपने ऑब्जेक्ट को रखा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है ये क्या हुआ हमारे ऑब्जेक्ट से क्या निकली रेज निकली कौन सी इंसिडेंट रेज निकली ठीक है और ये रिफ्लेक्ट भी हो गई ठीक है भाई कैसे रिफ्लेक्ट देख लो वो इंसिडेंट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट जब होंगी तो हमें लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है तो ये देखो फोकस से डाइवर्ज करती हुई मैंने आपको बता दी अब इसके बाद में दूसरी

फिर से हम क्या करते हैं रिफ्लेक्टेड रेस को सबक सिखाते हैं क्यों क्योंकि यहां भी देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कैसी है डाइवर्जिंग है मिल ही नहीं रही है तो एक काम करते हैं इनको सबक सिखाने के लिए इनको पीछा ला करके जोड़ देते हैं चलो ठीक है दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को आप पीछे लेकर के आए और आपने क्या ऑब्जर्व किया आपने ऑब्जर्व किया कि भैया ये तो इस पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं ये पॉइंट कहाँ अलाय कर रहा है पोल और फोकस के बीच में तो पोल और फोकस के बीच में दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज आपस में आकर के मिली और जहां मिलेंगी वही बन जाएगी इमेज तो इमेज बन गई आपकी अब आप जरा देखो ये इमेज कहां बनी है मिरर के पीछे यानी कैसी हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी भी बनी है तो इरेक्ट हो गई वर्चुअल क्यों क्योंकि मिरर के पीछे बनी है इसके अलावा क्या अब ये डिमिनेश्ड होगी बिल्कुल होगी ये मत समझना कि साइज इसमें हमें अब दिखने लगा है तो अब वो डिमिनिश नहीं होगी ऑब्जेक्ट का साइज देखो जरा कितना बड़ा है इमेज का साइज देखो ये अभी भी क्या होगी डिमिनिश्ड ही होगी क्या होगी अभी भी डिमिनिश्ड ही होगी आई बात समझ में आपको तो ये हो गया हमारा केस टू दोनों ही केसेस में मैं आपको कुछ कंक्लूजन बता देती हूँ कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना उसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कहाँ आता है मिरर के पीछे आता है तो ऑब्जेक्ट को हम अगर मिरर के पीछे रखेंगे तो रिफ्लेक्शन तो दिखने से रहा है ना रिफ्लेक्शन कभी नहीं बनेगा रिफ्लेक्शन अगर हम चाहते हैं तो हमको मिरर के आगे ही रखने पड़ेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या होगी बस दो ही केसेस हैं या तो आप उसे इन्फिनी पे रख दो या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दो जब इन्फिनिटी पे रखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इमेज कहाँ बन रही है फोकस पे बन रही है वर्चुअल इरेक्ट होगी क्यों क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है ठीक है और कैसी होगी हाईली होगी और अगर आपने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया है कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे तो क्या होगा अभी भी इमेज मिरर के पीछे ही बनेगी यानी कि वर्चुअल रहेगी खड़ी रहेगी यानी कि इरेक्ट रहेगी और साथ ही साथ पोल और फोकस के बीच में बन रही है यानी कि आप बोल सकते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में किसी भी पॉइंट पर रख दो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज आपकी हमेशा कैसी होगी वर्चुअल इरेक्ट ठीक है और हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी भाई इन्फिनिटी के आगे तो कोई डिस्टेंस होता ही नहीं है इन्फिनिटी मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस है ना मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के हमने देखा कि इमेज कहाँ बन रही है फोकस पे बन रही है

ऑब्जेक्ट को रख दो अपने कॉन्वेक्स के केस में इमेज कहाँ बनेगी हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी और कहीं भी इमेज नहीं बनने वाली ना कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी ना उसके कभी बाहर जाएगी हमेशा पोल और फोकस पे क्यों अभी हमने देख लिया कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा था इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बन रही थी फोकस पे क्लियर है आप सबको तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दोनों केसेस अभी एक एनसीआरटी के टेबल है ये अपने दिमाग में बिठा लो फिक्स कर लो जब ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों फोकस पे बनेगी कैसी होगी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल और इरेक्ट तो हमेशा ही रहेगी एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर के पोल में रखा है आपने तो कहाँ बनेगी हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी कभी भी फोकस के बाहर इमेज नहीं जाएगी ठीक है और डिमिनिश्ड होगी साइज तो अभी भी ऑब्जेक्ट से कैसा है छोटा ही है और वर्चुअल और इरेक्ट तो हमेशा रहेगी तो एक काम करते हैं ये जो आपका जो कंक्लूजन निकला है ठीक है मिरर के केस में हमने देखा था क्या कि कॉनकेव मिरर सभी टाइप की इमेज बना रहा था रियल इन्वर्टेड है ना डिमिनिश्ड, फिर इसके बाद में रियल इन्वर्टेड सेम साइज़ की फिर इसके बाद में रियल इन्वर्टेड साइज भी बड़ा हो गया था फिर हमने देखा कि वर्चुअल इरेक्ट भी बना रहा है और साइज भी उसकी कैसी है बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेकिन एक टाइप की इमेज नहीं बना रहा था वो कौन सी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड तो भाई ये काम किसने कर दिया हमारे कॉन्वेक्स मिरर ने कर दिया यानी कि प्लेन मिरर्स हमेशा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देते हैं इसलिए स्फेरिकल मिरर्स आए स्फेरिकल मिरर्स में भी कॉन्केव मिरर ने वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज नहीं दी थी इसके अलावा सारी दी थी तो क्या हुआ कॉनकेव के अलावा भी एक मिरर आया कौन सा कॉन्वेक्स जिसने की वर्चुअल इरेक्ट हमेशा 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 हमेशा, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही देगा इन्फिनीटी पे रखोगे तो फोकस पे इमेज आएगी जो कि होगी डिमिनिश्ड। और हमेशा ही जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज मिरर के पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी फोकस के बाहर नहीं जाएगी ये पूरा कंक्लूजन था किस चीज़ का कॉन्वेक्स मिरर का हमने इस सेशन में क्या पढ़ लिए हमने रूल्स भी पढ़ लिए इसके अलावा हमने जो डिफरेंट इमेजेस बनाता है कॉन्वेक्स मिरर वो भी हमने पढ़ लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा साइन कन्वेंशन पे बेस्ड इस लेक्चर के लिए इतना ही कॉन्वेक्स मिरर हो गया है अब बचा क्या है दोनों में दोनों के न्यूमेरिकल बचे हैं और दोनों के आ, जो एप्लीकेशन हैं कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं वो हमें पढ़ना है वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी साइन कन्वेंशन ठीक है क्यों क्योंकि अगर आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए बिना साइन कन्वेंशन के आपको ना मिरर फॉर्मूला समझ में आएगा ठीक है ना ही न्यूमेरिकल समझ में आएंगे तो इस लेक्चर के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आपको क्या कर लेना है हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैगनेट उसको विजिट कर लेना जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम टिल कीप लर्निंग थैंक यू हेलो एवरीवन आज इस लेक्चर का टारगेट क्या होने वाला है टारगेट होने वाला है भाई साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमें जो अब स्फेरिकल मिरर्स हैं उस, उसकी सिर्फ दो ही टॉपिक्स हमें और पढ़ने हैं कौन कौन से एक तो हमें उसके यूजेस पढ़ने हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगी और दूसरा हमें क्या पढ़ना है उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो कि एग्जाम में बहुत सारे आते हैं है ना और ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं तो बच्चों उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इन साइन कन्वेंशन की बहुत ज़रूरत है बिना साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाले हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए ना सिर्फ मिरर फार्मूला की ज़रूरत है और मैग्निफिकेशन की ज़रूरत है बल्कि हमें साइन कन्वेंशन की भी ज़रूरत है तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन से फिर मिरर फार्मूला पढ़ेंगे फिर मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे तो आज का टारगेट कर दिया है, मैंने फिक्स क्या साइन कन्वेंशन फॉर फेरिकल मिरर तो ठीक है आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि बेस्ड है साइन कन्वेंशन पे आप बोलेंगे कि मैम आपकी जो पीछे वो स्लाइड है वो ब्लैंक है कोई बात नहीं हम भर देते हैं उसको ठीक है तो भाई ये जो साइन कन्वेंशन है ये दिए किसने हैं किस पे बेस्ड है तो न्यू कार्टेशियन लॉ ठीक है न्यू कार्टेशियन लॉ है उसके उन्होंने ही क्या करे हैं कुछ साइन कन्वेंशन दे दिए हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि अब ये जो बड़ा सा अजीब सा टर्म है कार्टेशियन ये होता क्या है तो भाई कार्टेशियन प्लेन और कुछ नहीं एक्स वाई प्लेन होता है आप आ चुके हैं टेंथ में और मुझे पूरा यकीन है कि आपने एक्स वाई प्लेन पढ़ा ही पढ़ा होगा ठीक है नाइन्थ में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का मोशन उसमें तो हमने बहुत सारी बातें करी थी एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई प्लेन मतलब क्या कि भाई ये होता है क्या हमारे पास एक ग्राफ इसको मैं रब कर देती हूँ और क्लियरली दिखेगा आपको ये क्या है हमारे पास एक है ग्राफ ग्राफ में होती है दो एक्सेस कौन कौन सी भाई एक होती है एक्स एक्सेस और एक होती है हमारी वाई एक्सेस है ना तो भाई कार्टेशियन प्लेन क्या है कोई तोप चीज नहीं है कार्टेशियन प्लेन को कहीं दूसरा नाम होता है एक्स वाई प्लेन या इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं ठीक है थीके? जिसमें होती है दो एक्सेस एक होती है हमारी एक्स एक्सिस और दूसरी होती है हमारी वाई एक्सिस और दोनों कैसी होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और जिस पॉइंट में वो मीट करती हैं आपस में उसे हम कहते हैं ओ ओ मतलब कि ओरिजिन अब आपको पता होगा कि जब हम इस तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस के तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे वैल्यूज को जब हम इस तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं है. तो आप क्या लोगे? Sign, और ये, ये चीजें आपको पता थी है ना कोई तोप चीज नहीं है बहुत ही लड्डू सी बात है कि भाई कार्टेशन प्लेन क्या है कार्टेशन प्लेन हम बोलते हैं कि ये होता है एक एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन मतलब कि दो एक्सिस होती है एक एक्स और एक वाई ठीक है और दोनों ही जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम कह देते हैं ओरिजन इस तरफ जाओ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस अब सवाल ये उठता है कि हम ये कन्वेंशन पढ़ ही क्यों रहे वह जब कन्वेंशन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्ट और इमेज की जो एक्चुअल पोजिशन है ना मिरर के से ठीक है ना मिरर के रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट और इमेज की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें पता करनी है वो हम कैसे पता कर सकते हैं साइन कन्वेंशन से तभी तो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पांच चीज़ें जिनको हमें फाइंड आउट करना है इस प्लेन से कैसे सबसे पहले तो यू यू क्या होता है भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ठीक है ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ कैसा है फ्रॉम द मिरर मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है वो बताता है यू फिर इसके बाद में आता है वी वी क्या होता है भाई वी हम बोलते हैं कि इमेज का डिस्टेंस है कहाँ से मिरर से फिर इसके बाद में स्मॉल एफ स्मॉल एफ हम सबको पता है ये क्या होती है फोकल लेंथ होती है ठीक है यानी कि हमारा जो फोकस है वो मिरर के पोल से कितनी दूरी पे है दैट इज फोकल लेंथ फिर इसके बाद में आता है एच ओ एच ओ क्या है भाई ये है हाइट किसकी हाइट ऑब्जेक्ट की कई बार इसे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई साइज हम ये वाला साइज नहीं ले रहे हैं हम हाइट वाला साइज ले रहे हैं तो एच ओ क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट है फिर आता है एच आई एच क्या एच आई क्या होता है यह है इमेज की हाइट ठीक है ये क्या है इमेज की हाइट या आप बोल सकते हो इमेज की साइज भी ठीक है ये पांच चीजें हैं जो हमें अपने इस एक्स वाई प्लेन से फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे चलो देखते हैं एक हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या बच्चों कॉनकेव मिरर अभी हम कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं ठीक है एक हमने लिया क्या कॉनकेव मिरर और उसको उठा करके रख दिया हमने इस प्लेन पे और ऐसे ही रैंडमली कहीं नहीं रखा है हमने ऐसा रखा है कि इस कॉनकेव मिरर का जो पोल है ना बच्चों वो कहाँ आ जाए इस ओरिजन पे आ जाए हमने कॉनकेव मिरर लिया उस मिरर को उठा करके हमने इस एक्स वाई प्लेन पे रख दिया या आप बोल सकते हो कार्टेशियन प्लेन पे रख दिया कैसे रखा कि उस के मिरर का जो पोल है वो हमारे इस प्लेन के ओरिजिन से कॉन्साइड करे लो हो गया कॉन्साइड ठीक है अब जरा मुझे ये बताओ मैंने ये स्ट्रैटेजी पहले चेंज क्यों करी मैं पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बाद में समझाने वाली थी सॉरी पहले समझाने वाली थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के पहले लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी मैंने टॉपिक जो है ना ये बार, ये वाला बाद में लिया क्यों क्योंकि अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का जो भी यू नो टॉपिक है उसमें सिर्फ आपका सिर्फ एक ही चीज़ रह गया है वो है इनके यूजेस इनके एप्लीकेशंस इसके अलावा आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में सब कुछ पता है है ना तो अब ये चीज़ आपको समझने में आसान हो जाएगी हमने क्या लिया यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ले लिया है अब जरा मुझे आप बताओ कि कॉन्केव मिरर में जब भी आपको ऑब्जेक्ट uh, रखना होता है तो आप कहाँ रखते हो मिरर के सामने रखते हो सी बात है मिरर के पीछे रखोगे तो क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल भी नहीं होगा क्यों क्योंकि भाई ये वाला सरफेस कैसा है नॉन रिफ्लेक्टिंग है ओपेक है पॉलिश हो चुकी है तो जब भी आपको कॉनके मिरर से इमेज बनवानी है किसी ऑब्जेक्ट की तो आप उसे कहाँ रखोगे जो हमारा मिरर है उसके सामने ही रखोगे चलो सपोज मैंने इस पॉइंट पे अपना ऑब्जेक्ट जो है ना रख दिया तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि भाई हमारी जो एक्स एक्सिस है हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चों ये बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या कर रही है इस जो हमारी एक्स एक्सिस है इस प्लेन की उसके साथ कॉन्साइड कर रही है तो मैंने क्या करा प्रिंसिपल एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को बिठा दिया कहा क्योंकि ये कॉन्केव मिररर था तो मैंने मिरर के सामने इसको बिठा दिया बिठा दिया तो अब देखो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा मिरर से यानी कि इस पोल से तो आप क्या करोगे जो भी वैल्यूज आपको एक्स एक्सिस पे दी रहेंगी वही हो जाएगा आपका डिस्टेंस सपोज इधर पे डिस्टेंस कितना दिया गया है थ्री दिया गया है तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम द मिरर थ्री सेंटीमीटर लेकिन साइन भी आएगा कौन सा ये वैल्यू तो मैंने आपको समझाने के लिए डाल दी है मैं आपको समझा क्या रही पे साइन बता रही हूं पे आ रहा है। तो जो मैंने पे 3 लिख दिया बड़े मजे से, क्या ये सही है बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि अभी तक इसमें मैंने माइनस साइन नहीं लगाया था बिना माइनस साइन के वैल्यू का कोई मतलब नहीं है आई बात आपको समझ में जैसे ही आपने यू के सामने लगा दिया माइनस साइन तो आपको पता चल गया कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर के सामने यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ठीक है अब जरा आप मुझे ये बताओ ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमने निकाल लिया ठीक है फर्स्ट वाला हमने निकाल लिया कि एक कॉनकेव मिरर लिया है हमने उसके आगे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यू की वैल्यू के, कैसी कैसी आएगी बच्चों नेगेटिव आएगी क्यों क्योंकि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रखा गया है तो उसका डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द ओरिजिन या फिर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर तो वो कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव एक्स एक्सेस से कैलकुलेट करेंगे फिर इमेज के बारे में आप ही मुझे बताओगे कौन के मिरर दो टाइप की इमेजेस बनाता है मोस्टली वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है बनाता है ना और एक केस ऐसा होता है जहाँ पे जब आप फोकस और पोल के बीच में रख दोगे ऑब्जेक्ट को तो वो वर्चुअल बनाएगा रियल मतलब क्या होता है रियल हम कब कह रहे थे जब मिरर के सामने बनेगी इमेज तो वो हो जाएगी रियल और जब वो मिरर इमेज बनेगी मिरर के पीछे तो वो हो जाएगी कौन सी इमेज वर्चुअल इमेज तो जरा आप यहाँ पे देखिए अगर मेरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां बन रही है इधर ही बन रही है. है ना इधर ही बन रही है तो वो क्या हो जाएगी इमेज का जो डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द मिरर वो भी कहां से हम कैलकुलेट करेंगे इस नेगेटिव x एक्सिस से ही करेंगे और अगर कि वो इमेज बन गई वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे तो आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो कहीं यहां बनेगा तो अब अगर आपको इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द मिरर आप कहां से कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव x एक्सिस से तो v के केस में क्या हुआ v मतलब क्या इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर v के केस में क्या हुआ कि अगर इमेज कैसी बन रही है रियल बन रही है यानी कि मिरर के सामने हो रही है तो आप इमेज का डिस्टेंस कैसा लोगे नेगेटिव लोगे फॉर रियल इमेज और अगर आपका वी कैसा है पॉजिटिव है यानी कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बन रही है वर्चुअल बन रही है यानी कि आप उसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो कहाँ से लोगे पॉजिटिव एक्सेसिस से लोगे तो जब आपकी इमेज आ जाए पॉजिटिव तो समझ लेना कि वो हो जाएगी आपकी इमेज कौन सी वर्चुअल ठीक है तो ये दूसरी चीज भी हमने कैलकुलेट कर ली अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की फोकल लेंथ क्या होती है भाई फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ तो जरा आप मुझे बताओ ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है इसका फोकस कहाँ बनेगा इसका फोकस बनेगा हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये बन गया क्या इसका फोकस अब इस पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस है आप कहाँ मेजर करोगे आप मेजर करोगे नेगेटिव एक्स-एक्सिस पे यानी कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी आएगी बच्चों नेगेटिव आएगी ठीक है कैसी आएगी नेगेटिव आएगी समझ रहे हो ना क्यों क्योंकि हमने फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव एक्स-एक्सिस पे कैलकुलेट करी है तो तीसरी चीज भी आ गई अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की साइज या ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यू you नो know, हम इस हाइट को समझने के लिए हम डमचराज खेलते हैं डमचराज आपको पता ना कैसे खेलते हैं ये हो जाता है इंग्लिश ये हो जाता है हिंदी है ना तो सपोज ये मेरे सामने रखा हुआ है कॉनकेव मिरर और उसके सामने मैंने रखा है अपना ऑब्जेक्ट मैं हमेशा अपना ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ रखती हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखती हूँ कभी आपने देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे रखा हुआ है बिल्कुल भी नहीं है ना हमेशा मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखती हूँ तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है जो साइज है उसकी वो आप कहां से कैलकुलेट करोगे बच्चों वो आप कैलकुलेट करोगे इधर से यानी कि Y एक्सिस से तो अगर कि ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ? जो कि हमेशा ही रखा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उसकी जो हाइट होगी वो आप कहाँ से मेजर करोगे Y एक्सिस से कौन सी Y एक्सिस पॉजिटिव Y एक्सिस है ना ये जो इमेज की ऑब्जेक्ट की जो आ, हाइट है या जो उसका साइज है ये आपने मेजर किया y एक्सिस से कौन सी y एक्सिस पॉजिटिव आए एक्सिस तो भाई जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी हमेशा पॉजिटिव ही होगी हमेशा पॉजिटिव होगी पूछो क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं भैया और थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो क्या कभी ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव हो सकती है अगर सपोज मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख दिया आपके अगर मैं मानूँ तो चलो रख दिया रखने के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है इसको मैं कैसे मेजर करूंगी मैं मेजर करूंगी वाई एक्सिस से लेकिन ये वाली वाई एक्सिस कैसी है नेगेटिव है तो क्या मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव हो जाएगी ऐसा कभी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट आप बोल रहे हो माइनस थ्री सेंटीमीटर दैट डजेंट मेक एनी सेंस है ना तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं जिसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमेशा आएगी पॉजिटिव ये चीज़ हो गई क्लियर अब बची क्या इमेज की हाइट अच्छा इमेज अब अगर कौनके मिरर है मेरे पास तो इमेज कैसी बनती है रियल बन गई वर्चुअल बन गई लेकिन फिर इन्वर्टेड और इरेक्ट भी तो आ जाती है रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकली रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कैसी हो जाती हैं कौनके मिरर के इसमें इन्वर्टेड हो जाती है यानी कि घूम जाती है पलट जाती है उल्टी हो जाती है तो भाई अब आप इस घूमी हुई इन्वर्टेड इमेज की जो लेंथ है जो हाइट है वो कहाँ से मेजर करोगे नेगेटिव एक्स एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस से तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की सॉरी जो इमेज uh, की जो हाइट है वो कैसी होती है भाई नेगेटिव होती है क्यों क्योंकि आपकी जो इमेज है वो कैसी है रियल एंड इन्वर्टेड है लेकिन यहाँ पे मैं ऑलवेज नहीं लिखूंगी जैसे मैंने ऑब्जेक्ट के लिए मैं बोल सकती हूँ ऑलवेज क्यों क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा भले ही कौन के ले लो भले कॉन्वेक्स मिरर ले लो लेकिन हाँ इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव हो सकती है कब जब इमेज उल्टी बनेगी तो हमें डिस्टेंस जो है ना हमें जो इसकी हाइट है वो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस से लेनी पड़ेगी लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बन गई वर्चुअल मतलब कहाँ मिरर के पीछे मिरर के पीछे और वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा साथ में होते हैं तो वर्चुअल या आपको इमेज दिख रही होगी ऑब्जेक्ट की ठीक है ये इमेज देखो ये कैसी है ये है आपकी आ, इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट यानी कि अपराइट है अब इसकी हाइट अगर आप नापोगे वाई एक्सेस से तो क्या कै, कैसे नापोगे पॉजिटिव वाई एक्सेस से नापोगे तो आपकी जो आ, इमेज है हाइट जो है आपकी इमेज की वो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्लियर हुआ आपको यही है साइन कन्वेंशन कोई तोप चीज नहीं है ठीक है ये सारे केसेस किस चीज के बच्चों ये हैं कॉन्केव मिरर के अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए हम क्या करते हैं हम इसको रब कर देते हैं ठीक है तो आपको ये समझ में आ जाएगा इधर देखो फिर से हम क्या करेंगे फिर से हम बनाएंगे एक कौन सी प्लेन एक बनाएंगे हम एक्स वाई प्लेन चलो बनाते हैं ये बनाई हमने एक्स ये बनाई हमने वाई ये बना लिया हमने इसका ओरिजन अब हम लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर को भी हमें कैसे लेना है बच्चों कुछ इस तरीके से कि उसका जो ओरिजन उसका जो पोल है वो हमारे इस ओरिजन को क्या करे कौनसाइड करें तो एक काम करते हैं इसको हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो ये ठीक है ये बन गई क्या कॉन्वेक्स मिरर अभी नहीं बना है अभी इसको पॉलिश तो करने दो ये हो गई इसकी पॉलिशिंग अब इसका जो ओरिजिन है इसका जो पोल है मिरर का वो कॉन्साइड कर रहा है किसके साथ हमारे प्लेन के ओरिजिन के साथ अब इस केस में भी हमको यही चीज़ें निकालनी है और कोई चीज़ें निकलेगी सबसे पहले हम बात करते हैं यू की यू मतलब क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ये भी क्या है कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके सामने ही आप क्या रखोगे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये लो रख दिया आपने क्या अपना ऑब्जेक्ट अब ये कौन सी एक्सिस पे ले रहे हैं हम ये हम ले रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस ये ले रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस ये ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये ले रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना तो अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑन द एक्स एक्सिस अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछूं आपसे मिरर से, से लेकर के तो आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसे कैलकुलेट करोगे नेगेटिवली क्यों क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है उसका डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे नेगेटिव एक्स एक्सेस से मेजर करोगे ठीक है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस समझ में आया फिर हम बात करते हैं इमेज के डिस्टेंस की फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है भाई हमेशा वर्चुअल हमेशा वर्चुअल कॉनकेव वेरी कर रहा था कि एक मेजोरिटी केसेस में वो इन्वर्टेड बना रहा था ठीक है इन्वर्टेड बना रहा सॉरी रियल बना रहा था रियल इन्वर्टेड और एक केस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा था लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों वो तो हमेशा कैसी बनाता है वो हमेशा अपनी इमेज बनाता है वर्चुअल यानी कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी इधर पे बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा ठीक है इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर uh, से वो कैसा हम लेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव एक्स से कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज हमेशा क्यों क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनने वाली है फिर बात करो फोकल लेंथ की तो भाई फोकल लेंथ आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कहाँ बनता है उसके पीछे बनता है तो सपोज यहां कहीं फोकल लेंथ बनी फोकस बना है तो फोकल लेंथ कैलकुलेट आप कहाँ से करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करोगे तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी पॉजिटिव वो भी हमेशा ऑलवेज क्यों क्योंकि फोकस हमेशा ही मिरर के पीछे बनने वाला है ठीक है फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट की साइज या ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है और हमेशा कैसे रखोगे आप बच्चों अपराइट ही रखोगे कभी आप नेगेटिव हाइट वाले नेगेटिव हाइट तो कुछ होती ही नहीं है ऑब्जेक्ट की है ना तो हमेशा आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट आप कहाँ से मेजर करोगे भैया हमेशा मेजर करोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस से तो एच ओ क्या हो जाएगा एच ओ हो जाएगा अपना पॉजिटिव ऑलवेज है ना यहाँ पे भी हमने देखा था कॉनकेव केस में भी फिर इसके बाद में आती है बारी हाइट ऑफ द इमेज की यानी कि साइज ऑफ द इमेज अब जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है बच्चों वो बन रही है हमारी वर्चुअल इमेज है यानी कि इरेक्ट इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट इरेक्ट मतलब क्या अपराइट तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम कहाँ से लेंगे बच्चों पॉजिटिव y एक्सिस से लेंगे यानी कि जो हमारी h i है इमेज की जो साइज है वो भी कैसी होगी पॉजिटिव होगी हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में आपको हमेशा हमेशा मेरे से ज्यादा दिख रहा है क्यों क्योंकि वर्चुअल एंड एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बननी है वर्चुअल बनेगी तो v हमेशा क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा इरेक्ट बनेगी इसलिए जो इमेज का जो हाइट uh, है वो भी कैसी होगी पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट की तो पॉजिटिव हाइट होनी ही है तो इसलिए ये भी हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव फोकल लेंथ भी आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो कहाँ बनता है बच्चों मिरर के पीछे बनेगा यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा और इसके बाद में क्या आया आपका बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वो तो भाई आपको माइनस या जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उससे लेना ही पड़ेगा इसलिए वो आपका आ जाएगा हमेशा क्या नेगेटिव यानी कि यू जो है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों नेगेटिव ही रहेगा हमने कॉनकेव मिरर के भी केस में देखा था नेगेटिव आ रहा था और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हमने देख लिया ठीक है कॉनकेव में क्या होता रहा था इमेज जो है अगर रियल है तो नेगेटिव अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव आएगी ऑलवेज नेगेटिव आएगी क्यों क्योंकि हमें पता है कि भाई जो फोकस है कौन कैम मिररर का वो कहाँ बनता है मिरर के आगे बनता है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनता है फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो तो हमेशा पॉजिटिव इमेज का जो साइज है वो हम बोल सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड के, के केस में चेंज हो जाएगा साइन कन्वेंशन बस इतने से ही है गई आपको बात समझ में ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है साइन कन्वेंशन अब आ जाओ कि भाई थ्योरी कहाँ है अब ये रही आपकी थ्योरी साइन कन्वेंशन की जो आप पूछ रहे थे तो देखो इन रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स वी यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ठीक है फॉर फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेज जब हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ते हैं उनसे द्वारा बनने वाली जो इमेजेस हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ता है वेरियस डिस्टेंसिस uh, को मेजर करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेसन साइन कन्वेंशन क्या है भाई द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एट द ओरिजिन ये मैंने आपको बताया था कि जो न्यू कार्टेसन प्लेन है या इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा न्यू कार्टेसन प्लेन है उसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं या फिर एक और नाम यहाँ पे देख लो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं तो उसमें एक्स वाई प्लेन होती है तो आपको इस तरह से मिरर को रखना है कि उसका जो पोल है वो कहाँ आए हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन के ओरिजिन में और जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ आए एक्स एक्सिस में आ जाए ठीक है फिर इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है ठीक है द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर दैट इज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड देखो इस पॉइंट को अगर आप ना भी समझो तो भी आपको अपने आप अप समझ में आ जाएगा कैसे हमने देखा था कि हमने ये बना दी एक्स वाई प्लेन है ना ये बना दी हमने एक्स वाई प्लेन यहाँ जगह यहां देख लो ये हमने बना दी एक्स वाई प्लेन हमने बोला कि हमें ऐसा मिरर को रखना है कि उसका जो पोल है वो कहाँ आए ओरिजिन में आए तो हम कैसे रख देते हैं इसको ऐसे रख देते हैं कॉन्वेक्स को भी हम कैसे रख रहे थे बच्चों हम ऐसे ही रख रहे थे तो दोनों ही केसेस में जो ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में ही तो आ रही है यानी कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ ही तो आ रही है है ना तो इस चीज़ को अगर हम ना भी समझें इस रूल को इस साइन कन्वेंशन को हम ना भी समझे तो भी हमें पता है भैया कि हम अपना ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखेंगे टूवर्ड लेफ्ट साइड ही रखेंगे क्यों क्योंकि हमारा मिरर मिरर ही उधर है है ना जहां पे रिफ्लेक्टिंग होगा का, का वही हमें रखना ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद में थर्ड क्या है ऑल द डिस्टेंसेज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर क्या बोल रहे हैं ये अब जितने भी डिस्टेंसेज हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है जो कि पैरेलल uh, एक्सिस के सॉरी uh, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे उन सबको हम कहा से मेजर करेंगे पोल से ही मेजर करेंगे देख रहा है भाई जब हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया था वो भी हमने पोल से किया था जब इमेज का डिस्टेंस हमने मेजर किया था वो भी पोल से किया था फोकल लेंथ तो हम पोल से ही मेजर करेंगे ठीक है चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है द डिस्टेंस इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव ठीक है वो डिस्टेंसेस जो कि जैसे कि हमने देखा कि टू वर्ड्स हम कहा जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे तो उन्हें हम क्या लेंगे नेगेटिव और दूसरी तरफ क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे द इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज नेगेटिव द दाइट्स मेजर्ड अपवर्ड्स दैट इज अब द एक्स एक्सिस एंड पर पेंडिकुलर टू मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे है ना वर्चुअल इमेज के लिए इरेक्ट uh, इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा क्या लेंगे इमेज हम पॉजिटिव लेंगे हाँ अगर वो क्या बन जाए इन्वर्टेड बन जाए दम चलास है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हाइट्स मेजर्ड डाउनवर्ड्स दैट इज बिलो द एक्स एक्सेस द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द मिरर आर टेकन एज नेगेटिव जब वो नीचे चली जाएगी ठीक है यानी कि x एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो उसे हम कहा लेंगे नेगेटिव लेंगे क्यों क्योंकि उसको हम मेजर करेंगे हाइट जो होती है हमारी ऑब्जेक्ट की आ, या फिर इमेज की उसे हम y एक्सिस से लेते हैं distances को हम x एक्सिस से लेंगे लेकिन y जो हाइट uh, होती है उसे हम हमेशा y एक्सिस से ही लेते हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ इधर देखो द डिस्टेंस इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट लाइट तो कहाँ से आ रही है लेफ्ट से आ रही है तो इसको हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे बेटा इसको आप कर लो नेगेटिव और इस चीज को कर लो आप पॉजिटिव ठीक है इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उसे हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट में जो डायरेक्शन होगा उसे हम लेंगे पॉजिटिव तो इन दोनों लाइन को आप ध्यान से सही कर लो यहाँ पे आएगा क्या नेगेटिव यहां पे आएगा पॉजिटिव और डिस्टेंसिस को तो हमें पता है ये डिस्टेंसिस का देख लिया हाइट का भी हमने देख लिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव ऑल द पॉइंट्स ऑफ द न्यू साइन कन्वेंशन कार्टेटेड अब रिस्पेक्ट टू द कॉन्केव ये कॉन्केव मिरर के केस में है द सेम इज ट्रू फॉर द कॉन्वेक्स मिररर हमने सेम प्लेन पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को रख के देखा था और दोनों के ही जो रिजल्ट थे वो सेम आए थे कोई डाउट तो नहीं है इसमें इसको ध्यान से पॉजिटिव नेगेटिव कर लेना ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव इंसिडेंट रे वाला जो डायरेक्शन होगा दैट इज कौन सा नेगेटिव और जिसके ऑपोजिट में आएगा वो से हम लेंगे पॉजिटिव जहाँ पे हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है ऑब्वियसली है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो चलो ये हो गई आपका क्या थ्योरिटिकल क्या? पार्ट हो गया अब ये डायग्राम है कई बार किताबों में डायग्राम दिया रहता है ठीक है डिस्टेंसिस टू वर्ड्स लेफ्ट ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है उसे ध्यान से सही कर लेना बार बार बोल रही हूँ नहीं तो फिर जो है ना डाउट करोगे कि मैम आपने तो ये बताया था लेकिन नोट्स में तो ऐसा लिखा है उससे आप ध्यान से सही कर लेंगे फिर यहां से जो डिस्टेंस लेंगे टुवर्ड्स राइट यानी कि इंसिडेंट रे का जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है और जो हमारी वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ कौन सी होती है पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हम कहां से लेंगे पॉजिटिव आई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस से और अगर वो हमारी इमेज कैसी हो गई उल्टी हो गई है ना इन्वर्टेड हो गई तो हम उसे कहाँ से लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस से लेंगे ठीक है ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों ये एग्जाम्पल है डायग्राम है आ, कौन मिरर का था ये रहा हमारा कॉनवेक्स मिरर इसमें भी आप देख लो ठीक है इसे आप क्या लोगे पॉजिटिव इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव इस डायरेक्शन को नेगेटिव इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखोगे तो आप कभी भी साइन कन्वेंशन नहीं भूलोगे आई बात आपको समझ में तो ये थे भाई साइन कन्वेंशन और इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट तो आज हमने साइन कन्वेंशन देख लिए दोनों के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए मैंने आपको ये बाद में क्यों पढ़ाया है स्पेरिकल मिरर्स के बाद में क्योंकि अब आपको स्पेरिकल मिरर्स के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई है तो मेरे लिए आपको समझाना ही आसान हो गया कि फोकस कहाँ बनेगा ठीक है इमेज कहां बनेगी वर्चुअल कैसी इन्वर्टेड कैसी इरेक्ट कैसी ये सब आपको ऑलरेडी अब आप पता है तो मेरे लिए आपको चीज समझाना हो गया आसान इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन आपको बढ़ाए हैं बाद में अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे uh, कुछ यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर तो आई होप आपने इस लेक्चर को करा होगा एंजॉय मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए चीज़ों के साथ देखेंगे कि भाई इतना जो हम पढ़ रहे हैं स्पेरिकल मिरर्स उनका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है क्या हमने खुद का भी यूज़ किया है या नहीं किया है वो भी हम देख लेंगे तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आपको क्या करना है हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेंस डॉट कॉम उसको विजिट कर लेना जहाँ पे हमारे आ, सभी चैप्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिलते हैं आपको प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक के होंगे वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू हेलो एवरीवन इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ स्पेरिकल मिरर्स तो भाई अभी तक जितने भी बातें हमने पढ़ी हैं स्पेरिकल मिरर्स की जितनी भी थ्योरी पढ़ी है अब बारी आती है उस पूरी थ्योरी को अप्लाई करने की इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि फोकस पे रखो तो इमेज कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो तो कहाँ बनेगी वर्चुअल रियल इन्वर्टेड इरेक्ट तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं सवाल ये उठता है कि क्या कभी हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया है बिल्कुल किया है पता नहीं चला वो बात अलग है है ना तो आज इस लेक्चर का मैं टारगेट आपको बता देती हूँ कि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ फेरिकल मिरर्स और इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ और कब कब फेरिकल मिरर्स को यूज किया है डेली किया है या कभी कभी किया है ये भी पता चल जाएगा तो टारगेट हो गया फिक्स तो so, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर सो so, दिस इज विभूति खरे वेलकम टू तो मैग्नेट ब्रेन जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं क्या यूज ऑफ स्पेरिकल मिर और वो भी कौन सा स्पेरिकल मिरर कॉन्केव मिररर ठी है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के साथ कॉनकेव मिरर में भी क्या पढ़े सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं ठीक है समर वेकेशन के टाइम पर जो भी वेकेशन लगती हैं तो बचपन में हमारा रूटीन क्या होता था उठे और उठ के बैठ गए टीवी के सामने और टीवी के सामने दिन भर कार्टून तो ज़रा आप सोचो जो टीवी में आप डिफरेंट चैनल्स अकेले कार्टून चैनल ही नहीं डिफ़रेंट चैनल्स आप देख रहे हो वो कैसे देख पा रहे हो तो आप बोलोगे कि मैम हमारे घर के ऊपर लगा हुआ है टेरेस पे या कहीं भी एक डिश एंटीना और उस डिश एंटीने से के थ्रू डिफरेंट जो ना सिग्नल्स आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के जिसके कारण हम अपने आ, जो टी वी है टेलीविजन है उस पर बैठ के डिफरेंट चैनल्स देख पाते हैं बिल्कुल सही बात है तो भाई आप जो डिफरेंट टी वी चैनल्स इंजॉय कर रहे हो क्यों कर पा रहे हो क्योंकि आपके छत के ऊपर लगा है आपके टेरिस पे आपकी बालकनी में लगा हुआ है एक डिश एंटीना डिश एंटीना का कभी अगर आपने शेप नोटिस किया हो तो वो कैसा रहेगा थोड़ा सा मैं बोल्ड उससे बनाती हूँ क्लियर हो जाएगा ठीक है ये रहता है कुछ आपका डिश एंटीना इस तरह से कर्व्ड सरफेस होता है और उसके सेंटर पे आपको इस तरह का एक माइक देखने को मिलता है मिलता है ये जो पूरा खेल है ना ये पूरे एंटीने का ही है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट सिग्नल्स रिसीव करने का काम ये एंटीना का ही होता है बिना एंटीना के आप अपने घर में डिफरेंट चैनल इंजॉय नहीं कर सकते इनफैक्ट अगर मैं बोलू कि पूरा खेल इसके शेप का है एंटीना तो ठीक है एंटीना को कोई और भी तो इंटरेस्टिंग शेप बना सकते थे ऐसा ही क्यों कि एक बना दिया कर्व सरफेस एक डिश के सामान उसकी वो होती है इसलिए इसको हम एंटीना डिश कहते हैं ऑब्वियसली बात है डिश एंटीना ठीक है एक डिश शेप की क्या होती है डिवाइस होती है उसके सामने लगा होता है एक माइक ऐसा ही उठ सा शेप क्यों बनाया कुछ अच्छा बना लेते तो रीज़न है बच्चों क्या रीज़न है तो अगर आपको याद होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉन्केव मिरर जैसा नहीं दिख रहा बिल्कुल दिख रहा है ये कॉन्केव मिरर ही है क्या होता है बच्चों जब मैंने आपको बताया था कॉनकेव मॉनकेव मिरर पे जब लाइट आती है इन्फिनिटी से तो वो जब इन्फिनिटी की लाइट आती है जो कि पैरेलल होती है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो जैसी वो लाइट आएगी इन्फिनिटी से जो कि पैरल होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कैसी हो जाएगी फोकस पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी क्यों क्योंकि हमारा कॉन्केव कन्वर्जिंग होता है है ना कन्वर्ज हो जाएगी कहाँ फोकस पे तो इसी रूल को फॉलो करते हैं हम कहाँ अपने अपने डिश एंटीना में कैसे तो ये देखो ये जो आपको कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखता है ये उसकी होती है डिश ठीक है अब इस पे आती है कौन इस पे आती है भाई सोलर रेडिएशंस यानी कि आप बोल सकते हो सन रेडिएशंस अब देख लो भैया आ गया ना एप्लीकेशन मैं आपको बार-बार एक ही चीज बोलती थी कि इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रेज आती है उन्हें आपको पैरेलल ही मानना होता है वो आप अज्यूम करो मान लो ऐसा कि इंफिनिटी से जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो पैरेलल ही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ये एक एप्लीकेशन उसी का है यू you नो know, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है यानी कि पे होता है, तो उससे आने वाली इंसिडेंट रेस को हमें रेडिएशन यानी कि इंसिडेंट रेस ये क्या होगा इस ये जो डिश लगा हुआ है हमारे डिश एन टीने का इस डिश पे जो है ना स्ट्राइक करेंगी और जो कि ये इंसिडेंट रेस पैरल है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा कहां से पास करेंगी फोकस से पास करेंगी ये लो करा दिया मैंने क्या इनको पास फोकस से फोकस से ये जैसे ही पास करेंगी तो ऑब्जर्व करोगे कि इस पॉइंट पे जो फोकस है वहीं पे लगा होता है क्या एक माइक माइक जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअली वो माइक नहीं होता है वो क्या होता है रिसीवर होता है या उसको आप रिसेप्टर भी बोल सकते हो ये क्या करता है जो भी आ, एक मिनट मैं सनरेज क्यों बोल रही हूँ ये तो सिग्नल्स होने चाहिए ना सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं रियली सॉरी बच्चों फिर से देख लो ठीक है अब कन्फ्यूज मत हो ना मैं बता दे रही हूँ कि मुझसे क्या गड़बड़ी हुई देखो ये क्या था ये था आपका डिश एंटीना का आ, डिश ठीक है और इधर पे क्या लगा हुआ था एक माइक लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ था है ना देखा होगा आपने अपने घरों में अब क्या होता है इस डिश एंटीना पे क्या आ रहा है आ रही है सिग्नल्स सिग्नल्स कहाँ से, से, से आ रहे हैं सैटेलाइट से आ रहे हैं

तो वो होंगे पैरेलल हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है एंड डिश का ये क्या है एक तरह का कॉनकेव मिरर ही होता है तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली सिग्नल्स आएंगे कहां से सिग्नल्स आएंगे तो सैटेलाइट से सिग्नल्स आएंगे अब आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर सिग्नल आ रहे हैं यानी कि वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और ये जो माइक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम एक्चुअली रिसीवर कहते हैं या रिसेप्टर कहते हैं ये रिसीवर और रिसेप्टर एग्जैक्टली कहाँ होता है फोकस पॉइंट पे ही होता है ये जो आपका डिश है ना इसकी एग्जैक्टली फोकस पॉइंट प्रेजेंट होता है क्या रिसीवर uh, या रिसेप्टर जो कि क्या करता है जितनी भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कन्वर्ज कर लेता है अपने में और यही जो रिसीवर है जो रिसेप्टर है इसके कारण ही हमको अपने टेलीविजन चैनल्स पे टेलीविजन स्क्रीन पे डिफरेंट चैनल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो चैनल्स देखने को मिल रहे हैं वो इसी वजह से क्यों क्योंकि ये सभी सिग्नल्स को सैटेलाइट से आ रही सभी सिग्नल्स को क्या कर लेता है कन्वर्ज कर लेता है एक पॉइंट पर आ जाती है और उसी पॉइंट पर लगा होता है रिसीवर आई बात आपको समझ में तो मैंने क्या बोला आपसे फिर से सुन लो कॉनकेव मिरर का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे घर में जो टेलीविजन uh, स्क्रीन के साथ अटैच्ड जो डिश एंटीना होता है वो उसमें क्या सिस्टम होता है भाई कि इस तरह से एक डिश बनी होती है कॉनकेव स्ट्रक्चर की उसके सामने लगा होता है एक माइक जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर या सिग्नल सेटेलाइट से आ रही जो सिग्नल्स होती हैं एक्जैक्टली exactly वो रेडियो वेव्स होती हैं ठीक है थीके? वो क्या होती है रेडियो वेव्स होती हैं ये रेडियो वेव्स क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं तो ऑब्वियसली बात होगी क्या कि ये पैरल ही आएंगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पार्लेल. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल जो आती है इंसिडेंट रेज वो रिफ्लेक्शन के बाद कहा जाती है फोकस पे क्रॉस करती हुई चली जाती है तो जैसे ही रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी कहा एक फोकस पे उसी फोकस पे जाकर के हम रख देंगे कहा क्या अपना रिसीवर यानी कि अपना रिसेप्टर वो क्या करेगा जितनी भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स आ रहे थे उनको आपस में कन्वर्ज करा देगा एक पॉइंट पे और इसी वजह से हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे जो डिफरेंट हमें चैनल्स देखने को मिलते हैं वो हम देख पाते हैं एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया अब आ जाओ सोलर एनर्जी पे, ठीक है जब अभी मैं सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी कर रही थी सोलर रेज अब आ जाओ उस पर अब हम बनाते हैं खाना खाना ऐसे नहीं नॉर्मली नहीं बनाएंगे खाना ठीक है हम एक काम करेंगे हम सनलाइट से बनाएंगे यानी कि हम यूज़ करेंगे क्या सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी से हम खाना बनाएंगे क्या करेंगे तो एक लेंगे हम सोलर कुकर सोलर कुकर ले लिया लेकिन अब क्या करें फिर हमारे पास होनी चाहिए क्या एक सोलर फर्नेस अगर लेने से कुछ नहीं होगा ठीक है आपको चूल्हा भी लेना पड़ेगा चूल्हा मतलब क्या हमारी सोलर फर्नेस इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है कौन के मिरर का ही होता है इस तरह से अब सन भी क्या है इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से आ रही जो अब होंगी सन रेज वो कैसी होंगी पैरेलल होंगी किसके पैरेलल होंगी भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी आ जाने दो ये आ गई क्या अपनी पैरेलल इंसिडेंट रेज यानी कि इंसिडेंट सन रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये कहाँ आ जाएंगी कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे ठीक है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे फोकस और उसी फोकस पे ला करके रख देंगे हम अपना कुकर सोलर कुकर तो क्या होगा जितनी भी रेडिएशन गिर रही थी सन रेडिएशन गिर रही थी एक कॉन्केव मिरर के ऊपर यानी कि हमारे सोलर फर्नेस के ऊपर उसको वो क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है एक पॉइंट पे फोकस पे और उसी फोकस पे जब हम अपना कुकर जा जाकर के रख देंगे तो क्या होगा तेज रेडिएशन क्योंकि सारी ही रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है एक पॉइंट पे आ गई हैं तो सोचो कितनी ज्यादा हीट हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे तो जब वहां जाकर के आप रख दोगे कुकर तो खाना बन जाएगा बन गया हमारा खाना ठीक है तो एक क्या हो गया उसका सिग्निफिकेंस uh, एक एप्लीकेशन क्या होगा एक तो हमारा जो डिश एंटीना में लगा रहता है टेलीविजन uh, के साथ जो जुड़ा जो होता है उससे कि जो रेडियो वेस्ट जो होती है वो इकट्ठा कर लेता है और एंटीना और उस सॉरी uh, जो डिश एंटीना होता है वो और उसे कन्वर्ट कर देता है कहाँ फोकस पे जहाँ पे रिसेप्टर या रिसीवर लगा होता है जो कि सभी सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है उसी तरह से जो सोलर फर्नेस है वहाँ पे क्या होता है सन से आ रही जो सोलर रेडिएशंस है उसको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे फोकस पे जब सभी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी हीट हो गई तो कुकर रख दो खाना बन गया ठीक है दो एप्लीकेशन समझ में आ गई अब इसके बाद में आ जाओ टेलीस्कोप पे टेलीस्कोप में भी हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं अच्छा देख लेते हैं कैसे इस पे भी हम बोलते हैं बच्चों की सेम मेथड फॉलो होता है क्या होता है कि ये रहा क्या अपना टेलीस्कोप ठीक है ये रहा अपना टेलीस्कोप इसका एक नैरो एंड होता है और एक होता है ब्रॉड एंड तो नैरो एंड से हम क्या करते हैं बच्चों हम देखते हैं ठीक है और ये जो ब्रॉड एंड होता है ब्रॉड एंड के ऊपर इस तरह से लगा होता है क्या एक आई पीस ठीक है क्या लगा होगा बच्चों एक आई पीस होगा अब क्या होता है कि जो भी आप देख रहे हो स्काई में ठीक है सपोज आप क्या देख रहे हो तारे देख रहे हो एक आपने क्या देखा स्टार देखा अब स्टार से भी तो क्या आएगा स्टार भी क्या है एक सोर्स है लाइट का तो इससे भी क्या आएंगी कुछ रेडिएशन्स आएंगी आने दो आने के बाद क्या होता है ये आ गई क्या रेडिएशन्स अब आपको पता होगा कि हमारे जो सन है जो स्टार है वो भी क्या है एक इन्फिनी डिस्टेंस पे है तो इन्फिनी से आने वाली जितनी भी रेडिएशन्स होंगी वो कैसी होंगी बच्चों वो होंगी पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अब यहां पे लगा होता है क्या बच्चों एक हमारा कॉनकेव मिरर लगा है कॉनकेव मिरर एक काम करते हैं मैं बीच वाली जो आ, रे है उसको मैं हटा देती हूँ वरना यहाँ पे दिक्कत होगी ठीक है ये लो क्या हुआ था भाई स्टार को आप देख रहे थे ठीक है स्टार से क्या आई कुछ इंसिडेंट रेज आई पैरल थी किसके पैरल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस का हमारा कॉनकेव मिरर यहाँ लगा हुआ था अब क्या हुआ जैसे ही इंसिडेंट रेज फॉल करेंगी क्योंकि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद आ जाएंगी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी कहाँ फोकस पे आ गई फोकस पे अब इस फोकस पे बच्चों लगा होता है क्या एक और मिरर वो मिरर क्या करता है कि जितनी भी लाइट आ रही थी इस फोकस पे उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा कहां इस आई पीस पे ठीक है कहां डाल देगा इस आई पीस पे इस आईपीस के पास लगा होता है लेंस लेंस क्या करता है जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी उस लेंस पे उसको वो कर देगा मैग्नीफाई मैग्नीफाई कर देगा इसलिए आपको जो स्टार की जो इमेज है वो बड़ी दिखने लगेगी आई बात आपको समझ में क्या बोला मैंने कि एक जो टेलीस्कोप है आपको आपको दिख रहा होगा एक होता है क्या इसका ब्रॉड एंड और एक होता है एंड ब्रॉड एंड से क्या होता है Uh, जो स्टार हैं जो भी आप देख रहे हो सेलेस्टियल बॉडी सपोज आप स्टार देख रहे हो तो स्टार से निकलती है क्या जो कि एक सोर्स है लाइट uh, का तो उससे क्या निकली इंसिडेंट रेज निकली इंसिडेंट रेज क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कैसी होंगी पैरेलल होंगी नैरो एंड पे लगा होता है क्या एक कॉन्केव मिरर ठीक है कॉन्केव मिरर होगा तो जैसे इंसिडेंट रेज आएंगी इस इसपे क्या होंगी स्ट्राइक करेंगी पैरेलल थी इसलिए कन्वर्ज हो के फोकस पे आ जाएंगी इस फोकस पे लगा होता है एक और मिरर जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है सभी रेडिएशन को फोकस पे आने वाली कहा आई पीस पे आई पीस पे लगा होता है क्या एक लेंस लेंस क्या कर देगा वो जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन उनको मैग्नीफाई कर देता है बड़ा कर देता है इसलिए जब आप यहां से देखोगे ना आई पीस से आपको क्या देखेगा स्टार का बड़ा सा शेप देखने लगेगा मैग्नीफाइड इमेज देखने लगेगी आपको स्टार्स की ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ कौन के के, की वजह से क्यों अगर ये ना होता तो इसको इस पॉइंट पे कन्वर्ज कौन करता सभी रेडिएशंस को है ना अगर ये नहीं होता तो सभी रेडिएशंस को कन्वर्ज कैसे कर पाता ये फोकस पे फोकस पे अगर सभी रेडिएशन कन्वर्ज नहीं होती तो ये जो सेकेंडरी मिरर है वो रिफ्लेक्ट कैसे करता आई पीस पे पड़ी लेंस को आगे बात समझ में आपको तो तीन एप्लीकेशंस कौन कौन सी बताई एक तो डिश एंटीना में होने वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको भी जो है ना कॉनकेव मिरर क्या कर लेता है कन्वर्ज uh, कर देता है ना सिर्फ लाइट रेडिएशन बल्कि रेडियो वेस्ट भी कर लेगा फिर इसके बाद में सोलर फर्नेस खाना बना लिया हमने और फिर इसके बाद में खाना बना के हमने स्टार्स भी देख लिया टेलीस्कोप से क्लियर है आप सबको अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे एप्लीकेशंस uh, की टॉर्च और गाड़ियों में लगे जो हेडलाइट्स होती हैं भाई वहां पे भी क्या होता है कॉनकेव uh, मिरर का यूज होता है कैसे तो जब हम टॉर्च या हेडलाइट्स का यूज़ करते हैं बच्चों तो हमारा एम क्या होता है कि हमें क्या मिले एक पैरेलल बीम मिले है ना ये रही आपकी टॉर्च टॉर्च जब भी आप यूज करते हो तो टॉर्च आप यूज़ क्यों करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखने के लिए है ना लाइट कब जलाते हो लाइट जब आप जलाते हो जब आपको पूरे रूम में लाइट चाहिए होती है ट्यूबलाइट कब जलाओगे बल्ब कब जलाओगे जब आपको पूरे कमरे में लाइट चाहिए लेकिन अगर आप एक अंधेरे कमरे में आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है है ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको देखना है तो आपका काम टॉर्च से भी हो सकता है क्यों क्योंकि टॉर्च या फिर हेडलाइट गाड़ियों की हेडलाइट चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो टॉर्च या गाड़ियों की जो हेडलाइट है उनसे निकालने वाली जो लाइट रेज होती है ना बच्चों वो कैसी होती है एक पैरल बीम होती है पैरल बीम यानी कि इनसे निकलने वाली जो लाइट है बच्चों वो हर डायरेक्शन में नहीं जाएगी ट्यूबलाइट या बल्ब की तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी यूनी डायरेक्शनल होती है इनकी लाइट किसकी टॉर्च और हेडलाइट्स की यानी कि इनसे निकलने वाली लाइट जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि वो एक पैरेलल बीम बना करके निकलेगी समझे एक पैरेलल बीम बना करके निकलती है क्या टॉर्च की लाइट तो आपको पता होगा बच्चों कि जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो हमको पैरेलल रेज कब मिलती थी पैरेलल रेज हमको मिलती थी जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता था फोकस पे तो यहाँ हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बल्ब को रख देंगे कहाँ फोकस पे ठीक है ये रखा हुआ है क्या हमारा बल्ब इस बल्ब को रखा हमने कहाँ फोकस पे और उसके आगे हमने क्या लगा दिया एक कॉनकेव मिरर लगा दिया अब क्या होगा जैसे ही फोकस पे हमने बल्ब को रखा उससे जो लाइट निकलेगी ठीक है लाइट उससे निकली और कहां पड़ी मिरर पे पड़ी ठीक है मिरर पे पड़ने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको एक पैरल बीम मिल जाएगी यही तो चाहिए था हमें तो टॉर्च और के केसेस में क्या बताया मैंने आपको कि कॉन्केव मिरर का यूज क्यों हो रहा है क्योंकि बच्चों जब हम टॉर्च की बात करते हैं या गाड़ियों की हेडलाइट की बात करते हैं तो हमें हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जाए हर डायरेक्शन में ना हो जाए अगर आपको एक अंधेरे कमरे में रोशनी करनी है तो आप लाइट यूज़ करोगे बल्ब यूज़ करोगे ट्यूबलाइट यूज़ करोगे लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपको रोशनी मिल जाए तो आप क्या यूज़ करोगे एक टॉर्च यूज़ करोगे क्यों क्योंकि आपको पता है कि टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी है वो सब जगह स्कैटर नहीं होगी एक डायरेक्शन में चलेगी यूनिडायरेक्शनल होता है इनसे निकलने वाली लाइट का पाथ ठीक है तो कैसे चलेंगी ये पैरल बीम बना करके चलेंगी पैरल बीम हमें कब मिलती है कौन के मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस पे तो इस केस में ऑब्जेक्ट कौन है बल्ब है तो बल्ब को हम कहाँ रख देंगे फोकस पे रख देंगे क्लियर है आप सबको तो इसकी वजह से हमको एक पैरल बीम मिल जाएगी फिर कई बच्चे बोलेंगे कि मैम जो गाड़ियों में जो हेडलाइट लगी होती हैं उसमें तो हमको ऐसा नहीं कि हमें एक स्ट्रेट बीम मिलती है पैरेलल बीम मिलती है हमको रोड भी दिखती है आजू बाजू के व्हीकल्स भी दिखते हैं बिल्कुल सही बात है ऐसा क्यों होता है क्योंकि कॉनकेव मिरर के अलावा गाड़ियों की हेडलाइट में एक डिफ्लेक्टर भी प्रेजेंट होता है ठीक है और ये जो डिफ्लेक्टर होता है क्या करता है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रही है उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है ठीक है थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से लाइट सिर्फ एक पैरल बीम में नहीं जाती थोड़ी बहुत ग्राउंड पे भी आ जाती है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि भाई गड्ढे तो नहीं है रोड में है ना और आजू बाजू की व्हीकल्स पे भी थोड़ी बहुत लाइट पड़ जाती है तो होता तो यूज कॉन्केव मिरर ही है लेकिन एक डिफ्लेक्टर लगा होता है जिसकी वजह से लाइट जो है थोड़ी सी स्केटर हो जाती है थोड़े थोड़े एंगल पे क्लियर है ये चीज आपको समझ में आ गई अब आ जाओ भाई मेकअप और शेविंग मिरर में मेकअप मिरर जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है हम ऑब्वियसली बात है मिरर को सामने रख के ही मेकअप करेंगे तो हम जब अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है बच्चों कि हम इमेज जो हमारी मिरर में बन रही है वो कैसी बने एंड बने थोड़ी बड़ी बने क्यों बड़ी बने क्योंकि हमें बहुत ही फाइन मेकअप करना पड़ता है तो जितनी ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी उस मिरर में ठीक है उतना ही ईजी होगा मेकअप करना हमारा जो एम है मेकअप करने के दौरान वो क्या होना चाहिए कि जो मिरर यूज़ कर रहे हैं हम मेकअप के लिए वो कैसा हो वो कुछ इस तरह की इमेज दे जो कि कैसी हो एलार्ज हो मैग्नेफाइड हो कॉनकेव मिरर का यूज़ हम कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि इससे इमेज हमको एलाज मिल सकती है कब मिलेगी ध्यान करो आखिरी वाला केस यानी कि जब आपको इमेज कैसी दिख रही थी वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली एनलास्ट। ये कब हो रहा था जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था फोकस और पोल के बीच में जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट uh, रखा होता है कॉन्केव मिरर में तो उससे बनने वाली इमेज कैसी होती है वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली एनलास्ट। यही चीजें तो हमको चाहिए है, है ना तो जब हम मेकअप मिरर वगैरह का यूज करते हैं उस टाइम पे हमारा एम क्या होता है कि जो इमेज बने मिरर में, uh, में वो कैसी बने थोड़ी सी बड़ी बड़ी एलार्ज बने और कैसी हो वर्चुअल भी हो और इरेक्ट भी हो इसके लिए हम कॉन्केव मिरर यूज कर सकते हैं लेकिन कॉन्केव मिरर में भी हमको अपना जो मुंह है वो कहां रखना पड़ेगा पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा अब ये हो गई गड़बड़ अब क्या करें अब क्या नापते बैठे कि यह रखा मिरर और ये है इसकी पोल अब फोकस लेंथ देखो उसकी कहाँ तक जा रही है क्योंकि हमें तो अपना मुंह जो है ना उसी के बीच में रखना है वरना इमेज कैसी बनेगी इन्वर्टेड बन जाएगी रियल बन जाएगी अगर हमें वर्चुअल चाहिए इरेक्ट चाहिए एलाज चाहिए तो हमें फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा अपना मुंह अब क्या करें हो गई मुसीबत तो इस मुसीबत को सॉल्व कैसे किया जाता है एक्चुअली जो कॉन्केव मिरर है ना जिनको हम शेविंग या मेकअप मिरर कहते हैं ये बने ही ऐसे होते हैं क्योंकि फोकल लेंथ बहुत दूर होती है तो ऑटोमेटिकली जब अपना मुंह आप इनके सामने रखोगे ना तो वो पोल और फोकल फोकस पॉइंट के बीच में ही आएगा क्यों क्योंकि इनकी फोकल लेंथ काफी बड़ी होती है आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है और लड़के ज्यादा खुश ना हो क्यों क्योंकि वो भी इसी मेकअप उस इसी मिरर का यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं शेविंग मिरर भी कहते हैं तो शेविंग और मेकअप मिरर दोनों ही कैसे होते हैं कॉनकेव होते हैं क्यों क्योंकि हमें कैसी इमेज चाहिए मेकअप और शेविंग मिरर के टाइम पे एलार्ज uh, चाहिए है वर्चुअल और इरेक्ट चाहिए है क्लियर हो गई आपको ये बात तो इस तरह के मेकअप और शेविंग मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं आई बात आपको समझ में फिर इसके बाद में जो मोस्ट पेनफुल डॉक्टर्स बोल लो जो कि डेंटिस्ट होते हैं ठीक है वो भी जो टूल्स यूज़ करते हैं उनके टूल्स में भी क्या यूज़ होता है एक कॉनकेव मिरर क्यों क्योंकि उनको भी जो दांत वो चेक कर रहे होते हैं उसकी एक एनलार्ज इमेज चाहिए है बड़ी इमेज चाहिए है तो बड़ी इमेज कैसी मिल सकती है इस तरह के कौनके मिरर से मिल सकती है वो भी क्या करेंगे कुछ इस तरह के कुछ इस तरह से अपने मिरर को एडजस्ट करेंगे कि जो पेशेंट के जो दांत हैं वो कहाँ आए मिरर के पोल और फोकस के बीच में आए ठीक है जिससे क्या होगा कि जो इमेज बनेगी मिरर पे वो एनलार्ज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी क्लियर है तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके थे बच्चों ये सभी यूजे सभी एप्लीकेशन थे कॉन्केव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के बहुत ज़्यादा होते नहीं है ठीक है कॉन्वेक्स मिरर के बहुत ज़्यादा होते नहीं है क्यों क्योंकि इसके तो दो ही केसेस हैं कैसी इमेज बनाता है ये वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एक होता है हाईली डिमिनिश्ड और एक होता है थोड़ी कम डेमिनिश यानी कि छोटी बनाएगा ये ठीक है तो जो कॉन्केव मिरर नहीं बना रहा था वो वर् कॉन्वेक्स मिरर हमारा बना देता है ठीक है जो आप स्ट्रीट लाइट वग़ैरह देखते हो उसमें कौन सी मिरर लगती है उसमें लगती है कॉन्वेक्स मिरर क्यों क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है डाइवर्जिंग मिरर है बल्ब से निकलने वाली जो भी इंसिडेंट रेज है उसको मिरर क्या कर देगा डाइवर्ज कर देगा हर डायरेक्शन में फैला देगा स्ट्रीट लाइट क्यों लगाते हैं ताकि जितना हो सके उतना ज़्यादा सड़क पे रोशनी आ जाए कब पॉसिबल होगा जब हम कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है बल्ब से मिलने वाली जो भी इंसिडेंट रेज है उसको वो डाइवर्ज कर देगा सेम जो व्हीकल्स में ऑटोमोबाइल्स में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं साइड में देखने वाले ठीक है उनमें भी कॉन्वेक्स लगता है क्यों लगता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश छोटी अगर आपने प्लेन मिरर लगा दिया सपोज तो क्या होगा प्लेन मिरर क्या करता है एग्जैक्ट साइज की इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा एग्जैक्टली exactly उसी साइज की इमेज भी बना देगा अब आपके गाड़ी के पीछे क्या है एक बड़ा सा ट्रक है और उस मिरर में उस ट्रक का केवल हेडलाइट आ रही है तो वो आपका प्लेन मिरर क्या करेगा आपको सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट की इमेज बना करके दे देगा अब आप बैठ के गेस्ट करना कि भाई ये हेडलाइट कार की है या स्कूटर की है कि ट्रक की है तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा है ना तो प्लेन मिरर हम यूज नहीं कर सकते कॉन्केव करके देख लो जब तक कि कॉन्केव मिरर, जब तक कि आपकी गाड़ी आपके कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ना आ जाए तब तक जो है ना आपको इन्वर्टेड रियल डिमिनिश्ड इनवर्टेड रियल डिमिनिश्ड इसी तरह की इमेजेस दिखने लगेंगी जब तक कि आपकी गाड़ी आपके कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ना आ जाए ना बच्चों तब तक आपको गाड़ी रियल इन्वर्टेड ही दिखती रहेगी और जब वो आएगी तब, तब तक तो काम हो चुका रहेगा इसलिए कॉन्केव मेरा भी नहीं बचा क्या कॉन्वेक्स क्यों क्योंकि बेसिकली एक तो यह हमको डिमिनिश्ड इमेज देगा है ना वर्चुअल देगा इरेक्ट देगा और डिमिनिश्ड भी देगा है ना छोटी देगा क्योंकि हमें सड़क पे चल रही जितनी भी ट्रैफिक है उन सबकी इमेज हमको चाहिए है यानी कि हमारा जो व्यू होता है ना वो बढ़ा देता है बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए इसको हम जो रियर व्यू मिररर्स हैं साइड व्यू मिररर्स उसमें यूज़ करते हैं तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन थे बच्चों और कॉन्वेक्स मिरर की आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इसी के साथ हमारा सेशन भी होता है फिनिश अब बारी आएगी किसकी मिरर फॉर्मूला की और मैग्निफिकेशन की उसे हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आपको क्या करना है हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट उसको विजिट कर लेना जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल सो डो विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अनदर डे अनादर डी सेशन तो बच्चों जैसा कि आपको पता है जो हमारा पैटर्न है पढ़ने का वो क्या है कि जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करते हैं कैसे रिवाइज करते हैं डी पी क्यू सेशन्स के साथ मतलब कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन के फॉर्म में जो भी अभी तक हमने पढ़ा है एक दिन पहले दो दिन पहले उन सबको हम कर लेंगे रिवाइज़ इससे दो फायदे होने वाले हैं एक तो रिविज़न हो जाएगा दूसरी चीज़ क्या कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि भाई अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो दोनों फायदा आपको मिल जाएंगे इसीलिए एक और डीपीक्यू सेशन आप सबके लिए सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे हम सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट्रीन आप सब तक पहुंचा रहा है एजुकेशन इनफैक्ट क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डी पी क्यू क्वेश्चन यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देखो बच्चों कल के लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था थोड़ा सा ही पढ़ा था सबसे पहले तो जिस तरह से हमने कॉन्केव मिरर जो इमेजेस बनाता है उनको ट्रेस करने के लिए रूल्स पड़े थे सिमिलरली हमने कॉन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बनाता है उनको ट्रेस करने के लिए भी रूल्स पड़े थे एंड वो रूल्स सेम ही हैं है ना कॉन्केव मिरर्स के लिए भी सेम होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम होते हैं बस फर्क क्या होता है दोनों मिरर्स का जो फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनमें फ़र्क आ जाएगा फिर इसके बाद में दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी कॉन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस सिर्फ दो ही थे एक तो हमने इन्फिटी पे रखा हुआ था और एक हमने इन्फिनी से लेकर के पोल के बीच में कहीं भी रखा हुआ था फिर नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी वो था साइन uh, कन्वेंशन है ना साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे क्यों पढ़े थे क्योंकि भाई हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर बेस्ड तो उन्हें ईजिली सॉल्व करने के लिए हमने साइन कन्वेन्शन्स पढ़ लिए फिर इसके बाद में हमने यूज़ एंड एप्लीकेशन पढ़े थे कि भाई कहाँ कहाँ यू नो स्पेरिकल मिरर्स कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स यूज़ होते हैं ठीक है तो ये तीन टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे और आज का जो हमारा डी सेशन होगा वो एंटायरली इन्हीं टॉपिक्स पे बेज होगा और कुछ चीजें मैंने कॉनकेव मिरर से भी उठाई हैं ठीक है थीके? तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज पॉइंट साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अब आपको याद होगा कि जब हमने कॉन्वेक्स मिरर का केस देखा था ठीक है तो उसमें हमने क्या देखा था दो चीज़ें देखी थी ज़्यादा उसके केसेस थे नहीं एक क्या था एक हमने रखा था ऑब्जेक्ट को कहाँ इन्फिनीटी पे और एक हमने रखा था इन्फिनीटी से लेकर के पोल के बीच में है ना इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी आप रख दो हमेशा हमेशा हमेशा, हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों वो किस तरह की इमेज देता है कॉन्वैक्स मिरर जो है वो हमें देता है वर्चुअल इसके बाद में वर्चुअल है तो ऑब्वियसली बात है इरेक्ट तो आएगी ही और कभी भी एन इमेज नहीं देता है वर्चुअल इरेक्ट और या तो डिमिनिश्ड देगा ठीक है कैसी देगा या तो डिमिनिश्ड देगा या फिर एच डी एच डी बोले तो हाईली डिमिनिश्ड देगा ये जो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज वाला केस है ये कौन दे रहा था हमें कॉनकेव मिरर दे रहा था लास्ट वाला केस आपको याद है जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ था तो इमेज कहां बनी थी बच्चों मिरर के पीछे बनी थी वर्चुअल थी इरेक्ट थी और कैसी थी एनलाज थी है ना उसका एप्लीकेशन भी कहां होता है ये मैंने आपको बताया था अभी इस क्वेश्चन में ये जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा वहां हम पढ़ लेंगे ठीक है तो कॉनके मिर का जो लास्ट वाला केस था रिवाइज करो फ्लैशबैक में जाओ ठीक है फिर इसके बाद में एक जो मैंने आपको चीज बताई थी कॉनकेव मिरर से केस में कि कॉनकेव मिरर हर तरह की इमेज दे रहा है रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज रियल इन्वर्टेड एन लार्ज ठीक है डिमिनिश वर्चुअल इरेक्ट एन लार्ज लेकिन एक तरह की वो इमेज नहीं दे रहा था कौन सी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड तो ये काम कर किसने कर दिया भाई कॉन्वेक्स मिरर ने कर दिया ठीक है एक चीज और होती है कि आ, जब आप कॉन्वेक्स मिरर में के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे एट इन्फिनिटी बहुत दूर ठीक है बहुत दूर आपने रखा तो उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों फोकस पे बनेगी कैसे कैसे मैंने बोल दिया कि भाई फोकस पे बनने वाली है बना के देख लेते हैं ये रहा क्या कॉन्वेक्स मिरर बन गया क्या नहीं अभी इस पे पॉलिशिंग करनी बाकी है ये हो गई पॉलिशिंग बन गया आप कॉन्वेक्स मिरर फिर इसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर के, के केस में आपको पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां बनेगा मिरर के पीछे बनेगा फोकस भी क्या होता है भैया एक वर्चुअल पॉइंट होता है क्यों वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मिरर के पीछे आ रहा है और फिर इसके बाद में पोल रहा इसका ये अब हमको पता है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे होता है उससे जो इंसिडेंट रेज निकलती हैं वो कैसी होती हैं पैरल होती हैं तो ये आ गई क्या इंसिडेंट रेज पैरल वाली ठीक है यहाँ से भी एक ले आओ ये भी क्या हो गई एक इंसिडेंट रे पैरल वाली अब जरा रूल वन याद करो रूल वन क्या बोल रहा था कि वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस हमने इसको नाम दे देते दे हैं एक्स है तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो हमें लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है फोकस से होती हुई अब आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा होता है बच्चों डाइवर्जिंग होता है यानी कि इस पे आने वाली जो भी इंसिडेंट रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाती जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो डाइवर्ज हो जाएंगी मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर चली जाएंगी ठीक है ये बना दी क्या मैंने एक रिफ्लेक्टेड रे और ये बन गई क्या इसकी रिफ्लेक्टेड रे लेकिन आप क्या देख रहे होंगे कि इंसिडेंट रे ना मिरर के पीछे जा रही है ना रिफ्लेक्टेड रे पीछे जा रही है ये तो मुसीबत हो गई यानी कि हमारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कैसी हैं डाइवर्जिंग है भाई पैरेलल रेज तो फिर भी जाकर के कहीं मिल जाएंगी लेकिन डाइवर्जिंग रेज तो कभी नहीं मिलने वाली अब हम क्या करेंगे अब हम सबक सिखाएंगे इन डाइवर्जिंग रेज को कैसे सबक सिखाएंगे ये आगे नहीं मिल रही है ना इनको मिरर के पीछे मिला देंगे ठीक है चलो मिला देते हैं तो ये मिल गई हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिली फोकस पे मिली मिरर के पीछे तो मिली लेकिन कहाँ मिली फोकस पे मिली तो देखने में हमको क्या लग रहा है कि आ, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उससे आने वाली जो इंसिडेंट रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हैं पैरेलल हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें लगेगा कि वो कहाँ से आ रही हैं फोकस से चलती आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है रिफ्लेक्ट तो वो मिरर के सर्फिस से ही हो रही है बस हम ऐसा दिख रहा है हमें ये हमारा परसेप्शन है कि वो कहीं फोकस से पास होती हुई निकल रही है रिफ्लेक्ट हो करके। तो यहां आपने देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे और हमने फॉलो किया कौन सा रूल वन कि वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको ऐसा लगेगा कॉन्वेक्स के केस में कि फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो ये देखो अकॉर्डिंग टू रूल वन हमने जब बनाया केस तो हमने देखा कि इमेज कहां बन रही है फोकस पे बन रही है इमेज कैसी बनेगी जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं हैं मिल मिल रही Focus पे मिल रही फोकस पे हैं और कैसी है हाईली डिमिनिश्ड है एच डी है क्यों एच डी है साइज देख लो जरा ऑब्जेक्ट का साइज ठीक है ऑब्जेक्ट का साइज इतना होगा लेकिन इमेज जो बन रही है वो बिल्कुल पॉइंट साइज है जो कि मिरर के पीछे बन रही है इसलिए वर्चुअल होगी वर्चुअल होगी तो साथ में कौन आ जाएगा इरेक्ट टर्म भी आ जाएगा और पॉइंट साइज यानी कि हाइली डिमिनिश बन रही है तो अब आपको इस सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज पॉइंट साइज वर्चुअल इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस डेट कहां रखा होगा बच्चों ऑप्शन बी पे यानी कि इंफिनिटी पे तो जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कोई चीज रख दोगे इंफिनिटी पे तो उसकी पॉइंट साइज इमेज कहां मिलेगी आपको फोकस पे मिलेगी सॉर्टेड क्लियर है चलो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की विच ऑफ द मिरर हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू अगेन ये कौन सा केस है कॉन्वेक्स मिरर का केस है ऐसे कैसे मैंने बोल दिया तो भाई मैंने आपको जब एप्लीकेशन पढ़ाए थे कॉन्वेक्स मिरर के और कॉन्केव मिरर्स के तो मैंने आपको बोला था कि हमारी जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर होता है जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है जिसको हम देख के पीछे ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई हमारे गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी है या रोड पर कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ट्रैफिक है या नहीं है तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है सवाल ये आता है कि कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ हो रहा है तो जरा दिमाग ला के सोचो हमारे पास तीन ही मिरर हैं एक प्लेन है एक कॉनकेव है और एक कॉनवेक्स है चलो एक काम करते हैं फॉर अ चेंज हम लगा देते हैं अपने रियर व्यू मिरर में प्लेन मिरर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो जो इमेजेस बनाता है कि भाई देखो ये रही क्या प्लेन मिरर और ये है उस प्लेन मिरर के पीछे इतनी बड़ी गाड़ी समझ लो ट्रक है ठीक है ये बना दिया ट्रक ठीक है अब देखो ये जो प्लेन मिरर है इसके सामने इस ट्रक का कौन सा साइड आ रहा है या कौन सा पार्ट आ रहा है बस इतना सा समझ लो यहां पे क्या है एक हेडलाइट है तो इस प्लेन मिरर के सामने इस ट्रक का केवल हेडलाइट पोर्शन जो है आ रहा है यानी कि ये जो प्लेन मिरर है ना ये सिर्फ और सिर्फ इस हेडलाइट की ही इमेज बनाएगी अब आप जब गाड़ी चलाते चलाते देखोगे कि रियर व्यू मिरर में कैसी इमेज बन रही है तो आप देखोगे अरे इसमें तो हेडलाइट आ रही है अब गैस करने बैठो ये कौन सी हेडलाइट हो सकती है साइकिल साइकिल में तो होती नहीं है टू व्हीलर की है या फोर व्हीलर की है फोर व्हीलर में भी छोटी कार की है या ट्रक की है ये है किसकी तो भाई गाड़ी चलाते टाइम आप इतना गैस वर्क तो कर नहीं सकते इतना गैस वर्क करते करते तो टक्कर ही हो जानी है तो प्लेन मिरर का कंसेप्ट तो आ, बिल्कुल हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते है ना क्यों क्योंकि आप देख सकते हो कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है कि भाई जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना प्लेन मिरर उसी साइज की इमेज भी बना देता है है ना और उसके सामने जो चीज आप रखोगे उतने ही साइज की और उतने ही पार्ट का वो क्या बना देगा इमेज बना देगा इतना क्लियर है आप सबको तो ये प्लेन मिरर का केस नहीं हो सकता प्लेन मिरर हमने नहीं बता आ, यहाँ पे नहीं आ सकता आप इसको अपने घर में जो आपके ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर्स लगे होते हैं वो भी प्लेन मिरर ही होते हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं होते आप उनसे भी समझ सकते हो अगर आपका प्लेन मिरर जो आपकी ड्रेसिंग टेबल में लगा है वो छोटा होगा तो जितना आपका बॉडी का पोर्शन उस मिरर पे पड़ रहा है इमेज आपको उतनी मिलेगी और अगर कि मेरा प्लेन मिरर काफ़ी लंबा हुआ मेरी हाइट के बराबर हुआ तो मेरी पूरी बॉडी की इमेज मुझे दिख जाएगी ठीक है तो प्लेन मिरर का कंसेप्ट नहीं है चलो काम करते हैं अब हम लगा देते हैं कॉनकेव कॉनकेव लगाने से क्या होगा कॉनकेव हमें देखो जब हम ट्रैफिक देख रहे हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हमें गाड़ी सीधी जलती हुई दिखनी चाहिए है ना ऐसा नहीं कि ट्रक की उल्टी इमेज जो है ना आपको दिख रही है जैसी गाड़ियां चल रही हैं उनका जो एक्चुअल पोजीशन है हमें उसी पोजीशन पे दिखनी चाहिए अब आपने लगा दिया कॉनकेव कॉनकेव मिरर मिरर क्या करता है जब तक कि ऑब्जेक्ट फोकस पे ना आ जाए तब तक उसकी रियल एंड इनवर्टेड इमेज ही दिखाता रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब देगा जब कि आपका ऑब्जेक्ट आ जाए फोकस और पोल के बीच में तो भाई आपके कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तब तक तो हो ही जाना है काम वो चीज भी नहीं हो सकती है है ना नहीं तो क्या होगा दूर से आती हुई गाड़ी क्या दिखेगी आपको रियल इन्वर्टेड पहले डिमिनिश दिखेगी फिर साइज जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर एक्चुअल साइज के बराबर हो जाएगा तो ये ये इतना कंफ्यूजन हम नहीं झेल सकते हैं तो कॉनकेव मिरर का केस भी हटा लो अब आया कौन कॉन्वेक्स मिरर जो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर नहीं दे पा रहा था जो इमेज नहीं दे पा रहा था कैसी रियल सॉरी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश ये इमेज कौन दे देता है कॉन्वेक्स दे मिरर दे देता है

वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए हम उसको अपने रियर जो रियर व्यू मिरर है उसमें यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स के और साथ ही साथ उसका जो फील्ड होता है व्यू का वो ज्यादा होता है पूरे रोड की ट्रैफिक आप देख सकते हो तो ये जो सवाल आया है विच ऑफ द मिरर हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू आपका जवाब होना चाहिए ए कॉन्वेक्स सही है आई होप सारी चीज़ें रिवाइज होती जा रही हैं ठीक है और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जा रहे हैं फिर इसके बाद में अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग अब एक लंबी सी बिल्डिंग है भाई लंबी सी बिल्डिंग है और हम कह रहे हैं कि और ये काफ़ी दूर है और हमारे पास तीन मिरर्स हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स और प्लेन ठीक है ये तीनों मिरर्स हैं और इन तीनों मिररर्स से काफ़ी दूर है हमारी बिल्डिंग और ये रहे आपके मिरर ठीक है ये फ्रेम है अब इसमें आपको फ्रेम में अलग अलग तरह के मिरर्स लगा के सेट करके देखना है कि कौन से मिरर में इस बिल्डिंग की पूरी जो हाइट है ठीक है पूरे हाइट की इमेज आपको इस छोटे से मिरर में दिख सकती है तो एक काम करते हैं इस फ्रेम में हम लगाते थे सबसे पहले क्या प्लेन मिरर प्लेन मिरर लगाया अब इस प्लेन मिरर के सामने आप जरा देखो बिल्डिंग का केवल इतना सा पार्ट आ रहा है तो हमारा प्लेन मिरर क्या करेगा बस इतने से सपोज यहाँ पे क्या है किसी की खिड़की है हमें क्या चाहिए हमें पूरी बिल्डिंग की इमेज चाहिए है लेकिन प्लेन मिरर के सामने सिर्फ बिल्डिंग की खिड़की आ रही है तो प्लेन मिरर किसकी इमेज बनाएगा खिड़की की ही बना देगा क्योंकि प्लेन मिरर कन्वर्ज या डाइवर्स तो कर नहीं पाता है ना चलो ठीक है प्लेन को हटाओ प्लेन वाला काम नहीं करेगा कॉनकेव लगा देते हैं कॉनकेव लगा देते हैं कॉनकेव क्या होता है भाई जब कॉनकेव मिरर के से दूर यानी कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपको याद होगा कि इमेज कैसी बनती है रियल इन्वर्टेड ऑब्वियसली क्योंकि मिरर के सामने बनती है और साथ ही साथ कैसी बनेगी बहुत ही छोटी बनेगी यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी लेकिन हमको कैसी इमेज चाहिए है ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्डिंग ये रही और हमें उसकी उल्टी इमेज से भी हम काम चला लेंगे नहीं हमको कैसी चाहिए हमें एक फुल लेंथ इमेज चाहिए हमारी बिल्डिंग की वो भी कैसी होनी चाहिए वर्चुअल होनी चाहिए इरेक्ट होनी चाहिए और कौन के मेरा ऐसा नहीं कि वर्चुअल और इरेक्ट बना नहीं सकता एनलार्ज बना नहीं सकता बिल्कुल बना सकता है लेकिन कब जब उसके पोल और फोकस के बीच में रखी हो बिल्डिंग लेकिन हम बिल्डिंग को तो नहीं हिला सकते और ना ही हम अपना जो फ्रेम हमने सेट किया है वो हिला सकते हैं तो कॉनकेव वाला भाई भी यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा अब बचा कौन अब बचा हमारा कॉन्वेक्स तो क्या कॉन्वेक्स ये काम कर सकता है एक फुल साइज इमेज हमें चाहिए है इस पूरी बिल्डिंग की जितनी भी हाइट है उतनी ही uh, पूरी की पूरी इस बिल्डिंग की इमेज चाहिए बेसिकली है ना पूरी की पूरी बिल्डिंग की इमेज चाहिए है एक पर्टिकुलर खिड़की एक पर्टिकुलर पार्ट part की नहीं चाहिए है डिमिनिश नहीं चाहिए है तो क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे तो वो हमको वर्चुअल इरेक्ट भी दे, दे देगा यानी कि बिल्डिंग खड़ी खड़ी रहेगी उल्टी नहीं हो जाएगी और डिमिनिश यानी कि थोड़ी सी छोटी भी दे, दे देगा छोटी देने से क्या होगा पूरी की पूरी जो बिल्डिंग की साइज है वो हमें इमेज में दिख जाएगी तो इस केस में भी आपका जवाब क्या होना चाहिए भाई बी अ कॉन्वेक्स मिरर ठीक है चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्ड एट एनी डिस्टेंस द मिरर मस्ट बी अभी अभी पढ़ के आए हैं भाई कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी इमेजेस बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है किसी भी पॉइंट पर रख दो इन्फिनी पे रखोगे तो बस इमेज की साइज में फर्क आएगा है ना इन्फिनी पे रखोगे तो हाईली डेमिनेज बनेगी और इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं आपने रखा है कॉन्वेक्स के केस में तो आपको जो इमेज है हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही मिलेगी और साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ठीक है ना वहां पे इन्फिनिटी पे हाईली डिमिनिश मिल रही थी और इन्फिनिटी से और पोल के बीच में कहीं रखोगे तो डिमिनेश मिलेगी तो ये भी किसका केस है भाई ये भी केस है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का क्यों? क्योंकि एक्सपेरिकल मिरर जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो इमेज तो तो ही बन रही थी, inverted, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इन स्ट्रीट लैंप्स द रिफ्लेक्टर यूज इज बाई स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट लैंप हम क्यों जलाते हैं ताकि रोड पे थोड़ी सी रोशनी हो जाए ठीक है ये रहा क्या आपका एक स्ट्रीट लैम्प स्ट्रीट लैम्प से जब लाइट निकलती है तो वो कैसी होती है डाइवर्जिंग होती है ऑब्वियस सी बात है है ना जब आप स्ट्रीट लाइट घर पे जाकर के देखने ना रात में आपके रोड में जो स्ट्रीट लाइट जलती हैं वो कैसी होती हैं पूरे जितना पोर्शन हो सकता है मैक्सिमम पोर्शन रोड का उसको वो लाइट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं यानी कि एक ऐसा रिफ्लेक्टर होना चाहिए जो लाइट को क्या कर दे बच्चों डाइवर्ज कर दे तो भाई हमें पता है कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है डाइवर्जिंग मिरर मिरर होता है हमारा कॉन्वेक्स सिंपल क्या बोला जा रहा है हमसे कि स्ट्रीट लैम्प में रिफ्लेक्टर कौन सा हो, यूज होना चाहिए तो भाई स्ट्रीट लैम्प का मोटिव क्या होता है मोटिव ये होता है कि जितना हो सके उतनी रोड पे लाइट फैलाना स्प्रेड करना स्कैटर करना और ये काम कॉन्वेक्स मिरर से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता क्यों क्योंकि यह है एक डाइवर्जिंग मिरर है ना लाइट को क्या कर देगा ये डाइवर्ज कर देगा हर जगह फैला देगा स्केटर कर देगा इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए ए कॉन्वेक्स मिरर आई बात आपको समझ में चलो नेक्स्ट चीज क्या है वॉट टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन शेविंग एंड मेकअप ये तो हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था कि भाई शेविंग और मेकअप मिरर्स जो होते हैं उसमें किस तरह के मिरर्स लगाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉनकेव कॉनकेव क्यों भैया कॉन्केव इसलिए क्योंकि कॉन्केव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो कि हमें वर्चुअल इमेज देगा इरेक्ट इमेज देगा और साथ साथ में एनलाज देगा यानी कि वर्चुअल इरेक्ट के साथ हमें कैसी इमेज बनती है एनलाज इमेज बनती है है ना अगर कि आपने क्या लगा दिया आपने लगा दिया कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा वर्चुअल इरेक्ट तो देगा लेकिन साथ में या तो हाईली डिमिनिश देगा या फिर डिमिनिश देगा तो भाई किस तरह से प्रॉपर मेकअप हो जा हो पाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि जब हमारा जब हम मेकअप या हम शेविंग की बात करते हैं तो मिरर कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो इमेज बने उस मिरर पे वो काफ़ी एलाज हो जूम हो है ना फाइन से फाइन चीज भी हमें दिख जाए तभी तो प्रॉपरली मेकअप हो पाएगा वरना कैसे हो पाएगा है ना तो भाई ये कॉन्वेक्स मिरर तो अपना काम कर नहीं पाएगा क्यों क्योंकि ये तो इमेज भले ही सीधी इमेज बना रहा है हमारे मुंह की है ना वर्चुअल इरेक्ट बना पा रहा है लेकिन काफ़ी छोटी होती है हाँ कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बना देगा इरेक्ट इमेज बना देगा यानी कि सीधी और साथ साथ में एन इमेज भी बनाएगा ताकि हम इजीली जो है ना यू नो विंग्स बना सके और डिफरेंट टाइप के आईलाइनर्स जो पैटर्न्स होते हैं वो हम फॉलो कर सके बना सके है ना तो और साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि कॉन्केव मिरर अब आप बोलोगे कि मैम कॉन्केव मिरर में तो पोल और फोकस के बीच में जब तक ना रखो ऑब्जेक्ट को तब तक वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी यानी कि जब तक हमारा मुंह नहीं रहेगा मिरर के पोल और फोकस के बीच में तब तक हमें इस तरह की हमारी जो रिक्वायर्ड इमेज है वो नहीं मिलने वाली अब क्या करें एक स्केल लेकर के आए क्या नापने के लिए कि पोल से फोकस तक का जो फोकस है वो कहाँ आ रहा है मिरर का तो नहीं भाई वो भी जो है ना आपको ऑटोमेटिकली जो कॉनकेव मिरर जो है ना वो ऐसे बनते ही ऐसे हैं कि उनका जो फोकल लेंथ है वो काफी दूर होता है तो जब आप फोकल अपने कॉनकेव के मिरर के सामने अपने मुंह को रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है वो उसके पोल और फोकस के बीच में लाए करता है तो हमें स्केल से नापने की जरूरत नहीं कि भाई शेविंग या मेकअप करने के पहले क्या करना पड़ रहा है स्केल लेके आनी पड़ रही है और सबसे पहले फोकस नापेंगे फिर फोकस और पोल के बीच में मुंह रखेंगे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ये बने ही कुछ ऐसे होते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए भाई कॉनकेव होना चाहिए इज दैट क्लियर आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गेस द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड कैसी इमेज बन रही है भाई ये तो कॉन्वेक्स का केस है और जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं वो कैसे आ रही हैं वो आ रही हैं इन्फिनीटी से अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि भाई कॉन्वेक्स मिरर जिस पे इंसिडेंट रेज आ रही हैं कहाँ से इन्फिनीटी पे तो रिफ़्लेक्ट होकर के ऑब्वियस ऑब्वियसली बातें कैसी हो जाएंगी डाइवर्ज हो जाएंगी और हमको लगेगा कि ये जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं फोकस से आ रही हैं क्यों क्योंकि हमने क्या किया है रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ मिला दिया है और जहाँ वो मिलेंगी वहीं बन जाएगी इमेज तो ज़रा देखो कहाँ बन रही है इमेज फोकस पे कैसी बन रही है वर्चुअल इरेक्ट क्योंकि मिरर के पीछे है और साथ ही साथ कैसी बन रही है पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनिस्ड एच तो इसका आंसर क्या होना चाहिए वर्चुअल इरेक्ट एंड एंडली डिमिनिश्ड ऑप्शन सी समझ में आ रहा है अब कि किस तरह के सवाल आते हैं पेपर में अभी तक तो हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे थे अभी आपको देख रहा दिख रहा होगा कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं फिर आते हैं स्टेट द साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्के मिरर हाँ भैया साइन कन्वेंशन तो बड़े इंपॉर्टेंट है अभी जब हम मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे तो उस टाइम पे ये बहुत काम आने वाले हैं तो फटाफट से देख लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या होते हैं भाई साइन कन्वेंशन हमने देखे थे कि आ, हम सबसे पहले क्या करेंगे एक एक्स एक वाई प्लेन ले लेंगे ठीक है ये हमने ले ली क्या एक्स एक्सिस ये हो गई पॉजिटिव ये हो गई कौन सी नेगेटिव और एक हम बना देते हैं यहाँ पे कौन सी वाई एक्सिस तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी कौन सी वाली पॉजिटिव और ये हो जाएगी अपनी नेगेटिव हम इस तरह से अपने सबसे पहले कॉन्केव मिरर देख लेते हैं इस तरह से अपने कॉन्केव मिरर को रखेंगे कि इसका जो पोल है वो पोल किसके साथ कॉइंसाइड करे इस जो एक्स वाई प्लेन है इनके ओरिजिन के साथ कॉइंसाइड करे तो ये देखो इस तरह से हमें रख लिया फिर इसके बाद में जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारे मिरर की वो किस पे आनी चाहिए तो इस एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए तो देखो आ ही रही है प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस पे ठीक है अब इसके बाद में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है यू यू क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर ये कॉनकेव मिरर है कौनके मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो मिरर के सामने रखते हो तो मिरर के सामने ये रखा आपने ऑब्जेक्ट तो इस ऑब्जेक्ट का जरा आप डिस्टेंस और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप मिरर के केस में जो भी डिस्टेंस फाइंड करोगे वो हमेशा कहां से करोगे मिरर के पोल से फाइंड करोगे कहीं और से नहीं ठीक है तो हमें क्या करना है अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है कहां से हमारे मिरर से तो कौन सा पॉइंट से हम फाइंड करेंगे मिरर का जो पोल होगा उससे फाइंड करेंगे तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे उसका डिस्टेंस पोल से हम कैसे नापेंगे माइनस एक्स एक्सिस जो है उससे नापेंगे ठीक है तो U कहाँ हो जाएगा भैया U हो जाएगा इसका नेगेटिव फिर इसके बाद में V अब V क्या होता है इमेज का डिस्टेंस अब कौन के मिरर कैसी बनाता है बच्चों इमेज दो टाइप की बनाता है या तो वो होगी रियल इन्वर्टेड या होगी वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड होगी मतलब क्या मिरर के सामने ही आ रही है सपोज यहाँ कहीं इमेज बनी है तो अब इस इमेज का डिस्टेंस आप नापो कॉनकेव मिरर के पोल से तो भी आप कैसे नापोगे माइनस एक्स एक्सिस से ही नापोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस किसके लिए बच्चों जब इमेज कैसी होगी? रियल ठीक है? फिर इसके बाद में अब आएगी इरेक्ट इमेज अगर की कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज क्या बनेगी मिरर के पीछे बनेगी यानी कैसे होगी वर्चुअल होगी या फिर इरेक्ट होगी तो सपोज यहां कहीं इमेज बनी है अब इस इमेज का डिस्टेंस आप नाप लो के पोल से कहां से नापोगे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो भाई जो हमारा वी है वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा कब जब इमेज कैसी होगी वर्चुअल इरेक्ट होगी ठीक है फिर इसके बाद में फोकस स्मॉल एफ क्या होता है फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या होती है फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है और हमें पता है कि भाई हमारा कॉन्केव मिरर जो होता है उसका जो फोकस होता है वो मिरर के कहाँ पड़ता है आगे ही पड़ता है यानी कि सपोज ये है पॉइंट फोकस का तो अब फोकस को आप पोल से जब मेजर करोगे तो किस पे करोगे माइनस एक्स एक्सिस पे करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई माइनस नेगेटिव हमेशा कॉन्केव केस में क्यों क्योंकि हमेशा कॉन्केव केस में जो फोकस है वो कहाँ रहता है वो रहता है ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस ठीक है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा और साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी हमेशा नेगेटिव रहेगा ऑलवेज ठीक है हमेशा क्यों क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही उसका डिस्टेंस आप मेजर कर पाओगे बचा क्या हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब सपोज ये है क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट की हाइट अब इस हाइट को आप मेजर कहाँ से करोगे आप मेजर करोगे इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है ना पॉजिटिव एक्स सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस से ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो आप मेजर कैसे करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा हाइट का उसकी वो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलवेज क्यों क्योंकि इमेज जो है ना बच्चों वो इन्वर्टेड बन सकती है लेकिन जब आप बात करोगे ऑब्जेक्ट को आप हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखोगे कभी भी उसको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखोगे और इस चीज को ऐसे भी तो समझ सकते हो ना आप कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज नेगेटिव हो सकती है इस पेन की मैं हाइट बोल रही हूं कितनी है टेन सेंटीमीटर है क्या मैं इसको बोल सकती हूं कि ये माइनस सेंटीमीटर है बिल्कुल भी नहीं ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज जो है वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता हमेशा पॉजिटिव ही होगा और हमेशा उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे तो ये भी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव अब बारी आई किसकी इमेज की हाइट की तो भाई अगर की इमेज बन रही है रियल यानी कि मिरर के सामने तो रियल के साथ साथ क्या आता है साथ में इन्वर्टेड आता है इन्वर्टेड मतलब कि घूमी हुई घूमी हुई मतलब कि क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अब ये रहा मेरा इमेज इस इमेज की साइज को आप कहां से मेजर करोगे नेगेटिव वाई एक्सिस से करोगे तो अगर कि आपकी इमेज कैसी है रियल इन्वर्टेड है तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और अगर आपकी इमेज कैसी है वर्चुअल इरेक्ट है ठीक है यहां कहीं बन रही है ये क्या मेरे इमेज अब इस इमेज को आप कैसे मेजर करोगे इस इमेज के हाइट को आप मेजर करोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस से आपने मेजर कर लिया तो अगर कि आपकी इमेज कैसी है रियल इन्वर्टेड है तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा और अगर आपकी इमेज कैसी है भाई आपकी इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो ये हो जाएगा पॉजिटिव क्लियर है तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आएगा किसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए इज दैट ओके चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की नेक्स्ट सवाल क्या है स्टेट साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर अब हम कॉनवेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन देखेंगे कॉन्केव के लिए तो हमने देख लिए फिर से क्या करेंगे एक बनाएंगे एक्स वाई प्लेन ये बना दिया एक्स वाई प्लेन ठीक है ये हो गई एक्स एक्सिस ये भी एक्स ये आप पे हो गई पॉजिटिव यहाँ हो गई नेगेटिव ये हो गई वाई एक्सिस ये भी कौन सी नेगेटिव वाली ये हुई वाई एक्सिस ये कौन सी पॉजिटिव वाली अब हम क्या करेंगे फिर से जो है ना कॉन्वेक्स कौन नहीं अब हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कुछ इस तरह से लेंगे कि उसका मिरर का जो पोल है उसका जो सेंटर है वो कहाँ आए औरजन पे आए ठीक है कहाँ आए बच्चों ओरिजन पे आए तो ये लो ये हमने बना दिया क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसका जो सेंटर है वो कहाँ आ रहा है जिसका जो पोल है वो ओरिजन पे आ रहा है अब क्या करेंगे पॉलिश कर दो तभी जाके तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनेगा इतना क्लियर है चलो अब सेम इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है यू वी एच आई एच ओ एंड फोकल लेंथ ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की तो भाई हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हमेशा ही मिरर के सामने रखते हैं यानी कि आप इसको हमेशा कहां रखोगे इधर रखोगे हाँ एक चीज और इस मिरर की, जो है, वो कहां आनी, चाहिए? इस की आनी चाहिए कहा एक्स एक्सिस पे ठीक है आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहा रखा है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है कभी भी आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर या नीचे नहीं रखोगे है ना अभी तो अच्छा चलो वो तो हाइट की बात हो जाएगी है ना तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं मिरर के केस में हमेशा मिरर के पोल से ही करते हैं अब इस ऑब्जेक्ट का भी हमें डिस्टेंस पता करना है मिरर के केस में मिरर से तो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे उसके पोल से और कहाँ से करेंगे तो नेगेटिव एक्सिस से तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों वो हमेशा नेगेटिव ही होता है हमेशा चाहे आप ले लो कॉन्केव uh, मिरर चाहे ले लो कॉन्वेक्स मिरर क्यों क्योंकि आप दोनों ही केसेस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के सामने ही रख रहे हो यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सेस में ही रख रहे हो तो ये क्या होगा हमेशा नेगेटिव ही होगा ऑलवेज ठीक है फिर इसके बाद में दूसरा सवाल क्या है वी फाइंड आउट करना है वी मतलब क्या इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर अब ये कि कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है हमेशा ही हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है यानी कि मिरर के इधर बनाता है ये बना ली इसने एक वर्चुअल इमेज तो अब इस वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो आप कैसे मेजर करोगे अरे तो पॉजिटिव ये ये नेगेटिव नहीं ये पॉजिटिव है ठीक है आप इसको हमेशा कैसे मेजर करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही करोगे है ना तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पोल वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा ऑलवेज ऑलवेज क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है मिरर के पीछे ही बनाएगा ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाएगा कौन के मिररर के केस में अलग हो रहा था रियल इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव होगा इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और अगर वर्चुअल इरेक्ट होगी यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली होगी तो कैसा होगा पॉजिटिव होगा ठीक है फिर इसके बाद में फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या होती है भाई फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस अब जो कि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका जो फोकस है वो कहाँ लाया करता है मिरर के पीछे वर्चुअल पॉइंट होता है तो ये रहा फोकस अब जरा फोकस से पोल तक का डिस्टेंस नापो किस पे नापोगे पॉजिटिव एक्सिस पे तो ये भी कैसा होगा बच्चों पॉजिटिव होगा हमेशा ऑलवेज फिर इमेज की हाइट इमेज कहां बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट बनेगी यानी कि मिरर के हमेशा पीछे बनेगी तो ये बनी क्या मेरी इमेज अब इसकी हाइट को आपको मेजर करना है इसकी हाइट को आप मेजर कैसे करोगे आप मेजर करोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस से तो इमेज की जो हाइट होगी वो हमेशा कैसी होगी बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगी केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्यों क्योंकि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बन रही है फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज ये है क्या ऑब्जेक्ट मेरा और ऑब्जेक्ट को तो भैया हमेशा ही उसकी जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी क्यों क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं कभी भी नीचे नहीं रखते हैं तो इसकी ऑब्जेक्ट की साइज़ को भी आप कहाँ से मेजर करोगे पॉजिटिव आए एक्सिस से तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑलवेज है ना पॉजिटिव ऑलवेज तो ये कुछ सवाल हैं इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी साइन कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मेरा फॉर्मूला अभी आज हम देखेंगे ना उसमें ये यूज होंगे तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो इतना पूरा मैंने रिवाइज क्यों कराया आपको चाहे तो मैं शॉर्ट में भी निपटा सकती थी लेकिन रिवाइज कराने का मतलब यही है कि अगर आपको कल समझ में ना आया हो तो इसे आज समझ लो ठीक है चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन हाउ कैन वी यूज अ सोलर कुकर यूजिंग सोलर फर्नेस अरे बड़ा लड्डू सवाल है है ना सोलर कुकर से हम खाना कैसे बना सकते हैं एक सोलर फर्नेस पे रख करके सोलर फर्नेस ऐसा क्या कर लेगी कि उसके ऊपर रख दो आप सोलर कुकर तो हमारा खाना बन जाएगा देखते हैं जो हमारी सोलर फर्नेस होती है उसका शेप होता है कुछ इस तरीके का है ना कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है अब सन जो कि कहाँ है इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनी से आने वाली जो उसकी सन रेडिएशन होंगी वो भी कैसी होंगी पैरेलल होंगी तो ये लो आ गई क्या पैरेलल और हमें पता है कि वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरल होती हैं कॉनके मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक है तो क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी तो ये लो ये आई थी हमारी इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आकर के हो गई कन्वर्ज कौन से पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हुई है फोकस पे फर्स्ट केस हमारा कॉनके मिरर का और इसी फोकस पे ले जाकर के रख दो आप अपना क्या कुकर ठीक है इस पर ले जा करके रख दो अपना क्या कुकर तो जरा सोचो इतनी सारी सन रेडिएशन आ रही हैं और वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो गई तो उस पॉइंट के बारे में सोचो कि कितनी ज़्यादा हीट होगी और खाना बनाने के लिए हमको चाहिए क्या हीट ही तो चाहिए जरूरत थोड़ी कि आग ही होनी चाहिए नहीं तो फिर माइक्रोवेव में भी खाना कैसे बन पाता तो सोलर एनर्जी से भी बना सकते हैं खाना हमको क्या चाहिए होती है हीट चाहिए होती है और इतनी सारी सोलर रेडिएशन आ रही हैं और एक ही पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही तो उस पॉइंट पे सोचो कितना कितनी सारी हीट होगी हीट मिल गई खाना बन गया ठीक है तो भाई इस तरह से आप एक सोलर फर्नेस का यूज़ करके सोलर कुकर में खाना बना सकते हो सॉर्टेड चलो अब ये आज के दस सवाल तो हो गए हैं ये एक सवाल है हमारे प्रीवियस सेशन का जो मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने एप्लीकेशंस नहीं पढ़ाए हैं आपको किस चीज़ के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के तो इसलिए आपसे यह सवाल नहीं बनेगा अब पढ़ा दिए हैं अब बन जाएगा तो क्या है इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं टॉर्च की सर्च लाइट की और हेडलाइट की व्हीकल्स की तो कौन सा मिरर यूज करेंगे बच्चों हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर क्यों यूज करेंगे क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कौन के मिरर के केस में बेसिकली हम टॉर्च और सर्च लाइट का यूज करते क्यों हैं एक अंधेरा कमरा है उस अंधेरे कमरे में आपको रोशनी चाहिए है पूरे कमरे में आपको रोशनी चाहिए तो आप क्या करोगे सिंपली जाकर के ट्यूबलाइट ऑन कर दोगे या बल्ब ऑन कर दोगे लेकिन अगर आपको चाहिए है एक पर्टिकुलर जगह पर रोशनी तो आप क्या करोगे एक टॉर्च लेकर के आओगे क्यों क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो टॉर्च होगी वो क्या करेगी एक पैरेलल बीम निकालेगी लाइट की है ना एक पैरल बीम निकालेगी लाइट की जिससे क्या होगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जगह पे आपको चाहिए है रोशनी उस पॉइंट पे आप अपनी टॉर्च जला सकते हो क्योंकि इससे निकलने वाली जो बीम होगी लाइट की वो कैसी होती है पैरल होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी यानी कि कैसी हो जाएगी यूनी हो जाएगी कैसी हो जाएगी बच्चों यूनी हो जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी है ना सेम चीज़ सर्च लाइट्स में भी होती है और हेडलाइट्स में भी होती हैं भाई हेडलाइट के केस में होता क्या है हमारा एम होता है कि हमारी गाड़ी के आगे जो रास्ता आ रहा है वहाँ पे रोशनी जाए हमें कोई स्ट्रीट लाइट बनकर थोड़ी घूमना है कि हम चाहते हैं कि हर जगह जो है ना रोशनी हो जाए नहीं हमारे गाड़ी के सामने रोशनी हो जाए इसीलिए हमको एक ऐसा मिरर चाहिए है जो कि लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फेंके और वो कौन कर सकता है कौन के मिरर कर सकता है कैसे कर सकता है आपको याद होगा कि जो कौन के मिरर होता है उस पर आप अगर उसके फोकस पे उसके फोकस पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसे निकलती है बच्चों पैरल निकलती है पैरल निकलती है ना तो यही तो हमें चाहिए है सवाल क्या पूछा गया था हमसे कि टॉर्च सर्चलाइट वगैरह में हम बल्ब को कहां रखें कि हमारा काम हो जाए तो आपको बोलना पड़ेगा कहा? At the focus. कहां एट द फोकस कहा दिख रहा है ये बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इन चारों ऑप्शन में से सबसे रिलेवेंट कौन सा है भाई बी है क्यों क्योंकि यहां पे बोल रहा है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर क्योंकि फोकस पे ही रखने पे हमको क्या मिलती है एक पैरेलल बीम मिलती है और पैरेलल बीम ही तो चाहिए है हमें इन तीनों चीजों में इसलिए हम अपने बल्ब को कहाँ रखेंगे फोकस पे रखेंगे क्लियर है आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्वेश्चन के टाइप देख लिया आपने कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ रिविजन भी हो गया अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक ठीक है न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं और आई होप आपने इस सेशन को किया होगा एंजॉय तो इस सेशन के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक, तक आपको क्या करना है हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट उसको विजिट कर लेना जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अरेंज फॉर्म में प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक के वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेस डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रिंस हेलो एवरी इस सेशन में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक जो कि है मिरर फॉर्मूला तो बच्चों जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम धीरे धीरे अपने न्यूमेरिकल्स के सेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया था वो था साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो आज हम बात करेंगे मिरर फार्मूला की तो भाई टारगेट मैंने फिक्स कर दिया है आज का क्या है मिरर फॉर्मूला समझना और उस मिरर फॉर्मूले में जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े ना उसको हम अप्लाई कर लेंगे तभी तो हमारे आंसर्स निकल के आएंगे तो हो गया है इस लेक्चर का टारगेट फिक्स तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ड्रीन जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेंस आप सब तक पहुंचा रहा है एजुकेशन इनफैक्ट क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया लेक्चर जो कि बेस्ड है मिरर फॉर्मूला पे यू नो वॉट मिरर फार्मूला कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है बहुत ही लड्डू सी चीज़ है और ये आपके लिए लड्डू और हो जाएगा क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन पढ़ लिए हैं है ना मिरर फॉर्मूले में खेल जो है ना वो साइन कन्वेंशन का ही होता है एक बार साइन कन्वेंशन समझ में आ गए तो ये कुछ भी नहीं है होता क्या है मिरर फॉर्मूला क्या है एक रिलेशन है किसके बेच का बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज यू इमेज डिस्टेंस दैट इज वी एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कौन सी वाली डिस्टेंस भाई मिरर के सेंटर यानी कि पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मतलब कि कि मिरर के के सेंटर यानी पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाया जाएगा क्या इमेज डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ है यानी कि फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है उतने पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे फोकल लेंथ तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होगा

इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू वन अपॉन वी का क्या मतलब है मतलब वी का क्या मतलब है वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस कहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यू यू मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम दी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर जो भी स्फेरिकल मिरर ले रहे हो ये फॉर्मूला जो है मिरर फॉर्मूला ये सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए अप्लाई होता है यानी कि कॉनकेव के लिए भी अप्लाई होगा और कॉन्वेक्स के लिए भी अप्लाई होगा ऐसा नहीं है कि कॉन्केव के लिए मिरर फार्मूला कुछ और होता है कॉन्वेक्स के लिए कुछ और होता है ना जो फार्मूला है वो तो वैसे का वैसा रहेगा लेकिन जब हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे ना तो थोड़ी सी सी चीज़ें जो है ना डिफरेंट हो जाएंगी कैसे डिफरेंट हो जाएंगी ये अभी हम पढ़ते हैं तो सवाल ये है कि मिरर फार्मूला हम पढ़ ही क्यों रहे हैं अच्छा खासा रे डायग्राम से काम चल रहा था ये फॉर्मूला लाने की क्या ज़रूरत थी ना फार्मूला आता ना न्यूमेरिकल्स आते फिज़िक्स और इजी हो जाती लेकिन नहीं आपको अगर इमेज का सही पोजीशन पता करना है तो मेरा फार्मूला आपको चाहिए ही रहेगा कैसे चलो एक काम करते हैं इसे इस चीज़ से समझते हैं एंड फॉर दैट आई नीड सम स्पेस तो मैं जाती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड पे ठीक है आ, ये रही चलो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इस सेशन में इस लेक्चर में पहले मैं जो चीज़ समझा रही हूँ वो समझने की कोशिश करो क्या है वो चीज़ कि भाई मैंने आपको बोला कि रे डायग्राम से अच्छा खासा काम चल रहा था लेकिन फार्मूला लाने की क्या ज़रूरत है और हाँ फॉर्मूले से एक चीज़ याद आई कोई डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड तो कोई डेरिवेशन की डिमांड नहीं करेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वैसे आप बोलोगे कि मैम रिड्यूस सिलेबस रिड्यूस सिलेबस और फिर बोलोगे कि मैम फार्मूला का डेरिवेशन बताइए तो मैं डेरिवेशन नहीं बताने वाली क्यों क्योंकि वो आपकी सिलेबस में है ही नहीं बात रिड्यूस सिलेबस की नहीं है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं एंटायर सिलेबस में मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी ठीक है चलो हाँ तो हम कहाँ थे मैंने आपको बोला कि जो रे डायग्राम है उससे अच्छा खासा काम चल रहा था क्या जरूरत थी मिरर फार्मूले की बिल्कुल ज़रूरत थी क्यों एक हम काम करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर ठीक है कॉनकेव मिरर बनाया ये बना दी हमने उसकी प्रिंसिपल एक्सेस ये बना दिया हमने पोल ये बना दिया फोकस और ये बना दिया हमने उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है अब क्या हुआ अब जरा केसेस याद करो कॉनकेव मिरर के कि जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है इन्फिनिटी पे हो गया फिर इसके बाद में जब उससे इंसिडेंट रेज निकल के आती हैं तो कहां कन्वर्ज होती हैं भाई फोकस पे कन्वर्ज होती हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूं कि ये फोकस आ कहां रहा है मुझे ये समझ में आ गया कि जब मेरा दूर रखा होगा एक नेचर तो भी पता है कैसी होगी रियल इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी हाईली मैं ये जानना चाह रही हूं कि इस इमेज का डिस्टेंस मेरे मिरर से है कहा? कहां बन रही है इमेज की तो क्या आप सिंपल रे डायग्राम से मुझे बता पाओगे मुझे नहीं लगता आप बता पाओगे क्यों क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है? नहीं है क्यों नहीं पढ़ाया क्योंकि हो ही नहीं सकता आप रे डायग्राम से एग्जैक्ट पोजीशन इमेज की पता नहीं कर सकते हो है ना बिल्कुल नहीं पता कर सकते हो आप सिर्फ एक रफ आइडिया दे सकते हो खुद को कि एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं कॉनकेव मिरर के फोकस पे बनेगी है ना फिर इसके बाद में मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रखा हुआ है कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपने बोला कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी जो इमेज होती है वो रियल होती है इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है इमेज जो है वो यहां कहीं बनेगी लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक्चुअल इमेज एक्चुअल डिस्टेंस पता करना है इमेज का फ्रॉम द मिरर क्या बता पाओगे इस रे डायग्राम से बिल्कुल नहीं बता पाओगे क्यों क्योंकि रे डायग्राम आपको बहुत ही एक जनरल रफ आइडिया देता है कि भाई आप जब जहां जहां आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखोगे तब तक कहीं और इमेज बनेगी तो एक रफ आइडिया दे दिया कि भाई फोकस पे बनेगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन जाएगी है ना या अगर वर्चुअल बन रही है तो मिरर के पीछे लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसका मिरर से हमें पता नहीं चल पाएगा किससे रे डायग्राम से तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको पता चल पाए कि इमेज एक्चुअली में कहाँ बन रही है इसीलिए आया है आपका मिरर फॉर्मूला समझ में आ रही है बात कि हम यूं ही नहीं मिरर फार्मूला पढ़ रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस है कि वो हमें यू नो हेल्प करता है एक्चुअल डिस्टेंस जाने का कि भाई कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रही है फ्रॉम द मिरर क्योंकि रे डायग्राम ये हमें नहीं बता रहा है रे डायग्राम हमें सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन एक रफ आइडिया दे देता है कि भैया ठीक है अगर आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के कर्वेचर uh, पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी उसकी वही बनेगी नेचर बता दिया कि रियल इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी लेकिन डिस्टेंस नहीं बता रहा मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनी तो मिरर फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस आप सबको समझ में आ गया क्या होता है मिरर फॉर्मुला भाई रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ है उसके बीच का तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ अब ये जो one by F है इसको आप और कैसे लिख सकते हो वन बाय वी प्लस वन बायूज टू टू बाय आर टू बाय आर क्यों क्योंकि हमें पता है फोकल लेंथ कितना होता है बच्चों आर बाय टू होता है तो इस एफ की जगह हमने क्या रख दिया है टू बाय आर रख दिया है क्लियर है आप सबको ये चीज़ आपको समझ में आ गई यही है पूरा फोकल मिरर फॉर्मूला और इसी पे अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता रही हूं कि सपोज एक काम करते हैं हम लेते हैं एक और क्या कॉन्केव मिरर एक हमने लिया है कॉन्केव मिरर और इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है फिफ्टीन सेंटीमीटर है कितनी है बच्चों फिफ्टीन सेंटीमीटर है बेसिकली अभी मैं कर क्या रही हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना कि मिरर फॉमूला आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया देता है रफ आइडिया देता है कि इमेज कहाँ बन सकती है लेकिन एग्जैक्ट पोजिशन नहीं देता फ्रॉम द मिरर मैं उस चीज़ को प्रूव कर रही हूँ कि अभी तक हमने जो भी केसेस पढ़े हैं कॉन्केव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के क्या वो सही है या नहीं ऐसे कैसे कि आपने जो है ना रेज निकाल दी रूल्स फॉलो कर दी और कहीं के कहीं इमेज बना दी भाई वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना कि जो मैंने बोला है जो मैंने पढ़ाया है वो सही है या नहीं चलो देख लेते हैं क्या मैंने बोला कि मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई सेंटीमीटर है फोकल लेंथ पंद्रह सेंटीमीटर है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा थर्टी सेंटीमीटर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो हमारा मिरर है उसके किसी भी सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो उस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का कर जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा तो भाई अगर आपका जो फोकल लेंथ हो कॉन्केव मेरा का वो कितनी है पंद्रह सेंटीमीटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना होगा 30? 30 होगा सेंटीमीटर अब मैंने क्या किया है एक ऑब्जेक्ट को रखा है मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब आप बोलोगे कि मैम ये केस तो हमें पता है जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी अच्छा फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी कैसी बनेगी रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो इमेज है इमेज पोल से लेकर के कहाँ बनी है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है जो आप बोल रहे थे वही मैंने बोला मैं पे बस आपको वेरीफाई करके बता रही हूँ कि मैंने लिया है क्या एक कॉनकेव मिरर

वो बन रही है मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ठीक है कहाँ बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो ये रही इमेज तो इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर यानी कि 30 सेंटीमीटर अब अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि मेरा ऑब्जेक्ट वाकई में कहाँ रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है तभी जाकर के इसकी जो इमेज है वो कहां बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे मेरा फॉर्मूला लगाते हैं क्या होता है हमें क्या पता करना है हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे पता करेंगे वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन वी क्यों उधर ले गए हैं वन बाई वी को तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ठीक है हमें कैलकुलेट करना है अब वन बाई एफ एफ कितनी दी गई है फोकल लेंथ सेंटीमीटर दी गई है साइन कन्वेंशन आ गया कैसे मिरर के लेफ्ट साइड में आ रहा है मिरर के सामने आ रहा है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो अब मैं फोकल लेंथ को क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी पंद्रह माइनस पंद्रह फिर फॉर्मूले का नेगेटिव साइन वन अपॉन वी वी कितने डिस्टेंस पे बन रहा है भाई V बन रहा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे V बन रहा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहां पे भी मैंने एक नेगेटिव साइन लगाया पूछो क्यों क्योंकि इमेज भी क्या बन रही है मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है मेर के सामने बन रही है यानी कि नेगेटिव एक्सिस में बन रही है तो मुझे यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा ठीक है अब इस चीज को आपको करना है सॉल्व चलो कर लेते हैं इधर पे थोड़ी सी जगह बना देते हैं क्या मैंने बोला कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेरीफाई करनी है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे वेरीफाई करेंगे वन u इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस फिफ्टीन माइनस वन अपॉन माइनस थर्टी ऐसे हम निकाल लो इसका कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से तो तीस ही आएगा है ना अब फिफ्टीन में कितना मल्टीप्लाई करें कि तीस आ जाए टू और माइनस साइन तो है ही उसका तो माइनस टू माइनस थर्टी में कितना मल्टीप्लाई करें कि थर्टी आएगा वन और इसके साथ में इसका माइनस साइन ब्रैकेट में आपको दिख रहा है माइनस टू माइनस माइनस वन जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं तो माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय थर्टी अब ये देखो ये कितना आ रहा है बच्चों ये आ रहा है अपना वन अपॉन यू अब टू से डिवाइड कर दो इसको तो कितना आ जाएगा तो आपका वन अपॉन यू कितना है बच्चों माइनस वन बाय फिफ्टीन तो यू को आप क्या लिख सकते हो यू को आप लिख सकते हो माइनस एक मिनट रुको सॉरी सॉरी ये माइनस टू प्लस वन है माइनस टू प्लस वन मतलब कितना हो जाएगा वन माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा बच्चों वन हो जाएगा वेरी सॉरी यहाँ पे सिर्फ वन ही आएगा टू नहीं आएगा ठीक है माइनस टू प्लस वन कितना होता है वन ही होता है और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव क्यों क्योंकि टू का साइन बड़ा है नेगेटिव है डिवाइड कर दो कितने से थर्टी से तो आपका जो यू है वो कितना आ रहा है बच्चों माइनस सॉरी वन अपॉन यू कितना आ रहा है बच्चों माइनस वन बाय थर्टी तो यू को आप कैसे लिख सकते हो घुमा दो तो यू आ जाएगा आपका थर्टी सेंटीमीटर माइनस थर्टी सेंटीमीटर सिंपल मैंने क्या किया था मेरा फॉर्मूला लगाया है हमें कैलकुलेट करना है यानी कि हमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर उससे हमें कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी कर दिया वन अपॉन एफ क्या है भाई फोकल लेंथ कितनी है फिफ्टीन है अब जो कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसलिए मैंने माइनस कौन सा होगा ये होगा नेगेटिव साइन फॉर्मूले का अपॉन वन अपॉन इमेज का डिस्टेंस इमेज भी देखो कहाँ बन रही है कॉनके मिरर में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है माइनस थर्टी लिया है क्या किया है सिंपल इसको मैंने सॉल्व कर दिया है एलसीएम ले लिया माइनस टू माइनस अगेन ब्रैकेट में माइनस वन जब ब्रैकेट खोलेगा तो कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस वन नेगेटिव तो साइन उसका कौन सा तो उसका लग जाएगा नेगेटिव ही लगेगा तो माइनस वन बाय थर्टी कितना है अपना वन अपॉन यू तो यू कितना हो जाएगा उल्टा कर दो यू हो जाएगा अपना माइनस थर्टी सेंटीमीटर और थर्टी सेंटीमीटर क्या था भैया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो था सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस कितना आया था थर्टी सेंटीमीटर आया था और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कॉन्केव मिरर के कहाँ पड़ रहा है लेफ्ट साइड में पड़ रहा है यानी कि माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो हमारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है हैंस प्रूव्ड। अभी हमने क्या किया था ये केस हमको पता था कि एक के सामने जब आप उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी और साइज कैसा होगा सेम होगा है ना लेकिन इस चीज को हमने प्रूफ किया कैसे प्रूफ किया हमने इसको वेरीफाई किया मिरर फॉर्मूले से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता करना था कि क्या ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ इमेज तो हमें पता चल गया कि पे ही बन रही है लेकिन क्या ऑब्जेक्ट वाकई में पे रखा था तो अप्लाई कर लिया ठीक है अब अगर ये भी नहीं समझ में आया हो तो अब हम बात करते हैं दो और न्यूमेरिकल्स की आई ये दोनों सवाल आपको समझ में आ जाएंगे पहला सवाल क्या है भाई पहला सवाल ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट ट्वेंटी क्या करते हैं, एक बनाते हैं ये हमने बना दिया, जिसकी कितनी है, भाई? है इसकी पंद्रह सेंटीमीटर यानी कि फोकस से पोल तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों पंद्रह सेंटीमीटर और इस ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे रखा गया है भाई यानी कि यू हमें यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है मिरर से 25 सेंटीमीटर अब ये पूछ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन रखें मिरर से पूछा जा रहा है कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन रखें कि हमको एक शार्प इमेज मिले तो ऑब्वियसली बात है बच्चों आप स्क्रीन कहाँ रखते हो जहाँ पे आपको इमेज मिल रही है यानी कि स्क्रीन से लेकर के जहां भी आपको जिस भी डिस्टेंस पे इमेज बन रही होगी वहां पे आप रख दोगे स्क्रीन तो यहां पे हमें निकालना क्या पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस कि किस इमेज किस डिस्टेंस पे रखी गई किस डिस्टेंस पे बनी है अपनी इमेज ठीक है आसान है निकाल लेते हैं कैसे ये रहा क्या अपना कॉनकेव मिरर ये रहा उसका पोल ये रहा उसका फोकस फोकल लेंथ कितनी आ रही है बच्चों इसकी पंद्रह सेंटीमीटर आ रही है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा कितना हो जाएगा तीस सेंटीमीटर हो जाएगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा तीस सेंटीमीटर और ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है पच्चीस सेंटीमीटर पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस है उसके बीच में रखा है फोकल लेंथ ही पंद्रह पंद्रह को डबल कर दो क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना थर्टी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है रेडियस ऑफ़ ना पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी, दूरी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 30 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले और फोकस के बाद ये वाला केस हमने पढ़ा है कि भाई जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज कहा बनती है बियोन्ड सी बियोन्ड सी बनती है और वो भी कैसी रियल इन्वर्टेड ये हमने पढ़ा हुआ है तो हमें एक रे डायग्राम ने जनरल आइडिया दे दिया कि जब एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहा बनेगी बियोन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अब हम इसको करते हैं प्रूफ हमारे मिरर फॉर्मूले से क्या है मिरर फॉर्मूला भाई वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ मुझे क्या कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस तो वन अपॉन वी इज इक्वस टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू कर दूंगी मैं फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन कौन सा लेंगे भाई फोकल लेंथ दी कितनी है पंद्रह दी है मैं कौन सी लूंगी माइनस क्यों क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट uh, है जो फोकस है वो कहाँ है मैं किसकी बात कर रही करूँ फोकस की कॉनके मिरर की और कॉनके मिरर का फोकस कहाँ आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो मैं यहाँ से लूंगी कितनी माइनस फिफ्टीन फिर फार्मूले का नेगेटिव साइन माइनस u ऑब्जेक्ट भी कहां रखा है मिरर के सामने रखा है यानी कि नेगेटिव x एकस एक्सिस पे रखा है कितने डिस्टेंस पे रखा गया है भाई दिया गया है 25 पे तो ये हो जाएगा कितना माइनस -25 ठीक है अब ले लो इसका एलसीएम मेरे ख्याल से ये 15 और 25 75 होता है ठीक है 15 में कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 5 आ जाए 5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना -5 माइनस ये वाला कौन सा माइनस है फॉर्मूले का माइनस है पच्चीस में कितना इंटू कर दो कि सेवेंटी आ जाए मेरे ख्याल से थ्री है ना तो ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री अब क्या करें ब्रैकेट खोल दो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस फाइव प्लस थ्री डिवाइडेड बाय कितना पचहत्तर तो ये कितना हो जाएगा माइनस Divided बाय 75. ये क्या आ रहा है बच्चों ये आ रहा है वन upon वी अब मैं इसको उल्टा कर दूंगी रिवर्स कर दूंगी तो वी कितना आ जाएगा वी आ जाएगा माइनस सेवेंटी फाइव बाई टू और मेरे हिसाब से माइनस सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव बाई टू कितना होता है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है वी कितना आ जाएगा आप चेक कर लेना वी आ जाएगा मेरा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रेड डायग्राम ने क्या बताया था कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज क्या बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी यानी कि थर्टी सेंटीमीटर से बाहर ही जाएगी अपनी इमेज तो क्या ये सही बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहां पे यानी कि 37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या बनेगा मेरी इमेज बनेगी तब जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आई बात आपको समझ में घुसा कुछ देख माग में कि क्या बोला मैंने शुरू से मैं एक बात बोलती आ रही हूँ भैया कि जो मिरर फॉर्मूला है ना वो आपको इमेज ऑब्जेक्ट इनकी एक एग्जैक्ट पोजिशन बताता है रे डायग्राम हमें एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो वहीं पे इमेज लेकिन जो मिरर फार्मूला है वो आपको एग्जैक्ट जगह बता देता है कि कहां बन रही है जैसे कि इस केस में बताया था कि हम हमें पता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट यानी कि जो इमेज है वो कहां बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ही बनेगी बियॉन्ड सी ये हमने निकाल लिया मिरर फॉर्मूले से सी तक का क्या डिस्टेंस था मिरर से थर्टी सेंटीमीटर लेकिन इमेज कहां बन रही cm, है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गए आपको दिमाग में बात और नेगेटिव बता रहा है मतलब क्या कि मिरर के सामने रखा जा रहा है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बस और मुझे आपको इसके अलावा और कुछ नहीं समझाना था कॉनकेव मिरर का केस देख लिया अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर के केस पे ठीक है कॉनकेव देख लिया अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की क्या बोल रहा है कॉन्वेक्स अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ठीक है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेजर 200 सेंटीमीटर यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हमें डिस्टेंस बताया गया है ठीक है क्या बताया गया है यू बता दिया गया है हमें कितना बताया गया है यू यू इज ट्वेंटी सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेजर कितना बताया गया है हमें कॉन्वेक्स मिरर का वो बताया गया है 100 सेंटीमीटर तो r/2 कर दो r/2 करोगे तो क्या आएगा फोकल लेंथ निकल जाएगी तो f r/2 कर दो तो फोकल लेंथ आ गई आपकी 100 सेंटीमीटर ठीक है तो 100 सेंटीमीटर है एक कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ की और जो इमेज सॉरी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है हमसे पूछा क्या है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस टू ऑप्टेन शार्प इमेज हमको क्या चाहिए, एक चाहिए है. जहां पे बनेगी, वहीं पे हमें रखनी पड़ेगी अपनी स्क्रीन तो स्क्रीन कहा वाले सवाल में भी चलो एक काम करते हैं इसका भी बना लेते हैं क्या एक रे डाइग्राम कैसे बनेगा रे डायग्राम ये बना दिया क्या मैंने एक कॉन्वेक्स मेर ये बन गई क्या उसकी प्रिंसिपल एक्सिस अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां बनेगा वो बनेगा हमारे मिरर के पीछे है ना फोकल लेंथ अभी अभी हमने कितनी निकाली थी 100 सेंटीमीटर निकाली थी क्यों क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 200। तो फोकल लेंथ आधी कर दो उसकी तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ f इज इक्वल टू आर टू तो 200 डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों 100 सेंटीमीटर आ गई फिर इसके बाद में क्या बोला गया कि हमने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि अब हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखना पड़ेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखना पड़ेगा ठीक है समझ लो यहाँ हमने रख दिया क्या अपना ऑब्जेक्ट और इधर से लेकर के इधर तक का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर पोल से इमेज तक का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमको दी गई है कितनी सौ अब हमें क्या निकालना है कि इमेज कहाँ बनेगी अब आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के केवल दो ही केस होते हैं एक जब आपने रखा है ऑब्जेक्ट को कहाँ इन्फिनिटी पे जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी फोकस पे बनेगी लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जा रहा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जा रहा है तो हमें रे डायग्राम में क्या बताया था एक जनरल आइडिया दे दिया था कि भाई जब आप कॉन्वेक्स के केस में इन्फिनेटी और पोल के बीच में कहीं रखते हो ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों इमेज बनेगी पोल और फोकस के कहीं बीच में जनरल आइडिया दे दिया अब हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अभी तक जो हमने रे डायग्राम पढ़ा है यही पोल और फोकस के बीच वाला फंडा क्या ये सही है भी या नहीं है चलो ठीक है अब क्या करें लगाते हैं मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला बोले तो वन बाय वी प्लस वन बाय इज इक्वल टू वन बाई एफ पता क्या करना है हमें इमेज का डिस्टेंस पता करना है वन बाई वी तो वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन बाय अब फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ हमारी जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें आप देखो कौन सी लेंगे हम हंड्रेड सेंटीमीटर लेकिन पॉजिटिव क्यों क्योंकि फोकस जो है जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर केस में वो कहाँ आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है तो यहां पे हम फोकल लेंथ कितनी ले लेंगे भाई यहां हम ले लेंगे प्लस हंड्रेड ठीक है फिर माइनस ये वाला माइनस कौन सा है फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है अपॉन यू अपॉन यू वन अपॉन यू ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है भाई पच्चीस सेंटीमीटर पे लेकिन क्या मैं ऐसे ही लुक दूंगी पच्चीस सेंटीमीटर या कोई साइन भी लगाऊंगी कौन सा लगाऊंगी नेगेटिव क्यों क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रखा है ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो यहां मैंने क्या ले लिया यहां मैंने ले लिया माइनस पच्चीस अब हंड्रेड और पच्चीस के बीच का जो तो है मेरे ख्याल से हंड्रेड ही आता है तो ये आ गया हंड्रेड हंड्रेड में क्या मल्टीप्लाई करें कि हंड्रेड आ जाए वन करेंगे ठीक है फिर इसके बाद में माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है माइनस ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस पच्चीस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि भाई चार आ जाए सॉरी uh, हंड्रेड आ जाए तो आप बोलोगे चार ठीक है हो गया चार। अब क्या करें माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा ब्रैकेट खोल देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये कितना जाएगा बच्चों वन प्लस फोर बाय हंड्रेड फाइव बाई हंड्रेड है ना अब v हम क्या निकालेंगे v निकालने के लिए हम उसको रिवर्स कर देंगे हंड्रेड अपॉन फाइव आ जाएगा तो फाइव टू जन तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 सेंटीमीटर क्या नेगेटिव साइन आया है नहीं आया है क्यों क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा कि मिरर के पीछे बनाएगा यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनाएगा ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना लिया है मतलब क्या कि इमेज जो होगी हमारी कहाँ आएगी पोल से लेकर के 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएगी इमेज डिस्टेंस क्या आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर आ गया

तो हो गया प्रूफ सही बोल रहा था डायग्राम बिल्कुल सही बोल रहा था कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो कितनी थी यानी कि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस था 100 का और हमें पता क्या करना था हमें पता करना था प्रूफ करना था वेरीफाई करना था कि जो इमेज बनी है वो इस 100 सेंटीमीटर के अंदर ही बनेगी तो बिल्कुल बन रही है भाई पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है आगे बात समझ में अब और थोड़ा घुसा होगा दिमाग में क्या बोला था मैंने मैं बार बार आपसे ये चीज़ बोल रही थी बच्चों कि जो मिरर फॉमूला है वो सिर्फ हमें क्या बताता है एक तरह का वेरिफिकेशन होता है अभी तक हम जो भी रे डायग्राम से पढ़ते आ रहे हैं कि इमेज जो है मिरर के आगे बन रही है पीछे बन रही है यानी कि वर्चुअल बन रही है रियल बन रही है है ना और बियॉन्ड सी या एट द सी या पोल और फोकस के बीच में या इन्फिनीटी पे इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कौन मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला क्या करता है एग्जैक्ट पोजिशन हमें बता देता है ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर से कि कहाँ पोल से रखे गए हैं ऑब्जेक्ट और कहाँ बन रही है इमेज फ्रॉम द पोल क्लियर है आप सबको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा अब हम क्या करेंगे इस सेशन के लिए इतना ही ठीक है इस सेशन के लिए इतना ही आई होप आपको मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा किस तरह से हम मिरर फार्मूला लगाते हैं और साइन कन्वेंशन का कितना बड़ा रोल है भाई अगर आपने सही साइन नहीं लिया पॉजिटिव नहीं लिया नेगेटिव नहीं लिया तो आपका आप कितने भी अच्छे से मिरर फॉर्मूला क्यों नहीं लगा दोगे कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन क्यों ना कर दोगे आंसर गलत आ जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है बच्चों आपको अच्छी तरीके से साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ लेने हैं और तब आपको आना है मिरर फॉमूला पे ठीक है तो ये दो न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको बताए थे मिरर फार्मूला समझाने के लिए करे थे और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे मिरर फार्मूला पे लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको समझा दू लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ फेरिकल मिरर्स तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ फेरिकल मिरर्स पे ही बेस्ड होगा इस लेक्चर के लिए इतना ही हम बात करेंगे या हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ फेरिकल मिरर्स तब तक आपको क्या करना है आप विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेस डॉट कॉम जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अरेंज फॉर्म में यानी कि प्लेलिस्ट में साथ ही साथ वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे तो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेस डॉट कॉम टिल कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेकल मिरर्स जैसा कि आपको पता है बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी मिरर फॉर्मूला की और देखा था कि किस तरह से हम रे डायग्राम्स को वेरीफाई कर सकते हैं मिरर फार्मूला से मिरर फार्मूला में क्या बता रहा था कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो रही है ऑब्जेक्ट की या इमेज की क्योंकि रे डायग्राम जो अभी तक हमने पढ़ते आए हैं डिफरेंट केसेस कॉनकेव के चाहे कॉन्वेक्स के दो वो हमें सिर्फ एक जनरल आइडिया या एक रफ आइडिया देते थे कि कहाँ आप आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे और कहाँ उसकी इमेज बनेगी लेकिन मिरर फार्मूला से आप एग्जैक्ट पोजिशन निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट की और इमेज की तो एक चीज़ ये भी पढ़ी ली हमने न्यूमेरिकल वाली अब जो दूसरी चीज़ है कौन सी लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर्स ये भी हम कवर करेंगे आज इस लेक्चर में तो टारगेट सेट कर दिया हमने क्या है ये समझना लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर्स तो टारगेट सेट हो गया है तो एक काम करते हैं लेक्चर शुरू कर देते हैं सो दिस इज़ विभूति करें वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां पे आपको uh, सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्यों क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि बेस्ड है हमारे टारगेट पर इनर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बायेरिकल मिरर्स अब एक चीज़ है एक चीज़ नहीं दो चीज़ें ठीक है इन दोनों बातों को बहुत ही एकदम कान खोल के आँख खोल करके सुनना मैग्निफिकेशन टर्म का क्या मतलब होता है यूजुअली मैंने एग्जैक्ट जब मैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स पेड पढ़ा रही थी उस टाइम पे भी मैंने कहीं ना कहीं तो मैग्निफाइड वर्ड का यूज़ किया ही होगा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है मैग्नीफाइड का मतलब आप समझ सकते हो कि एंड लास्ट है ना बड़ा या बोल सकते हो जूम तो मैग्निफाइड को हमने समझा कि ये हो सकती है कोई बड़ी सी चीज यानी कि एनलास्ट बड़ा या जूम ये जितने भी टर्म्स से बच्चों ये किसी एक टर्म से रिलेट करते हैं और वो एक टर्म क्या है वो एक टर्म है हमारा साइज कौन सा टर्म है भाई ये है हमारा टर्म साइज हमने पढ़ा एनलार्ज हमने पढ़ा जूम हमने पढ़ा मैग्निफाइड ये टर्म्स कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से रिलेट करते हैं वो है साइज यानी कि एनलार्ज लार्ज साइज जब किसी चीज के साइज को हमें हम बड़ा बोलना होता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है मैग्निफाइड है एक ही चीज़ आपको समझ में आ गई अब दूसरी चीज कि साइज को हम बड़ा या छोटा कब बोल सकते हैं जब आप किसी उस अपने ऑब्जेक्ट को उस साइज से किसी और साइज से कंपेयर करो, नहीं समझ में आया देखो मेरे पास है मेरा एक घर ठीक है ये ये रहा मेरा घर अब मैंने बोला मेरा जो घर है वो बहुत बड़ा है अब आप बोलोगे ऐसे कैसे मालने हो सकता है कि आपका अगर हमारे घर से छोटा हो पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है अब मैंने और क्या करा मैंने बोला कि ये रहा मेरा पड़ोसी का घर अब मैं बोलूं कि मेरा घर मेरे पड़ोसी के घर से बड़ा है अब आप मान जाओगे कि हाँ मैम अपने घर को कंपेयर कर रही हैं अपने पड़ोसी के घर से इसीलिए बोल रही हैं कि उनका घर बड़ा है तो ये कोई सेंसेबल बात है बिल्कुल सही बात है इससे आपको क्या समझ में आया कि एक साइज़ को हम बड़ा या छोटा तभी बोल सकते हैं जब आप उसे किसी दूसरे साइज़ के साथ कंपेयर करो जैसे कि मेरे पास ही ये एक पेन मैंने बोला ये पेन बहुत लंबा है आप बोलोगे ऐसे कैसे मान लें कि ये लंबा है कोई बात नहीं मैंने लिया एक दूसरा पेन जो कि इससे क्या था छोटा था मैंने बोला कि अब मेरा ये जो पेन है ना इस छोटे वाले पेन से बड़ा है तो आप मान जाओगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैम ने क्या किया है इस पेन की साइज को कंपेयर किया है दूसरे पेन की साइज से तभी मैम बोल पाए कि ये कैसा है ये बड़ा है आए पा आपको समझ में तो दो चीजें अभी तो मैं आपको कौन सी पढ़ाई कि भाई मैग्निफाइड या एलार्ज या जूम ये टर्म्स सभी रिलेट करते हैं किसके साथ साइज के साथ सा� ठीक है और एक साइज को बड़ा या छोटा हम कब बोल सकते हैं जब आप उसको कंपेयर करो किसी दूसरी साइज के साथ हम पढ़ क्या रहे थे हम पढ़ रहे थे स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर्स मिरर्स के केस में हमें दो चीजों की साइज देखने को मिल रही थी एक एक क्या था एक था भैया अपने ऑब्जेक्ट का साइज और दूसरा था अपने इमेज का साइज साइज मतलब ये वाला साइज नहीं हाइट वाला साइज स्फेरिकल मिरर्स में हमने दो चीजों के साइज पढ़े हैं. कौन कौन सा एक तो पढ़ा ऑब्जेक्ट का साइज और दूसरा हमने पढ़ा इमेज का साइज तो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के से छोटी है है ना इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनी है या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है तो हम ये इमेज छोटी बड़ी या बराबर कैसे बोल पा रहे थे जब हम उस इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर कर रहे थे ऐसी हवा में थोड़ी बोल दिया हमने कि इमेज की साइज छोटी बन रही है इमेज की साइज़ बड़ी बन रही है या बराबर बन रही है अरे कैसे बराबर बन रही है कैसे बड़ी कैसे छोटी तो उसको कंपेयर तो करो किस चीज़ से कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट की इमेज से करेंगे आई बात आपको समझ में ये दो चीज़ें मुझे आपको समझानी थी अब जब हम बात करते हैं मैथेमेटिक्स की तो मैथेमेटिक्स के लिए हम जब हमें कंपेयर करना होता है किसी भी दो क्वांटिटीज को तो हम कौन से मैथेमेटिकल फंक्शन का यूज़ करते हैं भाई दिमाग लगाओ हम यूज़ करते हैं किसका रेशियो का है ना जब हमें किसी दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो हम यूज करते हैं मैथ्स में रेशियो का तो हम एक काम करते हैं हम फिजिक्स में भी रेशियो का यूज करेंगे ठीक है अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो है क्या भाई बड़ी इजी है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्केव मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक काम करो ये जो कॉन्केव मिरर है ना इसको आप बना दो स्फेरिकल मिरर मैग्नीफिकेशन क्या होता है मिरर्स का तो भाई वो रेशियो होता है किस चीज का रेशियो होता है हाइट ऑफ़ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन स्पेरिकल मिरर्स का एक रेशियो है रेशियो मतलब कि न्यूमरेटर में कौन सा लेंगे हम हाइट लेंगे किस चीज की इमेज की उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ आ गया समझ में ये जो डब्बा है ना इसे अपने अपनी नोटबुक्स में बना लो और कर दो स्टार मार्क क्योंकि मिरर साइन कन्वेंशन और मिररल फॉर्मूलाफिकेशन इनसे भरे होते हैं न्यूमेरिकल्स ठीक है इन्हीं पे बेस्ड होते हैं सारे न्यूमेरिकल और सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन और जो मिरर फार्मूला uh, है ये सिर्फ मिरर्स के लिए ही नहीं है जब हम आगे इस चैप्टर में लेंस पढ़ेंगे ना लेंस में भी आपको लेंस फार्मूला आएगा और लीनर मैग्निफिकेशन भी आएगा लेंस के केसेस में वहाँ तो पावर भी आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं आगे और पढ़ने के लिए मैं क्या चाहती हूँ जो भी हम चल पढ़ते जा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठाते जाओ ठीक है और नेक्स्ट डे तो मैं आपको रिवाइज़ करवाई देती हूँ डी के थ्रू लीनर मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों की ये एक रेशियो होता है इमेज की हाइट का डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट का अब इसे याद कैसे रखें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर रखनी थी या इमेज की हाइट ऊपर रखनी थी एक काम करो इमेज की हाइट को अभी तक हम कैसे लिखते आ रहे हैं एच आई और ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसे लिखते आ रहे हैं एच ओ अगर आप एच टू या एच वन में कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है है ना लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि पहले आपको क्या रखना है इमेज की हाइट रखना है क्यों क्योंकि इमेज में क्या आ रहा है हाई और जब हम किसी को पहली बार मिलते तो हम क्या कहते हैं हाई लीनर मैग्निफिकेशन को भी हम पहली बार मिल रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे हेलो या हाई तो ये जो हाई है मतलब क्या इमेज की हाइट और फिर नीचे आ जाएगा क्या ऑब्जेक्ट की हाइट अब तो नहीं होगी कन्फ्यूज किसी तरह का कंफ्यूजन तो नहीं है लीनर मैग्निफिकेशन क्या होता है रेशियो होगा इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का ठीक है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई अब सवाल यह है कि लीनियर मैग्निफिकेशन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं क्या ज़रूरत है दोनों के आ, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को कंपेयर करने की भाई ज़रूरत है कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन दिया जाता है कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का ठीक है और हमको बताना रहता है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी होगी उसका नेचर कैसा होगा उसकी हाइट कैसी होगी उसका डिस्टेंस कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा कई बार तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट भी पूछ लेते हैं तो ये चीज़ ना आपको साइन कन्वेंशन ना आपको रे डायग्राम दे सकते हैं ना ही आपको मिरर फॉर्मूला दे सकता है करना क्या पड़ेगा हमको हमको कोई एक और नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसकी हेल्प से हमको इमेज का नेचर पता चले और उसकी हाइट पता चले और ऑब्जेक्ट की भी हाइट पता चल जाए और लेंस जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ना इससे हम ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं यानी कि वी और यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे अभी देख लेते हैं इतना आपको समझ में आ गया हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्मॉल एम से तो एम इज इक्वल टू हाई हाई मतलब कि क्या इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट और अगर आप कंफ्यूज ना हो एच टू और एच वन में तो एच टू क्या है इसको हम एच टू भी ले सकते हैं और इसको हम एच वन भी ले सकते हैं एच टू क्या है इमेज की हाइट है और एच वन क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट है अब अगर मैंने आपको बोला सपोज कि एम क्या है भाई वन है यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है वन है तो एक काम करो इससे आप क्या समझ सकते हो मैंने आपको बोला कि भाई लीनियर मैग्नीफिकेशन वन है तो आपको मुझे बताना है कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी और इमेज की हाइट क्या होगी क्या इमेज की हाइट बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से या ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी इमेज की हाइट से देखने वाली बात है एक काम करते हैं ये जो एम है ना इसकी जगह हम लिख देते हैं एच आई और एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू वन अब ये जो एच ओ है उसको हम ले जाते हैं अपने आर एच एस में आर एच एस में ले जाने के बाद क्या हुआ भाई एच आई इज इक्वल टू वन इन टू एच ओ जो कि किसके बराबर हो जाएगा एच आई इज इक्वल टू एच ओ क्या निकला इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है जब मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन कितना आया वन आया तो उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर है है ना साइज आपको पता चल गया कि क्या हो सकता है जब मैग्निफिकेशन आए कितना वन अब सेकंड केस देखते हैं सेकंड केस में मैंने आपको बोला है कि मैग्निफिकेशन कितना है टू है ठीक है मैग्निफिकेशन कितना है टू है तो इस टू मैग्निफिकेशन से मैंने कंक्लूड किया है कि मेरा जो इमेज की हाइट थी वो ज्यादा थी ऑब्जेक्ट की हाइट से या इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा है अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हम मान लें हवा में नहीं बिल्कुल भी नहीं एक काम करते हैं देख लेते हैं सपोज मेरे पास है एक इमेज जिसकी हाइट है कितनी टेन सेंटीमीटर और मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बनी गई है ऑब्वियस सी बात है ठीक है मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है कितनी पांच सेंटीमीटर है और उसी ऑब्जेक्ट की बनी है क्या इमेज इमेज का साइज कितना है टेन सेंटीमीटर है अब एक काम करो निकालो लीनियर लीनर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू कितना चाहिए हाई अपॉन एच ओ यानी कि टेन अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर ये जो टू सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा एक चीज और यहाँ पे फोकस करने वाली है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसकी बच्चों कोई यूनिट नहीं होती है ठीक है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्यों क्योंकि अगर आप आ, इमेज की हाइट ले रहे हो सपोज सेंटीमीटर में तो ऑब्जेक्ट की साइज भी कितनी होगी सेंटीमीटर में दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी तो मैग, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो यहां पे क्या हुआ लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आया दो आया जो मैंने पहले केस लिया था उसमें भी क्या था लीनियर मैग्निफिकेशन दो ही था और उसमें मैंने आपसे बोला था कि भाई इमेज का जो साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट की साइज से तो आपने मुझसे पूछा था ऐसे कैसे हम मान लें कि बड़ा है तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया इसका मतलब क्या कि जब एम इज इक्वल्स टू वन है यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है बराबर है जब लीनियर मैग्निफिकेशन टू है टू मतलब क्या ये टू क्या ये थ्री भी हो सकता है फोर भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है डेसिमल में भी, भी जा सकता है मतलब क्या हो रहा है यहां पे वन से ज्यादा जब लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा होगा बच्चों वन से जब ज्यादा होगा तो समझ लो कि आपकी जो इमेज का जो साइज था या जो इमेज की जो हाइट थी ना बच्चों वो ज्यादा थी ऑब्जेक्ट के इमेज ऑब्जेक्ट का जो साइज है या उसकी जो हाइट है उसके रिस्पेक्ट में ठीक है दो केस समझ में आ गए अब हम बात करते हैं थर्ड केस की थर्ड केस क्या है थर्ड केस मैंने लिया है जहाँ पे मेरा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ना बच्चों वो आ रहा है कितना पॉइंट फाइव अब इस केस में मैं बोल रही हूँ कि जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे मान लें कुछ ना कुछ तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा ठीक है एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम ठीक है एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी साइज़ कितनी है टेन सेंटीमीटर है और उसकी जो इमेज बनी है वो इमेज का साइज़ कितना है भाई इमेज का साइज़ है कितना पाँच सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है दस सेंटीमीटर का और इमेज बनी उसकी पांच सेंटीमीटर की अब लगा लो जरा इसमें लीनर मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ तो एच आई कितना है भाई कितना है एच आई इमेज की हाइट कितनी आई है पांच आई है और ऑब्जेक्ट की कितनी है दस है तो कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव हो गया कंक्लूड सही तो बोला था मैंने जब लीनर मैग्निफिकेशन कितना आया पॉइंट फाइव आया तो मैंने कंक्लूड किया था कि भाई जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है और मैंने यहाँ पे आपको प्रूव भी करके बता दिया ये पॉइंट फाइव क्या पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर कितना भी हो सकता है यानी कि अगर मेरा मेरा जो लीनर मैग्निफिकेशन है वो कैसा आया है वन से कम आया है इसका मतलब क्या होगा कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा तीन केसेस हमने देख लिए बच्चों वेन एम इज इक्वल टू वन वेन एम इज ग्रेटर देन वन एंड वेन एम इज स्मॉलर देन वन जब लीनर मैग्नीफिकेशन लीनर मैग्निफिकेशन है क्या बच्चों रेशियो ही तो है रेशियो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का वन आ रहा है मतलब क्या कि दोनों ही आ, मतलब ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उन दोनों की साइज कैसी है बराबर है और अगर उनके बीच का रेशियो कैसा आ रहा है बच्चों वन से ज्यादा आ रहा है मतलब क्या कि इमेज की हाइट या इमेज की साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से और अगर उनके बीच का रेशियो वन से कम आ रहा है स्मॉलर देन वन है तो आप बोलोगे कि भाई ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना वो बड़ा है इमेज से इमेज की साइज छोटी है ऑब्जेक्ट की साइज से साइज समझ में आ गया अब एक काम करते हैं अब हम समझते हैं नेचर को इमेज की नेचर जो हमें डिफरेंट इमेजेस मिलती हैं उसके नेचर को समझ लेते हैं कौन कौन सी इमेजेस मिलती हैं रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट ये दो तरह के नेचर की हमें इमेजेस मिलती हैं लीनियर मैग्निफिकेशन से हम इन आ, जो अलग अलग नेचर्स की इमेजेस मिल रही हैं ना उस नेचर को भी पकड़ सकते हैं पहचान सकते हैं कैसे एक काम करते हैं सपोज यहाँ पे m इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है माइनस थ्री दिया गया है क्या दिया गया बच्चों माइनस थ्री दिया गया है अब आपको पता होना चाहिए कि जो आ, लीना मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ एच आई क्या है हाइट है किसकी इमेज की यानी कि साइज है इमेज की और एच ओ क्या है ऑब्जेक्ट का साइज है ऑब्जेक्ट की जो हाइट है साइन कन्वेंशन याद करो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसे हम कहाँ से नापते थे या इमेज की साइज को हम कहां से नापते थे हाइट को वाई एक्सिस से और ऑब्जेक्ट की साइज तो हमेशा पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव नहीं आएगी क्यों क्योंकि उसको आप हमेशा द प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस रखते हो के ऊपर रखोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस से ही तो नापोगे ना ऑब्जेक्ट ना, की हाइट तो भाई आपका जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो तो हमेशा कैसी रहेगी बच्चों पॉजिटिव ही रहेगी कैसी रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी लेकिन फिर भी लीना मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है माइनस थ्री आ रहा है इस माइनस थ्री से हम क्या कंक्लूड करें कि डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव साइन है लेकिन अगर रिजल्ट में नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब क्या गड़बड़ी है तो इस न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में होगा नेगेटिव साइन तभी इसके रेशियो के आंसर में क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है डिनोमिनेटर में तो कभी भी नेगेटिव साइन आएगा नहीं चाहे तुम कॉनकेव मिरर ले लो चाहे तुम कॉन्वेक्स मिरर ले लो क्यों क्योंकि आप हमेशा क्या करोगे ऑब्जेक्ट को अब द प्रिंसिपल एक्सिस रखोगे तो उसका जो साइज होगा आप हमेशा उसको वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस से ही नापोगे लेकिन जो इमेज है इमेज से फर्क आ जाएगा कैसे आ जाएगा क्यों क्योंकि अगर तो आपकी इमेज बन गई कैसी रियल रियल मतलब क्या मिरर के सामने और रियल के साथ साथ में कौन आता है इन्वर्टेड तो रियल इन्वर्टेड इमेज अगर बनी है इन्वर्टेड मतलब क्या घूमी हुई मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो जब नीचे कोई चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसकी साइज को कैसे मेजर किया जाएगा माइनस या नेगेटिव वाई एक्सिस से तो डिनोमिनेटर तो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होने वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा न्यूमरेटर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है अगर आपकी इमेज कैसी होगी इन्वर्टेड होगी तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा क्यों क्योंकि हाइट के साथ हमें उसको वैल्यू तो रखनी है हाइट की साथ साथ में क्या रखना है साइन भी रखना है क्योंकि साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं आगे बात आपको समझ में चलो एक काम करते हैं आ, इस चीज को मैं ऐसे समझ सकती हूँ अलीना मैग्निफिकेशन क्या था माइनस थ्री आया था अब एक न्यूमेरिकल ले लेते ले 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 हैं सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है ठीक है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो साइज है जो साइज है वो कितना है मान लिया मैंने फाइव सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है बच्चों पांच सेंटीमीटर है उससे जो इमेज बनी है उससे जो इमेज बनी है वो कितनी बनी है पंद्रह सेंटीमीटर की बनी है दिख रहा है कि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से यानी कि रीना मैग्निफिकेशन कैसा आएगा बच्चों वन से ज्यादा आएगा करके देख लेते हैं एम इज इक्वल टू पंद्रह अपॉन पांच ये कितना आ गया तीन आया लेकिन मेरे सवाल में मैग्निफिकेशन में माइनस साइन भी था माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो तो कभी नेगेटिव होने से रही क्यूं? क्यों क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगी लेकिन इसमें माइनस साइन आ रहा है मतलब क्या गड़बड़ी है न्यूमरेटर में मेरे आंसर में माइनस क्यों नहीं आया था क्योंकि मैंने जो हाइट ली थी इमेज की वो कैसी ली थी पॉजिटिव ली थी लेकिन मुझे लेना क्या था नेगेटिव लेना था तो मैंने यहां पे क्या कर दिया मैंने यहां लगा दिया माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन आ गया तो मेरा लीन मैग्निफिकेशन भी अब कितना आ गया? -3 आ गया गया सेंटीमीटर का क्या मतलब है 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 भाई सेंटीमीटर का मतलब है कि इमेज जो है वो कैसी है इनवर्टेड है क्यों इन्वर्टेड है क्योंकि तभी तो नेगेटिव साइन आया है नेगेटिव वाई एक्सिस से मेजर की गई है हाइट क्यों क्योंकि आपकी इमेज कैसी थी इन्वर्टेड थी मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर मैग्निफिकेशन से आप ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज को कंपेयर कर सकते हो कि भाई इमेज की बड़ी बनी इमेज uh, की साइज ज्यादा बड़ी है या ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा बड़ी है साथ ही साथ आप इमेज का नेचर भी पता कर सकते हो कर लिया ना पता नेचर अगर इन्हें मैग्निफिकेशन कितना आया भाई इन्हें मैग्निफिकेशन आया है माइनस टू आया माइनस का क्या मतलब है टू अभी सिर्फ टू देखो ये मत बोला कि मैं माइनस मतलब वन से कम वन से कम यानी कि जो इमेज है वो छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से नहीं जब आपको इमेज का साइज देखना है ना बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखना नंबर देखना साइन पे मत जाना और जब आपको नेचर पता करना है तो नेचर पता करने के लिए आप साइन पता कर लेना ठीक है एक लीनर मैग्निफिकेशन कितना आया है माइनस टू आया है माइनस टू का क्या मतलब है

जो हमारा न्यूमरेटर है वहां क्या आया है नेगेटिव साइन आया है जिसकी वजह से लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आया है बच्चों माइनस में आया है ठीक है तो अगर आपको ऑब्जेक्ट का या इमेज की साइज देखनी है तो आप क्या करोगे लीनियर मैग्निफिकेशन का जो नंबर है उसे देखोगे और अगर नेचर पता करना है तो आप क्या करोगे आप पता करोगे उसका साइन अब सपोज इसी को मैंने बोल दिया कि भाई जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो कितना आया है टू आया है मतलब कि इमेज का साइज बड़ा था ऑब्जेक्ट की साइज से क्यों क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो वन से ज्यादा है और पॉजिटिव है साइन कौन सा यहाँ पे पॉजिटिव है इसका मतलब क्या डिनोमिनेटर को तो हमेशा पॉजिटिव रहना है चेंज कौन होता है न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव साइन है इसलिए मैग्नीफिकेशन रेशियो कैसा आया पॉजिटिव आया है यानी क्या मेरी जो इमेज है वो बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तभी तो उसका जो हाइट है वो हमने कहाँ से मेजर किया है पॉजिटिव वाई एक्सिस से यानी कि इमेज कैसी बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गई आपको बात समझ में तो लीनियर मैग्निफिकेशन से हमने क्या निकालना सीख लिया दो चीजें एक तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज और दूसरी चीज कि इमेज का नेचर कैसा बनेगा वर्चुअल इरेक्ट रहेगी या रियल इन्वर्टेड रहेगी चीज़ आ गई आपको समझ में आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है भाई अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टिशन साइन कन्वेंशन द हाइट एच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव ये तो हमें पता है वेन द इमेज इज रियल इट इज इन्वर्टेड दैट इज द इमेज लाइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है अगर इमेज कैसी होगी रियल इन्वर्टेड होगी मतलब क्या हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगी तो उसका साइन हम क्या ले लेंगे बच्चों नेगेटिव ले लेंगे तो वो इमेजेस जिसमें जो आ, वो इमेजेस जो कि कैसी हैं रियल इन्वर्टेड हैं उनके टाइम पे लीना मैग्निफिकेशन कैसा आएगा बच्चों हमेशा नेगेटिव आएगा और वो इमेजेस जो कि कैसी हैं वर्चुअल इरेक्ट हैं उनके केस में लीना मैग्निफिकेशन कैसा आएगा बच्चों पॉजिटिव आएगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा कॉन्वैक्स मिरर होता है उसके केस में हमेशा लीन मैग्निफिकेशन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इलेक्ट इमेज बनाता है हमेशा इमेज जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आएगी तो लीनो मैग्निफिकेशन कॉन्वेस मिरर में हमेशा 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 कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा कॉनके मिरर में चेंज हो जाएगा क्यों क्योंकि कॉनके मिरर रियल इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल इलेक्ट भी बनाता है यही सब चीजें जो मैंने बोली है ना वो यही लिखी हुई है लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव वैन द इमेज इज रियल कॉन्वर्सली वैन लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द इमेज फॉर्म द कॉन्केव मेर मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड आ गई आपको बात समझ में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे फिर इसके बाद में एक चीज और है एक चीज ये और है कि जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है ना उसको हम ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं क्या है वो रिलेशन ये है वो रिलेशन लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू माइनस वी क्या है इमेज का डिस्टेंस है कहाँ से लेकर के पोल से लेकर के यू क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहाँ से लेकर के पोल से लेकर के तो ये इस तरह से हम लीनियर मैग्निफिकेशन को या जो हाइट है इमेज और ऑब्जेक्ट की उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के साथ कर सकते हैं ये हमेशा ध्यान में रखना इस पे भी बिठा लो एक क्या डब्बा बना लो और कर लो स्टार मार्क क्यों अभी एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जहां पे आपको यही रिलेशन यूज करना है यूज करना है ठीक है आगे ये चीज आपको समझ में कॉन्वेक्स मिरर केस के में क्या होगा हमेशा लीनियमिक कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा मिरर के केस में क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है क्यों क्योंकि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है इलेक्ट इमेज भी बनाता है और रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है अब फटाफट से बिना देरी किए बगैर हम एक काम करते हैं न्यूमेरिकल पे आते हैं क्या है वो न्यूमेरिकल और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेज थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर है उसने क्या बोला है कि एक थ्री टाइम्स मैग्नेफाइड मैग्नेफाइड का मतलब क्या है भाई थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड मैग्निफिकेशन दे दिया है भाई कॉन्केव मिरर ने एक थ्री टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनाई है थ्री टाइम्स मतलब क्या मैग्निफिकेशन आपको दे दिया गया है कितना थ्री और इमेज भी कैसी बनी है रियल इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की रियल मतलब क्या ये रहा रियल साथ में आगे गया इन्वर्टेड इनवर्टेड मतलब क्या इमेज बनी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी कि उसका डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम नेगेटिव आए एक्सिस के जिसकी वजह से क्या होगा हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ना उसमें थ्री तो आपने लिख दिया है लेकिन साथ में आ जाएगा एक नेगेटिव साइन क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी चेंज नहीं होने वाला ऑब्जेक्ट को तो आप हमेशा प्रिंसिपल पे रखोगे चेंज कहा हुआ है इमेज के जो साइज है उस है उसमें हुआ क्यों क्योंकि इमेज कैसी बनी है रियल बनी है रियल बनी है मतलब क्या इन्वर्टेड होगी इन्वर्टेड मतलब क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो एक कॉन्केव मिरर है जिसका लीनियर मैग्निफिकेशन आपको दे दिया गया है कितना माइनस थ्री पूछा क्या गया है हमसे एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने टेन सेंटीमीटर के टेन सेंटीमीटर पे रखा है हमने उसको मिरर के सामने अब हमको बताना है कि उसकी इमेज क्या बनेगी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ये रिलेशन बताया था मैंने आपको अब इस चीज की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मैग्निफिकेशन है कितना है माइनस थ्री है ठीक है और माइनस वी

अपॉन माइनस टेन माइनस वी अपॉन कितना रख दिया मैंने माइनस टेन आ गया आपको समझ में अब क्या करूंगी मैं अब इसको लेके चली जाऊंगी मैं उधर पे वहां पे मैं लेके गई तो मेरे वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस थर्टी सेंटीमीटर पहले ही बता दिया था कि इमेज कैसी बन रही है रियल इन्वर्टेड बन रही है रियल मतलब क्या मिरर के सामने बन रही है मिरर के सामने बनेगी मतलब क्या उसकी इमेज उसका जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो हम कैसे नापेंगे माइनस एक्स एक्सिस से नापेंगे तो भाई कहा आपको बात समझ में इसको आप माइनस करेंगे क्या करेंगे इसको आप माइनस करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर गया आपको समझ में लीनियर मैग्निफिकेशन बस इतना सा ही था क्या था लीनियर मैग्निफिकेशन में इमेज का रेशियो uh, किसके साथ ऑब्जेक्ट के सॉरी इमेज का जो हाइट है या जो साइज है उसका उसका रेशियो ऑब्जेक्ट के साइज uh, या उसके हाइट के साथ इमेज का नेचर भी पता चल जाएगा इमेज का साइज़ भी पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिस्पेक्ट में कि छोटी है या बड़ी है और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर के पोल से वो भी हमें पता चल जाएगा अब इस लेक्चर के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना मैग्नेट ब्रिंस उसको विजिट कर लेना कि मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल सो डो विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन थैंक यू